क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ओशो के क्वेश्चन कहाँ होते हैं तो हमारे अपने खुद के क्वेश्चन होते हैं ओशो का नाम बीच में आता है जैसे कि ओशो ने ढेर सारे लोगों के बारे में बात किया लेकिन वो हमेशा अपने बारे में बात करते थे अपनी समझ के बारे में अपनी क्लैरिटी के बारे में और जो आदमी उनसे सवाल पूछ रहा है उसके सवाल को लेकर के उसी के बारे में उनको समझाने की कोशिश करते थे आज का सवाल ये है कि ओशो ने ये क्यों कहा कि संभोग से ही समाधि मिल सकती है उनकी सबसे चर्चित जो लेक्चर था जिसको बाद में किताब का रूप दिया गया उसका नाम था संभोग से समाधि फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस ऐसा उन्होंने क्यों कहा क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा और उसके बाद भी किसी ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की हिम्मत नहीं की या सही नहीं लगा लोगों को क्योंकि संभोग संभोग है समाधि समाधि इन दोनों को एक मानना अपने आप में क्या सही है और अगर ये सही नहीं है तो ओष ने ऐसा क्यों किया हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री ना करें हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री करें लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को गौर करें बिकॉज जब मैंने शुरू में ओशो को पढ़ा था जब मैंने शुरू में उनके लेक्चर सुना था तो बस मैं सुनता ही रहा मुझे लगा इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है ही नहीं लाइफ में ये ऐसे हो गया था जैसे कि मेरी रोज़मर्रा की लाइफ में से जो निकलने वाली डिस्टर्बेंसेस थी उस पर कोई मलहम लगा रहा है अपनी बातचीत के जरिए मुझे याद है कि दिन कर करीब पंद्रह पंद्रह बीस पंद्र, बीस घंटे में खाली उनके लेक्चर्स को सुनता रहता था या तो उनकी किताबों को पढ़ता रहता था करियर वरियर सब छोड़ दिया था मैंने सबका सबको पीछे छोड़ दिया था और एक टाइम पर मेरे माता पिता को ये भी लगा कि मैं शायद सन्यासी बन जाऊंगा लेकिन अब मैं देखता हूं कि वो ओशो को नहीं पढ़ता था मैं वो मैं अपने आप को हील करने की कोशिश करता था और जब ओशो ये कहते हैं कि संभोग से समाधि तब वो इसी हीलिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमैनिटी स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वैसे सभी जगहों पर पूरी दुनिया में सेक्स के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा बोला गया है कि ओशो को लगा कि बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर से जो जो काला कालिमा लगी हुई है इसकी जो बदनामी हो रखी है इस शब्द की या इस एक्शन की संभोग उसमें से उसको पवित्र किया जाए उसको साफ़ किया जाए इसीलिए उन्होंने समाधि शब्द को संभोग के साथ जोड़ दिया ना अपने आप में संभोग समाधि और ही तो समाधि संभोग है लेकिन वो ये चाहते थे कि ज्यादातर लोग उनके पास आए उनका एक तरफ तो जोर होता था कि मैं फिलॉसफी पढ़ाऊं लोगों को ट्रूथ के बारे में बताऊं लेकिन उतना तो ही ज्यादा जोर था कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास इकट्ठे हों एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया करते थे वो केवल एक गुरु या एक टीचर के बारे में नहीं बोलते थे वो जितने भी टीचर्स के बारे में बोल सकते थे उनके बारे में बोलते थे जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी टॉपिक्स के बारे में बोल सकते थे उसके ऊपर बोलते थे वो इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट था संभोग से समाधि बिकॉज वो देखते थे कि कौन से लोग किस टाइप के हैं जब वो बोलते थे तो वो सिखिज्म के ऊपर भी बोलते थे वो मुस्लिमों के बारे में बोलते थे उनकी सभी ग्रंथ ग्रंथों के बारे में आ, महावीर के बारे में नानक के बारे में मोहम्मद के बारे में बाइबल के बारे में जहाँ जहाँ पर भी वो अलग अलग सब्जेक्ट मिलते थे क्योंकि उनको पता था कि ज़्यादातर लोग अपने आप को रियल स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्ट कर पाए हैं इन्हीं किताबों से इन्हीं स्क्रिप्चर से कनेक्ट कर पाए हैं तो अगर मुझे इन लोगों से बात करना है तो इन्हीं की भाषा में बात करना है और उसी में से एक ग्रुप और सबसे शायद बड़ा ग्रुप ये है जो कि सेक्स के प्रति बहुत घिनौना अप्रोच रखता है तो ऐसे लोग जो कि सेक्स को बहुत घिनौना मानते हैं वो तो ओर्शो को सीधे इनकार कर देते हैं मुझे पता है कुछ लोग मेरी भी जान पहचान में हैं जो कि स्ट्रेट अवे मुझे याद है एक बार ओशो की किताब मेरे हाथ में थी और उन्होंने मुझे देखा पड़ते हुए उठा करके फाड़ कर फेंक दिया मैं छोटा था उस समय ट्वेल्थ में था और वो काफ़ी बड़े थे तो हमारे घर के फैमिली मेबर थे कुछ नहीं कर सका मैं लेकिन मुझे दिखाई देता है कि वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब थे बिकॉज उस किताब के ऊपर उनकी मैगजीन थी और मैगजीन के ऊपर लिखा था शादी से पहले संभोग हाँ या ना उनका ये कहना था कि अगर कोई भी आदमी रिलेशनशिप रखता है शादी से पहले भी तो कोई बुरी बात नहीं है ये एक नॉर्मल नेचुरल सी चीज़ है और शादी से पहले होगा तो आदमी दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा उस किताब में वही लिखा हुआ था लेकिन ओशो ने ये क्यों कहा कि संभोग से ही समाधि मिल सकती है बिकॉज ज्यादातर लोग चूंकि सेक्स के प्रति बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव ओपीनियटेड है सेक्स के बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली एक डिस्कस्टेड एटीट्यूड है लोग ये मानते हैं कि सेक्स एक वो जरूरी गंदी चीज करनी पड़ती है ताकि हमारे समाज में पॉपुलेशन बढ़ सके उनको ये मानना है कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है और अच्छी चीज भी नहीं है तो उनको लगता है कि सेक्स ख़राब चीज़ है और फिर भी सेक्स करना पड़ता है और उसको करने के लिए शादी की बहुत ज़रूरत है लेकिन ये वो ग्रुप है जो कि ये भी मानता था कि समाधि कोई बहुत पवित्र चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है तो जो लोग समाधि को बहुत पवित्र मानते थे और सेक्स को घिनौना मानते थे ऐसे लोगों को अपने पास बुलाने के लिए ऐसे लोगों को अपनी बात सुनाने और समझाने के लिए पशु ने ये तरीका अपनाया कि सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस कि सेक्स से ही तुम्हारी समाधि तुम्हें मिल सकती है मैं भी एक स्टेज पर ऐसा ही था मुझे पता नहीं था मैं तो टीनेजर था इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं हमको आसपास के लोगों से मिलते हैं हमारे से सीनियर्स हमारे से बड़े लोगों के ओपिनियन देख करके हम उनके ओपिनियन अपने ओपनियन बना लेते हैं लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तब देखा मैंने कि असल में समाधि कुछ और चीज़ है समाधि में आप शरीर के बियॉन्ड जाते हैं समाधि में आप आपका शरीर आपका नौकर हो जाता है उसके पहले तो आप शरीर के नौकर होते हैं जैसे आपका शरीर आपको जहाँ उठाए जहाँ बिठाए जहाँ सुलाए देखा नहीं आपने काम करते करती नींद आ जाती लोगों को अगर आप अपने आप को जगाना चाहते हैं किसी बहुत ज़रूरी काम के दौरान इम्तिहान के पहले तो भी नहीं जगा सकते बिकॉज आप इस शरीर के अधीन है ये शरीर आपका मालिक है तो जब तक आपका शरीर आपका मालिक है तब तक आपके शरीर के अलग अलग एक्टिविटी भी आपके मालिक है उसी में से एक मालिक है सेक्स तो ने जानबूझ के सेक्स को समाधि कहा क्योंकि जो लोग समाधि के लालची हैं जो लोग चाहते हैं कि वो समाधि में पहुंच जाए या जो लोग समाधि को समझना चाहते हैं उनके लिए ओषो ने उनको बुलाने के लिए सेक्स को ही समाधि बोल दिया उन्होंने प्लस वो खोज रहे थे कि, कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैं लोगों को दिखा सकूं एक ऐसे एक्सपीरियंस की मैं उम्मीद जगा सकूं जो सबसे इंटेंस है सबसे पावरफुल है और वो सेक्स ही है वो संभोग का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जॉयस माना जाता है ये ऐस, ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम सब ने एडल्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है खाना पीना इन सभी से ज़्यादा जो इंटेंस मोमेंट होता है वो सेक्स का होता है तो अब इसी एक सेकेंड के सेक्स को वो समाधि के ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस के साथ इक्वेट करते हैं कहते हैं कि जो ये एक सेकंड में आपको मिलता है संभोग में वो आपको समाधि में पूरी एटर्निटी तक मिलता रहेगा उनका ये कहना था ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है बिकॉज सेक्स मतलब ये शरीर की एक्सपीरियंस कुछ सेकंड के लिए शरीर के बियॉन्ड लगता पता नहीं चलता आप शरीर में है कि बाहर हैं लेकिन जब आप शरीर में वापस आते हैं तभी आप इस एक्सपीरियंस को याद भी कर पाते हैं तभी आप इसके बारे में बात भी कर पाते हैं लेकिन एक्चुअली जो एक्सपीरियंस समाधि का है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि आपको अब बॉडी की कोई जरूरत नहीं रह गई है बहुत काम बहुत कंपोज स्टेट है और ये सेक्स करने से नहीं आती है इस सेक्स में बार बार अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने से नहीं आती है फिर से समझिएगा समाधि का जो एक्सपीरियंस है वो समाधि को स्टडी करने से आती है ना कि सेक्स को स्टडी करने से लेकिन अगर आपके मन में सेक्स ही हाबी है तो पहले आपको इसमें से खाली होना पड़ेगा अभी आज मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी तो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने पिछले दो तीन महीनों में ऑब्जर्वेशन को लेकर के कुछ स्टडी किया है उन्हें करते तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने पूछा क्या किया आपने पूछा कृष्णमूर्ति ने इतने ढेर सारी लेक्चर्स दिए हैं इतने ढेर सारे बुक्स लिखे हैं क्या उनको पढ़ने की प्रयास की है आपने या अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है उसको लिखने की कोशिश की है जो एक्चुअली स्टडी करने की कोशिश की है ऑब्जर्वेशन को मैं उनको पूछ रहा था तो ऐसे ही ठीक ऐसे ही अगर किसी भी सब्जेक्ट को हम समझना चाहते हैं उसमें गहराई से दूर जाना चाहते हैं तो हमको उसी सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा हालांकि किताब पढ़ने से समाधि नहीं मिलती है लेकिन किताब पढ़ने से एक नई चीज़ होती है और वो है समाधि के बारे में योग के बारे में स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है एक इमोशनल बैंक बैलेंस चाहिए होता है समाधि के लिए अभी नहीं है हमारे पास कैसे पता कि हमारे पास समाधि के लिए इमोशनल बैंक बैलेंस नहीं है तो मैं इमोशनल बैंक बैलेंस उसको बोलता हूं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं और जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान लीजिए थोड़ा तो सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए क्योंकि तो थोड़ा मुश्किल एक्सपेरिमेंट फिर भी करके देखिए अगर अभी ना कर पाए तो बाद में कभी करिएगा जब मौका मिले और मौका मिलेगा आपके आसपास आपके घर में आपकी वाइफ आपका बच्चा या आपके घर में कोई बहुत बीमार हो गया अपने बारे में इमेजिन करना थोड़ा तो मुश्किल है बिकॉज हम मर जाएंगे तो क्या होगा लेकिन कोई और हमारे नजदीक जिसको हम बहुत प्यार करते हैं अगर उसको कुछ हो गया या हम ही को कुछ हो गया और हम चिंता कर रहे हैं तो कौन सी चीज की चिंता हमारे मन में सबसे ज्यादा होगी मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि आप एक महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएंगे तो आप किस चीज के बारे में सोचेंगे किस चीज के बारे में प्लान करेंगे ऑब्वियसली हम अपने परिवार के बारे में अपने बाल बच्चों के बारे में अपने वाइफ अपने सोचेंगे कि इनका कैसे देखभाल होगा हमारे जाने के बाद क्या क्या करेंगे ये लोग पूरी कोशिश करेंगे इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए अरेंज करने के लिए लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहेंगे चिंता हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं चिंता बेसिकली हम खुद के लिए कर रहे हैं जो कि इनके साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा है एसोसिएट कर रखा है ये एक्चुअली कर, करके देखिएगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ दिन पहले किया जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक हमारी जान पहचान की रिम्पी की सहेली है उनकी डेथ हो गई तो उसके बारे में जब हम सोच रहे थे तो हम लोग बहुत नोस्टैलजिक हो रहे थे थोड़ा सा अंदर में दिल ठंडा सा हो तो रहा था बैठ रहा था कि उनकी डेथ हो गई रिसेंटली बहुत यंग एज में डेथ हो गई और वहीं पर एक एक और सज्जन की वाइफ की डेथ हुई तो जब उनके बारे में हम सोच रहे थे तो चूंकि हम उस सज्जन से भी नहीं मिले हमारे पड़ोसी हैं हमारे शहर के ही हैं ना तो उनसे हम मिले हैं ना तो उनकी वाइफ से मिले हैं बस उनका नाम जानते हैं तो उनकी डेथ के बारे में और इनबी की फ्रेंड की डेथ के, के बारे में जब हम दोनों को एक साथ क्योंकि दोनों की डेथ ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हुई थी और दोनों की डेथ तकरीबन एक ही वजह से हुई थी मेटरनल डेथ थी बच्चे को पैदा होते समय उनकी डेथ हुई थी तो उसी समय हम लोग दोनों को जब एक्सपीरियंस कर रहे थे तो जिनको हम पर्सनली जानते हैं वो डेथ हमको ज़्यादा इमोशनल कर रही थी बजाय उसकी जिसको हम पर्सनली नहीं जानते तो ये उस पर्सन के बारे में हम नहीं चिंता कर रहे थे हम ये अपने बारे में खास तौर से अपने इमोशंस के बारे में और जैसे ये इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही हम उस पर्सन के साथ या उस घटना के साथ अपने आप को बहुत दूर महसूस करते हैं कटा हुआ तो अगर हमको कुछ हो जाए हमको होने वाला है तो हम किसके बारे में सोचेंगे जिस चीज के बारे में भी हम सबसे ज्यादा सोचेंगे जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा कॉन्टम्प्रेट करेंगे चिंता करेंगे वही हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस है अब अगर वो हमारा परिवार है तो परिवार या वो हमारे लिए समाधि है या हमारी स्पिरिचुअलिटी है आजकल हम लोग जनों का एडवांस्ड कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें जिक्र आता है बहुत बार आ, ऐसे दुनिया का जहाँ पर हम लोग डेथ के बाद एनलाइटन होने के बाद पहुँचते हैं एक उसको जना यूनिवर्स कहा गया है जहाँ पर क्रिएशन होता है जहाँ पर कभी कोई न पैदा होता है न मरता है ये जहाँ रहते हैं इसको हम लोग एग्जिस्टेंस के नाम से पुकारते हैं तो हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं एक सर्जन से पूछ रहा था कि मान लीजिए भाई एक हफ्ते बाद कुछ हो जाए तो आप क्या ये पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके लिए इतना इमोशंस नहीं है लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बुरी से बुरी घटना हमारे साथ हो जाए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए किसी की डेथ हो जाए कुछ हो जाए और उसके बाद उस दुर्घटना के बाद जो भी क्रियाक्रम वगैरह है सब कुछ करने के बाद शोक मनाने के बाद उस दुख में से बाहर आने के बाद फिर से हम अपनी स्टडीज़ पे, समाधि की स्टडीज़ पर अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज की स्टडीज़ पर फिर से लग जाए अपने एक्सपेरिमेंट पर फिर से लग जाए क्या ऐसा पॉसिबल है इसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज अगर ये राइट right इंग्रेडिएंट नहीं है ये इमोशंस फॉर समाधि इमोशंस ही हमारा फ्यूल है वो ईंधन जिसको जला करके जिसको यूज करके हम किसी भी चीज़ को पाते हैं इसी को हम दूसरी भाषा में पैशन कहते हैं बट पैशन बहुत सुपरफिशियल टर्म है तो जो भी सन्यासी भगवद गीता जैसी किताबों के ऊपर टिप्पणी लिखते थे या जो भी सन्यासी किसी गुरु किसी महात्मा की बातचीत को लिखने की कोशिश करते थे वो किसी महात्मा के बारे में नहीं लिख रहे थे वो असल में अपने माइंड में इमोशंस क्रिएट कर रहे थे उस सब्जेक्ट के बारे में वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे तो राम के बारे में तो बाद में लिख रहे थे पहले वो राम के बारे में इमोशंस को क्रिएट कर रहे थे अपने लाइफ में अपने माइंड में क्योंकि जो चीज़ आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसके लिए आपके मन में इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है अब सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्लीज अपने आप को पूछिए कि मेरे मन में किस चीज के लिए इमोशंस डेवलप हो रहा है सेक्स सेक्स के के प्रति प्रति सुपर सुपर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ये दो शब्द जब हम एक साथ सुनते हैं टू तो तभी तुरंत देखिए कि कौन सा शब्द हमारे मन में ज्यादा इंटेंस होकर के दिखाई देता है समाधि कहीं दूर दिखाई देता है ठीक है कोई ऐसी चीज जो शायद हमको मिलेगी कभी मिलेगी पता नहीं मिलेगी नहीं सेक्स तो अभी यहां पर है और जब उसको बोलते हैं तो उसका जॉय हमारे फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है इसलिए मैं कहता हूँ ये पूरी तरह से सही नहीं हुआ था वो अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी उन लोगों को जो लोग सेक्स के साथ बंधे हैं लेकिन फिर इन्हीं सब चीज़ों से वो लोग सेक्स के साथ और बंध गए जब तक हम रियलिटी को ट्रूथ को समाधि को जो योग के अलग अलग स्टेप्स हैं योग के आठ स्टेप्स हैं जिस तरह से हम लोग जो एडवांस में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा नहीं कि इसको पढ़ करके आप इम्तिहान दे सकें खाली इतना नहीं ये सारी की सारी आपकी ज़िंदगी का एक एक एक्सपीरियंस हो जाए ये आपकी जिंदगी में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आपकी ज़िंदगी का रूप बन जाए तभी आप समाधि को समाधि को समझ सकते हैं कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी और ये मेहनत केवल सेक्स में जाने से नहीं आती या अगर आप अपने आप को सेक्स में बार बार डाल करके भी सेक्स के बियॉन्ड भी चले जाएं, तो भी नहीं होती जब तक राइट right इमोशंस नहीं क्रिएट होते जब तक एम्पल ऑफ इमोशंस नहीं क्रिएट होते इमोशन्स कहना भी सही नहीं है जी ये इंटरेस्ट कह लीजिए प्रोफाउंड जिसको जनू का प्रोफाउंड इंटरेस्ट कहती है मतलब गहरा इंटरेस्ट जब तक आपका इस सब्जेक्ट में नहीं होगा कर लीजिए सेक्स कर लीजिए शादी कर लीजिए बच्चे भी हो जाए वो सब हो जाए लेकिन उस पूरी जर्नी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में होना चाहिए समाधि या सुपर कॉन्शियसनेस को समझने का आपका इंटेंसिटी जैसे साइंटिस्ट होते हैं या राइटर्स होते हैं या म्यूजिशंस होते हैं उनका परिवार है बच्चे हैं सब कुछ है लेकिन उस सबको करने के बाद फिर वापस चले आते हैं अपने रियाज़ में लग जाते हैं या अपने रिसर्च में लग जाते हैं मैथमेटिशियंस अपनी किताबों को पढ़ते रहते हैं अपने सवालों को हल करते रहते हैं बिकॉज दे दे वांट टू नो दे वांट टू नो ठीक ऐसे ही यही एटीट्यूड जब तक आपका योग के प्रति स्पिरिचुअलिटी के प्रति समाधि को समझने के प्रति नहीं होगा तब तक ये बहुत मुश्किल होगा ये खाली इतना नहीं है कि आपको सेक्स से अपना प्लग हटा दिया या सेक्स करते रहे तो उसके बियॉन्ड चले जाएंगे ये थोड़ा ज्यादा है संभोग से समाधि तक ओशो की किताब जो अभी तक बेस्ट सेलर रही है है ठीक बहुत ही शानदार किताब है और आज मैं इसका रिव्यू करूंगा इसको मैंने आज से दो साल पहले पढ़ी थी और मैंने कई बार सोचा था कि मैं इस किताब का रिव्यू करूंगा आपके सामने आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार किताब रही है यह और मुझे लगता है इस किताब को कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहां पे ओशो बहुत सारी चीजें बताते हैं जैसा कि आपको नाम से लग रहा है इसमें संभोग नहीं है बिल्कुल सही कहा इसमें तो परमात्मा तक जाने की प्रक्रिया बताई है तो हम बात करेंगे इस किताब को आप जरूर खरीदिए और अपने पास रखिए और उसको पढ़िए बहुत ही जबरदस्त शानदार किताब है तो पूरी किताब तो क्योंकि बड़ी लंबी किताब है ये, लेकिन मैं आपको बता ओशो तो को जब आप पढ़ेंगे ना, उनकी किताबों आपको नहीं महसूस आपको तो क्रांति आ जाती पूरी दुनिया में भाई कसम से तो चलिए शुरू करते तो पहला चैप्टर है जिसकी हम बात करेंगे चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा जैसा कि मैंने बताया कि पूरा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स दूंगा रिव्यू दूंगा तो सबसे पहले तो यहां पे संभोग शुरुआत के चार चैप्टर्स में संभोग की वो बात करते हैं ठीक है अब देखो यहां पे ओशो बार बार ये बताते हैं कि प्रेम जो है प्रेम ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबा रहे हैं हम प्रेम को जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसका दमन कर रहे हैं और ओशो ये बताते हैं कि जिस चीज का दमन होता है हजारों सालों से हमारे जो साधु संत है वो कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम मत करो स्त्री नरक का द्वार है सेक्स मत करो संभोग मत करो बट बत, बत ओशो बताते तो स्टेप वन है जिस आदमी ने प्रेम नहीं किया जिस औरत ने प्रेम नहीं किया वो कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकता तो ये तो बड़ा डेंजरस है यहां पे ओशो बताते प्रकृति कि हम संभोग के बीच में ही रह रहे हैं मोर नाच रहा है आपको बड़ा सुंदर लगता है लेकिन मोर नाच क्यों रहा है वो रिझाने के लिए नाच रहा है अगर फूलों से जो अमृत होता है वो अगर भवरा नहीं ले जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी ये पूरी पृथ्वी ही ऐसे चल रही है जानवर संभोग कर रहा है और हम जी रहे हैं हर जगह यही हिसाब किताब है और यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है जन्म देने की शक्ति क्रिएट करने की शक्ति और हम इसी का ही दमन करते जा रहे हैं हम प्रेम को खत्म करते हैं, हम प्रेम को दबाते जा रहे हैं जितना भी जिन्होंने भी यह इतिहास लिखा है जिन ऋषि मुनियों ने उनका बस यही है कि प्रेम को दबाओ स्त्री की तरफ मत जाओ पुरुष की तरफ मत जाओ यह गलत है जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उस परमात्मा को कभी प्राप्ति नहीं होंगे यहां पे ओशो ये बताते हैं ओशो खजुराहो के मंदिरों का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी कहते थे इनके ऊपर वो, वो कपड़ा डाल देना चाहिए लेकिन ये गलत है ओशो बताते हैं कि कोई भी चीज को इतनी बार करो क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कोई खाना खा रहे हैं अब आप उसको बार बार खाएंगे ना तो खाने से उब जाएंगे उसके बाद आप ऊपर उठोगे तो ओशो का भी यही कहना है वो दो चीज बताते हैं या तो योग दे दो योग एक बहुत इंपॉर्टेंट योग अगर आपने अपने सेंसेस पे काबू किया आपने माइंडफुलनेस बहुत सारी टेक्निक्स मेडिटेशन आपने शुरुआत से ही कर लिया तो फिर आपकी ऊर्जा को एक दूसरा भाव मिल जाएगा लेकिन वो आजकल के जमाने में कोई करता ही नहीं योग दिया नहीं हमने हम सीधा स्टेप फाइव पे चले गए हैं तो यही ओशो बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भागना नहीं है बताते हैं कि आज शादियां टूट रही हैं औरतें पागल हुई जा रही हैं अगर आप देखोगे तो औरतें पगला चुकी हैं क्योंकि दमन है कई मंदिरों में गिरजाघर में मस्जिदों में आ, मतलब चर्च में चर्च में तो स्पेशली ओशो बताते हैं कि वहां पे आप शादी नहीं कर सकते लेकिन अगर आप देखोगे अगर आप उन औरतों को उनका इंटरव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि उनकी इच्छाओ को दबाया गया है और जहां पे इच्छा दबती वो दबती नहीं है वो वो नहीं किसी किसी ना किसी और रूप में प्रकट होगी और अगर नहीं प्रकट हो रही है तो आपकी बॉडी पे ही प्रकट हो जाएगी आप परेशान रहने लगोगे ये तो एक ऐसी चीज है इसको तो बहने देना चाहिए इस ऊर्जा को दूर दूर तक ले जाओ और इसी ऊर्जा से ही इसी सृजन की शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है बताते कि एक बात एक संत के मतलब मेरे पास एक लड़का आया और बोला कि मैं तो बिल्कुल भी सर मैं एकदम किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूं प्रेम विम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है पर मुझे परमात्मा चाहिए तो शो भाई बताते हैं कि भाई तुमने पानी नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि तुमको सागर चाहिए तो ये कैसे संभव है दैट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हमारी सारी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबाते हैं अजीब बात है कि हम प्रेम विवाह होने नहीं देते उसको तोड़ के हम विवाह करवाते और फिर कहते प्रेम करो तो शादियां तो टूटेंगी ही यह व्यवस्था ही गलत है दुनिया ही प्रेम पेटी की हुई है और जहां प्रेम नहीं मिलता इस अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको प्रेम चाहिए और अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो नफरत ही हो जाएगा हिटलर स्टालिन बहुत सारे यहां पर कहानियां बताते बुद्ध की पूरी किताब में आपको बुद्ध की ढेरों कहानियां मिलेगी बुद्ध ओशो बताते हैं कि बुद्ध का जो केंद्र था वो प्रेम था हालांकि आपको बता दो ओशो सबको गरी आते हैं ओशो किसी को नहीं छोड़ते ओशो सब पे सवाल उठाते हैं हर एक चीज पे सवाल उठाते हैं। तो वही बताते कि यही सबसे जरूरी है विकास के लिए आंतरिक विकास के लिए सवाल उठाना यहां पर बोलते हैं मन से लड़ो लड़ना पड़ेगा सेक्स पाप है लेकिन द्वंद्व छोड़ो ये सब शिक्षाओं के आधार पे मनुष्य में द्वंद्व आता जा रहा है इंसान जितना आज भारत जो है वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में सबसे आगे है सबसे ज्यादा पोर्न भारत में सर्च किया जा रहा है लोग सामने कुछ और हैं बता रहे कि आदमी के हजारों चेहरे और पीठ पीछे कुछ और हैं दिन में तो नहीं नो सेक्ष, नो सेक्स सेक्स और रात में सब शुरू कभी अश्लील पिक्चर है तभी तो मार्केट इतना बढ़ रहा है इंस्टा मिनी पॉर्न है ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं देखिए कितना बढ़ रहा है वो लाइक्स देखिए उस पर बात इतनी सी है कि जहां पे दमन छोड़ना पड़ेगा जहां दमन होगा वो बड़ा डेंजरस है और सेक्स का दमन तो बहुत ही खतरनाक होता है खजुराहो के मंदिर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वो मूर्तियां हैं वो आपकी बाहरी कल्पना है कि ओशो बताते हैं कि बाहरी मतलब कि मूर्ति मूर्ति देख के इतना थक जाओ उनको देख के मेडिटेट करो उनको देखते देखते तुम इतना थक जाओ बोले कि भैया अब हो गया मन भर गया अब आ जाओ अंदर आपको मंदिर मिलेगा ये शरीर है एक तरीके से ये यात्रा है जीवन की कि जीवन ऐसा ही है कि बाहर देख लो बाहरी हो गया ठीक है देख लिया तुमने नंगी तस्वीरें देख ली हो गया खत्म इच्छा खत्म हो गई तुमने इतनी बार देखा कि इच्छा खत्म हो गई अब अंदर आ जाओ अब अंदर आके ध्यान लगाओ पूजा करो परमात्मा की तरफ जाओ ये ओशो जो है वो बताते हो और बताते कि मनुष्य कभी भी काम से मुक्त तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्राथमिक बिंदु तो यही है उसी से तो जन्म होता है उसी से तो क्रिएशन होता है तो कहां से आप काम से मुक्त होंगे ओशो हमारे ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल देते हैं कि वो बताते हैं कि नरक का द्वार है क्योंकि वो डरते हैं इस चीज से बहुत सारे संतों का एग्जाम्पल देते हैं कि जो संत इतनी धार्मिक बातें करते हैं सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में वही शामिल होते हैं सबसे ज्यादा जो इच्छा होती है उनमें देखिए आप जाके और हर जगह का वो एग्जाम्पल देते हैं हिंदू क्रिश्चियंस इस्लाम सब जगह का औरतों के मामले में तो बहुत ही ज्यादा ओशो जो है वो ओपन है कि औरतों को इतना ज्यादा दमन किया गया है कि वो परेशान हो चुकी हैं पति परमेश्वर है क्या बात है पति तो परमेश्वर है लेकिन कौन कह रहा है परमेश्वर है पति खुद कह रहा है मैं परमेश्वर हूं और पत्नी उसको मान भी रही है पत्नी झुंझला जा रही है उसकी बातों से उसकी ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम परमेश्वर हो पति चाटे मार रहा है तो भी पत्नी सह रही है अब पत्नी पत्नी जो है 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 वो पति पे पे गुस्सा गुस्सा उतार नहीं सकती तो अपने बच्चे पे उतारती है। बच्चा प्यारा है, स्कूल से आ रहा है, कपड़े गंदे कर लिए पत्नी कह रही है मां कह रही है आज तो इसका सुधार करेंगे बट वो सुधार एक्चुअली पति का करना चाह रही है बच्चा आता है भाई बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे बच्चों को यहां पे ओशो बताते कि बच्चा मन होना चाहिए मन आपकी बच्चे की तरह होना चाहिए वहीं परमात्मा का वास है बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि ये दुनिया जो ये पूरी समाज की प्रक्रिया भीड़ है।, है ये ठीक है ये दिस इज अ बिग क्राउड ये भीड़ है जो आपको बर्बाद कर रही है हिटलर जो है हिटलर शुरुआत में हिटलर आगे नहीं बढ़ रहा था लेकिन धीमे धीमे हिटलर को समझ में करना क्या है तो शुरुआत में ग्रोथ नहीं थी तो हिटलर अपने साथ खाली पंद्रह लोगों को ले जाके जाता था आप एक्सपेरिमेंट करी गई और जब भी वो स्पीच देता था पंद्रह लोग ताली बजाने लगते थे तो भीड़ ताली बजाने लगती थी भीड़ का कोई ईमान नहीं होता है अगर भीड़ कर रही है आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ भीड़ ने किया इंडिविजुअल नहीं करेगा वो तो भीड़ के साथ साथ सब जायज है तो वही उसे बताते हैं कि कि एक कहानी कि राजा के पास जो है वो एक गरीब आता है फकीर आता है और बोलता है कि मैं देवताओं के कपड़े आपको लाके दे दूंगा तो बड़ा खुश राजा कि अरे वाह क्या बात है ठीक है ले आओ भाई तो एक सूटकेस लेके आता है वो खोलता है सूटकेस राजा कहता है ये क्या है कहता है अरे सर यही तो फकीर के कपड़े हैं सभा में सबके सामने बोलता है और इसमें यह भी कंडीशन है कि अगर आपको फकीर के कपड़े नहीं दिखे तो आप दो बाप के डर जाता है राजा बोला दिखे कि नहीं राजा कहता हाँ बिल्कुल मुझे दिख रहे सभा में सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल, सब, बिल्कुल सही बात है अब यहां पे सब के सब सोच में पड़े हैं कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहे क्या मैं दो बाप का समझ नहीं आ रहा यार लेकिन भीड़ क्योंकि भाई इंसान असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता है तो भीड़ कह रही हाँ हां बिल्कुल बिल्कुल देवताओं के कपड़े हैं तो तो बोलता राजा उतारो फिर राजा फिर दंगा होने लगता है और वो पहले अपनी पगड़ी पहनता है वहां से है नहीं कुछ कोट पहनता है पूरी भीड़ कह रही है अरे बिल्कुल बिल्कुल कपड़े तो ही है तो कहता है ऐसे ही तंत्र काम करता है यह लेकिन यही से आपको उठने की जरूरत है और पूरी भीड़ कह रही है कि सेक्स मत करो इसकी बात करना भी पाप है और जिसकी बात करना पाप है आज वही पाप सबसे आगे है सबसे ज्यादा दुनिया में क्या हो रहा है सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे तो यही ओशो बताते इसको एक्सेप्ट करो शुरुआत से ही बच्चों को बताओ बॉडी के जो महिला है या जो पुरुष है उनकी बॉडीज के बारे में बताओ वो कैसे काम करते हैं जब ये होगा एक्सेपिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी होगी तो शुरुआत सजन के ऊर्जा राम अनुजीत राम अनुजी की कहानी थी जो मैं बता रहा हूं कि जब एक लड़का आता है और कहता है कि आ, मुझे परमात्मा को पाना है लेकिन मैंने कभी प्रेम नहीं किया मैं इन झंझटों में नहीं पड़ा तो राम ने तुरंत बोला कि भाई जब तुम प्रेमी तुमको सागर चाहिए लेकिन तुमने पानी ही नहीं पिया तो कैसे होगा नामुमकिन है बेटा तू वापस चला जा ठीक है है तो ये चीज बाकी और भी बहुत सारी चीजें अहंकार की बात करते हैं कि ये एक, ये एक भी प्रेम ना होने की वजह से ही आता है जितनी भी नफरत है जितनी भी बुरी चीजें हैं इस दुनिया में प्रेम नहीं है इसी की वजह से ही ये सब हो रहा है जहां प्रेम हम पूरी दुनिया में प्रेम की बात हो रही है लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कितनी ज्यादा नफरत वॉर हो रहा है आज इसराइल हमास लड़ रहे हैं बातें तो प्रेम की करेंगे धर्म क्या सिखाता है जीजस क्राइस्ट आए जीजस ने लोगों को रहना सिखाया लोगों को प्रेम करना सिखाया लेकिन उनके साथ क्या हुआ कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है औरत को नाचु औरत यह है औरत वो है जीसस के साथ जो औरत थी आखिरी तक वो मैरी मैंडल थी आखिरी तक उनके साथ रही यह भी बताते हैं ओशो कि उनके एक शिष्य ने मुखबरी की थी लेकिन चंद पैसों के लिए उनका शिष्य कभी मुखबरी नहीं हुआ जीजस सूली चढ़ गए अमर हो गए महावीर सूली चढ़ते अमर हो जाते हैं पूरा धर्म पूरी दुनिया में फैल जाता सूली चढ़ना भी भाई भगत सिंह ने फांसी ली कबूल की और वो बिल्कुल इसके खिलाफ तक मुझे फांसी मत दो मुझे फांसी दो ताकि मेरा मैसेज पूरी दुनिया दुनिया दु, दु, भर में पहुंचे और यही हुआ तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं फिर उसके बाद शुरुआत के चार चैप्टर्स में तो दोस्तों यही हो रहा है ठीक है कि कुछ भी अगर आप बोलेंगे प्रेम के बारे में प्रेम की बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन प्रेम को दबाने की यहां पर पूरी कोशिश है और अंदर उनके प्रेम है अगर आप उनको देखोगे ना सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं के अंदर है सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि वो उफन रहा है उनकी जवानी जो है वो एकदम लेकिन उनको मिल नहीं रहा है तो चाहते कि किसी को ना कहते कि आदमी का ये साइकोलॉजी होती है कि अगर हमारे साथ दुख है हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं होने देंगे और कहीं ऐसे इंसानों के पास ताकत आ गई तो और ज्यादा दिक्कत तो शुरुआत से जो हमारी प्रयोजन है वो बहुत ही गलत है हमने सब उल्टा कर दिया है यहां पे ये बोलते हैं ठीक है कि हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही है हमारे प्राण में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई है इस बात के कारण जीवन असर दिखाई देने पड़ता है जीवन दुख दिखाई देने देने पड़ता है बट बिल्कुल गलत है ये ऐसा नहीं है ये जीवन ही तो है जो आपको जीना है यही दुनिया तो है जिसमें आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी बताते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में काफी बात की है ओशो ने इस किताब में भी तो बताते हैं कि रविन्द्रनाथ मतलब इंसान इतना दुखी है उसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है उसके पास इतना कुछ है लेकिन जो नहीं है वो उसमें दुखी है ओशो यहां पे एक और कहानी रविन्द्र की जैसे कहानी बताते हैं कि भाई एक बार वो नाव जा रही थी नाव पे थे वो ठीक है एक दिया बुझ पूर्णिमा की रात चांद निकला था दिया बुझ गया इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ इतना खूबसूरत लेकिन कितने लोग को उसको एंजॉय करने के लिए अगर कोई नफरती व्यक्ति होता कोई दुखी व्यक्ति होता तो कभी उसको यह सारी चीजें दिखती ही नहीं ओशो यहां पर बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि उसे कहते हैं कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा आप दानी होगे जितना ज्यादा अच्छे हृदय के होगे उतना है हमारे पास जो है हम कभी उसमें खुश नहीं रहते कि एक भिकारी, एक भिकारी जो है वो बहुत भीख मांगता था भिकारी मांगते हैं और भिकारी हमेशा सात आठ लोगों के में जरूर जाएंगे वो क्योंकि लोगों के चेहरे होते हैं आदमी के हजार चेहरे हैं ठीक है वो हमेशा दस के ग्रुप में जरूर जाएंगे और आदमी उनको देगा भी क्योंकि उनको दूसरों को दिखाने के मैं कितना बड़ा दानी हूं तो एक बार भिकारी के पास राजा है अब भिकारी बड़ा खुश क्या बात है राजा आ गए फेस्टिवल सीजन में भिकारी वैसे भी उनको काफी ज्यादा कमाई हो जाती है तो राजा आए भैया राजा तो अब यहां पे बोला सोचा भिकारी ने कि भाई अब तो मेरी मतलब पूरा जीवन धन्य है क्योंकि राजा आ गए और राजा जो है वो भर भर के दान देंगे मुझे क्या बात है जैसे ही राजा आते हैं वैसे ही उसके भिखारी कहता है ऐसे झोले फैला के क्या वो मुझे दीजिए राजा उतरते राजा बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं तुमको आज कुछ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे ज्योतिष ने यह बोला है कि मुझे भिखारी से दान लेना है और अगर मैं उस भिखारी से दान नहीं लूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा जो किंगडम है जो साम्राज्य वो डूब जाएगा अब भिखारी बड़ी दिक्कत में अरे बाप रे कैसे दान दे एक मुट्ठी चावल के लिए बोला है लेकिन एक मुट्ठी चावल तो बड़ी मुश्किल से भिखारी से एक मुट्ठी चावल दिए बदले में उसको मिला भी बहुत कुछ बहुत कुछ और भिकारी परेशान उसको इतना कुछ मिला उसने ये नहीं सोचा लेकिन घर आके उसकी पत्नी कुछ कह रही आज कितना मिला है लेकिन वो वही सोच रहा है कि ना 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 ना, ना। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भैया इतना एक मुट्ठी चावल जो है वो जो है वो मेरा जो राजा है वो निकाल के ले गए ये चीज है लेकिन रब जा, रब जा, राजा ने चावल उठाए तो उन्होंने एक दाना डाल दिया था भिखारी की झोली में अब भिखारी की झोली में जब भिखारी को दिखा तो उसको दाना दिखा सोने का था तो सोने का दिखा तो वो पगला गई उसकी बीवी लेकिन वो और दुखी अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे दो तीन मुट्ठी और दान देने चाहिए थे तो और मुझे सोना मिल जाए अरे ये बहुत बड़ी तो यही दुख का कारण है हमारे यहाँ एक तो शक्ति का दमन दूसरा जिसमें है हम उसमें खुशी नहीं है तो हमारे साथ कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं ये चीज है बताते हैं ओशो कि हमने मृत्यु के लिए तो सारे इंतजाम कर लिए हैं कि मृत्यु 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 अरे जीवन जीने का यो, यूग, जीने योग्य है जीवन को हमने समझा ही नहीं है और जब तक हम जीवन को नहीं जिएंगे तब तक हम कैसे उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं जब तक हम इस प्रकृति को नहीं समझेंगे जब तक हम इस जीवन को नहीं समझेंगे ये चीज है ठीक है तो ये पूरी बातें यहां पर जो है वो करती है करते हैं ओशो कहते कि बिजली से भी बड़ी ताकत सेक्स है जो कामुकता है वो बहुत बड़ी ताकत है और उसको सही तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसके बारे में बात होनी चाहिए पहले का जमाना बहुत खुला था इसके बारे में बात होती थी जहां जिस समाज में इन चीजों का दमन होगा वो अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में सामने आएंगी क्रोध के सामने आ सकती है पागलपन के सामने आ सकता कुछ भी हो सकता है समझ रहे हम तो ये यहां पे बोली और शुरुआत के चार चैप्टर्स में बहुत सारी और भी चीजें हैं दोस्तों ठीक है लेकिन मूल्यता जो है वो आ, ये चीजें जो है वो बताई गई है कि दमन ना करिए किसी अगर आपके अंदर प्रेम है तो उसको प्रकट करिए प्रेम को बहने दीजिए ठीक है क्योंकि इसी ये स्टेप टू यही परमात्मा बताते हैं कि जो हमको आ, जब हम संभोग करते हैं तो जो हमको ऑर्गेजम होता है वो चंद भर का होता है लेकिन वही ऑर्गेजम जब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं जब आपको मिस्टिक एनर्जी आती है ना तो उससे दस गुना ज्यादा वो हैपीनेस आपके साथ रहती है आपको परमात्मा की यह बताते मेडिटेशन की तरह है क्योंकि जब आप संभोग करते हो बस आप उसी में डूबे रहते हो और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा इधर उधर कुछ नहीं आप आप उसी में डूबे रहोगे और वही करते 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 जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको हल्की सी परमात्मा की झलक दिखती है लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है और उसी झलक के लिए हम भागते रहते हैं आप बताते है कि अगर उसको टाइम पीरियड को काफी लंबा कर दे मान लीजिए दो तीन घंटा अगर हम कर दे तो आप जिंदगी भर कभी सेक्स नहीं करोगे ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हैं कि कोई बकवास सही है ब्रह्मचर्य के बारे में उसको बताते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य किसी को थोपना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि अरे अपना जो सीमे ने वो बचा के रखो नो फैप नो फैप लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे ऐसा होना कि आप परमात्मा में इतना विलीन हो जाओ तब ब्रह्मचर्य हो गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी ने उनकी जो भांजिया थी कौन थी मनु और आ, उनके साथ वो सत्तर साल के जब थे गांधी जी तब उनके साथ नंगे सोते थे अपने अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए इसका मतलब उनको अभी तक भरोसा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो यहां पे कोई चीज थोपिए नहीं कल से कह देंगे कि आपके हां खत्म सब ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मजा आ जाएगी लेकिन नहीं होगा प्रॉब्लम होगी धीमे धीमे स्टेप बढ़ाइए आप परमात्मा की ओर जाइए एक्सेप्ट करिए परमात्मा की ओर जाइए उसके बाद वो चीजें अपने आप आएगी क्योंकि जब इंसान परमात्मा की ओर जाता है जब वो खुशी का एहसास होता है ना तो आपको ये सारी चीजें करने का मन ही नहीं करता है, टोटल डिटैचमेंट जिससे बोलते हैं आपको तो सिर्फ वही सुख चाहिए वही सच चाहिए बाकी और चीजें करने का मन ही नहीं करेगा जबरदस्ती कोई चीज थोपना वो तो विनाशकारी हो जाती है समझ रहे तो जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं तथा जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचारी के के उदाहरण है, है। है, देते हैं भाई ये तो जाहिर है आप देखिए ना कितने लोग हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट आप देख सकते हैं कितने लोग इसमें फंसे हुए और जो नहीं भी फंसे हुए हैं वो ऑलरेडी एक तो भागी अपना अलग ही देश बना लिए कैलासा है ना तो और ये बातें बड़ी बड़ी धर्म की करते हैं तो वही बताते हैं कि जो इंसान कहता है वो कभी करता नहीं ठीक है तो यहां पे सेक्स के पास ऐसे जाए जैसे मंदिर के पास पत्नी को ऐसे समझे जैसे कि वो प्रभु है पति को ऐसे समझे जैसे कि वो परमात्मा है और गंदगी में क्रोध में कठोरता में द्वेष में ईर्षा में जलन में चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास ना जाए तो उल्टा होता उल्टा है यहां पे ये बात आ, 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 ओशो जो है वो कहते हैं ठीक है ना उसके बाद दोस्तों ओशो प्रेम और विवाह की बात करते हैं युवक और यौन की बात करते हैं ओशो कहते हैं कि हमारा देश एक बूढ़ा देश है स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे सौ ऐसे अगर आदमी दे दो लड़के दे दो जो युवा हो मतलब जो डायनेमिक एनर्जी तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा कितनी एक करोड़ के देश आज और हमारे पास क्या सौ ऐसे युवा नहीं है ओशो बताते हैं कि इंसान जो है वो मन से जवान होता है एक बूढ़ा आदमी फर्क नहीं पड़ता एल्बर्ट आइंस्टीन कहे जब जब दिमाग का प्रॉपर एनालिसिस तब पता चला कि उनका दिमाग जो है वो जवान है तो ओशो यही बताते हैं कि इंसान मन से जो है जो मन होता है ना मन उससे जवान चित्त जो है उसका जवान होना चाहिए लेकिन हमारा चित्त बूढ़ा हो चुका है हमने जबरदस्ती अपने आप को बेडियों में बांध रखा है हम अपने आप को जबरदस्ती महान देश कहते हैं अगर हम महान होते तो ब्रिटिशर कभी भी हम पे कब्जा नहीं कर पाते अगर यहां पर युवा होते जो दौला जो है वो जीत जाता लेकिन कई बार अपनों ने ही धोखा दिया चालाकी की वजह से लालसा की वजह से तो हम बूढ़े हमारा चित्त बूढ़ा है इसको जवान रखिए जितना से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्योंकि जब चित्त जवान होगा तभी तो वो एनर्जी आएगी लेकिन हम बचपन से ही हमने पूरा प्रयोजन किया हुआ है कि कैसे अपने आप को बूढ़ा करें वही घिसी पिटी जो हम जिन जिनको बहुत ही ज्यादा महान जिन चीजों को बोलते हैं कि ये तो ये जो हमारी प्रथाएं हैं वो महान है सती की बात करते हैं कि क्या ये सब आदमियों ने बनाया ओशो है। कहते हैं कि जितनी भी प्रथाएं हैं ये सब आदमियों ने बनाई हैं सती हो गया या ऐसे व्रत कभी आपने सुना है कि जो कोई आदमी है ठीक है वो आंख के जल में मर गया उसके लिए आप ऊल जलूल जो है वो आप रीजन uh, देते हैं कि नहीं उस समय मर्द कम थे ये फलाना धमाका आप किसी की जान ले रहे हो यहां तक तो फिर भी ठीक था बट विधवाओं का जीवन तो और ज्यादा तो 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 कष्टकारी था तो जितने भी लोग हैं ये जो आदमियों ने अपने लिए प्रयोजन करके रखे हुए हैं ये सब एक जमी जमाई व्यवस्था है संतों ने संतों को पता है कि अगर संत जब मैं बोल रहा हूं तो याद सारे धर्मों को बोल रहा हूं मैं ठीक है ओशो सारे धर्मों को बोल रहे तो इनकी ये प्रथा है इनको मालूम है कि अगर पाप गया लोग दुखी नहीं हो तो उनका धंधा नहीं चलेगा तो वो चाहते हैं लोग दुखी रहे जितना ज्यादा हो सके लोग दुखी रहे ओशो बताते हैं कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको अलग कर देना चाहिए जैसे डॉक्टर जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले डॉक्टर का प्रोफेशन उसको नेशनलाइज किया गया और हर डॉक्टर से यह पूछा जाता था कि तुम कर क्या रहे हो तो आज रशिया में यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है ओशो बोलते हैं भारत में भी यही होना चाहिए लेकिन भारत यानी भारत में प्राइवेट है यहां पे जो डॉक्टर्स हैं जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनको एक कोटा दिया जाता है टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना पैसा चाहिए इतना करना है ये करना है राइट तो यह प्रॉब्लम है तो अब इसकी वजह से हम बीमार भी हैं हमारे बीमारियां ज्यादा हैं डॉक्टर्स प्राइवेट काम कर रहे हैं सारे नहीं लेकिन डॉक्टर्स प्राइवेट काम करें तो चाहेंगे जितना से ज्यादा हो सके बीमार हो वकील का पेशा वकील का भी एक ऐसा पेशा है जो नेशनलाइज करना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिलेगा वकील चाहता है कि खूब झगड़ा हो द्वेष हो ताकि उनके पास खूब सारे केस आए एजुकेशन भी ऐसा ही है लोग अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं होंगे यहां पे तो चाहेंगे लोग खराब शिक्षा मिले गलत शिक्षा मिले ताकि प्राइवेट प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट सोचता है यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है बताए ना आपको तो यहां पे भारत जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा फिर जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करते हैं ठीक है कि जनसंख्या जो विस्फोट होती जा रही है कि आगे आने वाले समय में आप बता रहे कि हम प्रेम को इतना रोकते हैं कभी भी हम संभोग पे बात नहीं करते लेकिन अगर आप देखो तो हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो गए हैं है ना सबसे ज्यादा तो ये आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा मतलब बताते हैं ओशो कि हाथी से भी बड़े बड़े हाथी थे मतलब जो उनके पूर्वज थे ऐसी बहुत सारी प्रजातियां एंटार्टिका के नीचे मिली है जिनका आज नामो निशान भी नहीं है कुछ नहीं है आज और ऐसे ही हमारे साथ होना है क्योंकि हम खत्म करते जा रहे हैं सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परिवार नियोजन करें फिर प्रेम और विवाह जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा सबसे शानदार चैप्टर है प्रेम और विवाह जो मुझे लगा कि विवाह एग्रीमेंट की तरह है विवाह होता ही क्या है आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और मिल जाता है प्यार तो है नहीं प्रेम तो है नहीं जहां प्रेम है बहुत अच्छी बात है और जहां नहीं है वहां देख ही रहे और ज्यादातर जगह पे प्रेम नहीं है तो ऐसे में पति दूसरी जगह जाते हैं पत्नियां दूसरी जगह जाती हैं पत्नियां पागल हो रही हैं पति पागल हो रहे हैं दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हैं पूरा समाज कह रहा है कि प्रेम विवाह मत करो प्यार तुमने कर कैसे लिया ऐसी की तैसी तुम्हारी प्रेम को रोका बहुत शानदार बात कहते हैं ओशो कि आज आप देखते हैं कि जो मां बाप है कई बार बच्चे अपने बूढ़े मां बाप के साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं लेकिन ओशो बताते हैं डिलेड रिवेंज है ये डिलेड रिवेंज है ओशो बताते हैं कि गलत है तो गलत है चाहे मां बाप हो चाहे कुछ भी हो डिलेड रिवेंज को इस तरह बताते हैं कि शुरुआत में बच्चों को मारते हैं क्योंकि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं पत्नी पति के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती तो पत्नी बच्चे के ऊपर गुस्सा गुस्सा निकालती है बहुत मारती है पकड़ पकड़ के मारती है तो अब वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है पति भी यही करता है तो जब बाद में बच्चा फिर पगलाता है तो फिर वो वही चीज उसके दिमाग में घर करती है क्योंकि जो चीज बचपन में घर कर गई वही होता है तो डीलेट रिवेंज है तो ऐसे में क्या किया जाए प्रेम की तरफ जाए उसको बताते कि जिन घर में प्रेम होता है आमतौर पर वहां के बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कमाल पैदा होते हैं लेकिन जो नफरत से बच्चे पैदा हो रहे हैं नफरत ही निकलेंगे ये बड़ा डेंजरस चीज है यहां पे विद्रोह के बारे में बताया कि विद्रोह जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा ठीक है जैसा है वैसा है हम उसी भीड़ में शामिल होते हैं और बताते हो चौकी भीड़ का कोई ईमान थोड़ी ना है क्राइम हमेशा भीड़ करती है मारती भीड़ है सपनों का दमन भीड़ करती है इंडिविजुअल नहीं और भीड़ नहीं सारा प्रयोजन आपके लिए किया हुआ है भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है भीड़ मासूम है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं हिटलर का दिया, पंद्रह लोगों को ले जाता था अरे मैं दोस्तों कई बार मूवी थिएटर्स में गया हूं मैं हंसा ऐसा कोई भी सीन है था। एक्सपेरिमेंट किया मैं हंसा सब हंसने लगे तो भीड़ तो ऐसी है भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है अगर आपने जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं और इनमें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा क्या रहे हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं वो ऐसा इस तरीके से पढ़ा रहे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहां पे लोग दुखों का फायदा उठा रहे हैं। और दुख लिए क्योंकि प्रेम नहीं है और ये आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा ओशो है। कहते हैं कि बंदिशों को तोड़ो बुद्ध की कहानी बताते हैं बुद्ध एक आदमी से मिले उनके साथ एक भिक्षुक भी था उनका एक स्टूडेंट तो एक आदमी से मिले तो उस आदमी ने बुद्ध से बोला कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं मैं नास्तिक हूं तो बुद्ध ने बोला कि तुम नास्तिक हो अरे इस दुनिया में एक ही सच है सचेव परमात्मा बुद्ध आगे चले दूसरे आदमी से मिले दूसरे कि मैं भगवान से बहुत मानता हूं मैं क्या करूं तो बुद्ध ने बोला अरे भगवान जैसी कोई चीज नहीं है तीसरे आदमी से मिले उन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता भगवान है कि नहीं वो चुप होकर आगे निकल गए बुद्ध तो जब उनका स्टूडेंट था उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं आपने एक को दूसरा उत्तर दिया दूसरे को दूसरा ऐसा क्यों तो बुद्ध ने बोला कि मैं इनके जो दीवारें हैं वो तोड़ देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि यह झांके इसके आगे भी बढ़े क्योंकि वहीं से तो रास्ता निकलेगा परमात्मा का परमेश्वर का यह चीज है फिर लेडीज जैसा कि हमने बताया कि नारी के बारे में कोई इतिहास नहीं दमन 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 और नारी इसको सह भी लेती है आसानी असा, से लेकिन ये जग जाहिर है कि पूरी शक्ति नारी की है धरती है प्रकृति है

बताते हैं कि औरतों में सजगता ज्यादा है औरतों में पेशेंस ज्यादा है बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है वो औरत ही कर सकती है कहते हैं बच्चे को बाप के पास छोड़ के देखो काट पीट के बराबर कर देगा बाप अगर छोटा बच्चा पिताजी से मैथ्स पढ़ता है तो पिताजी तड़पड़ा देते हैं मां नहीं करेगी नेचर ने फिजिकलिटी उनको नहीं दी है बट बाकी जितनी चीजें दी है वो मर्दों से बहुत आगे अब आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि बहुत सारी प्रजातियां जो स्पीशीज है वहां पे प्रयोजन कुछ इस तरीके का है कि जो मादाएं हैं वो ही आगे हैं जैसे हनी बीज में खाली मेल का पता कितना काम है रिप्रोडक्शन बस और कोई काम नहीं है बाकी सब कुछ मधुमक्खियां ही करती हैं है ना हाथी में जो लीडर होती है वो हतनी होती है फीमेल शेरों में भी जो शिकार करते हैं वो करती हैं बाघ बाघ से ज्यादा ताकतवर है वेल्स जो होती हैं वहां पे भी जो फीमेल है उनका ही ज्यादा काम है वो ज्यादा बड़ी होती है सिर्फ इंसानों में ऐसा है कि बस फिजिकैलिटी ना होने के कारण उनका हमेशा दमन दमन किया जा रहा है नहीं है गलत है जिस घर में की इज्जत नहीं होगी वो घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा वो घर हमेशा वही का वही रहेगा वो सोच हमेशा पीछे चली जाती है और वहां पर दुख जो है वो घेर लेता है वो ये बताते हैं फिर आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स है सिद्धांत शास्त्र और वाद से मुक्ति वाद बताते हैं कि तुम साम्यवाद है हिंदू मुस्लिम ये सब तुम्हारा मुखौटा है जब तक ये चलेगा तब तक इस दुनिया में लड़ाई होती रहेगी तुमने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं तुमने इंसान को तुम बस ये हो वो हो तुम अपनी किसी ना किसी चीज से तुम अपने आप को रिलेट करते रहे जिसकी वजह से तुम हमेशा परेशान रहोगे तुमने कभी समझा ही नहीं कि उस कुछ उस पार भी हो सकता है तो ये बहुत ज्यादा जीवन का पहला सूत्र है सबसे मुक्त हो जाओ ये सारी बेड़ियां तोड़ दो ये दीवारें तोड़ दो भीड़ समाज दूसरों से मुक्ति कि भीड़ का मैंने आपको बताया समाज का मैंने आपको कंसेप्ट और दूसरों की बात करें तो अंदर झांको बाहर हमारा जीवन अंदर से बाहर आता है तो हमको अंदर जाना है बाहर उसको आने दो लेकिन तुम तो अपने आप को पहचानो दूसरों से दूसरों को दिखाने के लिए हम रिएक्ट करते हैं हम घर में तो कुछ है अकेले कुछ है लेकिन दूसरों के सामने हम कुछ हो जाते हैं जैसे हो वैसे ही रहो पे ओशो गालिब की एक कहानी बताते कि जब बहादुर शाह ने उनको डिनर पे बुलाया तो बहादुर शाह जो है भाई वो अब क्या है कि गालिब उस समय जो कवि थे उनका तो इतना पैसा था नहीं उनके पास तो उनके लोगों ने उनको कपड़े लाके दिए कि तू वहां जा रहा है एक काम कर तू अच्छे कपड़े पहन के जा वरना वो तुझे घुसने नहीं देंगे तो गालिब ने कहा गा, बा, बाहर में जाऊ मैं ऐसे ही जैसे जाऊंगा तो भैया वो गए तो जब वो गए तो भाई दरबार ने ले रोक लिया क्योंकि भाई उनके पास ना कपड़े थे ना जूते जूते थे फटे फटे कपड़े जूते, ऐसे ही पहन के चले गए रोक लिया उनको और जैसे ही वो रोका कि कहां जा रहे हो कौन हो तुम तो, तो बोला कि अरे मुझे सम्राट ने बोला कहते चलो चलो निकलो बाहर फिर उसके बाद वापस गालिब बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए तो उनको अंदर जाने दिया बहादुर शाह बोले कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था आप कहां थे बैठिए चलिए खाना खाइए तो जो गालिब है वो खाना का एक और लेते कहते ले पगड़ी खा एक और लेते कहते ले ले, ले बाजू बंद खा एक और लेते कहते ले धोती खा तो ये कहते कि क्या कर रहे हैं कहते अरे है भैया हमारी इज्जत कहा है हमारे कपड़ों की इज्जत है दिखावा है यहां पे जो मैं अंदर से हूं वो दिखा नहीं सकता समाज को वो एक्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि समाज ही कहती है कि नहीं नहीं तो ये नहीं करना है भीड़ से अलग चलना है अंदर की शक्ति को अपने आप को पहचानों के जवाब तभी होगा चीजें और दमन से मुक्ति कि जो चीजें एक्सेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दमन से मुक्ति चाहिए तो आप जिस चीज का दमन कर रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू हैव टू टोटली एक्सेप्ट यहां पे एक और कहानी बताते हैं कि एक बहुत एक आदमी था गांव में ठीक है तो वो बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आता था क्रोध आता था वो इतना ज्यादा क्रोधी था कि ऐसा बोला जाता था कि उसको उसने अपनी पत्नी तक को मार दिया था कुएं में डाल के तो एक बार उसने बोला कि बस मैं एंगर मैनेजमेंट करूंगा तो एक बार उनके संत आए तो उनसे बोला कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मैं क्या करूं तो उन्होंने बोला तू सन्यासी हो जा ठीक है तो अब ये तो बड़ी सन्यासी को यहां पे कहते हैं जीवन कुछ छोड़ना है ऐसा नहीं है असली सन्यासी ऐसे होते ही नहीं है तो अब यहां पे ये बोलते हैं कि तू सन्यासी हो जा उनको नया नाम दे दिया शांतिनाथ

का मतलब यह है कि हम एक्सेप्ट मतलब जो हमारे पुराने मिलने वाले थे कि नहीं हम तुमको नहीं जानते तो आदमी मिलने आया तो बोला कि अरे मुझे पहचाना तो सन्यासी ने बोला कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना आप कौन अब ये समझ गया कि पहचान तो गया है ये, लेकिन मना कर रहा है ऊपर से कोई बात नहीं आप बहुत क्रोधी थे ना सन्यासी थोड़ा सा झिझका बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं कोई बात नहीं बातें बातचीत शुरू हुई फिर बोला कि क्रोध खत्म हुआ तुम्हारा मुझे तो नहीं लगता वो और ज्यादा गुस्से में थोड़ा सा सन्यासी आपको दिमाग खराब है, है कितने कि बड़े सन्यासी हो लेकिन तुम्हारा क्रोध खत्म नहीं हुआ बस यहां तुमने दमन किया वो उधर आ गया तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्रोधी तो तुम अभी भी हो बल्कि उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है क्रोध का दूसरा रूप अहंकार ये चीज है तो यही पे यहां पे बताते हैं और फिर ओषो बताते हैं कि इन सबसे मुक्ति पानी है तो माइंडफुलनेस अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को ऑब्जर्व करो चीजों को देखो उस पल में रहो और ओशो ये भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वेल्दी बनो राजा कृष्ण राजा महावीर राजा बुद्ध राजा राम राजा गरीब से मुक्ति पाओ गरीबी से मुक्ति पाओ गरीबी सोच से मुक्ति पाओ ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये दुनिया कहती है पैसा पैसा ना कमाओ बिल्कुल गलत है घनगोर पैसा कमाओ लेकिन उस पैसे को सही चीज के लिए इस्तेमाल करो तो जितना ज्यादा ज्यादा रहोगे रहोगे जितना माइंडफुल उतना ही ज्यादा अच्छा होगा ये दोस्तों एक किताब जो मेरी बहुत ही मेरे दिल के करीब है संभोग से समाधि तक थोड़ी मोटी है लेकिन जो मैंने आपको कंफ्यूजन बताया ये किताब जब आप पढ़ेंगे ना आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे तो इस किताब को आप पढ़िएगा और बहुत ही शानदार ये किताब तो कंपलसरी करनी चाहिए क्योंकि इस इस किताब में ये बता कि आप जीवन कैसे जिएं संभोग से समाधि तक अध्याय एक सेक्स प्रेम का उत्पत्ति। प्रश्न एक प्रेम क्या है इसे महसूस करना आसान है पर प्रेम को व्याख्या करना वास्तव में कठिन है यदि आप किसी मछली से पूछे कि समुद्र कैसा है तो मछली यही कहेगी यह समुद्र है समुद्र सारे ओर है और बस लेकिन यदि आप जिद करें कृपया समुद्र की परिभाषा दें, तो समस्या वास्तव में कठिन हो जाती है जीवन में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर चीजें जी सकती हैं, जानी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें व्याख्या करना कठिन है वर्णन करना कठिन है मनुष्य की दुर्बलता यह है पिछले चार पांच हजार वर्षों से उसने बस बातें की है और बातें की है कुछ ऐसी चीज के बारे में जो उसने गंभीरता से जीना चाहिए था कुछ ऐसी चीज के बारे में जो अंतरंग से प्राप्त होनी चाहिए थी प्रेम के बारे में प्रेम पर महान बातें हुई हैं अनगिनत प्रेम गीत गाए गए हैं और मंदिरों और चर्चों में लगातार भक्ति गीत गुनगुनाए जा रहे हैं प्रेम के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है फिर भी मनुष्य के जीवन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है यदि हम मानव भाषाओं में गहराई से जाएं, तो हमें प्रेम से अधिक असत्य शब्द नहीं मिलेगा सभी धर्म प्रेम के बारे में बातें करते हैं लेकिन जो प्रकार का प्रेम सभी जगह पाया जाता है जो प्रेम ने मनुष्य को किसी वंशज दुर्भाग्य की भांति आच्छादित किया है वह केवल मनुष्य के जीवन में सभी प्रेम के दरवाजों को बंद करने में सफल हुआ है लेकिन भीड़ धर्मों के नेताओं की पूजा करती है उन्हें प्रेम के निर्माताओं के रूप में उन्होंने प्रेम को गढ़ने का झूठ बोला है उन्होंने सभी प्रेम की धाराएं बंद कर दी है इस मामले में पूर्व और पश्चिम भारत और अमेरिका के बीच कोई मौद्रिक अंतर नहीं है प्रेम की धारा अब तक मानव में प्रकट नहीं हुई है और हम इसका आरोप मानव पर लगाते हैं हम कहते हैं कि इसलिए प्रेम विकसित नहीं हुआ है क्योंकि मानव को बिगाड़ा गया है हमारे जीवन में प्रेम की कोई प्रवाह नहीं है हम मन को दोषी ठहराते हैं हम कहते हैं कि मन विषैला है मन विष नहीं है जो लोग मन को पतन करते हैं उन्होंने प्रेम को विषाक्त किया है उन्होंने प्रेम की वृद्धि को बाधित नहीं किया है इस दुनिया में कुछ भी विष नहीं है भगवान के संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है सब कुछ अमृत है केवल मानव ने इस पूरे प्याले को अमृत से विष में परिणामित किया है और मुख्य अपराध ही उसे कहा जा सकता है उन तकनीकी शिक्षकों उन तकनीकी संतों और राजनीतिज्ञों को इस पर विचार करें यदि यह बीमारी तुरंत समझी नहीं जाती है यदि यह तुरंत सही नहीं किया जाता है तो इसके अब या भविष्य में मानव जीवन में प्रेम की कोई संभावना नहीं है व्यंग्यपूर्ण बात यह है कि हमने इसके लिए अंधे-अंधे स्रोतों से उन्हीं कारणों को अंधाधुंध स्वीकार किया है जिनका आरोप पहले स्थान पर प्रेम के न उगने के लिए दोषी है यदि गुमराहकारी सिद्धांतों को शताब्दियों तक बार बार दोहराया जाता है तो हम मूल सिद्धांतों के पीछे मौद्रिक दोषों को देखने में असमर्थ हो जाते हैं और तब अंधकार पैदा होता है क्योंकि मानव इस अस्वाभाविक नियमों के अनुसार वह बन नहीं सकता जैसा कि कहते हैं हम बस यह स्वीकार करते हैं कि मानव गलत है प्राचीन काल में मैंने सुना है एक पंखे वाला प्रतिदिन राजा के महल के पास से गुजरता था उसने अपने अद्वितीय और आश्चर्यजनक पंखों की बहादुरी की बातें की थी उसने दावा किया कि ऐसे पंखों को कभी भी किसी ने नहीं देखा था राजा के पास दुनिया भर से हर प्रकार के पंखों का संग्रह था और इसलिए उसे इस बारे में जानकारी हासिल करने की इच्छा हुई एक दिन उसने अपने बालकनी पर झुककर इस अद्वितीय पंखों के विक्रेता को देखने के लिए कहा उसके लिए पंख सामान्य दिखे लगभग किसी के लायक नहीं लेकिन उसने फिर भी उस आदमी को ऊपर बुलाया राजा ने पूछा इन पंखों की विशेषता क्या है और उनकी कीमत क्या है पंखे वाला ने कहा आपकी महारानी इन्हें ज्यादा खर्च नहीं होता इन पंखों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मूल्य बहुत कम है प्रति पंख सौ रुपये राजा चौंक गए सौ रुपये यह पैसा पंख यह पेनी पंख तो बाजार में कहीं भी उपलब्ध है और तुम सौ रुपये मांग रहे हो इन पंखों में क्या विशेषता है आदमी ने कहा गुणवत्ता प्रत्येक पंख की गारंटी है कि यह सौ वर्ष तक टिकेगा सौ वर्षों तक यह स्पॉइल नहीं होगा इसके रूप में तो यह संभावना है कि यह एक हफ्ते तक टिक सकता है क्या तुम मुझसे धोखा कर रहे हो यह सीधा धूर्तता है और राजा के साथ विक्रेता ने उत्तर दिया मेरे माध्यम से क्या डरते हो तुम बहुत अच्छे से जानते हो साहिब कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे बालकनी के नीचे चलता हूँ अपने पंखों की बिक्री करता हूँ मूल्य है सौ रुपए प्रति पंख और अगर यह सौ वर्ष तक टिका नहीं तो मैं जिम्मेदार हूँ हर दिन मैं सड़क पर उपलब्ध हूँ और ऊपर से तुम इस भूमि के शासक हो मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ पंख को मांग में खरीद लिया गया हालांकि राजा ने पंखे वाले पर भरोसा नहीं किया उसे यह जानने की चाह थी कि आदमी को इस बात का कैसे आधार था कि ऐसा कहने का कारण था विक्रेता को सात दिन के बाद फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया मध्यस्टिक तीन दिन में बाहर निकल आया और सप्ताह के अंत से पहले ही पंखों का विक्रेता कभी फिर कभी नहीं आएगा लेकिन उसके पूरी आश्चर्य से व्यक्ति ने खुद को पेश किया जैसा कि उससे कहा गया था समय पर सातवें दिन आपकी सेवा में आपका महाराज राजा को बहुत क्रोध आया तुम दलाल तुम बेवकूफ। देखो वहाँ तुम्हारा पंख है सभी टुकड़ों में बिकरा हुआ है यह उसकी स्थिति है एक हफ्ते में और तुमने गारंटी दी थी कि यह सौ वर्ष तक चलेगा क्या तुम माद या सिर्फ एक सुपर धोखा हो आदमी विनम्रता से उतर दिया श्रद्धांजलि के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साहिब को पता नहीं है कि पंख का उपयोग कैसे करना है पंख को 100 वर्ष तक चलना चाहिए इसमें गारंटी है तुमने पंख कैसे किया राजा ने कहा मेरी भगवान अब मुझे यह सीखना होगा कि पंख कैसे करें कृपया क्रोधित मत होइए। सात दिनों में पंख इस भविष्य में कैसे पहुंचा तुमने पंख कैसे किया राजा ने पंख उठाया दिखाते हुए कि, कि किस प्रकार से कोई पंख करता है आदमी ने कहा अब मुझे समझ आया है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए थे और कौन सा तरीका है राजा ने पूछा आदमी ने समझाया पंख को स्थिर रखो इसे अपने सामने स्थिर रखें और फिर अपना सिर हिलाएं। पंख एक सौ वर्ष तक टिकेगा तुम चले जाओगे लेकिन पंख अविनाशी रहेगा पंख में कुछ गलत नहीं है तुम्हारे पंख की गलती नहीं है तुम पंख को स्थिर रखो और अपना सिर हिलाओ मेरे पंख में कहा कोई दोष है दोष तुम्हारा है मेरे पंख का नहीं मानव एक समान दोष के आरोप में है मानव को देखो मानव इतना बीमार है पांच छह दस हजार वर्षो की जमा हुई बीमारी से बार बार कहा जाता है कि यह मानव है जो गलत है सांस्कृतिक नहीं मानव की कचरी हो रही है फिर भी सांस्कृतिक की सराहना की जाती है हमारी महान सांस्कृतिक हमारा महान धर्म सब कुछ महान है और इसके फल देखो कहते हैं मानव गलत है मानव को अपने आप को बदलना चाहिए फिर भी कोई उठता नहीं है प्रश्न करने के लिए कि क्या बातें यह नहीं हो सकती कि हमारी सांस्कृतिक और धर्म दस हजार वर्षो तक मानव को प्रेम से भर नहीं सकते हैं वे गलत मूल्यों पर आधारित है और अगर पिछले दस हजार वर्षो में प्रेम विकसित नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से इस सांस्कृतिक और धर्म के आधार पर कभी भी प्रेमी मानव को देखने की कोई संभावना नहीं है जो कुछ पिछले दस हजार वर्षो में हासिल नहीं हुआ वह अगले दस हजार वर्षो में नहीं हो सकता आज का मानव कल भी वैसा ही होगा हालांकि शिष्टाचार सभ्यता और प्रौद्योगिकी की बाहरी छवियां समय समय पर बदलती रहती है मानव समान है और हमेशा समान रहेगा हम अपनी सांस्कृतिक और धर्म की समीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी हम उनकी तारीफ़ें अपनी आवाज से करते हैं और उनके संतों और संरक्षकों के पैरों को चुमते हैं हमें यह भी सहमत होने का कोई इरादा नहीं है कि हम वापस देखें अपने रास्तों और अपने सोचने की दिशा पर विचार करें यह नहीं देखें कि क्या वे गुमराह कर रहे हैं यह नहीं देखें कि क्या वे सभी गलत हैं। मुझे कहना है कि आधार दोषपूर्ण है मूल्य गलत है सबूत आज के मानव है अन्य सबूत कौन से हो सकते हैं अगर हम एक बीज बोते हैं और फल विषाक्त और कड़वा होता है तो यह सिद्ध करता है कि बीज विषाक्त और कड़वा था लेकिन यह कठिन है बेशक कि एक विशिष्ट बीज से क्या फल मिलेगा यह पूर्वानुमान करना आप इसे ध्यान से देख सकते हैं इसे दबा सकते हैं या तोड़ सकते हैं लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि फल मीठा होगा या नहीं आपको समय का परीक्षण का इंतजार करना होगा एक बीज बोए एक पौधा उगेगा वर्षों बीतेंगे एक पेड़ उगेगा अपनी शाखाएं आकाश की ओर फैलाएगा फल लेकर और तभी आपको यह पता चलेगा कि वह बोए गए बीज कड़वा था या नहीं आधुनिक मनुष्य उन बीजों का फल है जो दस हजार वर्ष पहले बोए गए थे और जिन्हें तब से पोषित किया गया है और वह फल कड़वा है यह टकराव और कष्ट से भरा हुआ है लेकिन हम वही लोग हैं जो उन बीजों की प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेम का फूल खिलने की आशा करते हैं यह नहीं होने वाला है मैं दोहराता हूं, क्योंकि किसी भी प्रेम के जन्म की कोई संभावना धार्मिकता द्वारा मार दी गई है यह संभावना विषाक्त की गई है मनुष्य में से अधिक प्रेम पक्षियों जानवरों और पौधों में देखा जा सकता है, जो किसी धर्म या सांस्कृतिक से रहित होते हैं प्रेम असभ्य मनुष्यों पिछड़े लोगों में आज के ताजगी से बहुत अधिक प्रतिभाती है जिन्हें सोखलाए प्रगतिशील सांस्कृतिक और सभी तरह के लोगों में प्रेम की उम्मीद है और ध्यान दें मूलवासी लोगों के पास विकसित सभा सांस्कृतिक या धर्म नहीं है यह क्यों हो रहा है कि मनुष्य प्रगति के साथ साथ ज्यादा ज्यादा प्रेमहीन हो रहा है जैसा कि वह और भी निर्माणशील सांस्कृतिक और धार्मिक बन रहा है मंदिरों और चर्चों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए इसके कुछ कारण हैं और मुझे इन पर चर्चा करनी है यदि इन्हें समझा जा सकता है तो शाश्वत प्रेम की धारा उग सकती है लेकिन यह पत्थरों में समाहित है यह सतह पर नहीं आ सकता है यह सभी ओर से दीवारों में बंदा हुआ है और गंगा बह नहीं सकती स्वतंत्र रूप से बह नहीं सकती प्रेम मनुष्य के भीतर है यह बाह्य से आयात नहीं है यह वाणिज्यिक वस्तु नहीं है जो हम बाजार जाते समय खरीदी जाती है यह जीवन की सुगंध के रूप में है यह हर किसी के भीतर है प्रेम की खोज प्रेम का मनाना यह सकारात्मक क्रिया नहीं है यह एक ज्ञात प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको कहीं जाना हो और उसे बाहर लाना हो एक मूर्तिकार एक पत्थर पर काम कर रहा था कोई व्यक्ति जो देखने आया था कि एक मूर्ति कैसे बनती है ने कोई मूर्ति की चेन ही नहीं देखी उसने केवल एक पत्थर को कुंजी और हथौड़े से यहाँ वहां काटते हुए देखा तुम क्या कर रहे हो उस आदमी ने पूछा क्या तुम मूर्ति नहीं बना रहे हो मैंने देखने आया हूँ कि कैसे मूर्ति बनती है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ पत्थर को काटते हुए ही देख रहा हूँ कलाकार ने कहा मूर्ति पहले से ही भीतर छुपी हुई है इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसे जैसे इससे जुड़ी अनुपयोगी पत्थर को अलग किया जाएगा तब मूर्ति खुद को दिखाएगी मूर्ति बनाई नहीं जाती है वह खोजी जाती है यह खोली जाती है यह प्रकाश में लाई जाती है प्रेम मनुष्य के भीतर बंद है इसे केवल मुक्त किया जाना चाहिए प्रश्न यह नहीं है कि इसे कैसे उत्पन्न किया जाए बल्कि यह उजागर कैसे किया जाए हमने खुद को किससे ढृढ़ा बना रखा है ऐसा क्या है जो प्रेम को सतह पर नहीं आने देता है किसी चिकित्सक से स्वास्थ्य के बारे में पूछें। यह बहुत अजीब है लेकिन दुनिया के कोई भी डॉक्टर आपको स्वास्थ्य क्या है यह नहीं बता सकता है संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य के साथ संलग्न है क्या इसमें कोई है जो स्वास्थ्य क्या है वह कह सकता है यदि आप किसी डॉक्टर से पूछे तो वह कहेगा कि उसके पास केवल यह कहने की क्षमता है कि जब बीमारी नहीं होती है तब स्वास्थ्य क्या है यह इसका कारण है कि स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है स्वास्थ्य मनुष्य की परिभाषा है, है। इसलिए इसे परिभाषित किया जा सकता है स्वास्थ्य भीतर से आता है इसलिए इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है स्वास्थ्य परिभाषा को चुनौती देता है हम केवल यह कह सकते हैं कि बीमारी की अभावशीलता स्वास्थ्य है सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है या तो यह बीमारी द्वारा छुपा हुआ है या यह खुद को प्रकट करता है जब बीमारी दूर होती है या ठीक हो जाती है स्वास्थ्य हमारे भीतर है स्वास्थ्य हमारी प्राकृतिक स्वभाव है प्रेम भी हमारे भीतर है प्रेम हमारी अंतर्निहित प्राकृतिकता है मौलिक रूप से से मनुष्य प्रेम बनाने के लिए कहना गलत है। समस्या यह नहीं है कि प्रेम कैसे बनाया जाए बल्कि यह कैसे जांचा जाए और यह पता किया जाए कि यह अपने आप को प्रकट क्यों नहीं कर पा रहा है क्या रुकावट है क्या कठिनाई है कहा है बंधक यदि कोई बाधाएं नहीं है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा इसे मनाने या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है हर व्यक्ति प्रेम से भरा होता अगर झूठी सांस्कृतिक और क्षतिकारक परंपराओं की रोक न होती कुछ प्रेम को दबा नहीं सकता है प्रेम अनिवार्य है प्रेम हमारी प्राकृतिकता है गंगा हिमालय से बहती है यह पानी है यह बस बहती है यह किसी पुजारी से समुद्र का मार्ग पूछती नहीं है क्या आपने कभी एक नदी को एक चौराहे पर खड़ी होकर एक पुलिस वाले से समुद्र का स्थान पूछते हुए देखा है समुद्र जो भी हो चाहे वह कितना भी छिपा हो नदी निश्चित रूप से मार्ग पाएगी यह अनिवार्य है उसमें आंतरिक आग्रह है उसके दिल के दिल में एक अतृप्त इच्छा एक शक्ति एक ऊर्जा है लेकिन मान लीजिए कि मानव द्वारा उसके मार्ग में बाधाएं डाली जाती है मानव द्वारा बनाए गए बंदरों की स्थापना की जाती है एक नदी प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकती है और तबाही में टूट सकती है आखिरकार वे उसके लिए बाधाएं नहीं है लेकिन यदि मानव द्वारा बनाई गई बाधाएं उत्पन्न होती है यदि उसके बीच बांध इंजीनियरिंग की जाती है तो संभावना है कि वह समुद्र तक न पहुंच पाए मानव सृष्टि की उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता यदि वह ऐसा निर्णय करता है तो वह एक नदी को समुद्र तक पहुंचने से रोक सकता है प्राकृतिक रूप से वहां एक मौलिक एकता एक समरसता है प्राकृतिक बाधाएं, प्राकृतिक प्रतिरोध जो प्राकृतिक में दिखाई देता है वह ऊर्जा उत्तेजित करने के लिए चुनौती है वे लातार भूर्ज उत्तेजित करने के लिए सेवा करते हैं जो भीतर छुपा हुआ है प्राकृतिक में कोई असमंजसता नहीं है जब हम एक बीज बोते हैं तो यह ऐसा दिख सकता है कि बीज के ऊपर का परत उसे दबा रहा है उसके विकास को बाधित कर रहा है ऐसा लग सकता है लेकिन वास्तविकता में वह पृथ्वी की वह परत एक बाधा नहीं है उस परत के बिना बीज प्रकट नहीं हो सकता पृथ्वी बीज पर दबाई जाती है ताकि वह प्रसन्न हो सके विघटित हो सके और खुद को एक पौध में परिणामित कर सके बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है कि मिट्टी बीज को दबा रही है लेकिन मिट्टी केवल एक दोस्त की जिम्मेदारी निभा रही है यह एक नैदानिक सर्जरी है यदि एक बीज पौध में नहीं बढ़ता है तो हम तर्क करते हैं कि मिट्टी उचित नहीं थी बीज को पर्याप्त पानी नहीं मिला था या उसे पर्याप्त सूर्य प्राप्त नहीं हुआ था हम बीज को दोषी नहीं मानते हैं लेकिन यदि किसी के जीवन में फूल नहीं खिलते हैं तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है किसी अधोत्तर खाद की पानी की कमी की या सूर्य की अभाव की कोई सोच नहीं करती व्यक्ति को बुरा कहा जाता है और इस प्रकार मनुष्य का पौध असंविकसित रह गया है अमित्रता द्वारा दबा गया है और फूलदार चरण तक पहुंचने में असमर्थ रहा है प्राकृतिक समरसता है लेकिन वह आर्टिफिशियलिटी जो मानव ने प्राकृतिकता पर थोपी है जो उसने उसके बीच यात्रा को इंजीनियरिंग किया है और जो उसने जीवन के प्रवाह में मैकेनिकल यंत्र डाल दी है वहाँ कई स्थानों पर बाधाएं पैदा हो गई हैं प्रवाह को रोक दिया है और नदी को दोषी ठहराया जाता है मनुष्य बुरा है बीज जहरीला है वे कहते हैं मुझे आपका ध्यान इस तथ्य पर खींचना है कि मौलिक रूप से रुकावटें मानव निर्मित हैं। मानव खुद द्वारा बनाई गई है अन्यथा प्रेम की नदी स्वतंत्रता से बहकर परमेश्वर के सागर तक पहुंच जाएगी प्रेम मनुष्य में अंतर्निहित है यदि इस जागरूकता के साथ रुकावटें हटा दी जाएं, तो प्रेम बह सकता है फिर प्रेम परमेश्वर को छूने उच्चतम को छूने के लिए उठ सकता है ये मानवनिर्मित रुकावटें क्या है सबसे स्पष्ट बाधा सेक्स और उत्साह के प्रति हुई है यह रुकावट ने मनुष्य में प्रेम के जन्म की संभावना को नष्ट कर दिया है सीधा सत्य है कि सेक्स प्रेम की शुरुआत है सेक्स प्रेम के प्रवास की शुरुआत है प्रेम की गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है सेक्स उत्साह और प्रत्येक को इसके शत्रु की भावना है प्रत्येक 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 सांस्कृतिक प्रतेक धर्म प्रतेक गुरु दृष्टा ने इस गंगोत्री इस स्रोत को आक्रमण किया है और नदी बंद रही है शोर शराबा हमेशा यही रहा है सेक्स पाप है सेक्स अधार्मिक है सेक्स विष है लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि अंत में यह सेक्स ऊर्जा ही है जो स्वयं को प्रेम की आंतरिक सागर तक यात्रा करती है और पहुंचती है प्रेम सेक्स ऊर्जा का परिणाम है प्रेम का फूलना सेक्स के बीच से होता है कोयले को देखते हुए आपको कभी नहीं लगेगा कि कोयला परिवर्तित होने पर ही हीरे बनता है कोयले के एक ढेर में तत्व ही हीरे में होते हैं मौलिक रूप से उनमें कोई मौद्रिक अंतर नहीं है हजारों वर्षों की प्रक्रिया के माध्यम से कोयला हीरे में परिणाम होता है लेकिन कोयला महत्वपूर्ण माना नहीं जाता है जब कोयला को एक घर में रखा जाता है तो यह एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसे मेहमान देख नहीं सकते हैं जबकि हीरे गर्दन या छाती पर पहने जाते हैं ताकि सभी उन्हें देख सकें हीरे और कोयले समान है यदि आप कोयले के खिलाफ है, क्योंकि पहली नजर में इसके अलावा कुछ नहीं है तो उसके हीरे में परिणाम होने की संभावना सिर्फ तब समाप्त होती है कोयला खुद ही हीरे में परिणाम हो सकता था लेकिन हम कोयले से नफरत करते हैं और इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रगति की संभावना समाप्त हो जाती है केवल सेक्स की ऊर्जा ही प्रेम में फूल सकती है लेकिन प्रत्येक मानव के महान विचार को सहित इसके खिलाफ़ है यह प्रतिरोध बीज को अंकुरित होने की अनुमति नहीं देगा और प्रेम का महल नींव पर नष्ट हो जाएगा सेक्स के प्रति दुश्मनी ने प्रेम की संभावना को नष्ट कर दिया है और इसलिए कोयला हीरे में परिणाम होने की अशक्त है मौलिक भ्रमितियों के कारण किसी को भी सेक्स को स्वीकृत करने उसे विकसित करने और उसे परिणामित करने के चरणों से गुजरने की आवश्यकता महसूस नहीं होती हम उसके शत्रु हैं जिससे हम विरोध करते हैं जिसके साथ हम लगातार युद्ध करते हैं मनुष्य और उसकी ऊर्जा के बीच एक कलहा उस पर थोपा गया है मनुष्य से कहा गया है कि उसके सेक्स ऊर्जा के खिलाफ लड़ना है अपनी सेक्स ऊर्जा के खिलाफ होना उसके है? खिलाफ लड़ो मनुष्य को कहा जाता है मन मनुष्य में है और सेक्स भी उसमें है फिर भी मनुष्य से आंतरिक विरोधों से मुक्त होने की आशा है उससे उम्मीद है कि उसे समर्थ रहना है उसे लड़ना है और सुधारना है भी ऐसे ही उसके नेताओं की शिक्षाएं हैं एक ओर वे उसे पागल कर देते हैं और दूसरी ओर वे उसे उपचार के लिए मान्यता देने के लिए मान्यता प्रदान करते हैं वे बीमारों का इलाज करने के लिए अस्पताल बनाते हैं और उसके बाद वे उसे बीमार करने के लिए जीन फैलाते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि मनुष्य को सेक्स से अलग नहीं किया जा सकता है सेक्स उसका प्राथमिक बिंदु है उसका जन्म इससे हुआ है ईश्वर ने सेक्स की ऊर्जा को सृष्टि की शुरुआत का बिंदु बना दिया है और महान व्यक्तियां उसे पापी ठहराती है जो ईश्वर स्वयं पाप नहीं मानता है अगर ईश्वर सेक्स को पाप मानता है तो इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा पापी कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है क्या आपने कभी नहीं महसूस किया है कि एक फूल का खिलना उत्साह का अभिव्यक्ति है कि यह एक लैंगिक क्रिया है मोर पूरे जज्बे के साथ नृत्य करता है कोई कवि उसके लिए एक गाना गाएगा एक संत भी आनंद से भर जाएगा लेकिन क्या वे यह नहीं जानते हैं? कि नृत्य भी यह साबित करता है कि यह मुख्य रूप से एक लैंगिक क्रिया है यह पहले और सबसे अधिक एक लैंगिक क्रिया है मोर अपने प्रिय को अपने साथी को बुला रहा है पपीहा गा रहा है कोयल गा रही है एक लड़का किशोर हो गया है एक लड़की महिला बन रही है ये सब क्या है यह कौन सा खेल है कौन सा लीला है ये सभी प्रेम यौन ऊर्जा के सूचक है प्रेम की ये प्रतिष्ठानित अभिव्यक्तियां यौन के परिणाम स्वरूप है ऊर्जा से भरपूर है यौन को स्वीकृति दे रही है एक पूरे जीवन भर प्रेम के सभी क्रियाएं, प्रेम की सभी दृष्टिकोण और इच्छाएं प्राथमिक यौन ऊर्जा की फूलिंग्स है धर्म और सांस्कृतिक मनुष्य के मन में यौन के खिलाफ जहर डालते हैं वे संघर्ष युद्ध बनाते हैं वे मनुष्य को अपनी खुद की प्राथमिक ऊर्जा के खिलाफ युद्ध में लगा देते हैं और इसलिए मन दुर्बल भद्दा कठोर प्रेम रहित और शून्य से भरा हो गया है यौन के साथ दोष नहीं दोस्ती करनी चाहिए यौन को शुद्धतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाना चाहिए जब एक नए विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते समय एक तपस्वी ने दुल्हन से कहा तुम्हारे दस बच्चों की माँ बनो और अंत में तुम्हारे पति को तुम्हारा ग्यारहवां बच्चा बना दो यदि उत्साह परिणाम होता है तो पति माँ बन सकता है यदि ललक पार की जाती है तो यौन प्रेम बन सकता है केवल यौन ऊर्जा ही प्रेम की शक्ति में फूल सकती है लेकिन हमने मनुष्य को यौन के प्रति विरोध से भर दिया है और नतीजा है कि प्रेम नहीं खिला है जो बाद में आता है आने वाले का रूप उसे केवल यौन की स्वीकृति से ही संभावित किया जा सकता है प्रेम का धारा मजबूत विरोध के कारण नहीं टूट सकती है यौन दूसरी ओर अंदर चुरलाता रहता है और मन की चेतना यौनता के साथ उलझी रहती है मनवचन में सेक्स का सामर्थ्य और बढ़ रहा है हमारे गाने कविताएं चित्रकलाएं और लगभग हमारे मंदिरों में सभी प्रतिमाएं सेक्स के चारों ओर केंद्रित हैं क्योंकि हमारे मन भी सेक्स के धुरी पर घूमता है दुनिया में कोई भी पशु मनुष्य की तरह सेक्सुअल नहीं है मनुष्य हर जगह यौन है जागते रहते हैं या सोते रहते हैं अपने तौर तरीकों में और अपने शिष्टाचार में भी प्रत्येक क्षण मनुष्य को सेक्स से परेशानी हो रही है इस सेक्स के खिलाफ इस शत्रुता इस विरोध और दबाव के कारण मनुष्य अंदर से क्षीण हो रहा है वह कभी भी उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता जो उसके जीवन की सीधी जड़ है और इस स्थिति के लगातार आंतरिक संघर्ष के कारण उसका संपूर्ण अस्तित्व न्यूरोटिक हो गया है वह बीमार है जो कुटिल यौनता जो मनवचन में इतनी स्पष्ट है उसका दोष उसके इस तथाकथित नेता और संतों का है इसका उन्हें आरोप है जब तक मनुष्य इसे इस प्रकार के शिक्षकों नैतिकतावादियों और धार्मिक नेताओं से मुक्त नहीं होता और उनके नकली उपदेशों से उसमें प्रेम का समर्थन होने की संभावना शून्य है मैं एक किस्से को याद करता हूँ एक रविवार को एक गरीब किसान अपने घर छोड़ रहा था और द्वार पर उसने उसे देखा जो उसको देखने आया था किसान ने कहा स्वागत है लेकिन इतने सालों तक तुम कहाँ थे आओ देखो मैंने कुछ दोस्तों से मिलने का वादा किया है और इस यात्रा को टालना मुश्किल होगा इसलिए कृपया मेरे घर में आराम करो मैं एक घंटे या इससे भी जल्दी लौटूंगा हम जल्दी मिलेंगे और हमें एक लंबी बातचीत करने का समय मिलेगा दोस्त ने कहा ओ नहीं क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही आऊं? तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं अगर तुम मुझे कुछ ताजगी दे सकते हो तो मैं बदल लूंगा और तुम्हारे साथ आऊं। कुछ समय पहले राजा ने किसान को कुछ मूल्यवान कपड़े दिए थे और किसान ने उन्हें किसी बड़े अवसर के लिए संग्रहित किया था उसने खुशी खुशी उन्हें बाहर निकाल लिया उसका दोस्त ने मूल्यवान कोट टर्बन धोती और सुंदर जूते पहने उसने राजा की तरह दिखाई दी अपने दोस्त को देखकर किसान थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस कर रहा था तुलना में वह सेवक की तरह दिखाई देता था उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े देने में कोई गलती कर दी है और उसने अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करना शुरू किया अब सभी लोग उसके दोस्त को देखेंगे उसने सोचा और वह एक सेवक की तरह दिखेगा एक सेवक की तरह उसने अपने मन को उसे एक अच्छे दोस्त और भगवान के एक व्यक्ति के रूप में शांत करने का प्रयास किया उसने निर्धारित किया कि बड़ी बात है एक ठीक कोट या एक महंगा टर्बन है लेकिन जितना वह अपने आप को समझाने की कोशिश करता उतना ही कोट और टर्बन उसके मन में बढ़े जा रहे थे रास्ते में हालांकि वे साथ में चल रहे थे सभी लोग सिर्फ उसके दोस्त को ही देख रहे थे किसी ने भी किसान को ध्यान नहीं दिया उसे उदासी महसूस होने लगी उसने अपने दोस्त के साथ बातचीत की लेकिन अंदर उसका मन केवल उस कोट और टर्बन की ओर था वे उस घर पहुंचे जिसे वे दौड़ रहे थे और उसने अपने दोस्त को परिचित किया यह मेरा दोस्त है एक बचपन का दोस्त वह बहुत ही प्यारा आदमी है और अचानक उसने उच्चारित किया और कपड़े वे मेरे हैं दोस्त हैरान रह गया उनके मेजबान भी हैरान थे उसे भी एहसास हुआ कि टिप्पणी अनावश्यक थी लेकिन फिर तो बहुत देर हो चुकी थी उसने अपनी भूल का अफसोस किया और अपने आत्मा को दोषित किया घर से बाहर निकलते समय उसने अपने दोस्त से क्षमा मांगी दोस्त ने कहा मैं चौंक गया था तुम ऐसा कैसे कह सकते करो यह सिर्फ मेरी जीप थी मैंने गलती की लेकिन जीप कभी झूठ नहीं बोलती शब्द हमेशा किसी के मन में कुछ होने पर ही बाहर आते हैं जीप कभी भी गलती नहीं करती उसने कहा मुझे माफ करें ऐसा कैसे कुछ कहा गया मुझे नहीं पता लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि यह विचार उसके मन से उभरा था वे एक और दोस्त के घर की ओर बढ़े अब उसने पक्का निर्णय लिया था कि वह कपड़े अपने नहीं हैं। उसने अपने मन को सजग बना लिया था जब तक वे द्वार तक पहुंचे थे उसने यह निर्वाचन किया था कि वह कपड़े अपने नहीं कहेगा वह गरीब आदमी नहीं जानता था कि जितना वह निर्धारित करता था कि उसे कुछ नहीं कहना चाहिए उसका आंतरिक जागरूकता की कपड़े उसके हैं, वही और मजबूत हो जाता था इसके अलावा ऐसे कौन से पक्के निर्णय होते हैं जब एक आदमी एक पक्का निर्णय करता है जैसे कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेना इसका अर्थ है कि उसकी यौनता अंदर से बेहद प्रयास पूर्वक दबा रही है अगर एक आदमी निर्धारित करता है कि वह कम खाएगा या आज से उपवास करेगा तो इसका अर्थ है कि उसकी और ज्यादा खाने की एक गहरी इच्छा है ऐसे प्रयास से अंतर निर्देशी संघर्ष होने का निश्चित है हम वही हैं जो हमारी कमजोरियां है लेकिन हम उन्हें नियंत्रित करने का निर्णय करते हैं हम उनके खिलाफ लड़ने का निर्णय करते हैं और स्वाभाविक रूप से यह अवचेतन संघर्ष का कारण बन जाता है इसलिए अपने आत्मसंघर्ष में रत हमारा किसान घर में गया उसने बहुत सावधानी से शुरू किया वह मेरा दोस्त है लेकिन उसने देखा कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि सभी उसके दोस्त और उसके कपड़ों की ओर आश्चर्य से देख रहे थे और उस पर हमला हुआ वह मेरी कोट है और मेरा टर्बन लेकिन फिर उसने अपने आप को याद दिलाया कि कपड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए उसने ऐसा निर्णय लिया था हर किसी के पास किसी भी प्रकार के कपड़े होते हैं गरीब हो या धनी यह एक छोटी सी बात है उसने अपने आप को समझाया लेकिन कपड़े उसकी आंखों के सामने एक पेंडुलम की भांति हिल रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ एक तरफ से दूसरी तरफ उसने परिचय को फिर से शुरू किया वह मेरा दोस्त है एक बचपन का दोस्त एक बहुत ही बढ़िया आदमी और कपड़े वे उसके हैं, और मेरे नहीं लोग हैरान थे उन्होंने पहले कभी ऐसा परिचय नहीं सुना था कपड़े उसके हैं, और मेरे नहीं जब वे बाहर निकले उसने फिर से कई बार माफी मांगी एक बड़ी भूल उसने स्वीकार किया अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कपड़ों ने मुझ पर इस प्रकार का काबू पहले कभी नहीं किया था हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया है उसके साथ क्या हो गया था यह दो खिनिया सत्य है कि उस तकनीक ने जिस तरह से उस पर कार्य किया था वह भगवान भी अगर प्रयास करते तो कपड़े भी उस पर कब्जा करते दोस्त जो अब काफी रूढ़िवादी था ने कहा कि वह उसके साथ और आगे नहीं जाएगा किसान ने उसकी बाह पकड़ी और कहा कृपया ऐसा मत करो मैं जीवन भर अपने एक दोस्त के साथ इतना खराब संगीत करने पर दुखी हो जाऊंगा मैं शपथ खाता हूं कि मैं कभी भी कपड़ों का चर्चा नहीं करूंगा। मेरे पूरे दिल से मैं शपथ खाता हूं कि मैं कभी भी कपड़ों का चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए उन लोगों के प्रति जो शपथ खाते हैं क्योंकि किसी चीज को निश्चित करने पर कुछ बहुत गहरा संलिप्त होता है एक निर्णय को सताने वाला भावनात्मक मन के द्वारा बनाया जाता है और जिस चीज के खिलाफ निर्णय किया गया है वह सुभमन दिमाग के अंधकार में बना रहता है अगर दिमाग को दस हिस्सों में बांटा जाए तो निर्णय करने वाला सिर्फ एक हिस्सा ऊपरी हिस्सा होगा बाकी नौ हिस्से उसके खिलाफ होंगे ब्रह्मचर्य का आदान प्रदान उदाहरण के लिए एक हिस्सा दिमाग ने निर्णय किया है जबकि दिमाग के बाकी हिस्से यौन भावना के लिए पागल है जबकि शेष भगवान ने मनुष्य में रोपित किया है लेकिन इस मौके पर जैसा कि हो सकता है दोस्त के इसे के घर किसान ने खुद को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए बाधित किया सीमित लोगों से होशियार रहना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनके अंदर एक जीवा जल रहा है बाहर से वे कठिन और संयमपूर्ण होते हैं जबकि उनकी विरोधी होने की इच्छा उनके अंदर बहुत तंगे हुए है कृपया ध्यान दें, जो कुछ भी बलपूर्वक किया जाता है वह सदैव न तो सतत हो सकता है और न पूरा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तनाव होता है कभी ना कभी आपको आराम करना होता है कभी ना कभी आपको विश्राम करना होता है आप कितनी देर तक अपने मुठी को कसे रख सकते हैं? 24 घंटे जितना ज्यादा आप इसे कसेंगे उतनी ही यह थकेगा और उतनी ही तेजी से यह खुल जाएगा अधिक काम करें और आप और भी जल्दी थक जाएंगे किसी क्रिया का किसी प्रति प्रतिक्रिया हमेशा होती है और यह हमेशा तत्पर होती है आपका हाथ हमेशा खुला रह सकता है लेकिन यह हमेशा मुट्ठी में कड़ा नहीं रह सकता है जो कुछ भी आपको थका सकता है वह जीवन का प्राकृतिक हिस्सा नहीं हो सकता कभी भी आप कुछ बलपूर्वक करते हैं एक विश्राम के दौर का अनिवार्यता होता है इसलिए जितना कुशल एक साधु है उतना ही खतरनाक है बीस घंटे के व्रत के बाद शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए उसको कम से कम एक घंटे के लिए आराम करना होगा और इस अवधि के दौरान दबी हुई पापों की एक इतनी ऊंचाई होगी कि वह खुद को नरक की गहराई में पाएगा तो किसान ने खुद को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए बाधित किया कि कपड़े के बारे में बात ना करें अपनी स्थिति की कल्पना करें अगर आप थोड़े भी धार्मिक हैं, तो आप उसके मानसिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं यदि आपने कभी शपथ खाई है या व्रत लिया है या किसी धार्मिक कारण के लिए खुद को संयमित किया है, है तो आप उसके मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं वे अगले घर में गए किसान पूरे शरीर से पसीने में थे उसकी शक्ति उससे बाहर गई थी दोस्त भी चिंतित था किसान चिंतितता से बर्फीला था धीरे धीरे उसने परिचय के हर शब्द को कहा मिलिए मेरे दोस्त से वह एक बहुत पुराना दोस्त है एक बहुत अच्छा आदमी है एक पल के लिए उसमें हिचकिचाहट थी अंदर से एक बड़ी धक्का आया उसने जाना कि वह सिराया गया था उसने उच्चारित किया और कपड़े क्षमा करे मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने शपथ खाई है कि मैं कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा इस आदमी के साथ जो हुआ वह पूरे मानव जाति के साथ हुआ है निंदा के कारण यौनता एक विकार एक रोग एक विकृति बन गई है यह जहरीली हो गई है बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि यौनता पाप है एक लड़की बड़ी होती है और एक लड़का बड़ा होता है किशोरावस्था आती है और उन्हें विवाह किया जाता है फिर एक यात्रा शुरू होती है जिसमें यौनता पाप है कि ठहराव होती है भारत में लड़की को यह भी बताया जाता है कि उसका पति भगवान है वह कैसे उसे पाप में लेने वाले के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती है लड़कों को यही सिखाया जाता है यह तुम्हारी पत्नी है तुम्हारी संगिनी तुम्हारी जीवन संगिनी है शास्त्र कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है पाप का कुंज है और अब लड़का महसूस करता है कि उसके पास जीवन के संगिनी के रूप में एक जीवित राक्षस है लड़का सोचता है क्या यह मेरा आधिकारिक हाफ है एक नरक की दिशा की हुई पाप मुख्य दिशा की हुई दिशा उसके जीवन में कैसी भी समर्थन हो सकता है पारंपरिक शिक्षाएं पूरे विश्व के विवाहित जीवन को नष्ट कर देती है जब विवाहित जीवन पूर्वाग्रह से भरा होता है पूर्णता और प्राकृतिक रूप से आत्मसात होने की क्षमता नहीं होती तो किसी के पास किसे प्रेम करने की क्षमता है लेकिन इस चिंताजनक स्थिति को सुधारा जा सकता है यह बंद प्रेम को शुद्ध किया जा सकता है यह प्रेम उत्तम प्रेम के एक गुलाब में खिलने का संभावना है जो सभी बाधाओं को तोड़ देगा सभी संघर्षों को हल करेगा और पति पत्नी को शुद्ध और देवी आनंद में लपेट लेगा यह उदात्त प्रेम संभावना है लेकिन अगर इसे पहले ही कुचला जाता है यदि इसे दबाया जाता है यदि इसे जहरीला बना दिया जाता है तो इसमें क्या उगेगा यह कैसे सर्वोत्तम प्रेम के गुलाब में खिल सकता है एक भटकता साधु एक गांव में ठहरा एक आदमी आया और उससे कहा कि उसे भगवान का अनुभव करना है साधु ने पूछा क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है नहीं मैं ऐसे भूतकालिक चीज में दोबारा दीप्त होने का अपराधी नहीं हूं, आदमी ने जवाब दिया मैंने कभी इतना नीचा गिरना नहीं किया है मुझे भगवान का अनुभव करना है साधु ने फिर पूछा क्या तुमने कभी प्रेम के दर्द महसूस किया है खोजी ने सुधारी हुई भावना से कहा मैं सच कह रहा हूँ यह गरीब आदमी ईमानदारी से बात कर रहा था धर्म क्षेत्र में प्रेम किया जाना एक अक्षमता है उसे यकीन था कि यदि उसने किसी से प्रेम किया होता तो साधु ने उससे कहा होता कि वह तुरंत उस प्रेम से मुक्त हो जाए उस आसक्ति से मुक्त हो जाए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सभी लोकार्पणों को छोड़ दें तो यदि उसने किसी से प्रेम किया होता तो उसने यही उत्तर देना चाहिए कहाँ मिलेगा एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी थोड़ी सी प्रेम नहीं किया है साधु ने तीसरी बार पूछा कुछ कहो ध्यान से सोचो थोड़ा सा प्रेम किसी के लिए किसी के लिए भी नहीं क्या तुमने किसी एक व्यक्ति को भी आ, थोड़ा सा प्रेम नहीं कर लेकिन आप एक ही सवाल पर क्यों बार बार चर्चा करते हैं मैं प्रेम को दस फीट के छड़ी से छूना नहीं चाहूंगा मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है मुझे भगवानता चाहिए इस पर तपस्वी ने कहा तो कृपया मुझे क्षमा करें कृपया किसी और से संपर्क करें मेरे अनुभव के अनुसार अगर आपने किसी से प्रेम किया होता किसी से भी अगर आपने प्रेम का एक झलक भी देखा होता तो मैं इसे बढ़ाने में मदद कर सकता था इसे बढ़ाने में मदद कर सकता था शायद भगवान तक पहुंचाने में मदद कर सकता था लेकिन अगर आपने कभी प्रेम नहीं किया तो आप में कुछ नहीं है आप में एक पेड़ बनने के लिए कोई बीज नहीं है जाकर किसी और से पूछिए मेरे दोस्त प्रेम की अभाव में मैं किसी भी दिशा का कोई अवसर नहीं देखता हूँ उसी तरह पति और पत्नी के बीच प्रेम न होने पर अगर आपको लगता है कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है वह अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है तो आप दुखी भ्रांति में हैं। पत्नी केवल उसी मात्रा में अपने पति से प्रेम कर सकेगी जितना कि वह अपने पति से प्रेम करती है क्योंकि बच्चा उसके पति का परिचायक है लेकिन अगर पति के लिए प्रेम नहीं है तो बच्चे के लिए प्रेम कैसे हो सकता है और अगर पुत्र को प्रेम नहीं मिलता है अगर उसका पोषण और पालन पोषण प्रेम के साथ नहीं होता है तो आप उम्मीद करते हैं कि वह अपने माता पिता से प्रेम करेगा। एक एक परिवार जीवन का एक एकाधिकारिक हिस्सा है दुनिया खुद में एक बड़े परिवार की तरह है लेकिन इस यौन निंदन के लाख कारणों से परिवार जीवन को विषाक्त कर दिया गया है और हम रोते हैं कि प्रेम कहीं भी नहीं मिलता है इस परिस्थिति में आप कहाँ से प्रेम की उम्मीद करते हैं सभी कहते हैं कि उन्हें प्रेम है माँ पत्नी बेटे भाई बहन दोस्त सभी कहते हैं कि उनमें प्रेम है लेकिन यदि आप जीवन को उसकी पूर्णता में देखते हैं तो जीवन में कहीं भी प्रेम प्रतीत नहीं होता यदि इतने सारे लोग प्रेम से भरे होते हैं तो प्रेम की बौछार होनी चाहिए एक बगीचा फूलों से भरा होना चाहिए और और भी फूलों से भरा होना चाहिए अगर प्रत्येक घर में प्रेम की एक दीपक होता तो इस दुनिया में कितना प्रकाश होता लेकिन बजाय इसके हमें एक असहिष्णुता का माहौल मिलता है इस दो खदाई योजना में प्रेम का एक भी किरण नहीं है यह स्नोब्री है कि प्रेम हर जगह है और जब तक हम इस मिथ्या में रमे रहे सत्य की खोज ही शुरू नहीं हो सकती यहाँ कोई किसी को प्रेम नहीं करता है और जब तक प्राकृतिक यौनता को बिना किसी शर्त के स्वीकृति के साथ स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक किसी को किसी से प्रेम नहीं हो सकता है मैं यह कहना चाहता हूं यौनता दिव्य है यौनता की प्रारंभिक ऊर्जा में भगवान का प्रतिबिंब है यह स्पष्ट है यह वह ऊर्जा है जो नए जीवन को उत्पन्न करती है और यह सबसे बड़ा सबसे रहस्यमय शक्ति है इस यौन से द्वेष को समाप्त करें अगर आप अपने जीवन में प्रेम की बौछार चाहते हैं तो इस यौन से इस संघर्ष को त्यागे खुशी के साथ यौनता को स्वीकार करें इसकी पवित्रता को स्वीकार करें आभारी होकर इसे गले लगाए और, और भी गहराई से इसे अपनाएं आपको आश्चर्य होगा कि यौनता इतनी पवित्रता को प्रकट कर सकती है यह आपके स्वीकृति के स्तर के हिसाब से अपनी पवित्रता को प्रकट करेगी और जैसी कि आपकी पहुँच में पापी और अभक्त है वैसी ही कुरूप और पापी होगी वह यौनता जो आपके सामने है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के पास जाता है उसको एक पवित्र भाव होना चाहिए जैसे कि वह मंदिर जा रहा हो और जब एक पत्नी अपने पति के पास जाती है तो उसमें वह श्रद्धा भरी होनी चाहिए जो किसी ने ईश्वर के पास जा रहे समय महसूस की होती है सेक्स के क्षणों में प्रेमी समर्थन से गुजरते हैं और वह चरण बहुत करीब है ईश्वर के मंदिर के जहां वह रचनात्मक रूपरूप -रूप में प्रकट होते हैं मेरा कल्पना यह है कि मनुष्य ने समाधि की पहली प्रकाशमय झलक को यौन संबंध के अनुभव के दौरान ही प्राप्त किया केवल संबंध के क्षणों में ही मनुष्य ने अहम प्रेम को इस प्रफंद रूप से महसूस करने की संभावना है इतना प्रकाशमय आनंद महसूस करने की संभावना है और जो लोग इस सत्य पर सही दृष्टिकोण में ध्यान देते हैं जो लोग यौन संबंध के घटित होने की घटना पर ध्यान देते हैं वे यह निष्कर्ष करते हैं कि समर्थन के क्षणों में मन के विचारों से रिक्त होता है उस क्षण में सभी विचार बाहर निकल जाते हैं और इस मन की शून्यता इस रिक्तता इस शून्य इस वैक्यूम मन का शीतलन यह दिव्य आनंद की बौछार का कारण है इस रहस्य को इस सीमा तक खोलने के बाद मनुष्य ने और भी गहराई में खोज की यदि मन को विचारों से मुक्त किया जा सकता है यदि चेतना के विचार तरंगों को किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा शांत किया जा सकता है तो वह निष्कर्ष करता है वह पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकता है और इससे योग की प्रणाली विकसित हुई इससे ध्यान और प्रार्थना आई इस नई दृष्टिकोण ने साबित किया कि संबंध के बिना भी चेतना को शांत किया जा सकता है और विचार उबाल सकते हैं मनुष्य ने खोजा कि एक संबंध के क्रिया के प्रकार के कारण केवल क्षणिक हो सकती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की एक प्रवाह समाप्त होती है पूर्ण आनंद पूर्ण प्रेम जिसमें एक योगी हमेशा है एक जोड़ी केवल कुछ क्षणों के लिए पहुंचती है लेकिन मौलिक रूप से उनमें कोई अंतर नहीं है जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद जो अपने इंद्रियों को आनंदित करता है और जो भगवान में आनंदित होता है वे भाई है उन्होंने एक अनजाने सत्य को कहा है उन दोनों एक ही गर्भ से आए हैं एकमात्र अंतर आसमान और पृथ्वी के आपको बीच है। पहला सिद्धांत देना चाहता हूं यदि आप प्रेम के बारे में मौलिक सत्य जानना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता है कि आप यौनता की पवित्रता को स्वीकार करें आपको यह स्वीकार करना होगा कि यौनता को भगवान के अस्तित्व की तरह ही एक खुले हृदय के साथ स्वीकृति के साथ स्वीकृति करनी चाहिए और जितना आप यौनता को एक खुले हृदय और मन से स्वीकार करते हैं आप उससे उत्कृष्ट हो जाएंगे लेकिन जितना आप इसे दबाते हैं उतना ही आप इससे बंधे जाएंगे उस किसान की तरह जो अपने कपड़ों के गुलाम बन गया आपकी स्वीकृति की माप आपकी मुक्ति की माप है जीवन की पूर्ण स्वीकृति जो जीवन में प्राकृतिक है जो जीवन में भगवान द्वारा दिया गया है आपको उच्चतम दैवीय स्तरों तक ले जाएगी उच्चतम स्तरों तक जो अज्ञेय है उच्चतम स्तरों तक जो उदात्त है मैं उस स्वीकृति को दैहिकतावाद कहता हूँ और उस भगवान दिया के प्रति उन विश्वास को मुक्ति का दरवाजा कहता हूँ मैं उन सिद्धांतों को ब्रह्मवाद कहता हूँ जो मनुष्य को जीवन में और दैहिक योजना में प्राकृतिक रूप से स्वीकृति नहीं करने से रोकते हैं इसके खिलाफ हो उसे दबाओ प्राकृतिक कुरूप है बुरा है कामुक है इसे छोड़ो उसे छोड़ो यह सब मेरी समझ में एथिस्म का हिस्सा बनता है जो नियमों का पाठ पढ़ाते हैं वे एथिस्ट हैं जीवन को उसके शुद्ध और प्राकृतिक रूप में स्वीकार करे और इसकी पूर्णता पर बढ़े स्वीकृति खुद आपको उच्चतम स्तरों तक उठाएगी कदम से कदम मिलाकर और यही समर्थन यौनता का भी आपको उच्चतम स्तरों तक उठाएगा जो आपने संभालने की कल्पना नहीं की थी यदि यौनता को कोयला होता है तो एक दिन जरूर आता है जब यह खुद को ही हीरे के रूप में प्रदर्शित करेगा और यह पहला सिद्धांत है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो दूसरा मौलिक बात कहना चाहता हूं, वह कुछ है जो अब हमारे अंदर सभी द्वारा कठिन हो गया है सभी द्वारा नागरिकरण सांस्कृतिक और धर्म द्वारा और वह है अहंकार यह ज्ञान की मैं हूं। सेक्स ऊर्जा की प्रकृति उसे प्रेम की दिशा में प्रबोधित करती है लेकिन मैं की रुकावट ने उसे एक दीवार की तरह घेरा कर दिया है इसलिए प्रेम बह नहीं सकता मैं बहुत शक्तिशाली है बुरे लोगों में भी और अच्छे लोगों में भी अधर्मी लोगों में भी और पवित्र लोगों में भी बुरे लोग मैं को कई तरीकों से बता सकते हैं लेकिन अच्छे लोग भी मैं को बड़ी आवाज़ से धुनते हैं उन्हें स्वर्ग जाना है उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए उन्होंने संसार का त्याग किया है उन्होंने मंदिर बनाए हैं वे पाप नहीं करते उन्हें यह करना है उन्हें वह करना है लेकिन वह में वह मार्गदर्शी संकेत हमेशा मौजूद है जितना अधिक किसी का अहंकार है उतना ही उसके लिए किसी के साथ एक होना कठिन होता है अहंकार बीच में आता है मैं अपने आप को प्रतिष्ठित करता है यह एक दीवार है यह घोषित करता है तुम तुम हो और मैं मैं हूं और इसलिए यह भी सबसे घने अनुभव लोगों को एक दूसरे के पास नहीं लाता है शरीर शायद पास हो सकते हैं लेकिन लोग दूर हैं। तब तक जब इस मैं का अंदर हो इस दूसरापन की भावना से बचा नहीं जा सकता है एक दिन साट ने एक अद्भुत बात कही दूसरा नर्क है लेकिन उन्होंने यहां तक नहीं समझाया कि दूसरा क्यों नर्क है या यहाँ तक नहीं समझाया कि दूसरा क्यों दूसरा है दूसरा इसलिए दूसरा है क्योंकि मैं मैं हूँ और जब तक मैं मैं हूँ चारों ओर का दुनिया दूसरा है अलग और अलग विभाजित और कोई संबंध नहीं है जब तक इस अलगाव की भावना है प्रेम को नहीं जाना जा सकता है प्रेम एकता का अनुभव है दीवारों का नष्ट होना दो ऊर्जाओं का मिलन है वह प्रेम का अनुभव है प्रेम वह उत्साह है जब दो लोगों के बीच की दीवारें गिरती है जब दो जीवन मिलते हैं जब दो जीवन एक होते हैं जब दो लोगों के बीच ऐसी मेलजोल होती है उसे मैं प्रेम कहता हूं और जब यह एक व्यक्ति और जनसमूह के बीच होती है तो मैं इसे परमेश्वर से संगम कहता हूं। यदि आप मुझसे ऐसे एक अनुभव में रुचि लेते हैं ताकि सभी बाधाएं पिघल जाएं, ताकि आध्यात्मिक स्तर पर एक ओस्मोसिस हो तो वह प्रेम है और यदि मुझसे और सभी अन्य लोगों के बीच ऐसा एकता हो जाता है और मैं सभी में अपनी पहचान खो देता हूँ तो वह प्राप्ति वह मिलान ईश्वर के साथ है सर्वशक्तिमान के साथ सर्वज्ञ के साथ विश्व चेतना के साथ परम परमेश्वर के साथ या आप जो कुछ भी कहना चाहें और इसलिए मैं कहता हूं कि पहला कदम प्रेम है और आखिरी कदम सर्वोत्तम और अंतिम गंतव्य है मैं खुद को विघटित नहीं करता तब तक दूसरा मेरे साथ एक नहीं हो सकता दूसरा मेरे मैं के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में बनता है जितना अधिक मैं मैं बोलता हूँ उतना ही दूसरे का अस्तित्व ताकतवर होता है दूसरा मैं का प्रतिध्वनि है और मैं क्या है क्या आपने कभी शांति से इसके बारे में सोचा है क्या यह आपके पैर में है या आपके हाथ में आपके सिर में है या आपके दिल में या यह सिर्फ अहंकार है आपका मैं आपका अहंकार क्या है और कहा है इसकी भावना तो है फिर भी किसी विशेष स्थान पर नहीं मिलता एक पल के लिए शांति से बैठें और उसमें की खोज करें आप हैरान हो सकते हैं लेकिन एक गहरी खोज के बावजूद आप अपने मैं को कहीं भी नहीं पा सकेंगे जब आप अपने अंदर गहरे से खोजते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि कहीं भी मैं नहीं है इस प्रकार वास्तविकता में आत्मा का सत्य होने पर मैं वहां नहीं है महान संत नागसेन को सम्राट मालिंद ने अपनी दरबार में आने के लिए बुलवाया था दूत ने नागसेन के पास जाकर कहा सन्यासी नागसेन सम्राट तुम्हें देखना चाहता है मैं तुम्हें आमंत्रित करने आया हूँ नागसेन ने कहा यदि आप चाहें तो मैं आ सकता हूँ लेकिन क्षमा करें यहाँ कोई व्यक्ति नागसेन जैसा नहीं है यह केवल एक नाम है केवल एक अस्थाई लेबल है दरबारी ने सम्राट को सूचित किया कि नागसेन एक बहुत अजीब आदमी है उसने कहा उसने कहा कहा कि कि वह आएगा, लेकिन कोई नागसेन आदमी नहीं है सम्राट चमत्कृत हो गए नागसेन समय पर रॉयल रथ में पहुंचा और सम्राट ने उसका स्वागत दरवाजे पर किया सन्यासी नागसेन मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ उसने चढ़ाते हुए कहा इसे सुनकर मुस्कराने लगा। मैं आपके आमंत्रण को नागसेन के रूप में स्वीकार करता हूं लेकिन कृपया याद रखें कि यहाँ कोई नागसेन नामक व्यक्ति नहीं है सम्राट ने कहा तुम बौद्धिक तौर पर बात कर रहे हो अगर तुम नहीं हो तो कौन मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर रहा है इस स्वागत का जवाब देने वाला कौन है नागसेन ने पीछे मुड़कर पूछा क्या यह वही रथ है जिसमें मैं आया था हाँ यह एक ही है कृपया घोड़े हटा दें। यह हो गया। मुद्रत को इशारा करते हुए सन्यासी ने पूछा क्या यह रथ है सम्राट ने कहा घोड़े को कैसे रथ कहा जा सकता है सन्यासी की इशारे पर घोड़े ले जाए गए और घोड़ों को बांधने के लिए दंडे हटा दिए गए क्या ये दंड तुम्हारा रथ है बिल्कुल नहीं ये दंड है और रथ नहीं है सन्यासी ने यही जारी रखते हुए अनेकों को एक के बाद एक हटाने का आदेश दिया और प्रत्येक पूछताछ पर सम्राट को उत्तर देना पड़ा यह रथ नहीं है आखिरकार कुछ नहीं बचा सन्यासी ने पूछा तुम्हारा रथ अब कहा है हर एक वस्तु को हटाने पर तुमने कहा है यह रथ नहीं है तो मुझे बताओ अब तुम्हारा रथ कहाँ है यह खुलासा सम्राट को हैरान कर दिया सन्यासी ने जारी रखा क्या तुम मुझे समझते हो रथ एक संग्रह था यह कुछ विशेष चीजों का संग्रह था रथ का अपना कोई अस्तित्व नहीं था कृपया अंदर देखो तुम्हारा अहंकार कहाँ है तुम्हारा मैं कहा है तुम्हें वह मैं कहीं भी नहीं मिलेगा यह कई ऊर्जाओं का प्रतिबिंब है बस इतना ही है हर अंग अपने आप का प्रत्येक पहलुआ परे विचार करो और फिर सब कुछ एक एक करके हटाओ अंत में कुछ नहीं बचेगा प्रेम उस शून्यता से उत्पन्न होता है वह शून्यता ही ईश्वर है एक निश्चित गांव में एक आदमी ने एक मछली की दुकान खोली थी जिस पर एक बड़ा साइन लगा था यहाँ ताजगी से मछली बिकती है पहले ही दिन एक आदमी दुकान में आया और पढ़ा यहाँ ताजगी से मछली बिकती है उसने हंसी की ताजगी से क्या कहीं भी फृषम मछलियाँ बिकती हैं ताजगी लिखने का क्या मतलब है दुकानदार ने तय किया कि वह सही है इसके अलावा ताजगी ग्राहकों को स्थायी का अंदाजा देता था उन्होंने साइन बोर्ड से ताजगी को मिटा दिया अब बोर्ड पर लिखा था मछली यहाँ बिकती है अगले दिन दुकान में एक बूढ़ी औरत आई और उच्च ध्वनि से पढ़ा मछली यहाँ बिकती है क्या आप कहीं और भी मछली बेचते हैं यहाँ को मिटा दिया गया अब बोर्ड पर लिखा था मछली बिकती है तीसरे दिन एक और ग्राहक दुकान में आया और कहा मछली बिकती है क्या कोई मछली मुफ्त में देता है बिकती है को हटा दिया गया अब बोर्ड पर केवल मछली बची थी एक बुढ़ा आदमी आया और दुकानदार से कहा मछली एक अंधा भी दूर से महसूस कर सकता है कि यहाँ मछली बिकती है मछली को हटा दिया गया अब बोर्ड खाली था एक बड़े से बड़े स्वायत्त व्यक्ति ने पूछा क्यों एक खाली बोर्ड बोर्ड भी हटा दिया गया प्रक्रिया के बाद कुछ भी बचा नहीं प्रत्येक शब्द को एक एक करके हटा दिया गया था और जो बचा था वह कुछ नहीं था शुन्यता एक शून्य उत्पन्न हो सकता है केवल एक शून्य दूसरे शून्य के साथ पूरी तरह मिल सकता है केवल शून्य ही एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिल सकता है नहीं दो व्यक्तियां बल्कि दो शून्य ही मिल सकते हैं क्योंकि अब कोई भी बाधा नहीं है अन्य सभी के पास दीवारें हैं एक शून्य की कोई नहीं है इसलिए दूसरी बात यह है कि प्रेम उत्पन्न होता है जब व्यक्तित्वता लगातार गायब हो जाती है जब मैं और दूसरा और नहीं होते हैं। फिर जो कुछ भी बचता है वह सब कुछ है अनंत है लेकिन कोई मैं नहीं है उस प्राप्ति के साथ सभी बाधाएं टूट जाती है और हमेशा तैयार गंगा की धारा होती है हम कुआ खोदते हैं पानी पहले से ही अंदर है कहीं से भी लाया नहीं जाना है हम बस पृथ्वी और पत्थरों को खोदकर और हटाकर उन्हें बना देते हैं यह बिल्कुल वही है जिसे हम करते हैं हम एक शून्यता बनाते हैं ताकि अंदर छिपा पानी एक जगह को मिल सके जिसमें अपना प्रदर्शन कर सके जो अंदर है वह जगह चाहता है उसको जगह चाहिए उसे एक शून्यता की उत्पत्ति है जो उसे नहीं मिल रही है ताकि यह बाहर आ सके ताकि यह उछल सके यदि एक कुआ रेत और पत्थरों से भरा होता है तो हम रेत और पत्थरों को हटाते हैं तो पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा उसी तरह मन प्रेम से भरा है लेकिन प्रेम को सतह पर उभरने के लिए जगह चाहिए जब तक आपके हृदय और आत्मा में कह रहे हैं तब तक आप एक रेत और पत्थरों भरे कुए हैं और प्रेम की धारा आप में उबलने का समय नहीं है मैंने सुना है कि एक समय एक प्राचीन और शानदार पेड़ था जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी जब यह फूलने के मोड में था तो उसके चारों ओर विभिन्न आकृतियों रंगों और आकारों की तितलियां नृत्य करती थी जब यह फूले देता था और फलों को बोझ लेता था तो दूर के देशों के पंछी आते थे और उसमें गाते थे इसकी शाखाएं बाहर फैलाए गए हाथों की तरह जो भी आते और उसकी छाया में बैठते उन्हें आशीर्वाद देती थी एक छोटे बच्चे को आने और उसके नीचे खेलने के लिए आना अच्छा लगता था और बड़े पेड़ ने उस छोटे बच्चे के प्रति एक प्रेम विकसित किया बड़े और छोटे के बीच प्रेम संभव है यदि बड़ा यह जानकर नहीं है कि वह बड़ा है पेड़ नहीं जानता था कि वह बड़ा है केवल मनुष्य के पास ऐसा ज्ञान होता है बड़े का यही स्वाभाविक ध्यान होता है लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है प्रेम किसी भी आसपास आने वाले को आलिंगन करता है इसलिए पेड़ ने उस छोटे बच्चे के लिए प्रेम विकसित किया जो उसके पास आकर खेलने आता था उसकी शाखाएं उच्च थी लेकिन उसने उन्हें झुकाया और बो दिया ताकि वह उसके फूल छू सके और उसके फलों को तोड़ सके प्रेम कभी झुकने के लिए हमेशा तैयार होता है अहंकार कभी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है यदि आप अहंकार के पास जाएं, तो इसकी शाखाएं और भी ऊपर की ओर बढ़ जाएंगी यह स्टिफ हो जाएगा ताकि आप उसे छू नहीं सके खिलवार बच्चा आया और पेड़ ने अपनी शाखाएं झुकाई पेड़ बहुत खुश हुआ जब बच्चा ने कुछ फूल तोड़े उसका संपूर्ण अस्तित्व प्रेम की आनंद से भर गया प्रेम हमेशा खुश होता है जब वह कुछ देने में सक्षम होता है अहंकार हमेशा खुश होता है जब वह कुछ लेने में सक्षम होता है लड़का बड़ा हो गया कभी कभी उसने पेड़ के लाभ पर सोता कभी उसने इसके फल खाए और कभी इसके फूलों की मुकुट पहनकर जंगल के राजा की भांति व्यापार किया प्रेम के फूल होने पर व्यक्ति राजा की भांति होता है लेकिन अहंकार के कांटे होने पर वह गरीब और दुखी होता है छोटे बच्चे को फूलों की मुकुट पहने हुए देखना पेड़ को आनंद से भर गया वह प्रेम में सारंगी बजाता था वह हवा में गाता था लड़का और बड़ा हो गया कभी कभी उसने पेड़ की शाखाओं पर चढ़ना शुरू किया ताकि वह उस पर झूल सके पेड़ ने महसूस किया कि जब लड़का उसकी शाखाओं पर आराम करता है तो उसका बहुत खुश होता है प्रेम खुश होता है जब यह किसी को सुखद बना सकता है अहंकार केवल तब खुश होता है जब यह किसी को असुखद बना सकता है समय के साथ साथ बच्चे को अन्य कर्तव्यों का बोझ आया उम्मीदें बढ़ी उसे परीक्षा देनी थी उसके साथ बातचीत करने और घूमने के लिए दोस्त थे इसलिए वह अब अक्सर नहीं आता था लेकिन पेड़ उसका इंतजार बेहद बेताबी से करता था कि वह आए यह अपनी आत्मा से कहता था आ जा आ जा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ प्रेम दिन रात प्रतीक्षा करता है और पेड़ इंतजार करता था जब लड़का नहीं आता तो पेड़ को दोहक होता था प्रेम को दोहक होता है जब यह साझा नहीं कर सकता प्रेम को दोहक होता है जब यह कुछ नहीं दे सकता प्रेम खुश होता है जब यह साझा कर सकता है जब यह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकता है तब प्रेम सबसे खुश होता है। लड़का पेड़ के पास कम और कम आने लगा व्यक्ति जो बड़ा होता है जिसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है प्रेम के लिए कम और कम समय निकालता है लड़का अब सार्थक कार्यो में लिपटा हुआ था एक दिन जब वह से गुजर रहा था तो पेड़ ने उससे कहा मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ लेकिन तुम नहीं आते मैं तुम्हें रोजाना अपेक्षा करता हूं लड़का ने कहा तुम्हारे पास क्या है मैं क्यों तुम्हारे पास आऊं क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है मैं पैसा ढूंढ रहा हूं अहंकार हमेशा प्रेरित होता है केवल अगर कुछ प्राप्त करने का कोई उद्देश्य है तो अहंकार आता है लेकिन प्रेम अनुभवहित है प्रेम अपना ही इनाम है चौकी हुई पेड़ ने कहा तुम तभी आओगे जब मैं कुछ दूंगा वह जो रोकता है वह प्रेम नहीं है अहंकार बढ़ता है लेकिन प्रेम निरपेक्ष रूप से देता है हमें वह बीमारी नहीं है और हम खुश हैं। पेड़ ने कहा हम पर फूल खिलते हैं हमारे ऊपर कई प्रकार के फल होते हैं हम शीतल छाया प्रदान करते हैं हम हवा में नृत्य करते हैं और गाने गाते हैं मासूम पंछी हमारी शाखाओं पर उछलते हैं और चीरपीप करते हैं हालांकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिस दिन हम पैसे के साथ जुड़ जाएंगे हमें भी तुम दुर्बल मनुष्यों की भांति मंदिर जाना पड़ेगा शांति प्राप्त करने के लिए प्रेम प्राप्त करने के लिए सीखने के लिए नहीं हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है लड़का ने कहा तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? मैं पैसे चाहता हूं। अहंकार पैसे के लिए पूछता है क्योंकि इसको शक्ति की आवश्यकता है पेड़ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा मेरे प्यारे कहीं और मत जाओ मेरे फलों को तोड़ो और उन्हें बेचो इस तरह तुम्हें पैसे मिलेंगे लड़का तुरंत उत्साहित हो गया उसने सभी पेड़ के फल तोड़ लिए जिनमें से कुछ अपकाचे भी गिरा दिए गए पेड़ खुश महसूस कर रहा था हालांकि कुछ ट्विग और शाखाएं टूट गई थी हालांकि कुछ पत्तियां जमीन पर गिर गई थी टूटना प्रेम को भी खुश करता है लेकिन प्राप्ति के बाद भी अहंकार खुश नहीं होता है अहंकार हमेशा और चाहता है पेड़ ने नहीं ध्यान दिया कि लड़का ने एक बार भी उसकी ओर धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा नहीं था उसका आभास हो गया था कि लड़का ने उसकी फल तोड़ने और बेचने की पेशकश को स्वीकार करते ही उसे धन्यवाद मिल गया था लड़का बहुत देर तक नहीं आया अब उसके पास पैसे थे और वह उन पैसों से और पैसे बना रहा था उसने पेड़ के बारे में सब कुछ भूल गया था वर्षों बीत गए पेड़ उदास था वह लड़के की वापसी की आकांक्षा करता था एक माँ की तरह जिसके स्तन दूध से भरे होते हैं लेकिन जिनका बेटा खो गया है उसका पूरा अस्तित्व उसके बेटे के लौटने की आकांक्षा के लिए बेताब था इस पेड़ की आंतरिक क्रिया उसके बेटे के पास आने की आकांक्षा की भांति थी इसका पूरा अस्तित्व वेदना में था कई वर्षों बाद अब एक बड़ा होकर लड़का पेड़ के पास आया पेड़ ने कहा आओ मेरे बच्चे आकर मुझसे गले मिलो आदमी ने कहा वह संवेदनशीलता बंद करो वह बचपन की बात थी मैं अब एक बच्चा नहीं हूं अहंकार प्रेम को पागलपन बच्चों के ख्वाब की भांति देखता है लेकिन पेड़ ने उसे आमंत्रित किया आओ मेरी शाखाओं पर झूला लगाओ आओ नृत्य करो आओ मेरे साथ खेलो आदमी ने कहा सभी इस अव्यर्थ बातों को बंद करो मुझे एक घर बनाना है क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो पेड़ चिल्लाया एक घर मेरे पास एक घर नहीं है घरों में केवल लोग रहते हैं और क्या आपने उसकी स्थिति को देखा है जब उसे चार दीवारों के बीच कैद किया जाना है उसकी इमारतें जितनी बड़ी होती है उतना ही छोटा इंसान हो जाता है हम घरों में नहीं रहते हैं लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले सकते हो और फिर शायद तुम एक घर बना सकते हो। आदमी ने एक कुल्हाड़ी लाई और पेड़ की सारी शाखाएं काट दी अब पेड़ केवल एक शून्य ट्रंक था लेकिन प्रेम ऐसी बातों के लिए चिंता नहीं करता यदि उसके अंग भी उसके प्यार के लिए काटे जाएं। प्रेम देना है प्रेम सदैव देने के लिए तैयार है आदमी ने पेड़ का आभार भी नहीं किया उसने अपना घर बना लिया और दिन वर्षों में बदल गए चंक ने बस और बस रुकने का समय बर्दाश्त किया यह उसको बुलाना चाहता था लेकिन उसके पास न तो शाखाएं थी और न पत्तियां जो इसे ताकत दें। हवा बहती रही लेकिन यह उसे हवा को संदेश देने के लिए भी मना था और फिर भी इसकी आत्मा में केवल एक ही प्रार्थना गूंथी थी आ जा आ जा मेरे प्रिय आ जा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ समय बीत गया और आदमी अब बड़ा हो गया था एक बार वह पेड़ के पास से गुज़र रहा था और वह पेड़ के पास खड़ा हो गया पेड़ ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या और कर सकता हूँ तुम बहुत बहुत देर के बाद आए हो बूढ़ा आदमी ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या और कर सकता हूँ मुझे दूर के देशों जाने के लिए और पैसे कमाने के लिए जाना है मुझे एक नाव चाहिए यात्रा के लिए पेड़ ने खुशी खुशी कहा लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे प्रिय मेरी तने को काटो और उससे एक नाव बनाओ मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ कि तुम दूर के देशों में जाकर पैसे कमा सको लेकिन कृपया ध्यान रखना मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा आदमी ने एक आरा लाया तना को काटा और एक नाव बनाई और दूर चला गया अब पेड़ एक छोटा सा चंक है और यह अपने प्रिय के लौटने का इंतजार करता है यह इंतजार करता है और इंतजार करता है और इंतजार करता है आदमी कभी नहीं लौटेगा अहंकार केवल वहाँ जाता है जहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए है और अब पेड़ के पास कुछ भी नहीं है पूरी तरह से कुछ भी नहीं प्रदान करने के लिए अहंकार वहाँ नहीं जाता है जहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है अहंकार हमेशा एक शैशव भिकारी है एक निरंतर मांग स्थिति में है और प्रेम भिक्षा है प्रेम एक राजा है एक सम्राट क्या प्रेम से बड़ा सम्राट है मैं उस स्तंभ के पास एक रात आराम कर रहा था वह मुझसे बोला मेरा वह प्रिय मित्र अब तक वापस नहीं आया है मुझे उसके बारे में बहुत चिंता है कि शायद उसने डूब गया हो या शायद वह खो गया हो शायद वह उन दूरस्थ देशों में है कहीं खोया हुआ हो सकता है शायद वह अब जीवित नहीं है कैसे कीमती होता कि उसके बारे में कुछ खबरें मिले तब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ लेकिन वह मुझे बुला सकता है भले ही मैं उसको बुला ना सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है उसको प्रदान करने के लिए और वह सिर्फ लेने की भाषा समझता है अहंकार केवल लेने की भाषा समझता है देने की भाषा प्रेम है मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता और इससे अधिक कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है यदि जीवन उस पेड़ की तरह बन सकता है जिसने अपनी शाखाओं को इतना फैलाया हो कि सभी लोग उसकी छाया में आश्रय ले सकें तो हम समझेंगे कि प्रेम क्या है प्रेम के लिए कोई शास्त्र कोई चाट कोई कोशिकाएं नहीं है प्रेम के लिए कोई सिद्धांत नहीं है मैंने यह सोचा कि मैं प्रेम के बारे में क्या कह सकता हूं प्रेम को वर्णन करना इतना कठिन है प्रेम सिर्फ वहां है आप शायद मेरी आंखों में इसे देख सकते हैं अगर आप उपस्थित होकर मुझ में झाके मैं यह सोचता हूं कि आप इसे मेरी बाहों में महसूस कर सकते हैं जैसे कि एक आलिंगन में प्रेम प्रेम क्या है यदि प्रेम मेरी आंखों में मेरी बाहों में मेरे चुप में महसूस नहीं होता है तो इसे मेरे शब्दों से कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता मैं आपके सब्रपूर्वक सुनने के लिए कृतज्ञ हूँ और अंत में मैं सभी में बैठे ईश्वर को नमन करता हूँ कृपया मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार प्रतिबंध से मुक्ति तक एक सुबह सूर्योदय से पहले एक मछुआरा एक नदी की ओर गया किनारे पर उसने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया और उसे एक छोटी सी बोरी में पत्थरों की एक थैली मिली उसने थैली को उठाया और अपनी जाल को एक किनारे पर रखकर सूर्योदय का इंतजार करने के लिए किनारे पर बैठ गया उसने भोर आने का इंतजार किया था ताकि वह अपने दिन का काम शुरू कर सके उसने आलसी तरीके से थैली से एक पत्थर निकाला और उसे पानी में फेंका फिर उसने एक और पत्थर फेंका और फिर एक और कुछ करने के अभाव में उसने एक के बाद एक पत्थर पानी में फेंकते रहे धीरे धीरे सूरज उगा और रोशनी हो गई उस समय तक उसने सभी पत्थरों को फेंक दिया था केवल एक ही बचा हुआ था आखिरी पत्थर उसकी कई बार से हाथ में था जब उसने देखा दिनचर्या के समय वह जो कुछ उसके हाथ में था तो उसका दिल उससे लगभग टूट गया यह एक रत्न था अंधकार में उसने पूरी थैली को फेंक दिया था वह बिना जाने खो बैठा था पछताया भरा हुआ उसने खुद को शापित किया उसने रोई और चीखा दुख से लगभग अपने मन से बाहर था उसने यह सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को समृद्धि से भरने के लिए काफी संयासी रूप से रिच कर लिया था लेकिन अनजाने में और अंधकार में उसने इसे खो दिया था फिर भी किसी तरह उसे भाग्यशाली माना जा सकता था अब एक रत्न बचा था पहले ही उसने इसे फेंक दिया था जब रोशनी आई थी आमतौर पर अधिकांश लोग उतने ही भाग्यशाली नहीं होते हैं चारों ओर अंधकार है और समय बीत रहा है सूरज अभी तक नहीं उगा है और हमने पहले ही सभी जीवन के मूल्यवान रत्नों को बर्बाद कर दिया है जीवन एक बड़ा रज़ाखाना है और मनुष्य उससे कुछ नहीं करता है सिवाय इसे फेंकने के हमने जीवन के महत्व को समझने का समय आने पर हमने उसे बिता दिया है रहस्य आनंद विमुक्ति स्वर्ग सब खो गया है और किसी का जीवन बिता गया है आने वाले कुछ दिनों में मेरा इरादा है कि मैं जीवन के रत्नों पर बोलू लेकिन लोगों को जो जीवन को पत्थरों की तरह देखते हैं उन्हें प्रकाशित करना कठिन है लोग परेशान हो जाते हैं अगर आप उनका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचने की कोशिश करते हैं कि वे जो कुछ फेंक रहे हैं वह रत्न है पत्थर नहीं उन्हें इस बारे में बताया गया है नहीं क्योंकि कहा गया है बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी अवगुंठन का दिखाया गया है क्योंकि उन्हें याद दिलाया गया है कि उन्होंने क्या हानि कर दी है उनकी अहंकार की रूपरेखा आती है वे गुस्सा करती हैं। जो कुछ अब तक खो चुका है यदि बचा हुआ जीवन छोटा है यदि केवल एक पत्थर बचा है तो भी आपका जीवन बचा सकता है सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती सहायता अभी भी संभव है और खासकर सत्य की खोज में कभी भी देर नहीं होती आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अभी भी कारण है लेकिन हमारी अज्ञानता और अंधकार में हमने यह स्वीकृत कर लिया है कि जीवन की थैली में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के कमजोर हृदय लोग सीधे तौर पर सत्य की खोज करने के लिए किसी प्रयास से पहले ही हार मान लेते मैं उस निरंतर हार के अपशक्ति के खतरों को चेतावनी देना चाहता हूँ इस स्थिति के हार की भ्रांति के खिलाफ जीवन रेत और पत्थरों का ढेर नहीं है अगर आपके पास इसे देखने के लिए सही दृष्टि है तो जीवन में कई अच्छाई है जीवन में आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए सीधी मिलेगी इस रक्त मांस और हड्डियों के शरीर के भीतर इन चीजों से अलग कुछ या कोई मौजूद है इसका शरीर रक्त और हड्डियों से कुछ नहीं करता है यह अमर है इसका न आरंभ है और न अंत बिना आकार यह हम सभी के कोर में है आपकी अज्ञानता के अंधकार से मैं आपसे कहता हूँ उस अविनाशी प्रज्वलन के लिए इच्छा करें लेकिन अमर प्रज्वलन को मृत्यु के धुंधले से छिपा हुआ मानो धूम्र से ओढ़ा हुआ है इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख सकते हम धूम्र से मिलते हैं और पीछे हट जाते हैं जो थोड़ा बहादुर होते हैं वे थोड़ी देर के लिए खोजते हैं लेकिन केवल धूम्र में और इसलिए वे प्रज्वलन प्रकाश का स्रोत तक पहुंच नहीं सकते हम इस धूम्र के परे प्रज्वलन की इस यात्रा कैसे कर सकते हैं शरीर के अंदर आत्मा की ओर हम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं विश्वबंधु कैसे हो सकते हैं हम कैसे समझ सकते हैं उस चीज को जो प्राकृतिक रूप में छिपा हुआ है वह जो प्राकृति में छुपा हुआ है मैं इसके बारे में तीन मर्ज में बात करूंगा पहले तो हमने इतनी पूर्वाग्रहों उफानता भरे विचारों और बनावटी दर्शनों से खुद को ऐसे ढक लिया है कि हमने नीवे सत्य को देखने की क्षमता से वंचित कर दिया है बिना जाने बिना खोजे बिना किसी उत्सुकता के हमारे पास जीवन के बारे में पहले से तैयार हुए सिद्धांत है हजारों सालों से हमें सिखाया गया है कि जीवन बेमानी है कि यह अनार्थक है और दुखमय है हमें हिप्नोटाइज किया गया है कि हमारा अस्तित्व अनार्थक बेहुदा दोहकपूर्ण है कि जीवन को घृणा की जानी चाहिए उसे अनदेखा करना चाहिए इस सतत पुनरावृत्ति ने हमें दबाव में रख लिया है जो हमें कुचल रहा है इसलिए अब हम महसूस करते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है सिर्फ एक बड़ी शोर एक बड़ी हलचल एक दोह का केंद्र इस घृणा के कारण ही मनुष्य को सभी आनंद और प्रेम हार गया है आदमी अब केवल एक अरूपी गोली है वह एक अशांत सोढ़ा समुद्र है और यह भी आश्चर्यजनक नहीं है कि इन गलतफहमियों के कारण मनुष्य ने अपने आत्मचिंतन का प्रयास करना बंद कर दिया है एक भीसा लाइन में सौंदर्य की खोज करने में कौन प्रयास करेगा और जब किसी को निश्चित रूप से विश्वास है कि जीवन सिर्फ फेंका जाने के लिए अस्वीकृत किया जाने के लिए बना है तो उसे मानने में क्या अर्थ है उसे स्वीकार करने के लिए क्या अर्थ है उसे शुद्ध करने और सौंदर्यपूर्ण बनाने का हम पूरी प्रयास उस व्यक्ति की तरह है जो रेलवे स्टेशन के एक प्रतीक्षा कक्ष का उपयोग कर रहा है उसे पता है कि वह वहां केवल कुछ समय के लिए है कि वह शीघ्र रवाना हो जाएगा तो प्रतीक्षा कक्ष की कोई महत्वपूर्णता नहीं है यह पूरी तरह अनिदृश्य है उसने यहां वहां कुछ छोड़ दिया वह थूकता है उसने इसे गंदा किया उसे चिंता नहीं है अपने व्यवहार से बड़े ही कुछ समय बाद वह इसे छोड़ देगा इसी तरह हम जीवन को एक अस्थाई निवास के रूप में देखते हैं वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि कोई भी पूछे कि जीवन में सत्य और सौंदर्य की खोज करने का क्या कारण है लेकिन मैं इस बात को महत्वपूर्ण बनाना चाहता हूं कि जीवन समय के साथ खत्म हो जाएगा और फिर जीवन की वास्तविकता से बचा नहीं जा सकता है हम अपने घरों को बदल सकते हैं शरीरों को बदल सकते हैं लेकिन हमारे जीवन का सार अब हमारे साथ रहता है यह आत्मा है बड़े अक्षर में इससे छुटकारा पाने का कोई भी तरीका बिल्कुल नहीं है हम उसके आधार पर बने हैं जो हम करते हैं आखिरकार हमारे कर्म हमें बना देते हैं या हमें बिगाड़ देते हैं वे हमारे जीवन को बदलते हैं वे हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारी आत्मा को मोल्ड करते हैं हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं और जो कुछ हम अपने जीवन के साथ करते हैं वह हमारे भविष्य को रूपित करता है किसी की जीवन दृष्टि एक की आत्मा का मार्ग दिखाती है यह कैसे विकसित होगी यह कौन सी अनजाने रहस्यों को खोलेगी यदि मनुष्य यह जानता कि उसकी जीवन दृष्टि उसके भविष्य को संगीत बनाती है तो उसे तुरंत इस दुखद दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए कि जीवन असंगत है कि यह निरर्थक और अर्थहीन है फिर शायद उसे यह भ्रम समझने का मौका मिले कि अस्तित्व का यह विश्वास है कि दोहक से भरा है कि इसमें कोई योजना नहीं है फिर शायद उसे यह पता चले कि जो कुछ भी जीवन के भी खिलाफ है धर्म के नाम पर जीवन की नकारात्मक शिक्षा दी जाती है धर्म का दार्शनिक सिद्धांत हमेशा मृत्युमुखी रहा है जीवनमुखी नहीं धर्म यह प्रचारित करता है कि जो जीवन के बाद आता है वह महत्वपूर्ण है लेकिन जो मौत से पहले होता है उसका कोई महत्व नहीं है अब तक धर्म ने मौत की पूजा की है लेकिन जीवन का कोई आदर नहीं किया है यहाँ कहीं भी जीवन के फूल और फलों की आनंदमय स्वीकृति नहीं मिलती हर जगह मृत फूलों का कट्टर आ सकती है हमारे जीवन मृत फूलों की कब्रों पर महाकाव्य है धार्मिक विचारधारा का केंद्र सदा ही मौत की दूसरी ओर स्वर्ग मोक्ष निर्वाण पर होता रहा है जैसा कि मौत के बाद क्या होता है यह मौत से पहले का कोई समर्थन नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ यदि आप मौत से पहले जो हो रहा है उसके साथ रहने में असमर्थ हैं, तो आप मृत्यु के बाद कैसे सामना कर पाएंगे यह लगभग असंभव होगा यदि हम मौत से पहले उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते तो हम कभी भी मौत के बाद के लिए तैयार या योग्य नहीं हो सकते अपने मौत के लिए तैयारी अपने जीवन के दौरान की जानी चाहिए यदि मौत के बाद एक और दुनिया है तो वहां भी हमें उन्हें देखना पड़ेगा जो हमने इस जीवन में महसूस किया है इसके बावजूद कि इसका त्याग करने के बारे में हर बार गीत गाते हैं इस जीवन के परिणामों से बचा नहीं जा सकता है मैं कहता हूं कि कोई भी ईश्वर नहीं है और न ही कोई हो सकता है सिवाय जीवन के खुद मैं यह भी कहता हूं कि जीवन को प्यार करना किसी का साधना है किसी के लिए ईश्वर की ओर की पथ सच्चा धर्म जीवन का उपयोग करना है जीवन में मौजूद अंतिम सत्य को पहचानना पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने की पहली शुभ कदम की ओर है वह जो जीवन को हाथ से छोड़ देता है वह है जो सब कुछ छोड़ देगा हालांकि धर्म की प्रवृत्ति बिल्कुल उल्टी है जीवन को फेंको संसार को त्यागो धर्म जीवन का विचार नहीं करता यह आपको आपके जीवन की मार्गदर्शन में मदद नहीं करता है यह आपको नहीं बताता है कि आप उसे जिएंगे ही जैसे आप उसे जीते हैं लेकिन यह कहता है कि यदि आपका जीवन दुखद है तो यह इसलिए है क्योंकि आपकी जीवन दृष्टि अशुद्ध है जीवन आपको खुशी बरसा सकता है अगर आप उसे जीने का सही तरीका जानते हैं मैं धर्म को जीवन कला कहता हूं धर्म जीवन को कमजोर करने का एक तरीका नहीं है बल्कि यह अस्तित्व के रहस्यों में गहराई से खोजने के लिए एक माध्यम है धर्म जीवन से मुंह फेरने का तरीका नहीं है यह सीधे रूप से जीवन का सामना करना है धर्म जीवन से भागना नहीं है धर्म है पूर्णतः जीवन को अपनाना धर्म है जीवन की परिणाम स्वरूप आजकल के केवल वृद्ध लोगों में ही धार्मिकता का कोई रुझान दिखता है आप केवल ईश्वर के स्थानों में मंदिरों चर्चों गुरुद्वारों और मस्जिदों में बूढ़े लोगों को ही देखेंगे यहाँ तक कि आप वहाँ किसी युवा को नहीं देखेंगे क्यों इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है हमारा धर्म आजकल बढ़ती हुई आयु के लोगों के लिए है इसका उपयोग मृत्यु के भय से बाधित व्यक्तियों के लिए है उनके जीवन के अंत में वहाँ के बाद के बारे में चिंतित व्यक्तियों के लिए है मृत्यु के दर्शन पर आधारित एक धर्म कैसे जीवन को प्रकाशित कर सकता है पांच हजार वर्षों के धार्मिक शिक्षण के बावजूद पृथ्वी बुरे से बुरे की ओर धीरे धीरे डूब रही है इस ग्रह पर मंदिरों मस्जिदों चर्चों पुजारियों शिक्षकों संतों और इस प्रकार के अन्य लोगों की कोई कमी नहीं है लेकिन इसके लोग अब तक धार्मिक नहीं बने हैं इसका कारण यह है कि धर्म का एक गलत आधार है जीवन धर्म की जड़ में नहीं है धर्म मृत्यु पर निर्मित है धर्म एक जीवंत प्रतीक नहीं है धर्म एक समाधि स्तंभ है इस प्रकार के पक्षपाती धर्म हमारे जीवन में कभी भी जीवन नहीं ला सकता इसका सबसे मौलिक कारण क्या है इन कुछ दिनों मैं जीवन के धर्म जीवन के जीवंत विश्वास का चर्चा करूंगा और एक ऐसे तत्व की ओर जो सामान्य व्यक्ति को कभी खोजने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ही उसको बताया जाता है इतिहास में इस जीवन के मौलिक नियम को धूप में डालने के लिए अधिकतम कुछ किया गया इस मौलिक सत्य को दबाने के लिए और इस गंभीर गलती के परिणाम स्वरूप एक सार्वजनिक रोग में बदल गया है सामान्य आदमी का मौलिक उत्साह क्या है भगवान नहीं आत्मा नहीं सत्य नहीं मनुष्य की कोर में क्या है सामान्य आदमी के जीवन में उस आदमी के जीवन में जो कभी ध्यान नहीं करता कभी अपनी आत्मा की खोज नहीं करता कभी धार्मिक यात्रा नहीं करता है कि गहराई में क्या मौलिक इच्छा है भक्ति नहीं प्रार्थना नहीं मुक्ति नहीं यदि हम सामान्य आदमी में मौलिक इच्छा की तलाश करें यदि हम इस जीवन के पीछे की शक्ति की खोज करें तो हम न भक्ति पाएंगे और न ही भगवान न प्रार्थना और न ज्ञान की प्यास हम वहां कुछ और पाएंगे एक ऐसी चीज जो अंधकार में धकेली जा रही है जिससे कभी सामना सावधानी से नहीं किया जाता जो कभी मूल्यांकन नहीं किया जाता और वह क्या है यदि आप सामान्य आदमी के कोर को विश्लेषण और विश्लेषण करें तो आप क्या पाएंगे इस समय मनुष्य को अलग रखें यदि हम पशु या पौधमय राज्य की ओर देखें तो हम किसी भी चीज के कोर में क्या पाएंगे यदि हम एक पौध की गतिविधि का अध्ययन करें तो हम क्या पाएंगे उसकी वृद्धि कहाँ ले जा रही है उसकी सारी ऊर्जा एक नए बीज बनाने की दिशा में है उसका पूरा अस्तित्व एक नए बीज बनाने में लगा है पौध क्या कर रहा है पशु क्या कर रहा है यदि हम प्राकृतिक गतिविधियों का ध्यान से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि वहाँ केवल एक प्रक्रिया है केवल एक समर्पित प्रक्रिया जारी है और वह प्रक्रिया निरंतर नए और विभिन्न स्वरूपों को बनाने प्रजन के नए और विभिन्न आत्मरूपों का निर्माण का है फूलों में बीज होते हैं फलों में बीज होते हैं और बीज का भविष्य क्या है बीज का भविष्य एक नए पौध एक नए फूल एक नए फल एक नए बीज में बढ़ने के लिए है और इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है प्रजन की प्रक्रिया अनंत है जीवन एक ऐसी शक्ति है जो निरंतर अपने को पुनर्निर्माण कर रही है जीवन एक रचनात्मकता है एक स्वयं सृष्टि की प्रक्रिया है यही मनुष्य के लिए भी सत्य है और हमने इस प्रक्रिया को कामुकता सेक्स कहा है हमने इसे काम भी कहा है इस नामकरण को नामकरण कहा जा सकता है यह एक प्रकार की गाली है और इस अपमान आत्मा भी बिगाड़ दिया है फिर कामुकता क्या है पाश्चात्यात्मकता क्या है वह शक्ति क्या है जिसे सेक्स कहा जाता है समय के अनादि से लहरें एक के बाद एक आती रही और किनारे पर टकराती रही है लहरें आती हैं, टूटती हैं और पीछे हटती हैं। फिर से वे तेजी से आती है वे धक्के देती हैं, संघर्ष करती हैं, बिखरती हैं और फिर से पीछे हटती हैं। जीवन में प्रगति की एक आंतरिक इच्छा है आगे बढ़ने की इन लहरों में एक प्रकार की बेचैनी है और जीवन की लहरों में भी इसमें कुछ प्राप्त करने के लिए एक निरंतर प्रयास है लक्ष्य क्या है इसमें एक बेहद इच्छा है एक बेहतर स्थिति के लिए यह उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचने की उत्सुकता है इस अनंत ऊर्जा के पीछे जीवन खुद है जीवन एक अच्छे जीवन के लिए प्रयास कर रहा है जीवन एक बेहतर अस्तित्व के लिए प्रयास कर रहा है यह बिल्कुल भी नहीं है केवल कुछ हजार वर्षों की बात है जब मनुष्य पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ था उससे पहले केवल पशु थे और इससे भी कहीं नहीं दिन हुए हैं कि पशु बने इससे पहले एक समय था जब कोई पशु नहीं थे जब केवल पौधे थे न ही पौधों ने इस प्लेनेट पर बहुत दिनों के लिए मौजूद थे उससे पहले केवल पत्थर पहाड़ नदिया और पहाड़ थे नदियों और समुद्रों का यह संसार बेचैन क्यों था इसका प्रयास पौधे उत्पन्न करने की दिशा में था और धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे पौधे मौजूद हो गए जीवन शक्ति ने एक नए रूप में प्रकट किया था फिर पृथ्वी को पौधों से ढा गया यह जीवन उत्पन्न करना जारी रखता था यह प्रजन करता रहता था फूल खिले और फल बढ़ा लेकिन पौधे भी बेचैन थे उन्हें भी खुद से संतुष्ट नहीं था उनकी आंतरिक इच्छा भी कुछ ऊंचा करने के लिए थी उन्हें पशुओं और पक्षियों को उत्पन्न करने की आकांक्षा थी फिर पशु और पक्षियां उत्पन्न हुए और युगों तक इस प्लेनेट को कब्जा किया लेकिन मनुष्य कहीं भी नहीं था और फिर भी मनुष्य हमेशा वहां था पशुओं में अंतर्निहित कवाच को तोड़ने का प्रयास करता हुआ जन्म होने का प्रयास करता हुआ फिर उचित समय पर मनुष्य अस्तित्व में प्रवेश किया अब मनुष्य के बारे में कैसे है मनुष्य निरंतर नए जीवन उत्पन्न करने के प्रयास में है और हमने इस प्रवृत्ति को सेक्स कहा है हमने इसे काम और कामुकता कहा है लेकिन यह कामुकता का क्या मतलब है मौलिक इच्छा नए जीवन उत्पन्न करने की है जीवन खुद को समाप्त होने की इच्छा नहीं करता लेकिन यह सब कुछ के लिए है क्या यह हो सकता है कि मनुष्य अंदर से एक बेहतर मनुष्य खुद के एक उच्चतम रूप को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है क्या यह हो सकता है कि जीवन मनुष्य से कहीं बेहतर एक संजीवनी बीज की आशा कर रहा है नीचे से लेकर औरबिंदो पतंजलि से बट्रैंड रसेल तक सैज ने अपने हृदय की एक छवि को पोषित की है एक सपना देखा है कि एक उनसे अधिक श्रेष्ठ मनुष्य प्रकट होगा एक सुपरमैन उन्होंने यह पूछा है कि कैसे एक और मनुष्य से श्रेष्ठ को पैदा किया जा सकता है हमने हजारों वर्षों तक प्रजन की इच्छा को जानबूझकर निंदित किया है हमने इसे स्वीकार करने की बजाय हमने इसे गाली दी है हमने इसे सबसे निम्न स्थान पर भेज दिया है हमने इसे छुपाया और इसे वहां नहीं है कहकर बहकाया है जैसे कि जीवन में इसके लिए कोई स्थान नहीं है चीजों के योजना में इसके लिए कोई जगह नहीं है सच यह है कि इस इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और इसे उसकी सही जगह देना चाहिए मनुष्य ने इसे ढककर और इसे कुचलकर खुद को इससे मुक्त नहीं किया है बल्कि उसने इसमें और ज्यादा फंसा हुआ है इस दबाव का परिणाम उम्मीद किए जा रहे परिणाम के विपरीत हुआ है एक नौसिखिए को साइकिल चलाना सीखने का कला कीजिए सड़क बड़ी और चौड़ी हो सकती है लेकिन अगर सड़क के किनारे एक छोटा पत्थर है तो साइकिल चलाने वाला डरेगा कि वह पत्थर से टकराएगा उसे उस पत्थर से मिलने के चांस में सौ में से एक के खिलाफ है यहाँ तक कि अंधा आदमी शायद संभावनाओं के अनुसार सुरक्षित से इसके पास जाए लेकिन अपने भय के कारण राइडर केवल पत्थर को महसूस करता है पत्थर उसके मन में बड़ा हो जाता है और सड़क उसके लिए गायब हो जाती है उसका उस पत्थर में मोहित हो जाना उस पत्थर की ओर खिंचाना और अंत में उसे उसके साथ टक्कर लगा देना सड़क बड़ी और चौड़ी थी तो इस आदमी को ऐसा हादसा कैसे हुआ मनोविज्ञानी कुए कहते हैं कि सामान्य दिमाग को प्रतिक्रिया प्रभाव का कानून नियंत्रित करता है हम उस चीज से टकराते हैं जिससे हम खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे भय का उद्दीपन हमारी चेतना का केंद्र बन जाता है उसी तरह मनुष्य ने पिछले पांच हजार वर्षो से खुद को सेक्स से बचाने का प्रयास किया है और परिणाम यह है कि हर जगह हर कोने में उसे सेक्स के साथ उसके विभिन्न रूपों में युद्ध करना है प्रतिक्रिया प्रभाव का नियम ने मनुष्य की काफी ध्यान दिया गया है? है कि मन उस चीज की ओर खिंच जाता है और उसी चीज से हिप्नोटाइज हो जाया है जिससे वह बचने का प्रयास कर रहा है वे लोग जो मनुष्य को यौनता के खिलाफ होने के लिए सिखाते हैं वे पूरी तरह से विपरीत प्रवृत्ति में दोषी हैं, जो उसे यौनता का अधिमान होने के लिए जागरूक कर रहे हैं आज हम यौनता पर चर्चा करने से डरते हैं हम इस विषय से इतने भयानक क्यों हैं? यह इस धारणा के कारण है कि मनुष्य यौनता के बारे में बात करके ही यौन हो जाएगा यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है यौनता और सेक्सुअलिटी के बीच में बड़ा अंतर है जैसा कि बातचीत करने के लिए सही और स्वस्थ रूप में सेक्स के बारे में यौनता को समझने के बिना ही हम उससे पार पा सकते हैं आप एक समस्या से अपने आप को उसकी ओर बढ़ाने से मुक्त नहीं कर सकते हैं केवल एक पागल आदमी यह सोचता है कि उसका दुश्मन उसकी आंखें बंद करने पर गायब हो जाएगा डेजिट में शुतुरमुर्ग की तरह शुतुरमुर्ग अपनी आंखों को रेत में धंसा देता है और क्योंकि उसे अपना दुश्मन नहीं दिख सकता है उसे लगता है कि उसका दुश्मन वहां नहीं है इस प्रकार की तर्कशास्त्र शुतुरमुर्ग के मामले में क्षम्य है लेकिन मनुष्य में यह अक्षम्य है योनता के संबंध में मनुष्य शुतुरमुर्ग से कहीं अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसे लगता है कि अपनी आंखें बंद करके इसे नजरअंदाज करके ही यौनता गायब हो जाएगी ऐसी कोई अद्भुत बातें हो सकती हैं क्या लेकिन अफसोस झिल्ली खींचने से कुछ भी गायब नहीं होता है बल्कि यह, यह सिद्ध करता है कि हम यौनता से डरते हैं कि इसका प्रभाव हमारी प्रतिरोध से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम यौनता को नहीं जीत सकते इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं अपनी आंखें बंद करना एक कमजोरी का संकेत है और पूरे मानवता इसके दोषी है न केवल मनुष्य ने सीधे तौर पर यौनता को अनदेखा किया है बल्कि उसने इसके साथ अनगिनत आंतरिक संघर्षों में भी प्रवेश किया है इस संघर्ष के असरदार परिणामों को यहाँ लिखना मुश्किल है मानसिक बीमारियों न्यूरोसिस का अट्ठानवे प्रतिशत कारण यौनता के दबाव में है हिस्टीरिया और संबंधित बीमारियों से पीड़ित निन्यानवे प्रतिशत महिलाएं यौन संबंधों की वजह से कष्ट प्राप्त हो रही है भय संदेह चिंता समकालीन मनुष्य पर तनाव और तनाव का प्रमुख कारण प्रेम के दबाव है मनुष्य ने अपने स्वाभाविक और शक्तिशाली इच्छा को पीछे कर दिया है सेक्स को समझने का प्रयास किए बिना ही हमने इसे भय के कारण अपनी आंखें बंद कर दी हैं और परिणाम वाकई विपरीत हो गए हैं इस सत्य को देखने के लिए मनुष्य को केवल अपने साहित्य अपने मन के दर्पण की जांच करनी होगी यदि चांद से या मंगल से कोई व्यक्ति यहाँ आए और हमारे साहित्य को पढ़े हमारी किताबें और कविताएं पढ़े हमारी चित्रकला को देखे तो उसे हैरानी होगी उसे यह पूछना होगा कि क्यों मनुष्य की सारी कविताएं उपन्यास मैगजीन और कहानियां यौन से भरी है क्यों हर मैगजीन कवर पर एक आधी नंगी महिला होती है क्यों हर फिल्म केवल वासना के बारे में होती है वह पूछेगा वह हैरान हो जाएगा आदिवासी यात्री यह पर आश्चर्यचकित होगा कि मनुष्य सिर्फ यौन के बारे में ही सोचता क्यों है अगर वह किसी से मिलकर बातचीत करे तो वह और अधिक भ्रमित होगा क्योंकि वह आदमी उसे यह कहने का प्रयास करेगा कि उसे यौन के अस्तित्व के बारे में पूर्णता से भ्रांति है यह आदमी आत्मा भगवान स्वर्ग मुक्ति के बारे में बात करेगा लेकिन उसे यौन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा हालांकि उसके संपूर्ण अस्तित्व में यौन विचार होगा अद्वितीय यात्री को हैरानी होगी कि मनुष्य ने उसी के बारे में श्रेष्ठ विचार करने के लिए हजारों और एक उपकरण बनाए हैं जिन्हें किसी के द्वारा नहीं चढ़ाया जाता है मनुष्य की मृत्यु केंद्रित धर्म ने मनुष्य को यौनमनस्क बना दिया है और यह उसे दूसरे कोने से भी विकृत कर दिया है यह उसे ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के स्वर्णिम शिखर को दिखाता है लेकिन पहली पगड़ी पर पैर जमाने आधार को समझने यौन को समझने में कोई मार्गदर्शन हमें नहीं यौन देता। को पहचानना और समझना होगा हमें इस मौलिक इच्छा को समझना होगा इसको समझने के बाद ही हम इसे पार करने उसे उच्च रूप में परिणामित करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि हम सेलिबेसी के स्थान तक पहुंच सके इसे सभी रूपों और पहलुओं में इस मौलिक जीवन शक्ति को समझने के बिना मनुष्य के सभी प्रयास उसे नियंत्रित करने और दबाने में केवल उसकी हानि में ही आएगा जिससे वह एक बीमार और असंबोधित पागल हो जाएगा पर हम मौलिक बीमारी पर ध्यान नहीं देते हम ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श को गुलामी में बदल देते हैं मनुष्य कभी इतना बीमार तंतुभूत दुखी और अद्भुत नहीं रहा है मन पूरी तरह से विकृत है वह जड़ में विष से भरा हुआ है एक बार मैं एक अस्पताल के पास जा रहा था मैंने एक संकेत पर पढ़ा यहाँ एक बिच्छू ने एक आदमी को काटा था उसका इलाज एक दिन में किया गया और उसे छोड़ दिया गया एक और सूचना यह थी एक आदमी को सांप ने काटा था उसका इलाज किया गया और वह तीन दिनों में स्वस्थ होकर घर गया तीसरी रिपोर्ट में यह लिखा था एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा था उसे दस दिनों से इलाज किया जा रहा है और वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा फिर एक चौथी रिपोर्ट भी थी एक आदमी को एक आदमी ने काटा था इसमें कहा गया था यह कई हफ्तों पहले हुआ था वह बेहोश है और उसके बराबर बचने की संभावना केवल एक बारीक सी है मुझे आश्चर्य हुआ क्या एक आदमी की काटने की चुंबकीयत इतनी ज्यादा हो सकती है अगर हम सचेत हैं तो हमें यह देखने को मिलेगा कि मनुष्य में काफी विष जमा हो गया है शायद इसका कारण उसके कुवाक चिकित्सकों के वजह से है लेकिन सबसे पहला कारण यह है कि वह उसमें जो स्वाभाविक है अपनी मौलिक वैशिष्ट्य को स्वीकार करने में इनकार करता है हमने अपनी जन्मजात इच्छाओं को नियंत्रित करने का वांछित प्रयास किया है उन्हें बदलने उच्च करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है हमने उस ऊर्जा को गलत तरीके से नियंत्रित करने के लिए स्वयं को बाधित कर लिया है वह जलते हुए लावा की तरह हम में उबाल रही है यह हमेशा अंदर से धकेल रही है अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह किसी भी क्षण हमें गिरा सकती है और क्या पता है जब यह थोड़ी सी छिद्र मिलती है तो क्या हो सकता है मैं एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा एक विमान एक साहसिक संगठन में पड़ता है आप उसके नजदीक हैं और आप स्थल पर जा रहे हैं जब आप अशी टुकड़ी में एक शव देखते हैं तो आपके मन में पहला प्रश्न क्या होगा क्या यह व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है नहीं क्या यह व्यक्ति भारतीय है या चीनी नहीं एक दृढ़ सेकंड में और सबसे पहले आप देखेंगे कि शव एक पुरुष का है या एक महिला का है क्या आपको पता है कि यह प्रश्न सबसे पहले क्यों उत्पन्न होता है यह दबी यौनता के कारण है यह यौनता की दबाव के कारण है कि आप में एक पुरुष और महिला के बीच का अंतर के प्रति इतने चेतन रहते हैं आप किसी के नाम चेहरा नागरिकता को भूल सकते हैं अगर मैंने आपसे मिला होता तो मैं आपका नाम चेहरा जाति आयु स्थिति सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन आप किसी के लिए कभी भूल नहीं सकते हैं। कि कोई पुरुष था या एक जब आप थी, किसी व्यक्ति के बारे में सभी अन्य बातें भूल जाते हैं तो आप उस पहलू को अपनी स्मृति से क्यों मिटा नहीं सकते यह इसलिए है कि यौनता की जागरूकता इतनी मजबूत रूप से मन के देवार में है उसके विचार प्रक्रियाओं में है यौनता हमेशा मौजूद है हमेशा सक्रिय है हमारी समाज या हमारा प्लेनेट कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक इस लोहे के पर्दे इस दूरी के बीच पुरुष और महिलाओं के बीच में है पुरुष अपने आप से शांति नहीं कर सकता जब तक इस ज्वलंत आग का आंतरिक आंधी अंधर रहेगा जब तक वह इस पर तंगी से बैठा है उसे प्रतिमा को हर क्षण हर दिन की कोशिश करनी होती है यह आग हमें जला रही है यह हमें सिजा रही है लेकिन फिर भी हम इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है इसे देखने के लिए तैयार नहीं है यह आग क्या है यह एक शत्रु नहीं है यह एक दोस्त है इस आग की प्रकृति क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार जब आप इस आग को जानोगे तो यह और एक शत्रु नहीं रहेगा यह एक दोस्त बन जाएगा यदि आप इस आग को समझते हैं तो यह आपको नहीं जलाएगा यह आपके घरों को गर्म करेगा यह आपके लिए खाना पकाएगा और यह आपका जीवन भर का दोस्त बन जाएगा आकाश में बिजली लगातार लगी रहती है कभी कभी यह लोगों को मारती थी लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इसी ऊर्जा से कभी ना कभी हमारे पंखा चलेगा और हमारे घरों को रोशन करेगा उस समय तक हम ऐसी संभावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते थे लेकिन आज यह बिजली हमारा दोस्त बन गई है कैसे क्या हमने अपनी आंखें बंद कर ली होती तो हमने कभी नहीं समझ पाते हम इसके रहस्यों को कभी नहीं समझ पाते यह हमारा शत्रु रहता यह हमेशा भय का विषय रहता लेकिन मनुष्य ने विद्युत के प्रति मित्रता अभिभूत की उसने इसे समझने जानने का संकल्प किया और धीरे धीरे एक स्थायी मित्रता विकसित हुई ऐसा नहीं हुआ होता तो हम आज संभालने की क्षमता को केवल मोहतोड़ने की शक्ति के रूप में हासिल करते लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे देखने के लिए तैयार नहीं थे इसे समझने के लिए तैयार नहीं थे मनुष्य के अंदर उसकी लिबिडो विद्युत से भी अधिक महत्वपूर्ण है हिरोशिमा शहर में एक सूक्ष्म परमाणु मामूल्य को पूरे एक लाख लोगों को नष्ट कर दिया लेकिन मनुष्य की ऊर्जा का एक परमाणु एक नए जीवन एक नए व्यक्ति को उत्पन्न कर सकता है यौनता एक परमाणु बम से भी शक्तिशाली है क्या आपने कभी इस शक्ति के असीम संभावनाओं के बारे में सोचा है इस बारे में कैसे हम इसे मानव जाति के लिए बेहतर बनाने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं एक भ्रूण एक गांधी एक महावीर एक बुद्ध एक ईसा बन सकता है इसमें एक आइंस्टीन उत्पन्न हो सकता है एक न्यूटन इसमें प्रकट हो सकता है यौन ऊर्जा का एक अनंत छोटा सा परमाणु में गांधी जैसा वो व्यक्ति है लेकिन हमें यौनता को समझने की कोशिश तक करने का उत्साह नहीं है हमें इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए भी बहुत बड़ी साहस की आवश्यकता है यह कौन सा भय है जो हमें प्रबल करता है ताकि हम उस शक्ति को समझने के लिए तैयार नहीं है जिससे पूरा विश्वपन्न होता है यह भय क्या है क्यों हमें यौनता इतना चिंतित करता है लोग आश्चर्यचकित हो गए थे जब मैं पिछले महीने बॉम्बे में पहली मुलाकात में यौनता के बारे में बोला मुझे कई गुस्से भरे पत्र मिले जिनमें मुझसे इस प्रकार बात करने की मानहानि न करने का अनुरोध किया गया पत्रों में कहा गया कि मुझे इस विषय पर कभी बात करना चाहिए ही नहीं मैं हैरान हूं कि क्यों इस विषय पर चर्चा की जाने नहीं चाहिए जब यह इच्छा पहले ही हमारे अंदर है तो हमें इस किनारे में क्यों बात नहीं करनी चाहिए हम उसके व्यवहार को समझ सकेंगे उसे विश्लेषण कर सकेंगे तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम उसे एक उच्च स्तर पर उठा सकते हैं उसे समझकर हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं हम उसे वशीभूत कर सकते हैं हम उसे उच्च स्तर पर उत्कृष्ट कर सकते हैं जब तक ऐसा नहीं होता हम मर जाएंगे और फिर भी हम यौन की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे मेरा कहने का मतलब है कि वे लोग जो यौनता के बारे में बात करने को मना करते हैं वे ही लोग हैं जो मानवता को यौन के एक अजीब गहराई में धकेल देते हैं जो यौनता से भयभीत है और इसलिए अपने आप को यौनता के अनजान बना लिया है वे पागल है उन्होंने पूरे विश्व को एक विशाल मानवास्पताल बनाने की साजिश की है धर्म मनुष्य की ऊर्जा के परिवर्तन से संबंधित है धर्म का उद्देश्य है मनुष्य के आंतरिक अस्तित्व को समेकित करना उसकी नीति आशीर्वादी आकांक्षाओं और उसकी मौलिक इच्छाओं दोनों यह भी सत्य है कि धर्म को मनुष्य को निम्न से उच्च की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए अंधकार से प्रकाश की ओर असत्य से सत्य की ओर क्षणिक से शाश्वत की ओर लेकिन कहीं पहुंचने के लिए हमें आरंभ की जगह को जानना होता है हमें वहां से शुरू करना होता है जहां हम हैं। इसमें जानना आवश्यक है और इस मोड़ पर यौनता है तथ्य वास्तविकता है यौनता शुरुआत है लेकिन ईश्वर भगवान यहां से बहुत दूर है हम सिर्फ उसकी सत्यता तक पहुंच सकते हैं जोगे यात्रा की शुरुआत के स्थान को समझकर इसके बिना हम एक इंच भी नहीं हिल सकते हैं हम खो जाएंगे हम एक मेरी गोराउंड पर होंगे कहीं भी नहीं जा मुलाकात में बात कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि आप जीवन के यथार्थों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे फिर और कुछ हो सकता है क्या हम क्या हासिल कर सकते हैं फिर इस भगवान और आत्मा के बारे में सब कुछ बेहद किसी बात का मतलब नहीं है यह सब आशीर्वाद की रिखा हुआ बकवास है यह सब बस खोखली बातें हैं वस्तु को समझकर ही हम उससे पार कर सकते हैं वास्तविकता ही उच्चता है और पहले से पहले एक तथ्य को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए मनुष्य यौन संबंध से उत्पन्न होता है उसका संपूर्ण अस्तित्व यौन संबंध के कारण है मनुष्य यौन ऊर्जा से भरा हुआ है जीवन स्वयं की ऊर्जा यौन की ऊर्जा है यह यौन ऊर्जा क्या है यह क्यों हमारे जीवन में इतनी शक्तिशाली अफसोस है यह हमारे पूरे अंगों में क्यों बसी हुई है हमारा जीवन इसके चारों ओर क्यों घूमता है यहां तक कि अंत तक इस उत्कृष्ट के स्रोत क्या है ऋषियों और संतों ने हजारों वर्षों तक यौन को अपमानित किया है लेकिन मन अब भी प्रभावित नहीं हुआ है उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें यौन का सामना करना चाहिए कि हमें इसके बारे में सभी विचारों और इच्छाओं को दूर करना चाहिए ताकि हम माया कल्पित दुनिया से मुक्त हो सके फिर भी मन अपनी शैक्तिकों से मुक्त नहीं हो सका है इस तरीके से आप यौन से मुक्त नहीं हो सकते यह दृष्टिकोण गलत है जब मैं वेश्याओं से मिलता हूं, तो वे कभी भी यौन के बारे में बात नहीं करती उन्होंने आत्मा और ईश्वर के बारे में पूछती है मैंने भी कई साधुओं और संन्यासियों से मिला है और जब हम अकेले होते हैं तो उन्हें यौन के बारे में भी कुछ नहीं पूछता है मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तपस्वियों ने हमेशा यौन के खिलाफ उपदेश दिया है लेकिन वे इसमें खोए हुए लगते हैं उन्हें यह परेशानी है और इससे उन्हें विक्षिप्त किया जाता है उनके पास इसके बारे में यह मानसिक जटिलता है लेकिन फिर भी वे धर्म और मनुष्य की पशु इच्छाओं के बारे में प्रवचन देते हैं और यौनता इतनी प्राकृतिक है हमने इस समस्या को समझने के लिए न तो चाहा है और न ही कोशिश की है हमने कभी इस पर यह अभ्यंग किया है कि यौन में इतनी बड़ी आकर्षण है इसे समझने की कोशिश करने का कारण कौन सिखाता है आपको यौनता पूरी दुनिया इसकी सिखाने के खिलाफ है माता पिता को लगता है कि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए और शिक्षकों को भी यही राय है शास्त्रों में भी यही बात कही गई है यौन विषय की शिक्षा के लिए कोई स्कूल या विश्वविद्यालय नहीं है प्रत्येक शिक्षा संस्थान इसकी जानकारी को निषेधित करता है लेकिन किशोरावस्था में एक युवक स्वयं यह जान लेता है कि उसका संपूर्ण अस्तित्व उसकी प्राण शक्ति यौन से संबंधित चिंता से भरा हुआ है फिर हजारों वर्षों से लागू की गई सावधानियां गिरती हैं और यौन जीतता है यह कैसे होता है सत्य और प्रेम की प्रवचन किए जाते हैं लेकिन उन प्रवचनों का सामर्थ्य नहीं बनता वे दुर्बल साबित के केंद्र में मजबूती से निहित है लेकिन यह कहा जड़ी है इस प्रारतिक आकर्षण इस ऐसी शक्तिशाली इतनी गहराई वाली खींच का केंद्र कहाँ है वहां रहता है रहस्य और सबसे पहले इस रहस्य को पहचानना आवश्यक है उसको ही हम पार कर सकते हैं मौलिक रूप से हम जो यौन के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं वास्तव में यौन के प्रति आकर्षण नहीं है प्रत्येक वीर्यपात के बाद एक आदमी खाली खाली उबारो हुआ महसूस करता है उसे खेद होता है थोड़ी सी जलन होती है उसे इस अभ्यंतर मुद्रण को भविष्य में बचाने का सोचते हुए खेद होता है तो इस आत्मदर्पण की भावना का कारण क्या है यह कुछ और के लिए इच्छा है सिर्फ भौतिक संतोष के लिए नहीं सामान्यत आदमी व्यापकत, वह सीमा तक पहुंच नहीं सकता जिस तक वह यौन संबंध की समापन करता है उसके सामान्य जीवन उसके दैहिक कार्यक्रम में एक आदमी कई अनुभव करता है वह खरीदारी करता है व्यापार करता है अपने जीवन का आजीवनी कमाता है लेकिन संभोग में वह अपने आत्मा की सबसे गहरी अनुभूतियों को प्रकट करता है और इस अनुभव में गहराई से धारिता धारित है। वहाँ आदमी अपने आत्मा के परे पहुंचता है वहाँ वह खुद को पार करता है उसके इन गहराइयों में उसके साथ दो बातें होती हैं। पहली बात संभोग में अहंकार लिपट जाता है अहंकारहीनता बनाई जाती है एक क्षण के लिए वहां कोई मैं नहीं है एक क्षण के लिए कोई अपने आप को याद नहीं करता है क्या आपको पता है कि मैं भी धर्म के अनुभव में पूरी तरह से हलचल जाता है कि धार्मिक अनुभव में अहंकार भी शून्य में विलीन हो जाता है यौन संबंध के कृत्य में अहंकार मिट जाता है विसर्जन एक आत्म मिटाने की स्थिति है दूसरी बात यौन अनुभव की यह है कि एक क्षण के लिए समय अनुपस्थित हो जाता है एक क्षण के लिए अकालपन बनाई जाती है जैसा कि यीशु मसीह ने समाधि के बारे में कहा है वहां समय और नहीं होगा विसर्जन में समय की भावना अस्तित्व में नहीं है वहां कोई भूतकाल नहीं कोई भविष्य नहीं है वहां केवल वर्तमान क्षण है वर्तमान को समय का हिस्सा नहीं माना जाता वर्तमान सनातन है यह दूसरा कारण है कि आदमी यौन के लिए इतना उत्सुक है इच्छा नहीं है महिला के शरीर के लिए एक पुरुष या उमर्द में इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है अहंकार के लिए अकाल के लिए यह यौन चरम पर मोमेंट केवल एक पल के लिए ही रहता है लेकिन इस अल्पकालिक क्षण के दौरान एक आदमी एक कुशल मात्रा में ऊर्जा और जीवन खो देता है और बाद में अपने नुकसान पर शोक करता है कुछ प्रजातियों के पशुओं में सिर्फ एक यौन संबंध के बाद पुरुष मर जाते हैं अफ्रीका की एक विशेष कीड़ा केवल एक बार क्रिया कर सकता है इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और यह स्वयं क्रिया के दौरान ही कूद जाता है यह नहीं कि आदमी को यह अनदेखा रहता है कि संबंध उसकी शक्ति को कम करता है उसकी ऊर्जा को कम करता है और मौत को इतना करीब लाता है प्रत्येक अनुभव के बाद उसे अपनी आत्मसमर्पण की पछतावा होती है लेकिन थोड़ी देर में उसे फिर से उत्साही होता है बेशक इस व्यवहार के इस पैटर्न के पीछे उससे ज्यादा गहरा अर्थ है जो आंख को आता है यौन अनुभव से केवल शारीरिक रूटीन से कहीं बारीक स्तर है यह एक स्तर है जो आध्यात्मिक रूप में है इस अनुभव को समझने के लिए आपको सावधानीपूर्ण ध्यान देना होगा यदि आप इस अनुभव के अर्थ को समझ नहीं सकते हैं तो आप केवल यौन में ही जीवित रहेंगे। में चमकती है लेकिन अंधकार बिजली का हिस्सा नहीं है उन दोनों के बीच एकमात्र संबंध यह है कि बिजली केवल रात में ही दिखाई देती है केवल अंधकार में ही और यही यौन के लिए भी सत्य है यौन में एक सहजीवन एक उत्साह एक प्रकाश है लेकिन यह प्रक्रिया यौन से ही नहीं है हालांकि यह उससे जुड़ा होता है यह केवल एक परिणाम है जो प्रकाश यौन में चमकता है वह यौन से पार है यह उससे परे से आता है अगर हम इस अनुभव को समझ सकते हैं जो अन्यत्र से आता है तो हम यौन से पार कर सकते हैं अन्यथा हम कभी नहीं कर सकेंगे जो यौन के प्रति अंधाधुंध विरोध करते हैं वे कभी इसे सही दृष्टिकोण में समझ सकेंगे नहीं वे कभी इस अप्रिपक्व इच्छा की और इस गहरी लालसा की कारण का विश्लेषण कर सकेंगे नहीं मैं जो बताना चाहता हूँ वह है कि यह यौन के प्रति इस बलवान और आवर्ती आकर्षण का श्वास लेने के लिए क्षणिक समाधि की अनुभूति के लिए है यदि आप यौन के बिना ही समाधि को प्राप्त करना सीख सकते हैं तो आप यौन से मुक्त हो सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को दिखाया जा सकता है कि वह यौन से बिना किसी अन्य साधन और बहुत अधिक मात्रा में वही आनंद प्राप्त कर सकता है तो उसका मन स्वयं ही यौन की ओर नहीं बढ़ाएगा उसका मन उसी दिशा में दौड़ना शुरू हो जाएगा इंसान ने समाधि का पहला अनुभव यौन संबंध के अनुभव में पाया लेकिन यह संबंध एक बहुत महंगा कारोबार है एक बहुत ही महंगा कारोबार है बिल्कुल और यह एक क्षण से अधिक नहीं चलता एक क्षण एक परमानन के बाद हम फिर से अपनी मूल स्थिति में लौटते हैं एक सेकंड के लिए हम एक विभिन्न अस्तित्व की ओर पहुंचते हैं एक सेकंड के लिए हम अत्यधिक संतोष के एक शिखर की ओर चढ़ते हैं प्रेरणा सबसे ऊपर की ओर है लेकिन हमने मात्र एक कदम बढ़ाया है जब हम पहले बेस पर वापस गिरते हैं एक लहर आकाश छूने का इच्छुक है लेकिन यह अभी भी सोचने योग्य है कि यह पहले से ही गिरने लगी है हम वैसे ही हैं। उस उत्कृष्ट अनुभूति के लिए उस आनंद के लिए उस साक्षात्कार के लिए हम समय समय पर ऊर्जा जमा करते हैं और फिर से चढ़ाई की शुरुआत करते हैं हम लगभग उस सूक्ष्मतर स्थान उस उच्च क्षेत्र को छूने के करीब पहुंचते हैं लेकिन फिर हम अपनी मूल स्थिति में वापस गिर जाते हैं बड़े पैम्प और ऊर्जा के कमी के साथ जब तक मनुष्य की मानसिकता इस यौन नदी में डूबी रहती है वह बार बार फिर से उठता और फिर गिर जाएगा जीवन एक अहम दिशा है जो अहंकारहीनता की ओर अकालहीनता की ओर की पुनरावृत्ति है चाहे वह सच्ची हो या असच्ची असली असली अपने आत्मा को जानने की सत्य को जानने की मूल शाश्वत अकालिक स्रोत को जानने की इच्छा है उसके साथ एकीकरण करने की जो समय के परे है शुद्ध अहंकारहीनता प्राप्त करने की यह आत्मा की अज्ञात आंतरिक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए है कि यह संसार यौन के धुर पर घूमता है लेकिन हम इस प्राकृतिक आंतरिक और सर्वव्यापी घटना की अस्तित्व को इनकार करना जारी रखते हैं तो हम इस सत्यानुभूति के साथ किसी प्रकार के संबंध को समझने या विकसित करने में सक्षम कैसे हो सकते हैं जब हम यौन के खिलाफ इतनी कड़ी रूप से विरोध करते हैं तो यह हमारे चित्त का केंद्र बन जाता है हम खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकते हम इससे बंधित हो जाते हैं उल्टी प्रभाव का कानून प्रवृत्त होता है और हम इससे बंधित हो जाते हैं हम यौन से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हम जितनी कोशिश करते हैं कि हम इससे छुटकारा पाएं, हम उसमें और उलझते हैं एक आदमी बीमार था उसकी बीमारी यह थी कि उसे बहुत भूख लगती थी लेकिन वास्तव में उसमें कोई बीमारी नहीं थी उसने पढ़ा था कि जीवन की नकारात्मकता मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है उसने पढ़ा था कि उपवास धार्मिक है और खाना पापी है उसे यह भी सुनाया गया था कि खाना हिंसात्मक है और अहिंसा के नियमों के खिलाफ है लेकिन जितना वह खाना को पापी मानता था उतना ही वह अपनी भूख को दबाने की कोशिश करता रहा और भूख ने बराबरी के साथ अपनी जड़ बना ली वह तीन या चार दिनों के लिए उपवास करता था और फिर अगले दिन वह एक लालची की तरह कुछ भी खा लेता था खाने के बाद उसको अपने व्रत तोड़ने पर खेद होता था साथ ही अधिक खाने का भी अपना प्रतिक्रियाएं होती थी और फिर प्रायश्चित करने के लिए उसका एक और उपवास होता था और फिर उसके बाद वह कुछ समय के लिए खाता था आखिरकार उसने निर्धारित किया कि यह उचित मार्ग को अपनाना संभव नहीं है जब तक वह घर में रहता है और इसलिए उसने दुनिया को त्याग दिया जंगल गया एक पहाड़ चढ़ा और एक अकेला गुफा पाई घर वाले दुखी थे और उसकी पत्नी उसका खाने की बीमारी शायद उसने अपनी तपस्या में पार कर ली हो ने उसे एक गुच्छा फूल भेजा उसने उसे शीघ्र स्वस्थ होने और तेजी से वापसी की कामना की आदमी ने एक नोट के साथ जवाब दिया फूलों के लिए बहुत धन्यवाद वे स्वादिष्ट थे आदमी ने फूलों को खा लिया था हम एक आदमी को खाना खाने के बजाय फूल खाते हुए कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा कि उस आदमी ने किया था बेशक जो खाने के प्रति आसक्त है वे इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अधिक या कम एक ही अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति यौनता के प्रति प्रतिबद्ध प्रति है मनुष्य ने यौनता के खिलाफ युद्ध शुरू किया है और इस यौन से हुए युद्ध के परिणामों को सही ढंग से मूल्यांकन करना कठिन है क्या होमोसेक्सुअलिटी किसी और स्थान पर है बाकी सभी के इस तरह के समृद्धि युक्त समाजों के अलावा पिछले क्षेत्रों में रहने वाले प्राकृतिक लोग एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाते हुए कल्पना नहीं कर सकते मैंने जनजातियों के साथ रहा है और जब मैंने उन्हें बताया कि सभी जन इसे अमल करते हैं तो वे हैरान हो गए उन्होंने विश्वास नहीं किया लेकिन पश्चिम में होमोसेक्सुअल क्लब्स हैं और यहाँ एक संगठन है जो यह दावा करता है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रतिबंधित करना जब इतने लोग इसे अभ्यस्त कर रहे हैं तो यह लोकतंत्र के खिलाफ है उन्होंने यह बताया है कि कानून द्वारा होमोसेक्सुअलिटी का प्रतिबंध एक बहुमति द्वारा अल्पमत्ति पर आत्मबलिदान है कि यह एक अधिकांश द्वारा अल्पमत्ति पर एक बलिदान है होमोसेक्सुअलिटी को जन्म देने वाले तत्व का मानसिकता यौन से हुआ युद्ध का परिणाम है वेश्यावृत्ति भी समाज के सभी की सभी, सभी सभी से सीधे संबंधित है क्या आपने कभी सोचा है कि वेश्यावृत्ति का संस्थापन पहले कैसे हुआ क्या आप जनजातियों के पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी दूरस्थ बसासियों में एक वेश्या को ढूंढ सकते हैं असंभावित है इन लोगों को यह भी सोचना मुश्किल है कि ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी गुणवत्ता को बेचती है जो मुआवजा के लिए संबंध बनाती है लेकिन यह यौन व्यापार मानव सभ्यता के अग्रसर होने के साथ विकसित हुआ है यह फूलों को खाने का कृत्य है और हम और भी आश्चर्यचकित होंगे अगर हम सभी यौन की अन्य परिवर्तनों को पूरी तरह से मान लेंगे अगर हम इसके सभी भीषण प्रस्तुतियों का हो गया है? है इस कुरूपता और विकृति के लिए कौन जिम्मेदार है वे लोग जो मनुष्य को समझने के बजाय यौन संबंध को दबाने सिखा रहे हैं वे जिम्मेदार हैं इस दबाव के कारण मनुष्य की यौन ऊर्जा गलत स्थान से बह रही है मनुष्य का समूह बीमार और दीन है और यदि इस कैंसरों भरे समाज को बदलना है तो यह आवश्यक है कि यह स्वीकार किया जाए कि यौन की ऊर्जा दिव्य है कि यौन के प्रति आकर्षण मौलिक रूप से धार्मिक है यह आकर्षण इतना शक्तिशाली क्यों है क्योंकि यह निश्चित रूप से शक्तिशाली है यदि हम यौन के मौलिक स्तरों को समझ सकते हैं तो हम मनुष्य को यौन से बाहर उठा सकते हैं केवल तब ही काम की दुनिया से राम की दुनिया उत्पन्न हो सकती है केवल तब ही एक करुणा की दुनिया इस प्रवृत्ति की दुनिया से विकसित हो सकती है एक दोस्तों के समूह के साथ मैंने खजुराहो जाकर वहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को देखने के लिए जाया मंदिर की बाह्यतम दीवार मंदिर की परिधि काम के विभिन्न सीनों से सजीव है विभिन्न संबंधों के विभिन्न स्थितियों के साथ वहाँ कई विभिन्न स्थितियों की मूर्तियाँ हैं सभी यौन स्थितियों में मेरे दोस्तों ने पूछा कि वह मूर्तियां मंदिर को सजाने के लिए वहां क्यों हैं। मैंने उन्हें समझाया कि उन वास्तुकलाकारों ने जो इस मंदिर की निर्माण कर रहे थे वे उच्च बुद्धिमान लोग थे उन्हें यह पता था कि आशिकी और यौन संबंध जीवन की परिधि पर होते हैं और मानते थे कि वे जो अभी भी यौन से उलझे हुए हैं उनका मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है हम मंदिर में प्रवेश किया अंदर वहां भगवान की मूर्ति नहीं थी मेरे दोस्त हैरान थे कहीं भी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी मैंने उन्हें समझाया कि जीवन की बाह्यतम दीवार पर भ्रष्टाचार और काम मौजूद है जबकि भगवान का मंदिर अंदर है वे जो भावनाओं में हैं, जो यौन प्रेम और आशिकी में प्रवृत्त है वे भगवान के मंदिर तक पहुंच नहीं सकते वे बस बाह्यतम दीवार के चारों ओर घूमते रहते हैं इस मंदिर के निर्माता बहुत समझदार लोग थे यह एक ध्यान केंद्र था सता पर यौनता सभी ओर केंद्र में शांति और शांति उन्होंने आशीर्वादियों को सबसे पहले यौन पर ध्यान करने की कहा बाह्य दीवार पर चित्रित संबंधों पर पूरी तरह से विचार करने की कहा और जब उन्होंने यौन को पूरी तरह से समझ लिया था और उनका मन इससे मुक्त है तो वे अंदर जा सकते थे तभी वे भगवान के सामने खड़े हो सकते थे लेकिन धर्म के नाम पर हमने यौन को समझने की कोई संभावना भी नष्ट कर दी है हमने यौन हमारी मौलिक प्रवृत्ति पर युद्ध की घोषणा की है मानक नियम है कि यौन को देखना ही नहीं चाहिए बल्कि अपनी आंखें बंद करके भगवान के मंदिर में अंधाधुंध घुस जाना चाहिए लेकिन क्या कोई अपनी आंखें बंद करके कहीं पहुंच सकता है यदि आप अंदर पहुंचते हैं तो आप बंद आंखों के साथ भगवान को नहीं देख सकते बजाय इसके आप केवल उस चीज को देख पाएंगे जिससे आप भाग रहे हैं शायद कुछ लोग मुझे यौन के प्रचारक मानते होंगे ऐसा हो तो कृपया उन्हें बताएं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं सुना है इस दिनों इस पृथ्वी के चेहरे पर यौन के अधिक दुश्मन पा जाने वाला कोई नहीं है जो मैं हूं यदि लोग मेरे कहे गए को ध्यान से सुन सकते हैं बिना पक्षपात के तो यह संभव है कि मनुष्य को यौन से मुक्ति प्राप्त हो सके यह एक बेहतर मानवता के लिए एकमात्र मार्ग है हम उन पंडितों को जो यौन के शत्रु मानते हैं वास्तव में उसके शत्रु नहीं बल्कि उसके प्रचारक हैं। उन्होंने यौन के चारों ओर एक चमक बनाई है उनकी कठोर प्रतिरोध ने यौन के प्रति एक मूर्ख आकर्षण बना दिया है एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसे उस चीज में रुचि नहीं है जो किसी ने अस्वीकृत चुनौतीपूर्ण या आपत्ति की हो जैसा हम सभी जानते हैं चोरी हुआ फल हमेशा बाजार से खरीदे गए फल से मीठा होता है इसलिए अपनी पत्नी उतनी ही आकर्षक नहीं है जितनी कि पड़ोसी की पत्नी लगती है दूसरी चोरी हुई फल की तरह होती है दूसरी प्रतिबंधित खांसी होती है और हमने यही स्थिति यौन को दी है यह बहुत प्रलोभनीय है इसे इतनी ज्यादा रंगीन झूठ की ऊंची कोट मिल चुकी है कि यह कुछ भीतर लुभा रहा है बर्ट्रेन रसेल ने लिखा है कि विक्टोरियन युग में जब वह बच्चा था महिलाओं की टांगे कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं जाती थी उनके पहनावे जमीन को छूते थे उनके पैरों को पूरी तरह से ढांपते थे यदि किसी महिला का टोंगा यदि यहाँ तक की दिखाई दे तो किसी पुरुष को तुरंत उस पर कामुकता हो जाती थी यह उसकी उत्तेजना को उत्तेजित करता रसेल और लिखते हैं कि आज की महिलाएं अपनी टांगे लगभग आधेंगे होकर घूमती हैं लेकिन यह नोट करते हैं कि इससे हमें इतना प्रभाव नहीं होता इससे साबित होता है उन्हें जितना हम किसी चीज को छुपाएंगे उतनी ही हमारी जिज्ञासा से मुक्त करने का पहला कदम है बच्चों को उनके घर में जितना संभव हो सके नंगा रहने की अनुमति देना जितना संभव हो सके सलाह दी जाती है कि बच्चों को लड़कों और लड़कियों दोनों को नंगे होकर खेलने की अनुमति दी जाए ताकि वे पूरी तरह से एक दूसरे के शरीर से परिचित हो जाएं। फिर कल उन्हें गलियों में एक दूसरे के पास घूमने की कोई आवश्यकता नहीं होगी फिर उन्हें पुस्तकों में नंगी तस्वीरें छपाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी फिर उन्हें एक दूसरे के शरीरों से इतनी अच्छी तरह से परिचित हो जाएगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कुटिल आकर्षण की कोई संभावना नहीं रहेगी लेकिन दुनिया का रास्ता बिल्कुल उल्टा है वे लोग जिन्होंने शरीर को ढका और छुपाया है उन्होंने अनजाने में उसके प्रति इतनी बड़ी आकर्षण बना दिया है कि हालांकि यह हमारे मनों को प्राप्त हो गया है हमने अब तक उसके पूर्ण प्रभाव को महसूस नहीं किया है बच्चों को लंगड़ा रहना चाहिए और वे नंगे होकर बहुत समय तक खेलना चाहिए ताकि उन्हें जीवन के अब बाकी के हिस्से को परेशान करने वाले किसी भी उन्मत्तता का बीज बाकी न रहे लेकिन बीमारी पहले से ही मौजूद है और यह बढ़ती जा रही है इस बीमारी की मौजूदगी को अब विवेचना किया जा सकता है जो अब प्रकाशित हो रही अश्लील साहित्य की बहुत मात्रा में लोग इसे गीता और बाइबल के कवर के बीच छुपा कर पढ़ते हैं हम चिल्लाते हैं कि शारीरिक प्रदर्शन को नकारात्मक किया जाना चाहिए लेकिन हम कभी नहीं रुकते हैं यह सोचने के लिए कि वे लोग जो इसे पढ़ रहे हैं वे कहां से आ रहे हैं हम नंगी तस्वीरों का प्रदर्शन नकारात्मक करते हैं लेकिन कभी नहीं रुकते हैं पूछने के लिए कि वे पहले क्यों प्रदर्शित हो रहे हैं यौन स्वाभाविक है लेकिन यौनता यौन शिक्षा की शिक्षाओं का उत्पाद है यदि इन शिक्षाओं का पालन किया जाता है यदि इन अवैज्ञानिक प्रवचनों की सलाह ली जाती है तो मानव का आत्मा पूरी तरह से यौनता से भर जाएगा यह लगभग हो चुका है लेकिन धन्यवाद ऐसे शिक्षकों की सफलता बहुत कम है और इनकी असफलता के कारण मानव ने अपनी कुछ बुद्धिमत्ता अपनी कुछ विवेक की बचत कर सकी है यदि मानव यौन को सही ढंग से समझता है तो वह उससे परे हो सकता है वह उससे परे होना चाहिए यह आवश्यक है कि वह उससे परे हो आज तक हमारे सभी प्रयास गलत परिणामों को उत्पन्न कर चुके हैं क्योंकि हमने को दोस्त नहीं बनाया है, बल्कि हमने इस पर युद्ध की घोषणा की है हमने इससे निपटने के तरीके के रूप में दबाव और अविवेक का उपयोग किया है जितनी अधिक किसी व्यक्ति की समझ उतना ही वह यौनता से परे उठ सकता है जितनी कम समझ उतनी अधिक कोशिशें करेगा कि यौनता को दबा दे और दबाव के परिणाम कभी फलदायक नहीं होते कभी खुशीदायक नहीं होते कभी स्वस्थ नहीं होते यौन आदमी की सबसे ऊर्जावान शक्ति है लेकिन इसे अंत स्वयं होना चाहिए यौनता आदमी को उसकी आत्मा की ओर ले जानी चाहिए लक्ष्य वासना से प्रकाश की ओर है ब्रह्मचर्य को पहुंचने के लिए यौनता को समझा जाना चाहिए यौनता को जानना उससे मुक्त होना है उससे परे जाना है लेकिन यौन अनुभव के बावजूद एक आदमी को यह नहीं पता चल पाता कि यौन संबंध उसे एक लम्हिक समाधि अद्वितीय चेतना की झलक प्रदान करता है यह यौन का महान आकर्षण है यह यौन की महान आकर्षण है यह सर्वोच्च का चुंबकीय आकर्षण है आपको इस क्षणिक झलक को जानना और ध्यान में लेना है इस पर जागरूकता के साथ ध्यान केंद्रित करना है। हर किसी पर इसका इतना तेज आकर्षण है किसी अनुभव तक पहुंचने के लिए अन्य सरल तरीके भी हैं। ध्यान योग और प्रार्थना भी अन्य विकल्प है लेकिन केवल यौन के माध्यम से ही इसका इतना प्रबल प्रभाव होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समाप्ति की ओर पहुंचने के लिए विभिन्न तो तरीकों को विचार से मेरा विषय बहुत अवाककारक लगा उसने मुझसे कहा कि मैं एक माँ की अस्मय सभागृह में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई अवस्था की कल्पना करूँ उसने मुझसे कहा कि मैं एक माँ को अपने बेटे के साथ मेरे व्याख्यान में हाजिर होते हुए कल्पना करूँ उसने और भी सलाह दी कि ऐसी बातें किसी भी के सामने नहीं की जानी चाहिए मैंने जवाब दिया कि उसकी आपत्तियां अविवादित हैं और वह अपने होश में नहीं है अगर कोई माँ समझदार है तो वह अपने अनुभवों को समय पर अपनी बेटी से साझा करेगी जब वह यौन संबंधों के चक्कर में पढ़ने से पहले अज्ञात अपरिपक्व तरीकों में नहीं खो जाए यदि कोई पिता अपने मातृभाव के कर्तव्य को सजगता से निभाता है तो उसे अपने बेटे और बेटी के साथ इस विषय पर मुक्त रूप से चर्चा करनी चाहिए उन्हें सामान्य खतरों से चेतावनी देने के लिए और उनके जीवन को संभालने के लिए संभावित विकृति से बचाने के लिए लेकिन तंतुत्व की स्थिति यह है कि न तो पिता कोई गहरी सच्ची अनुभव रखता है इस मामले में और न ही मां वे खुद शारीरिक यौन स्तर से अपने आप को पार कर चुके हैं इसलिए उन्हें डर है कि उनके बच्चे भी उसी स्तर में फंस जाएंगे लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं क्या किसी ने तुम्हारे लिए मार्गदर्शन किया तुमने खुद को फंसा लिया है और तुम्हारे बच्चे भी खुद को फंसा लेंगे और यह दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में दोहराया जाएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन क्या यह संभावना नहीं है कि अगर तुम्हारे बच्चों से बात की जाए उन्हें शिक्षित किया जाए तो वे अपनी ऊर्जा को अपशिष्ट रूप से खोने से बचा सकते हैं वे अपनी ऊर्जा को संजीनी दे सकते हैं और उन्हें उसे परिवर्तित कर सकते हैं हम सभी ने कोयले को कई बार देखा है वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ हजार वर्षों के दौरान कोयला हीरे में परिणाम हो जाता है और कोयले और हीरे के बीच कोई रासायनिक या संरचनात्मक अंतर नहीं है हीरा केवल कोयला ही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि यौनता कोयला है जबकि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य हीरा है। ब्रह्मचर्य हैचर्यनता का एक रूप है ब्रह्मचर्य यौनता का परिणाम है ब्रह्मचर्य कोयला है लेकिन उसने एक निश्चित प्रक्रिया को अनुभव किया है और मुझसे विश्वास रखें इन दो अत्यंतों के बीच कोई शत्रुता नहीं है कोई भी यौनता का शत्रु कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं बन सकता है ब्रह्मचर्य या सेलिब्रेसी से हम क्या मतलब करते हैं यह ब्रह्मा की चर्या है यह परमात्मा के साथ संयोजन है यह दिव्य अनुभव की भगवान के अनुभव की साक्षात्कार है और चेतन समझ का उपयोग करके अपनी यौन ऊर्जा को इस मार्ग पर ईश्वर की दिशा में दिशा निर्देशित करना संभव है कल मैं आपसे बात करने का इरादा कर रहा हूं कि कैसे काम के अनुभव को रामा प्रकाश का में समरूपित किया जा सकता है मैं चाहता हूं कि आप सावधानी से सुने ताकि कोई भ्रांति न हो और जो भी सवाल मन में उत्पन्न होते हैं कृपया उन्हें मुझसे पूछें, उन्हें मुझसे लिखित में भेजें ताकि मैं आपको इन पर कुछ ही दिनों में सीधे और सीधे बातचीत कर सकूं। जो कुछ भी सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है सत्य को छुपाने का कोई कारण नहीं है इससे भागना का कोई मतलब नहीं है सत्य सत्य है चाहे हम उसे देखें या नहीं केवल में लोग धार्मिक होते हैं जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं जो कमजोर और कायर है जो जीवन के तथ्यों का सामना करने के लिए पुरुष ही नहीं होते हैं उन्हें कभी धार्मिक बनाया नहीं जा सकता है आने वाले दिनों में मैं आपसे अपने विषय को विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ उस पर आपके वृद्ध दर्श संतों से चर्चा करने की उम्मीद नहीं है और शायद तुम्हें ऐसी वार्ता सुनने का आदान प्रदान भी नहीं हो तुम्हारे मन में भय की प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन मैं तुमसे धैर्य रखने और सुनने की पुनः आ पाती हूँ संभावना है कि यौनता की समझ तुम्हें अपनी आत्मा के मंदिर तक पहुंचा सकती है यह मेरी इच्छा है भगवान तो उस इच्छा को पूरा करे। ध्यान का शिखर मैं अपनी बात एक छोटे से किस्से के साथ बहाल करता हूँ बहुत साल पहले किसी निश्चित देश में एक युवा और प्रसिद्ध चित्रकार था उसने निर्णय लिया कि वह एक सच्ची महान चित्र बनाएगा जो भगवान के आनंद से भरा हुआ होगा एक ऐसा चित्र जिसमें वह आजीविका से भरा हुआ हो एक ऐसा चित्र जिसमें व्यक्ति की आंखें शाश्वत शांति की किरणें बिखेर रही हों और इसी तरह उसने उस व्यक्ति को खोजने का निर्णय किया जिसका चेहरा उस शाश्वत अलौकिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करता हो चित्रकार गांव से गांव जंगल से जंगल घूमा अपने विषय की खोज में और अंत में उसने एक छोटे से सपेरे को पाया जिसकी चमकती हुई आंखें थी जिसका चेहरा और लक्षण एक स्वर्गीय घर की आशा दिखा रहा था एक नजर ही काफी थी कि उसे यह मान्य हो गया कि भगवान इस युवा आदमी में मौजूद थे चित्रकार ने उस युवा सपेरे का चित्र बनाया इस चित्र की करोड़ों कॉपियां बनी और यह व्यापक रूप से बिकी लोगों को महत्वाकांक्षा हुई बस चित्र को अपनी दीवारों पर लगा सकने का सुख मिला करीब बीस वर्षों के बाद जब कलाकार बूढ़ा हो गया था उसने निर्णय लिया कि वह एक और चित्र बनाएगा उसका अनुभव उसे दिखाता था कि जीवन सब अच्छाई नहीं होता कि शैतान भी मनुष्य में होता है एक शैतान की तस्वीर बनाने की विचारणा बनी रही थी अगर उसने परियोजना को पूरा किया तो फिर दो चित्र एक दूसरे को पूरक करेंगे पूरे मनुष्य को दिखाएंगे उसने पहले ही भगवानी की चित्र बना ली थी अब उसने बुराई को अवतार देने का इरादा किया था उसने एक ऐसे आदमी की खोज की जो एक आदमी नहीं था बल्कि शैतान था उसने जुएखानों बारों और पागलखानों की ओर रुख किया इस विषय को नरक की आग से भरा होना चाहिए था उसका चेहरा सभी वह है जो दुष्ट कुरूप और क्रूर है दिखाता हो एक लंबी खोज के बाद कलाकार ने अंत में एक जेल में एक कैदी से मिला उस आदमी ने सात हत्याएं की थी और उसे कुछ दिनों में फांसी की सज़ा होने वाली थी उस आदमी की आंखों में नरक स्पष्ट था उनमें घृणा फूट रही थी उसका चेहरा वह सबसे कुरूप था जो कोई भी उम्मीद कर सकता था कलाकार ने उसे चित्रित करना शुरू किया जब उसने चित्र पूरा किया तो उसने अपनी पहली तस्वीर को बाहर निकाला और नए चित्र के साथ उसे तुलना के लिए रखा कला के दृष्टिकोण से यह कठिन था कि कौन सा चित्र बेहतर था दोनों आश्चर्यकारी थे वह खड़ा रह गया उन दोनों की ओर देखता रहा और फिर उसने एक रोना सुना उसने मुड़ा और देखा जड़े हुए कैदी ने रोना शुरू किया कलाकार हैरान था उसने पूछा मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो क्या ये तस्वीरें तुम्हें परेशान कर रही हैं? कैदी ने कहा मैंने तुम सभी समय से कुछ छुपाने का प्रयास किया है लेकिन आज मैं हार गया हूं आपको स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि पहली तस्वीर भी मेरी है दोनों चित्र मेरे हैं मैं वही छोटा सपेरा हूँ जिससे आपने बीस वर्ष पहले पहचान किया था मैं अपने गिरावट के लिए रोता हूँ इन बीस वर्षों में मैं स्वर्ग से नरक भगवान से शैतान की ओर गिरा हूँ मुझे नहीं पता कि यह कहानी कितनी सच्ची है लेकिन एक बात तो निश्चित है प्रत्येक आदमी का जीवन दो पलटी स्वरूप होता है हर किसी के लिए दो चित्र बन सकते हैं हर आदमी में भगवान और शैतान दोनों होते हैं प्रत्येक आदमी में स्वर्ग की संभावना होती है और नरक की संभावना भी आदमी में सुंदर गुलाब का माला उग सकता है उसमें कीचड़ का ढेर भी हो सकता है प्रत्येक आदमी इन दोनों हदों के बीच हिलता है आदमी किसी भी हद तक पहुंच सकता है लेकिन अधिकांश लोग अधोलोक प्रिय की ओर झुके हुए होते हैं वे सौभाग्यशाली कुछ व्यक्ति जो शाश्वत की ओर आकांक्षा करते हैं जो उनमें भगवानी बढ़ने देते हैं विशेष होते हैं क्या हम यह सच्चाई प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन को भगवान के मंदिर बना सकते हैं क्या हम उस चित्र की तरह बन सकते हैं जिसमें भगवान का झलक है इस प्रश्न के साथ मैं आज की बात को पुनरारंभ करता हूं मनुष्य भगवान की प्रतिबिंब बनना कैसे संभव है मनुष्य के जीवन को स्वर्ग बनाना इसे सुगंधित सुंदर सामंजस्यपूर्ण बनाना कैसे संभव है मनुष्य के लिए अमर क्या है उसे कैसे जाना जा सकता है मनुष्य को भगवान के मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकता है इस संदर्भ में जीवन के तथ्य इस सुझाव करते हैं कि हमारी सभी प्रगति अब तक उल्टे दिशा में हुई है बचपन में हम स्वर्ग में होते हैं लेकिन हम बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम नरक में पहुंचते हैं बचपन का संसार मासूमियत और पवित्रता से भरा होता है लेकिन हम धीरे धीरे झूठ और छल की राह पर चलने लगते हैं और जब हम परिपक्श होते हैं तो हम बूढ़े होते हैं केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी न केवल शरीर कमजोर और अशक्त हो जाता है बल्कि आत्मा भी हानिकारक स्थिति में गिर जाती है लेकिन हम इसे बस स्वीकार करते हैं हम बस इसे वहीं समाप्त कर देते हैं लेकिन हम भी खुद को समाप्त कर देते हैं धर्म इस प्रश्न इस पतन इस स्वर्ग से नरक की यात्रा से निर्विचारी है लेकिन इस यात्रा को पलटा जाना चाहिए यह यात्रा पुरस्कृत होनी चाहिए दोहक से आनंद अंधकार से प्रकाश मृत्यु से अमरता की ओर मनुष्य की आंतरिक उत्कृष्टता उसके मृत्युबद्ध से अमृत्यु तक पहुँचने की इच्छा है यह मनुष्य की आत्मा की प्यास है केवल अंधकार से प्रकाश तक पहुँचने के लिए सत्य को मापने के लिए मनुष्य को अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने की आवश्यकता है उसे अपनी ऊर्जा को बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए सत्य को चढ़ने के लिए आत्मा तक पहुंचने के लिए मनुष्य को असीम शक्ति का एक संग्रहण बनने का प्रयास करना चाहिए तभी वह शाश्वतता की ओर पहुंच सकता है स्वर्ग के लिए कमजोरों के लिए नहीं है मैं दोहराता हूं स्वर्ग के लिए कमजोरों के लिए नहीं है जीवन का सत्य उनके लिए नहीं है जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं जो अपने आप को शक्तिहीन और कमजोर बनने की अनुमति देते हैं वे जो जीवन की ऊर्जाएं अपशिष्ट करते हैं जो अंदर से बेस्वाद और शक्तिहीन हो जाते हैं वे इस अभियान को संभाल नहीं सकते ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता धर्म का एक मुख्य आवश्यकता है लेकिन हम एक कमजोर बीमार पीढ़ी है और इस ऊर्जा के हानि के माध्यम से हम संगठित रूप से और भी कमजोर स्थानों की ओर प्रगति कर रहे हैं हमारी जीवन शक्ति बहा जा रही है और अंदर बचा हुआ कुछ भी नहीं है सिवाय एक सूखे कोशों के शहदी छाले का कुछ भी नहीं बचा है सिवाय एक भयानक शून्यता के हमारे जीवन एक दुखद निरंतर कहानी है हाने की हमारा जीवन बिल्कुल उत्पादक नहीं है यह अपकर्षक स्थिति क्यों है और हम अपनी ऊर्जा कैसे खो रहे हैं मनुष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्वहन सेक्स है सेक्स एक लगातार निर्वहन है और इसे बंद करना चाहिए किसी को भी कुछ खोना अच्छा नहीं लगता लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था मनुष्य अपनी ऊर्जा पर बार बार अधिक शक्ति खींचने के लिए एक अनिवार्य कारण है सेक्स के साथ आनंदमय झलक के कारण मनुष्य को बार बार ऊर्जा हानि करने में खिचड़ा जाता है सेक्स के साथ आनंदमय परमानंद की अस्थायी आनंद की वजह से मनुष्य वही चीज खोने के लिए सिर से पैर तक गिरा जा रहा है जो सब कुछ का आधार है अगर उसी आनंद को किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता हो तो क्या कोई अपनी ऊर्जा को सेक्स के माध्यम से व्यर्थ करना बंद नहीं करेगा क्या उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य तरीका है? क्या हमें उसी उच्च अनुभव को अनुभव करने का कोई अन्य तरीका है जहां हम आत्मा के गहरे से गहरे गुफाएं समझते हैं जहां हम अस्तित्व के सर्वोच्च शिखर को छूते हैं जहां हमें सूक्ष्म आनंद और पूर्ण आनंद का ताजगी दिखाई देती है जहां सभी परिभाषाएं और सभी सीमाएं विसर्ग हो जाती हैं। क्या कोई अन्य तरीका है क्या हमें अपने आत्मा के शांत गहराइयों में प्रवेश के लिए कोई तकनीक है क्या हमें उस सब में शांति और आनंद के शाश्वत स्रोत से एकीकरण के लिए कोई अन्य प्रक्रिया है जो हम सभी में मौजूद है यह ज्ञान मनुष्य में एक परिवर्तन को उत्तेजित करेगा तब वह काम से मुड़कर राम की ओर मुड़ेगा तब उसका सफर काम से भगवान की ओर होगा फिर एक आंतरिक क्रांति होगी तब एक नया दरवाजा खुलेगा यदि मनुष्य को एक नया दरवाजा नहीं दिखाया जाता तो वह वही सतत चक्कर में घूमता रहेगा और अंत में खुद को नष्ट कर देगा लेकिन मनुष्य के पीछे की सोच के सेक्स की उसे किसी अन्य दरवाजे किसी उच्च निर्गमन के बारे में सोचने से ही रोका है और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण और विकटनकारी कोलाहल उत्पन्न हो गया है प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने मनुष्य को केवल एक दरवाजा वह सेक्स का संपन्न किया है लेकिन शताब्दियों से नीचे के उपदेशों ने उस दरवाजे को ठंडा कर दिया है उस छोड़ा है कोई पर्याप्त निर्गमन के अभाव में मनुष्य के अंदर की घूमती हुई ऊर्जा अव्यावत करती है और और बार बार ऊपर धकेलने का प्रयास करती है उसकी व्यक्तित्व को विकटित करती है उसे पतन कराती है उसे एक न्यूरोटिक में बदल देती है और इस विकटित न्यूरोटिक मनुष्य यहाँ तक कि प्राकृतिक दरवाजे का उपयोग भी नहीं कर सकता है और अंदर से ऊर्जा की आवृत्ति उसके अस्तित्व के दीवारों और खिड़कियों को तोड़ देती है इसके परिणाम स्वरूप यह उबलता है और मनुष्य गिरता है और अपने सिर को टूटता है ठोकरे लगाता है और अपने हाथ और पैर तोड़ देता है क्योंकि यह प्राकृतिक दरवाजे द्वारा बंद किया गया है और अद्भुत दरवाजा अब तक नहीं खुला है इसलिए मनुष्य की यौन ऊर्जा अप्राकृतिक बाहिकों के माध्यम से बाहर निकलती है यह मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है अब तक कोई नया दरवाजा नहीं खुला है और पुराना दरवाजा अब पहले से ही बंद है इसी कारण मैं सेक्स के पारंपरिक उपदेशों के खिलाफ दृढ़ रूप से हूँ यह पुराने उपदेशों की वजह से है कि सेक्सुअलिटी मनुष्य में ही बढ़ी है और इसने केवल विकृत होना भी बना लिया है उपाय क्या है क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है आइए स्थिति को ध्यानपूर्वक देखें संभोग के क्षण में जो सच्चाई है उसमें दो तत्व होते हैं अहंकारहीनता और अकालता समय ठहरता है और अहंकार वाष्प हो जाता है अहंकार के अभाव और समय के ठहरने के कारण व्यक्ति को अपने आत्मा का स्पष्ट दृष्टांत होता है अपने वास्तविक आत्मा का लेकिन वह महिमा क्षणिक है और फिर हम वही पुरानी रूट में हैं। और इस बीच हमने एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खो दी है मन उस प्रकाश के लिए विरक्त है मन उसे फिर से पकड़ने के लिए लालसा करता है लेकिन वह प्रकाश वह अनुभूति इतनी क्षणिक है कि हमने उसे हल्के से ही देखा है जब यह गायब हो जाता है फिर जो बचता है वह एक इच्छा है एक मनिया है उस अनुभव को फिर से प्राप्त करने की एक गहरी चिंता है उसके जीवन के पूरे क्षेत्र में बार बार मनुष्य उस क्षण उस उत्कृष्ट अनुभव को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन यह कभी भी ठार करने के लिए अंतर्निहित आत्मा के सार को पहुंचने के लिए दो तरीके हैं सेक्स सेक्स और ध्यान। सेक्स प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया दरवाजा है सेक्स प्राकृतिक पथ है पशुओं को होता है पक्षियों को होता है पौधों को होता है मनुष्य को होता है जब तक मनुष्य प्रकृति के दरवाजे का लाभ लेता है वह पशुओं के ऊपर नहीं है वह पशुओं के ऊपर नहीं उठ सकता है उस दरवाजे तक उनका पहुंचना उनके लिए भी संभव है उस दिन को मनुष्य का माना जा सकता है जब उसे एक नया दरवाजा मिलता है उसमें मानवता का उदय होता है उससे पहले हम मनुष्य नहीं है उससे पहले हमारा केंद्र पशुओं के केंद्र प्रकृति के केंद्र से मेल खाता है जब तक हम इससे ऊपर उठते हैं जब तक हम इससे पार करते हैं हम सचमुच पशुओं के स्तर पर है उपस्थिति में हम मनुष्य हैं। हम मनुष्यों की भाषा बोलते हैं लेकिन अंदर केंद्र में हम पशुओं की तरह है और हम इससे अधिक नहीं हो सकते हैं यही कारण है कि हमारे अंदर का पशु पहली उपलब्ध अवसर पर उगलता है भारत और पाकिस्तान के गठन के समय हाहाकार के दौरान हमें यह जानकर पता चला कि मनुष्य के मुखौटे के पीछे एक मांसाहारी पशु छिपा हुआ है हमें यह पता चला कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले और मंदिरों में गीता का पाठ करने वाले लोग किस प्रकार की कार्यों को कर सकते हैं वे लूटते हैं वे कत्ल करते हैं वे बलात्कार करते हैं वही लोग जिन्हें पहले दिन मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करते हुए देखा गया था उन्हें बाद में सड़कों में बलात्कार करते हुए देखा गया उनके साथ क्या हो गया था जब कभी भी कोई अवसर होता है कि व्यक्ति अपने दायित्वों को छोड़ दे और जो पशु सदा तैयार रहता है वह उसके आगे बढ़ता है पशु हमेशा मुक्ति के लिए बेचैन होता है और मन हमेशा तनावमय होता है इस पशु को नियंत्रित करने में इसे जबरदस्त करने में भीड़ में समूह में व्यक्ति को अपने ग्रहित व्यक्तित्व को छोड़ने का अवसर मिलता है और अपना विस्मृत बनाने का साहस भीड़ में वह खुद को भूल जाने का साहस बनाता है अपनी वास्तविक पहचान को भूलने का साहस पशु मुक्त किया जाता है एक व्यक्ति के रूप में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पाप करता है जितना कि वह एक भीड़ में करता है एक अकेले व्यक्ति को पहले सोचना पड़ता है कि वह क्या करने वाला है उसे चिंता होती है कि दूसरे उसे पशु कहेंगे लेकिन बड़ी भीड़ के बीच एक व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है उसे किसी की पहचान की भी चिंता नहीं होती है फिर वह भीड़ का हिस्सा है फिर वह वह करता है जो उसके चारों ओर के लोग कर रहे हैं और वह क्या करता है वह पत्थर फेंकता है आग लगाता है बलात्कार करता है भीड़ का हिस्सा बनकर वह अपने पशु को मुक्ति का अवसर पाने का मौका देता है और इसीलिए हर पांच से दस साल में मन युद्ध के लिए बेचैन है इसीलिए वह हमेशा इंतजार में है उम्मीद कर रहा है कि कहीं दंगा हो यदि यह हिंदू मुस्लिम समस्या के तहत हो तो उसके लिए ठीक है यदि नहीं तो गुजराती मराठी कारण भी उसके उद्देश्य को सही करेगा यदि गुजराती और मराठी दंगा करने के लिए परिपक्व नहीं है तो हिंदी बोलने वाले और गैर हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच संघर्ष उसकी इच्छा को पूरा करेगा उसको बहाना चाहिए कोई भी बहाना अपने अतृप्त पशु को मुक्त करने के लिए मनुष्य में पशु को निरंतर बंधन से परेशान हो रहा है यह बाहर निकलने के लिए होड़ मचा रहा है लेकिन जब तक यह पशु नष्ट नहीं होता नष्ट नहीं होता तब तक मानव का चेतना कभी भी पशुता से ऊपर नहीं उठ सकता है हमारी प्रकृति हमारी जीव शक्ति हमारी ऊर्जा का केवल एक सरल निर्वाहक है और वह निर्वाहक है सिक्स उस चैनल को मुहर लगा देना समस्याएं बना देगा इसलिए उसे मुहर लगाने से पहले एक नया दरवाजा खोलना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ऊर्जा को एक नदीरेक्टन में बहा जा सके यह संभव है लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है क्योंकि दबाव बदलना से बहुत आसान है एक चीज को ढकना उस पर बैठना उससे निपटना उसे बदलने से आसान है क्योंकि इसके लिए साधना एक स्थिर ध्यानाभ्यास की कठिनाई है इसलिए हमने सेक्स की आंतरिक दबाव का चयन किया है इसी के साथ हम यह भूल जाते हैं कि दबाव द्वारा किसी चीज को नष्ट किया नहीं जा सकता बल्कि यह प्रतिक्रिया के रूप में मजबूत होता है हम यह भी भूल जाते हैं कि कुछ को दबाने से हमारी आकर्षण उसके प्रति बढ़ जाती है जिस चीज को हम दबाते हैं वह न केवल हमारे चेतना का केंद्र बन जाती है बल्कि वह हमारी अधीर अवस्थाओं की भी गहरी श्रोतियों में डूब जाती है हम इसे अपने जागरूक घंटों के दौरान दबा सकते हैं लेकिन रात को यह हमारे सपनों के माध्यम से छाया रहता है अंदर यह इंतजार कर रहा है सबसे छोटे से सुने पर चलने के लिए दबाव मनुष्य को किसी भी चीज से मुक्त नहीं करेगा बरलों में इसकी जड़ें उसकी अधीर अवस्थाओं में गहरी जाएंगी और उसे उसके परिणाम स्वरूप फंसा देगी सेक्स को मिटाने की कोशिश करते हुए मन ने खुद को उलझा लिया है उसने खुद को फंसा लिया है यद्यपि पशुओं की निर्धारित सीमाएं और अवधियां होती हैं मनुष्य की नहीं होती मनुष्य पूरे वर्ष के दौरान प्रति घंटे सेक्स कर सकता है बिना किसी अपवाद के कोई भी पशु इस स्तर से सेक्स करने के लिए नहीं बना है जैसा कि मनुष्य है पशुओं के लिए इसका एक विशिष्ट समय होता है एक काल यह आता है और जाता है और फिर एक पशु उसके बारे में कभी नहीं सोचता लेकिन देखिए कि मनुष्य के साथ क्या हो रहा है जिस चीज को मनुष्य ने दबाने की कोशिश की है उसे उसके जीवन के दौरान बाहर निकलता है यह एक सदैव सक्रिय ज्वालामुखी है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कोई भी पशु सभी समय सेक्स करने के लिए नहीं है लेकिन मनुष्य हर स्थिति में सेक्स की ओर मुख सेक्सोलिटी मनुष्य के अंदर धूम्रपान करती है जैसे कि सेक्स ही जीवन का सब कुछ हो यह परिवर्तन कैसे हुआ है यह आपदा कैसे आई है इसका कोई इस्तीना क्यों नहीं हुआ है किसी पशु के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है इसका कारण एक ही है मनुष्य ने सेक्स को दबाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कोशिश की है और इसने उसके व्यक्तित्व में समान मात्रा में फूटा है और सोचिए कि हमने सेक्स को दबाने के लिए क्या कुछ किया है हमें इसके प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को विकसित करना पड़ा है हमें इसे अपमानित करना पड़ा है हमें इसे गालियां देनी पड़ी है हमें कहना पड़ा है कि यह पाप है हमें कहना पड़ा है कि वे जो सेक्स का आनंद लेते हैं वे निकृष्ट हैं, उन्हें नीचा देखा जाना चाहिए हमें इसे दबाने के लिए अनगिनत अपमानजनक नाम उत्पन्न करने पड़े हैं ताकि हम इसे नियंत्रित करने का तरीका साबित कर सके लेकिन हमने कभी भी चिंता नहीं की कि ये अपमान और आपत्तियां आखिरकार हमारी पूरी प्रवृत्ति को विषाक्त कर देंगी नीचे तात्कालिक है नीचे ने एक बहुत ही अर्थपूर्ण कथन किया था उन्होंने कहा था कि यदि धर्म ने सेक्स को जहर देकर मरा करने का प्रयास किया है तो सेक्स मरा नहीं है बल्कि यह अभी भी जिंदा है और जहर से भरपूर है यह अच्छा होता कि यह मर जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह जहरिल हो गया लेकिन फिर भी जिंदा रहा उपकरण गलती से हुआ हमारे आसपास जो सेक्सुअलिटी है वह जहरील सेक्स की सारांश है सेक्स पशुओं में भी है क्योंकि सेक्स जीवन का स्रोत है लेकिन सेक्सुअलिटी केवल मनुष्य में है पशुओं में सेक्सुअलिटी नहीं है एक पशु की आंखों में देखें वहां आप लालसा नहीं पाएंगे लेकिन यदि आप किसी मनुष्य की आंखों में देखें तो आप में केवल लालसा ही देखेंगे केवल सेक्स के प्रति ब्रूटल इच्छा ही देखेंगे और इसलिए आज पशु स्वरूप है एक प्रकार से लेकिन मनुष्य पागल दबाने वाला की अनिष्टकर्ता और दुर्गंध की शांति क्षमता से मुक्त करने की पहली कदम के रूप में बच्चों लड़कों और लड़कियों दोनों को जैसा कि मैंने आपको कल कहा था इस विषय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ उनके बीच की कुरूप और अनैतिक दूरी को मिटा देना चाहिए वास्तव में उन्हें बहुत करीब लाया जाना चाहिए यह पूरी तरह से अन्यता है मर्द और, और औरत बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां बन गए हैं उनके बीच के इस अलगाव इन उन्नतिकृत खांचों को देखकर मुश्किल होता है कि पुरुष और स्त्री एक ही प्रकार के हैं कि वे दोनों मानव जाति का हिस्सा है अगर लड़के और लड़कियां घर में बिना कपड़ों के मुक्त रूप से घूम सकते थे जब चाहे तो यह बड़ी उच्चिष्ट और अनैतिक जिज्ञासा को फूलने से पहले ही इसे कुचल देता हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों के इस संबंध में जिज्ञासा कैसे दिखती है देखें कैसे सभी सभी शिक्षित लोगों के बच्चे डॉक्टर खेलने में रुचि रखते हैं और फिर मैं आश्चर्य करता हूँ कि आपको पता है कि अमेरिकी समाज के एक सेगमेंट ने एक नई आंदोलन की शुरुआत की है सभी धार्मिक लोगों ने उनका लक्ष्य है कि कुत्ते बिल्ली घोड़े और अन्य पशुओं को नंगा बाहर नहीं ले जाया जाए उन्हें सड़कों पर ले जाने से पहले उन्हें बांधा जाए इसके पीछे की विचारधारा यह है कि बच्चे अगर नंगे पशुओं को देखते हैं तो उन्हें क्षति हो सकती है हंसी की बात है कि एक बच्चे को एक नंगे पशु को देखकर क्षति हो सकती है लेकिन फिर भी वे एक संघ बना रहे हैं ताकि सड़कों पर नंगे पशुओं को रोका जा सके देखो कितनी बातें की जा रही है मानवता को बचाने के लिए इन कहे जाने वाले उद्धारकों के रूप में वे व्यक्तियां हैं जो मानव को नष्ट कर रहे हैं क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जानवर कितने आश्चर्यजनक और सुंदर होते हैं यहाँ तक कि वे बिना कपड़ों के भी उनकी नग्नता में भी वे मासूम सीधे और सादे होते हैं आप कभी भी जानवर को नग्न नहीं समझते हैं और आप कभी नहीं देखेंगे कि जानवर नग्न है जब तक आप अपनी नग्नता को अपने अंदर छुपा रहे हैं लेकिन वे लोग जो डरे हुए हैं और वे लोग जो कायर हैं वे अपनी नग्नता के भय को कम करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के उपायों के कारण मानव दिन प्रतिदिन पीड़ित हो रहा है मानव इतना सादा होना चाहिए कि वह नग्न अवस्थित मासूम और आनंद से भरा खड़ा हो सके एक ऐसा मानव जो किसी ने नग्न खड़ा होने का संकल्प लिया और उसी तरह हर मनुष्य को ऐसी मानसिकता को विकसित करना चाहिए जिससे वह भी नग्न हो सके लोग ऐसे कहलाने वाले धार्मिक लोग कहते हैं कि कि महावीर ने कपड़े छोड़ कि छोड़ दिए उसने वस्त्र धारण करना दिया। लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ उसकी चित्तक उसकी चेतना इतनी स्पष्ट इतनी मासूम बच्चे की तरह शुद्ध बन गई थी कि वह उठकर नेतृत्व में दुनिया का सामना करने के लिए नग्न हो गए जब कुछ भी छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तब आदमी अपने आप को पूरी तरह से उजागर कर सकता है आदमी खुद को इसलिए ढकता है क्योंकि उसका महसूस है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो छुपाया जाना चाहिए लेकिन जब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता है तो कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है उस प्रकार की दुनिया की बड़ी आवश्यकता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति इतना निर्दोष मानसिक रूप से पवित्र और शांत होगा कि वह अपने कपड़े छोड़ सकेगा यहां अपराध कहाँ है नग्न होने में क्या खतरा है यह एक विभिन्न मामला है अगर कपड़े अन्य कारणों के लिए पहने जा रहे हैं, लेकिन यदि वे केवल अपनी नग्नता के भय के कारण पहने जा रहे हैं तो यह अवमानजनक है नग्नता के भय के कारण कपड़े पहनना एक अधिक नग्नता की ओर संकेत करता है एक दूषित मन का प्रमाण है लेकिन आज हम कपड़े पहनते हुए भी अपने को दोषी महसूस करते हैं जैसा कि हमने अपनी आंतरिक नग्नता की अस्तित्व को अब तक मिटा नहीं भगवान इतने बच्चे बन गए हैं उन्होंने बहुत आसानी से मनुष्य को कपड़ों के साथ बना सकते थे यहाँ तक कि मैं कपड़ों के पहने जाने के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता कि बस नंगापन से डर के आलम में पहने जाने वाले कपड़े नंगापन को ढंकते नहीं हैं, बल्कि इसे खोलते हैं यह अनैतिक नंगापन की अज्ञातता है और पदार्थमान है और यह जागरूकता एक लंबे सामाजिक परंपरा द्वारा निर्णयित की गई है व्यक्ति कपड़े पहनकर नंगा लग सकता है और एक नंगा व्यक्ति कपड़े पहने हुए दिख सकता है क्या इस बिंदु पर और विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है बाद में जब मर्दों और औरतों के लिए आधुनिक छोटे कपड़े हैं? यह इच्छा को लूटने और शरीर को दिखाने की असंतुष्ट इच्छा का परिणाम है यदि मर्द और, और औरतें एक दूसरे के शरीरों से परिचित होते तो कपड़ों का स्वभावत केवल शरीर की सुरक्षा करने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं होता लेकिन उफाना आजकल कपड़े सेक्स को उत्तेजना के लिए डिजाइन किए जाते हैं मनुष्य की सभी वस्त्र विपस्ती कहा जा रही है जब कपड़े अब कपड़े नहीं हैं, बल्कि सेक्स के लिए सहारा है इसी कारण मैं बच्चों को एक निश्चित आयु तक नंगे रहने की सिफारिश करता हूँ उन्हें यह समझना चाहिए कि कपड़ों की आवश्यकता कुछ अन्य से है सेक्स के अलावा इसके अलावा नंगापन का अवधारण एक अभिज्ञान मन के लिए एक व्यक्तिगत है एक साधारित दिमाग एक मासूम दिमाग के लिए नंगापन अपमानजनक नहीं होता इसमें अपनी खूबसूरती है लेकिन अब तक मनुष्य ने जहर पर पाला था और समय के साथ साथ यह जहर उसके अस्तित्व के एक से दूसरे ध्रुव से फैल गया है इस परिणामस्वरूप हमारा नंगापन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से अनैतिक है जब मैंने पहली बार इस विषय पर भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में हुई पहली मुलाकात में इस बारे में बोला एक महिला मेरे पास आई और कही मैं बहुत बेचैन हूँ मैं बहुत तुम पर गुस्सा हूँ सेक्स एक अश्लील विषय है सेक्स पाप है तुमने इस पर इतनी बात क्यों की मुझे वास्तव में सेक्स घृणा है अब देखिए यह महिला सेक्स की घृणा करती है हालांकि वह एक विवाहित महिला है जिनके पास पुत्र और पुत्रिया है वह उस पति को कैसे प्यार कर सकती है जो उसे सेक्स की ओर प्रवृत्त कर रहा है वह कैसे उन बच्चों को प्यार कर सकती है जो सेक्स के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण विष से ग्रस्त है उसका प्यार विषाक्त रहेगा और इसलिए इस महिला और उसके पति के बीच एक मौलिक और गहरा अंतर होना स्वाभाविक है उसके और उसके बच्चों के बीच एक कंटे की बाढ़ भी होगी क्योंकि उसके लिए ये अपराध के फल है उसके और उसके पति के बीच का संबंध पापमुक्त है उसे यहाँ वहाँ अज्ञात अपराध कम्प्लेक्स से पीड़ित होता है जहाँ सेक्स की बात होती है क्या कोई पाप के साथ समर्थन कर सकता है जो लोग सेक्स की निंदा करते हैं वे सभी के विवाहित जीवन को उलझा देते हैं सेक्स के खिलाफ इस विपरीत दृष्टिकोण ने किसी भी प्रकार की मुक्ति प्रदान करने के बजाय गहरे अपहारकारी प्रभाव पैदा किया है एक आदमी जो अपनी पत्नी और उसके बीच अदृश्य बैरियर के साथ मिलता है वह कभी भी उसके साथ संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता है वह अन्य महिलाओं की तलाश में चलेगा वह वेश्याओं के पास जाएगा अगर उसने घर पर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त की होती तो सभी महिलाएं उसके लिए बहन और माए हो सकती थी लेकिन इसकी अभावता के कारण अब वह सभी महिलाओं को संभावित पत्नियों के रूप में देखेगा हमेशा कुछ के पीछे यह स्वाभाविक है यह होना ही था उसे वहाँ खुशी उत्कृष्टता और शांति के साथ आशीर्वाद मिलना चाहिए था लेकिन उसे वहाँ जहर घृणा और पाप की बातें मिलती है उसकी मौलिक आवश्यकताएं घर पर पूरी नहीं होती और इसलिए वह हर कोने कोने में संतुष्टि की तलाश करता है और व्यक्ति ने उन मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या आविष्कार किए हैं यदि हम उन सभी उपायों की सूची बनाने का प्रयास करें तो आप चौक जाएंगे मनुष्य ने बहुत सी तकनीकें बनाई हैं लेकिन उसने कभी मौलिक कमी पर ध्यान नहीं दी है अब वह जो प्रेम का सागर था वह अब एक सेक्स का तालाब बन गया है और तालाब में जहर है और जब इसमें पाप जहर की अछूत उसमें अनवश्यक अवसंगता भी है तो यह दोषी पहुंचता है उनके साथ जीवन की किसी भी विकास की संभावना को समाप्त कर, कर जाता है, है। अगर पति और पत्नी सहमति और समझदारी से सेक्स को महसूस करने का प्रयास करें एक दूसरे के प्रति पवित्र आनंद भाव के साथ किसी भी उदासी के भावना के साथ बिना तो उनका रिश्ता परिवर्तित उन्नत हो सकता है और इसके बाद यह संभावना है की पत्नी वही पत्नी मौजूद होगी लेकिन वह माँ के रूप में होगी मैंने सुना है कि गांधी की पत्नी कस्तूरबा एक बार गांधी जी और उनके समूह के साथ सियलोन गई थी उनके स्वागत भाषण में मेजबान ने कहा कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि गांधी जी की मां की मौजूदगी से सम्मानित हो रहे हैं जो गांधी साहब के साथ इस यात्रा पर है और उनके बगल में बैठी हुई है गांधीजी के सचिव को हैरानी हुई यह उसकी गलती थी पहले ही उसे समूह के सदस्यों को आयोजकों से पहले परिचित कर देना चाहिए था लेकिन फिर तो बहुत देर हो गई थी गांधीजी पहले ही माइक के सामने थे और उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया था सचिव डरता था कि उसको बाद में गांधी जी से कितनी आलोचना मिलेगी लेकिन उसे नहीं पता था कि वह महिला जो पत्नी से मां में परिणाम हो सकती है वास्तव में बहुत दुर्लभ है गांधी जी ने कहा यह एक खुशीप्रद संयोजन है कि जो दोस्त मुझे परिचित करा रहा था उसने गलती से सच कह दिया है पिछले कुछ वर्षों में कस्तूरबा ने सचमुच मेरी मां बन ली है एक समय वह मेरी पत्नी थी लेकिन अब वह मेरी मां है इसे साथ में हो सकता है अगर पति और पत्नी मिलकर अपने सेक्सुअल जीवन की जांच करने में थोड़ी मेहनत करें तो वे दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे को सेक्स को परिवर्तित करने में मदद कर सकते हैं और उस दिन जब पति और पत्नी सेक्स को परिवर्तित करने में सफल होते हैं उनके बीच एक आभासनीय कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है लेकिन आजकल पति और पत्नी के बीच कुछ भी नहीं है केवल सूक्ष्म और जन्मजात शत्रुता है एक स्थिर मित्रता कभी नहीं है हमेशा एक शांति नहीं जब पति और पत्नी प्रत्येक दूसरे के सेक्सुअल इच्छाओं को परिवर्तित करने के रूप में सेवा करते हैं तो उनके बीच एक गहन पूर्णता की भावना उत्पन्न होती है जब वे एक दूसरे के साथ उत्कृष्टता में सेक्स के परिमुक्ति में साथी बन जाते हैं तो एक सच्ची मित्रता का फूल खिलता है उस दिन पुरुष महिला के प्रति आदर से भरा होता है क्योंकि उसने उसको विश्व संप्राप्ति से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता की है उस दिन महिला पुरुष के प्रति कृतज्ञता से भरी होती है क्योंकि उसने उसको आवेग से मुक्त कर दिया है उस दिन से वे प्यार के सच्चे संरेखण में रहते हैं और अब और लालसा में नहीं यह उस यात्रा का प्रारंभ है जिससे पति अपनी पत्नी के लिए भगवान बन जाता है और पत्नी अपने पति के लिए देवी बन जाती है लेकिन यह संभावना विषाक्त हो गई है मैंने कल कहा था कि मैं सेक्स का एक बड़ा शत्रु हूँ मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं सेक्स को दोषी ठहराता हूँ या निंदा करता हूँ मैंने इसे चिंताजनक रूप से कहा पारमार्थिकता की दिशा में मार्गदर्शन के रूप में यह संकेत करने के रूप में कि इच्छा को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है मैं सेक्स का शत्रु हूँ उस अर्थ में कि मैं कोयले को ही हीरे में परिणामित करने का पक्षपात करता हूं मैं सेक्स को परिवर्तित करना चाहता हूँ कैसे किया जा सकता है इसकी प्रक्रिया क्या है मैं कहता हूं कि एक और दरवाजा खोला जाना चाहिए एक नया दरवाजा जब एक बच्चा पैदा होता है तो सेक्स तुरंत सामने नहीं आता शरीर ऊर्जा जमा करता है कोशिकाएं बल प्राप्त करती है और इसके पूर्ण विकसित होने से पहले अब भी समय है ऊर्जा धीरे धीरे स्वयं को एक दरवाजे की ओर धकेलेगी और फिर वह चार पैदवार्षिकी से बंद दरवाजे में प्रवेश करेगा और यह बच्चे का सेक्स के विश्व में परिचय है एक बार जब एक दरवाजा खुला हो जाता है एक नए दरवाजे को खोलना काफी कठिन होता है जीव शक्ति की स्वभाव के कारण व्यक्ति का पूरा जीवन ऊर्जा पूरा शक्ति जिस दिशा में वहन किया गया है उसी दिशा में दौड़ता है एक बार गंगा ने अपना मार्ग स्थापित कर लिया है तो वह उसी के मार्ग पर बहती रहती है वह प्रतिदिन नया मार्ग नहीं खोजती है ताजगी से पानी रोजाना बह सकता है लेकिन यह हमेशा उसी चैनल के माध्यम से होगा उसी रूप में मनुष्य की जीव शक्ति एक अपना मार्ग खोजती है और फिर उस पर चलती रहती है यदि मनुष्य को यौनता से ठीक होना है तो सेक्स के दरवाजे खुलने से पहले नए दरवाजे खोलना बहुत महत्वपूर्ण है वह नया दरवाजा की कोमल वय के दौरान ध्यान करना सिखाया जाना चाहिए उसे ध्यान में शिक्षित करना चाहिए सेक्स के खिलाफ गलत शिक्षाएं समाप्त की जानी चाहिए और ध्यान को सिखाया जाना चाहिए ध्यान एक सकारात्मक दरवाजा है यह एक उच्च खिड़की है सेक्स और ध्यान के बीच एक चयन किया जाना चाहिए और ध्यान उत्कृष्ट विकल्प है सेक्स को निंदित न करें बच्चों को ध्यान करना सिखाएं। बच्चों को सेक्स के बारे में शिक्षा देने के खिलाफ होना केवल उन्हें इसके अस्तित्व की सूचना देता है और यह एक अत्यंत खतरनाक दृष्टिकोण है बाद में यह अप्रिपक्व यौनता के विकृतियों की ओर बढ़ता है अभी तक जब कोई दरवाजा खुला नहीं है जब दोनों दरवाजे बंद हैं, जब ऊर्जा अब भी सुरक्षित है किसी भी दरवाजे को धकेला जा सकता है लेकिन सेक्स के खिलाफ इस समय समय पर घूमना सेक्स के दरवाजे पर खड़खड़ाहट की तरह है एक लचीला युवा पौधा किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है यह स्वयं ही विनम्रता से झुक सकता है लेकिन जब यह बढ़ता है तो यह कठोर हो जाता है यदि आप उसे फिर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो यह अविरूप हो जाएगा यह टूट जाएगा यहां मामला वैसा ही है ध्यान की स्थिति को प्राप्त करना जब कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है यह बहुत कठिन है बड़े लोगों को योग्यता करने का प्रयास करना उनका जीवन के समाप्त होने के बाद बीज बोने जाने के बराबर है ध्यान के बीज को आसानी से बच्चों में बोए जा सकता है लेकिन मनुष्य जैसा कि वह है अपने जीवन के अंत की ओर ही ध्यान में रुचि दिखाता है वह फिर ध्यान और योग के बारे में पूछता है जब उसकी ऊर्जा कम हो गई होती है जब सभी प्रगति की संभावनाएं सूख गई होती है तभी उसे ध्यान और योग के बारे में पूछता है वह स्वयं को सुधारना चाहता है जब पानी पहले ही बह चुका है जब परिणामित होना बहुत कठिन है कब्र में एक पैर से मौदू करने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है यह अजीब है यह धारणा पूरी तरह विचित्र है इस ग्रह को कभी शांति में नहीं हो सकता जब तक हम हर युवा मन में ध्यान की यात्रा शुरू नहीं करते लेकिन उससे कुछ हासिल होने की आशा उन लोगों के साथ व्यर्थ है जो मार्ग के अंत में है जो अपने जीवन के सायंकाल में है यदि उन्होंने इसे कोशिश की जाए तो यह बड़े प्रयास की मांग करेगा और इसके अलावा बहुत फायदे का भी नहीं होगा लेकिन यह पहले किया जा सकता था जब जीवन में इसके लिए इतनी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती थी तो सेक्स के परिवर्तन की दिशा में पहला कदम छोटे बच्चों में ध्यान की शुरुआत करना है उन्हें शांत रहना और अपने ख्यालों को रखने की प्रशिक्षण देना उन्हें चुप रहना सिखाना और उन्हें नोमाइन की स्थिति के बारे में जागरूक करना हालांकि बच्चे वयस्क मानकों के अनुसार पहले से ही शांत और शांतिपूर्ण होते हैं अगर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए और उन्हें प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी चुप और स्थिरता का अभ्यास करने के लिए सिखाया जाए तो उनके चौदह वर्ष से पहले एक नया दरवाजा खुल जाएगा तब जब सेक सामने आता है जब ऊर्जा उभरती है और बहने के लिए तैयार होती है यह पहले ही खुले दरवाजे के माध्यम से बह जाएगी उन्होंने पहले ही ध्यान की शांति आनंद खुशी अकालपन और अहंकारहीनता को महसूस कर लिया होगा सेक्स के अनुभव से बहुत पहले यह उनकी ऊर्जा को गलत मार्गों में नहीं जाने देगा यह उसे सही मार्ग पर प्रवृत्त करेगा शांति की शिक्षा देने की बजाय हम बच्चों को सेक्स से घृणा करने की शिक्षा देते हैं सेक्स पाप है सेक्स गंदा है हम कहते हैं हम उन्हें यह कहते हैं कि यह बुरा और बुरा है हम कहते हैं कि यह नरक है लेकिन नामकरण वास्तविक स्थिति को बदलने में कुछ भी नहीं करता है बर्लाइफ बच्चे उत्सुक हो जाते हैं उन्हें ज्यादा जानने की इच्छा होती है इस नरक इस बुराई इस गंदे चीज के बारे में जो उनके माता पिता और शिक्षकों को डरा देती है और ही पैनिक में में देती में ही है।, है बच्चे यह जान लेते हैं कि उनके माता पिता खुद भी उसी काम में लगे हुए हैं रात दिन उनके माता पिता वही काम कर रहे हैं जिसे उन्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए इस तथ्य की खोज का त्वरित और स्वच्छ परिणाम उनके माता पिता के प्रति उनकी आदर भावना का अंत होता है आधुनिक शिक्षा नहीं जिम्मेदार है जैसा कि सामान्य रूप से माना जाता है माता पिता इसके लिए दोषी हैं। बच्चे जल्दी ही इस परोक्षता को ध्यान में लेते हैं उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि उनके माता पिता पूरी तरह से उसी चीज में डूबे हुए हैं, जिसे उन्हें नफरत करने के लिए सिखाया जा रहा है बच्चे बहुत तीक्ष्ण अवलोकन करता होते हैं। उन्हें यह दिखाई देता है कि आपका रात्रि जीवन आपके दिनचर्या से भिन्न है कि आपकी उपदेशना और आपकी अमल में व्यापक अंतर है वे देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है वहाँ कुछ भी हो जो पिताजी को गंदा और माताजी को बुरा कहते हैं वे देखते हैं कि घर में उसी चीज की प्रगति हो रही है वह समझते हैं कि क्या हो रहा है और इसके कारण अपने माता पिता के प्रति सभी श्रद्धा भाव को खो देते हैं माता पिता चालाक कपटी होते हैं बच्चे निष्कर्षा निकालते हैं और ध्यान दें, जिन बच्चों की आदर भावना में हानि हो जाती है वे कभी भी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं कर सकते बच्चों का पहला धारा सरमय उनके माता पिता के माध्यम से होता है यदि यह विश्वास टूट जाए तो वे निश्चित रूप से नास्तिक बढ़ेंगे बच्चों का पहला ईश्वर में पहचान माता पिता की ईमानदारी में होती है और यदि वह कल्पना साबित होती है तो उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ना कठिन होगा उनके और ईश्वर के बीच का संबंध टूट जाएगा क्योंकि उनके पहले देवता उनको धोखा दे गए क्योंकि उनकी मां और पिताजी अंधिकृत हो गए आज आधुनिक युवा पीढ़ी ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है मुक्ति के विचार को हंसी में उतारती है और धर्म को बकवास कहती है न कि यह उन्होंने स्वयं खोज की है और इसलिए अपने खुद के निष्कर्ष पर पहुंची है बल्कि उनके माता पिता के इस धोखाधड़ी कारण उनके माता-पिता ने उन्हें निराशावाद की जिंदगी में निर्वासित कर दिया है यह धोखा का एहसास इस बात के कारण हुआ है कि उनके बड़ों ने सेक्स को गलत रूप से प्रतिष्ठानित किया है उन्हें खुलकर समझाया जाना चाहिए कि सेक्स जीवन का हिस्सा है कि हम सभी सेक्स से उत्पन्न होते हैं और की सेक्स उनके जीवन का भी हिस्सा है इससे उन्हें यह समझने में मदद होगी कि उनके माता पिता का व्यवहार सही संदर्भ में है और जब वे बड़े होकर खुद जीवन का अनुभव करेंगे तो उन्हें अपने माता पिता की ईमानदारी के प्रति श्रद्धा भाव से भरा रहेगा एक बच्चे में इस विश्वास और श्रद्धा की इस शुरुआत से धार्मिक जीवन का नींव रखा जाएगा आज के बच्चे संदेह करते हैं कि उनके माता पिता दुर्बल है इसलिए युवा और बड़े पीढ़ी के बीच वर्तमान में विचारशीलता का टकराव है सेक्स की दमन ने पति को पत्नी से अलग किया है और बच्चों को उनके माता पिता के खिलाफ कर दिया है हमें इस सेक्स की दमन की आवश्यकता नहीं है सेक्स की स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जैसे ही बच्चे परिपक्व होते हैं जैसे ही उनमें जिज्ञासा होती है माता पिता को उनके सामने जीवन के मुख्य तथ्यों को सुलझा देना चाहिए एक स्वादिष्ट तरीके में यह करना चाहिए इससे पहले कि बच्चे अनावश्यक या हानिकारक जिज्ञासा को पैदा करने लगे इससे पहले कि वे उन्हें गलत स्थानों पर अपनी जिज्ञासाएं संतोषित करने की दिशा में ले जाएं अन्यथा जैसा कि आजकल का स्थिति है बच्चे वह जो जानना चाहते हैं वह गलत लोगों से पता लगाते हैं उन्हें असामान्य परिस्थितियों में और खतरनाक प्रयासों के माध्यम से पता लगता है ये तरीके हानिकारक और नाशक होते हैं। इन परिणामों से उन्हें जीवन भर दोहक और पीड़ा होती है और अंत में बच्चों और उनके माता पिता के बीच एक लज्जा और गोपनीयता की दीवार होती है माता पिता कभी भी अपने बच्चों के सेक्स जीवन के बारे में नहीं जानते जैसा कि बच्चे अपने माता पिता के सेक्स जीवन के बारे में अनजान होते हैं इस छुपे छुपाए का खेल से होने वाली परायापन बहुत ही खतरनाक है बच्चों को सेक्स के बारे में सही शिक्षा दी जानी चाहिए उन्हें सही शिक्षा बच्चों मिलनी चाहिए। को ध्यान करना सिखाया जाना चाहिए कैसे शांत शांतिपूर्ण चुपचाप रहना कैसे उन्हें नोमाइन की स्थिति तक पहुंचने का तरीका होता है बच्चे इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं हर घर में एक निर्धारित कार्यक्रम होना चाहिए जो बच्चों को चुपके से आने में मदद करे और यह संभव होगा जब आप माता पिता भी उनके साथ अभ्यास करें प्रतिदिन एक घंटे की चुप्पी को सभी लागू करना चाहिए यदि आवश्यक हो भोजन को छोड़ना भी चाहिए लेकिन सभी लागू करना चाहिए कि हर रूप में एक घंटे की चुप्पी का पालन किया जाए जिस घर में दैहिक तौर से एक घंटे की चुप्पी का पालन नहीं होता है उसे घर भी नहीं कहा जा सकता है वह परिवार भी नहीं कहलाता है प्रतिदिन की एक घंटे की चुप्पी ऊर्जा को संरक्षित करेगी और फिर चौदह साल की आयु में यह एक आंतरिकता में उभरेगा और ध्यान के दरवाजे को खोलेगा उस ध्यान की स्थिति में जहाँ मन समयहीनता और अहंकारहीनता को छूता है जहाँ उसने आत्मा को झलकता है जहाँ उसने परमात्मा को झलकता है इस सुप्रीम से मिलन से पहले यौवन के बाद यह लुब्धता को रोक देगा ऊर्जा ने एक बेहतर अधिक आनंदमय अधिक उच्च पथ पा लिया होगा इस प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य की कोई भी प्रक्रिया यौवन को अतीत करना और रास्ता ध्यान है दूसरा मौलिक है प्रेम बच्चों को शिशुता से ही प्रेम सिखाया जाना चाहिए सामान्य भय यह है कि प्रेम सिखाना मनुष्य को यौन के लबीरिंथ में ले जाएगा लेकिन यह भय बेतुका है यौन को सिखाना मनुष्य को प्रेम में ले जा सकता है लेकिन प्रेम सिखाना कभी उसे यौनता में खींच नहीं लेगा सच्चाई आम धारणा के खिलाफ है यौन की ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है एक आदमी वही प्रेम उन चारों ओर फैला सकता है जितना कि उसके भीतर बढ़ता है जो प्रेम से रिक्त है वे यौन से भरे होते हैं और वे यौनमय बने रहते हैं जितना किसी आदमी में प्रेम नहीं है उतना ही वह नफरत करेगा किसी आदमी के जीवन में प्रेम की कमी होती है उतनी ही उसकी जीवन में कुटिलता होगी और जो लोग प्रेम रहित हैं वे उसी दर्जे की ईर्ष्या से भरे होते हैं जो आदमी प्रेम कम करता है उतना ही उसे कलह पता है लोग परेशान और असुखी होते हैं उनके जीवन में प्रेम की कमी के अनुपात में और जो आदमी चिंता ईर्ष्या अहंकार झूठ और इस प्रकार की कच्ची गंदी और नीच संवेगों में डूबा होता है उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी कमजोर हो जाएगी वह हमेशा तनाव में रहेगा और इस कच्चे कच्चे नीचे और नीचे समूह की भावनाओं का एकमात्र उदाहरण यौन है प्रेम ऊर्जाएं परिवर्तित करता है प्रेम तरंगी रचनात्मक प्रवाही होता है यह पूरा करता है और प्रेम की संतुष्टि सेक्स के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली से कहीं गहरी और कहीं अधिक मूल्यवान होती है जो व्यक्ति जानता है कि तृप्ति कभी भी किसी परिवर्तन की तलाश नहीं करेगा ठीक वैसे ही जैसा कि वह आभूषण हासिल करने वाला व्यक्ति कभी पत्थरों की खोज नहीं करेगा लेकिन नफरत से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी संतुष्टि नहीं पा सकता वह हमेशा बेचैन रहता है वह अपने मार्ग में सब कुछ नष्ट करता है और विनाश कभी भी खुशी नहीं लाता केवल सृष्टि ही किसी को संतुष्टि की भावना से सिरपटित कर सकती है ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति लड़ाई और प्रतिस्पर्धी है लेकिन ऐसा होना कभी भी संतुष्टि नहीं लाता है एक आक्रमणकारी व्यक्ति केवल दूसरों पर हमला करता है आनंद केवल देकर ही प्राप्त किया जा सकता है कभी नहीं लेकर दृष्टि में सब कुछ पकड़ना और जमीन पर सब कुछ संग्रहित करना कभी भी मानसिक शांति नहीं लाएगा लेकिन इसे देकर उपयुक्त वितरण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है एक उत्कृष्ट पद पर चलने वाले व्यक्ति वह वा है जो शक्ति की परवाह नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रेम की खोज में है वे जिन्होंने प्रेम को कहीं भी और हर जगह वितरित किया है उन्हें उच्च आनंद में जीने वाले हैं जैसा कि किसी आदमी में प्रेम है वैसा ही संतुष्टि का आदान प्रदान गहरी संतोष आनंद साधन की भावना है जिसे वह अपने हृदय के हृदय में पालेगा ऐसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति को यौनता के साथ परेशान होने की चिंता नहीं होगी उसे इसकी दिशा में देखने के लिए कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि संतुष्टि और आनंद सेक्स में प्रतिद्वंद्वी से प्रतिस्थापित हमेशा प्रेम से उपलब्ध है अगला आदान प्रदान पूर्णता की ओर बढ़े हमें प्रेम की पूजा करनी चाहिए हमें प्रेम देना चाहिए हमें प्रेम में जीना चाहिए लेकिन केवल अन्य मनुष्यों से प्रेम करना खेल का नाम नहीं है प्रेम में समर्पित रहना है अपने पूरे व्यक्तित्व को प्रेम से पुनर्निर्मित करना है मैं प्रेम में पूर्ण शिक्षा की बात कर रहा हूँ हमें एक पत्थर को दोस्त की तरह उठा सकना चाहिए हमें एक शत्रु के साथ हाथ मिला सकना चाहिए जैसे कि हम एक दोस्त के हाथ पकड़ रहे से हैं। प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं जबकि कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ वह प्रकार का व्यवहार करते हैं जो जीवहीन वस्तुओं को भी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए एक आदमी जो नफरत में पूर्ण रहता है वह मानव जीवन को जीवहीन वस्तुओं के समान मानता है लेकिन प्रेम भरे हुए व्यक्ति ने हर वस्तु को छूने में एक व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्व को भी समर्पित किया है एक विद्वान यात्री एक प्रसिद्ध फकीर को देखने आया किसी कारण से व्यक्ति को परेशान था संभवत कठिन यात्रा के कारण और उसने गुस्से से अपने जूते की शोलेस को खोल दिया अपने जूतों को एक कोने में छोड़ दिया और दरवाजे को एक भारी थक से खोल दिया क्रोध में एक व्यक्ति अपने जूते उतारेगा जैसे कि जूते उसके सबसे बड़े दुश्मन हो वह दरवाजे को ऐसे ही खोलेगा जैसे कि उसमें और उसके बीच में बड़ा दुश्मनी हो आदमी ने दरवाजे को खोला अंदर गया और फकीर को श्रद्धांजलि अर्पित की फकीर ने कहा नहीं मैं तुम्हारा आदर स्वीकार नहीं करता पहले दरवाजे और जूतों से माफी मांगो तुम्हें क्या हुआ उसने पूछा एक दरवाजे को माफ क्यों करूं? और एक जोड़े जूतों को क्या वे जीवित है फकीर ने उत्तर दिया तुमने उन जीवहीन वस्तुओं पर अपने क्रोध को बाहर निकालने पर विचार नहीं किया तुमने जूते को ऐसे नीचे फेंका कि ऐसा कुछ गुनाही हो गया हो और तुमने दरवाजे को इस प्रकार खोला कि यह तुम्हारा शत्रु लगता था जब तुम उनकी व्यक्तित्वता को मानते हो और उन पर अपना क्रोध निकालते हो तो तुम्हें भी उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार होना चाहिए कृपया जाकर उन्हें अपनी माफियाद अर्पित करें अन्यथा मुझे तुम्हारे साथ इस संवाद को जारी रखने का इरादा नहीं है यात्री ने सोचा कि चर्चा को इस प्रकार के छोटे से मामले पर ख़त्म करना अव्वल होगा इसलिए उसने जूतों के पास जाकर जोड़ी हुई हाथों से कहा मित्रों मुझे मेरी असभावता के लिए क्षमा करो दरवाजे के लिए उसने कहा माफ करो तुम्हें ऐसे गुस्से में धकेलना एक गलती थी उसके लिए कैसा एक क्षण था उस यात्री ने अपनी जीवनी में लिखा है की शुरू में उसको बहुत ही की सी आई लेकिन जब उसने माफी मांगना समाप्त किया तब उसमें कुछ नया उजागर हुआ था उसने इतनी शांति इतनी धैर्य इतनी शांति महसूस की यह उसकी सबसे आश्चर्यजनक कल्पना से परे था कि एक व्यक्ति कैसे इतना शांत इतना संग्रहित और इतना आनंदमय महसूस कर सकता है बस एक दरवाजे और एक जोड़ी जूते से माफी मांगकर उसने जब अपनी माफी मांगी तब वह फकीर के पास बैठा और फकीर हंसते हुए बोले अब ठीक है अब तुम ट्यून हो गए हो अब हम बात कर सकते हैं अब तुमने कुछ प्रेम दिखाया है और भारीता से मुक्त हो गए हो अब हमारे बीच एक संबंध हो सकता है सिद्धांत यह नहीं है कि केवल मानवों से ही प्रेम करना चाहिए यह पूर्णता से प्रेम से भरा होने का सवाल है कहना कि किसी को अपनी माँ को प्रेम करना चाहिए गलत है यह एक गुमराही है यदि एक पिता अपने बच्चे से कहे कि वह उसे सिर्फ इसलिए प्रेम करे क्योंकि वह उसका पिता है तो यह धोखा है वह प्रेम के लिए कारण दे रहा है उसी तरह से अगर किसी माँ ने अपने बच्चे से कहा कि वह उसे सिर्फ इसलिए प्रेम करे क्योंकि वह उसकी माँ है तो यह एक आत्मसात्कार है जिस प्रेम के साथ क्योंकि और इसलिए की स्ट्रिंग्स जुड़ी होती है उसे गलत रूप से प्रेम कहा जाता है प्रेम को कारण सहित होना चाहिए इसे किसी कारण से नहीं बोझित किया जाना चाहिए माँ कहती है मैंने तुम्हारा ध्यान रखा मैंने तुम्हें पलना पोषण किया इसलिए मुझसे प्रेम करो वह एक कारण दे रही है और वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है यदि एक बच्चा मजबूरी से कुछ प्रेम दिखा दे तो शायद वह इसलिए हो सकता है कि वह उसकी माँ है लेकिन प्रेम सिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे को किसी कारण से प्रेम व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाए बल्कि एक ऐसे वातावरण की सृष्टि की जाए जिसमें बच्चा पूर्ण प्रेम से भरा रहे आपको यह घर लाना चाहिए कि एक बच्चे की विकास उसका पूरा व्यक्तित्व उसका संपूर्ण भविष्य इस खुशी के में होने पर निर्भर करता है कि वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रेम के इस आनंद में कितना सामर्थ्य है चाहे वह कोई पत्थर हो कोई मानव हो कोई फूल हो कोई जानवर हो चाहे जो कुछ भी हो बिंदु यह नहीं है कि केवल किसी जानवर या फूल या उसकी माँ या कोई और को प्रेम करना पूरा मामला यह है कि बच्चा पूर्ण प्रेम से भरा रहे इस पर ही नहीं उसका भविष्य ही बल्कि मानव जाति का भविष्य भी निर्भर करता है एक व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशी के, के भविष्य शास्त्री संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसके भीतर कितना प्रेम है एक प्रेम भरा व्यक्ति सेक्सुअलिटी से भी मुक्त हो सकता है लेकिन हम प्रेम नहीं बांटते हमारे पास प्रेम के लिए कोई है नहीं एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति से प्रेम कर सकता है और एक और को उसी समय घृणा कर सकता है नहीं यह असंभव है एक प्रेम भरा व्यक्ति जब वह अकेला होता है भी प्रेम से भरा होता है क्योंकि प्रेम उसकी प्राकृतिकता है यह उसके संबंध से संबंधित नहीं है एक गुस्से वाले व्यक्ति को जब वह अकेला होता है तो वह गुस्सा करता है नफरत भरे व्यक्ति को जब वह अकेला होता है तो वह नफरत करता है एक ऐसे व्यक्ति को देखे जब वह अकेला होता है और आप उसका क्रोध महसूस करेंगे हालांकि उस समय वह किसी विशेष व्यक्ति के पास अपना क्रोध दिखा रहा हो सकता है उसके पूरे अस्तित्व से केवल नफरत क्रोध से भरा हुआ है उल्टे यदि आप एक प्रेम भरे व्यक्ति को देखें तो आप उसे प्रेम से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं हालांकि वह अकेला होता है जंगल में खिलते हुए फूल अपनी सुगंध फैलाते हैं चाहे कोई हो उन्हें महसूस करने वाला या नहीं चाहे कोई वहां से गुजर रहा हो या नहीं सुगंध फैलाना एक फूल की प्राकृतिकता है यह भ्रांति में न रहें कि एक फूल अपनी सुगंध केवल आपके लिए ही फैलाता है लोग सिर्फ प्रेम से भरे होना चाहिए यह इस पर नहीं निर्भर करना चाहिए कि किसके साथ लेकिन प्रेमी चाहता है कि प्रिय उसे केवल उसी से प्रेम करे किसी और से नहीं मुझसे ही प्रेम करो वह कहता है लेकिन उसको यह पता नहीं है कि जो लोग सभी से प्रेम नहीं कर सकते वह किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते पत्नी कहती है कि उसके पति को केवल उसी से प्रेम करना चाहिए और किसी और को स्नेह नहीं दिखाना चाहिए लेकिन उसे यह नहीं समझती कि ऐसा प्रेम झूठा है और उसने इसे ऐसा होने का कारण बनाया है एक पति जो हमेशा प्रेम से भरा नहीं रहता है वह अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भी कैसे कर सकता है प्रेम होना जीवन की स्वाभाविकता है किसी व्यक्ति के प्रति पूर्ण प्रेम और सभी के प्रति प्रेम ही न होना संभव है लेकिन मानवता ने इस सरल सत्य को देख नहीं पाया है पिता बच्चे से कहते हैं कि वह उससे प्रेम करें, लेकिन क्या कभी उन्होंने बच्चे को सिखाया है कि घर में जो बुढ़ा सेवक है उससे प्रेम करें क्या वह भी एक आदमी नहीं है सेवक बुढ़ा हो सकता है लेकिन वह किसी के पिता भी हो सकता है नहीं वह केवल एक सेवक है और इसलिए उसके प्रति शिष्टाचार या प्रेम दिखाने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन यह पिता यह नहीं समझते हैं कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसके बेटों से अगर उसे कोई स्नेह नहीं दिखाएगा तो वह शिकायत करेगा उनके बेटे पूर्ण प्रेम से भरे होते तो वे भी अपने बुढ़े पिता की पूजा करते प्रेम एक रिश्ता नहीं है प्रेम एक मानसिक स्थिति है यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक है इसलिए प्रेम की शिक्षा में दूसरे चरण का मौखिकारी है कि बच्चे को सिखाएं कि वह सभी से प्रेम करें यदि एक बच्चा एक पुस्तक को सही ढंग से भी नहीं रखता है तो उसका ध्यान इस तथ्य पर आकर्षित किया जाना चाहिए कि ऐसा करना उचित नहीं है उसे यह बताया जाना चाहिए कि अगर वह पुस्तक के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे यदि आपने अपने कुत्ते के साथ भी क्रूरता की है तो यह आपके व्यक्तित्व में कमी की ओर संकेत है यह सिद्धांतित करता है कि आप में प्रेम की कमी है और जो भी पूर्ण प्रेम के बिना है वह सच्चा आदमी नहीं है मैं एक फकीर की कहानी याद करता हूं, जो एक छोटे से झोपड़ी में रहता था एक रात लगभग मध्यरात्रि को बारिश तेज बारिश हो रही थी और फकीर और उसकी पत्नी सो रहे थे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई कोई आश्रय चाहता था फकीर ने अपनी पत्नी को जगाया कोई बाहर है उसने कहा कोई यात्री कोई अज्ञात दोस्त क्या आपने ध्यान दिया है उन्होंने कहा कोई अज्ञात दोस्त जिन्हें आप जानते भी नहीं उनसे तुम दोस्ती तक नहीं करते उनका दृष्टिकोण प्रेम का था फकीर ने कहा बाहर कोई अज्ञात दोस्त है कृपया दरवाजा खोलो उनकी पत्नी ने कहा जगह नहीं है हम दोनों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है एक और व्यक्ति कैसे आ सका है फकीर ने जवाब दिया मेरी प्यारी यह एक धनी व्यक्ति का महल नहीं है यह और भी छोटा नहीं हो सकता। एक, धनी व्यक्ति का महल भी एक और मेहमान आए तो छोटा लगता है लेकिन यह एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी है उसकी पत्नी ने पूछा इसमें गरीब और धनी का सवाल कैसे आया सामान्य तथ्य यह है कि यह बहुत छोटी झोपड़ी है फकीर ने उत्तर दिया अगर तुम्हारे दिल में पर्याप्त जगह है तो तुम्हें लगेगा कि यह झोपड़ी एक महल है लेकिन अगर तुम्हारा दिल संकुचित है तो एक महल भी छोटा लगेगा कृपया दरवाजा खोलो हम कैसे किसी को इनके दरवाजे पर आने से मना कर सकते हैं अब तक हम सोते रहे हैं शायद तीन लोग लेट ना सके लेकिन कम से कम तीन बैठ सकते हैं हम सभी बैठेंगे तो एक और आ सकता है पत्नी को दरवाजा खोलना पड़ा व्यक्ति भीगा हुआ था वे साथ में बैठे और बातचीत करने लगे कुछ ही समय बाद और दो लोग आए और दरवाजे पर खट लगता है कोई और आया है और उसने उस मेजबान से कहा जो दरवाजे के सबसे करीब बैठा था कि वह दरवाजा खोले उस आदमी ने कहा दरवाजा खोलूं? यहाँ जगह ही नहीं है उस आदमी ने जो कुछ ही पल पहले ही इस कुटिया में शरण ली थी उसने भूल गया था कि उसको जगह मिली थी क्योंकि उसके पास फकीर के प्रति प्रेम था बल्कि उसने इसलिए शरण ली थी क्योंकि कुटिया में प्रेम था और अब कुछ नए लोग आ गए थे और प्रेम को नए आगंतुकों को अनुकूलित करना चाहिए था लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं दरवाजा खोलना आवश्यक नहीं है क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हम यहां बैठकर कितनी मुश्किल में हैं? फकीर ने कहा मेरे प्यारे आदम क्या मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं बनाई थी तुम्हें अनुमति दी गई क्योंकि यहाँ प्रेम है यह अब भी यहां है यह तुमके साथ समाप्त नहीं हुआ है कृपया दरवाजा खोलो अब हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं, इसलिए हम बस एक साथ घेर लेंगे इसके अलावा रात ठंडी है और हमें एक दूसरे के साथ इतना सुस्त बैठने का आनंद होगा दरवाजा खोला गया और दो नए आगंतुक आए वे सभी मिलकर बैठे और परिचित होने लगे फिर एक गधा आया और अपने सिर से दरवाजे को धक्का मारा गधा भीगा हुआ था उसको रात के लिए शरण चाहिए थी फकीर ने उस व्यक्ति में से एक से कहा जो दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था कि उसने उसे खोलने के लिए कहे कोई नया दोस्त आया है फकीर ने कहा दरवाजे की ओर झांकते हुए व्यक्ति ने कहा यह कोई दोस्त या कुछ भी दोस्त जैसा नहीं है बस एक गधा है दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है फकीर ने कहा शायद तुम्हें यह नहीं पता कि धनवान के दरवाजे पर लोगों को पशु की तरह व्यवहार किया जाता है लेकिन यह एक गरीब फकीर की कुटिया है और हमें सारे पशुओं को भी मानव बनाए रखने का आदान प्रदान है कृपया दरवाजा खोलो एक साथ लोगों ने कहा लेकिन जगह बहुत जगह है बैठने के बजाय हम सभी खड़े हो सकते हैं चिंता न करो यदि जरूरत पड़ी तो मैं बाहर जाकर पर्याप्त जगह बना लूंगा क्या प्रेम इतना नहीं कर सकता एक पूरे प्रेम भरे हृदय की आवश्यकता है हमें सभी को प्रेम भरे दृष्टिकोण की आवश्यकता है मानवता का जन्म केवल उस आदमी में होता है जब उसके पास एक प्रेम भरा हृदय होता है और एक प्रेम भरे हृदय के साथ एक गहरे संतोष का एहसास एक गहरे और प्रिय संतोष का एहसास आता है क्या आपने कभी ध्यान दिया है किसी को थोड़ा प्रेम दिखाने के बाद कि एक महान संतोष की लहर एक बड़े हर्ष की भावना आपकी सारी अस्तित्व को घेर लेती है क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे शांतिपूर्ण संतोष के क्षण वे थे जो बिना किसी शर्त के प्रेम के क्षणों में आए थे शुद्ध प्रेम केवल तब तक बरकरार रह सकता है जब यह शर्तों से मिलाजुला नहीं हो एक शर्त मुक्त प्रेम प्रेम नहीं है क्या आपने कभी अनजान से सड़क पर हंसी दिखाने के बाद किसी के प्रति संतोष की भावना महसूस की है क्या उसके पीछे शांति की हवा नहीं आई जब आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं जब आप एक गिरे हुए व्यक्ति का समर्थन करते हैं जब आप एक बीमार व्यक्ति को फूल देते हैं तब आप में एक शांति भरी हर्ष की लहर की कोई सीमा नहीं है लेकिन जब आप ऐसा करते हैं क्योंकि वह आपके पिताजी हैं, या क्योंकि वह आपकी माँ है तो नहीं हाँ व्यक्ति आपके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं हो सकता है लेकिन सिर्फ एक उपहार देना स्वयं में एक महान पुरस्कार एक बड़ी खुशी है प्रेम आपके अंदर बहना चाहिए पौधों के लिए प्रेम मानवों के लिए प्रेम अज्ञातों के लिए प्रेम विदेशियों के लिए प्रेम चंद्रमा और तारों की ओर जाने वालों के लिए प्रेम आपका प्रेम सदैव बढ़ता यौन संभावना उसमें प्रेम की वृद्धि के साथ कम होती है प्रेम और ध्यान उस दरवाजे को खोलेंगे जो भगवान का है मिलकर प्रेम और ध्यान भगवान को छूते हैं और फिर एक मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य फूल खिलता है तब पूरी जीव शक्ति एक नए रास्ते से ऊपर चढ़ती है तब यह सीधे से बाहर नहीं गिरती तब यह कभी भी पीछे नहीं हटती ऊर्जा अंदर से ऊपर बढ़ती है यह स्वर्ग की ओर अपने यात्रा पर बढ़ रही है हमारा सफर वर्तमान में नीचे के स्तरों की ओर है प्राकृतिक रूप से ऊर्जा केवल नीचे की ओर बहती है योनि में लेकिन ब्रह्मचर्य ऊपर की ओर यात्रा है और प्रेम और ध्यान ब्रह्मचर्य के मौलिक घटक हैं। कल हम ब्रह्मचर्य के माध्यम से हासिल क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम क्या प्राप्त करते हैं यह हमें किस स्तर तक ले जाना है आज मैंने आपसे दो चीजों की बात की प्रेम और ध्यान मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण को शिशु चरण से ही शुरू होना चाहिए लेकिन आपको इससे यह नहीं निकालना चाहिए कि क्योंकि आप अब बच्चे नहीं हैं, तो आपके लिए कुछ बचा नहीं है उसके बाद मेरी मेहनत बेकार जाती है आपकी आयु जो भी हो इस अच्छे कार्य को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं हालांकि आयु के साथ साथ कड़ी हो जाती है इस मार्ग पर यात्रा को किसी भी जीवन के चरण में प्रारंभ किया जा सकता है बचपन में इस यात्रा की शुरुआत करना बेहतर है लेकिन जीवन के किसी भी स्टेज पर इसे लेना अच्छा है आप आज ही शुरू कर सकते हैं जो बड़े हैं और सीखने के लिए इच्छुक हैं, वे वर्षों की आयु में भी बच्चे हैं। वे भी फिर से शुरुआत कर सकते हैं वे भी सीख सकते हैं अगर उन्होंने यह नहीं ग्रहण किया है कि उन्हें पहले ही सब कुछ पता है या कि उन्होंने पहले ही सभी इच्छनीय चीजें हासिल कर ली है गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिन्होंने बहुत सालों तक भक्ति की थी और एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा भिक्षु तुम्हारी आयु क्या है भिक्षु ने जवाब दिया पांच साल बुद्ध हैरान हो गए पांच साल का तुमसे कम से कम सत्तासी लगते हो यह कैसा जवाब है भिक्षु ने कहा मैं इसलिए यह कहता हूँ क्योंकि ध्यान की किरण मेरे जीवन में पांच साल पहले प्रवेश की और केवल पिछले पांच सालों से ही प्रेम मेरे जीवन में बौछार करता है उससे पहले मेरा जीवन सपने की तरह था मैं सोता रहता था जब मैं अपनी आयु गिनता हूँ तो मैं उन वर्षों को नहीं गिनता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ मेरा वास्तविक जीवन पांच साल पहले ही शुरू हुआ था मैं सिर्फ पांच साल का हूं। बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों से कहा कि धिक्कार है कि भिक्षु का जवाब अच्छे से नोट करें तुम्हें सभी इसी तरह से अपनी आयु गिननी चाहिए यह आयु गिनने का मानक है अगर प्रेम और ध्यान अब तक तुम में उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो तुम्हारा जीवन अब तक अव्यर्थ है तुम अब तक पैदा नहीं हुए हो लेकिन यह कभी भी इतना देर नहीं होता कि तुम कोशिश करना नहीं शुरू कर सकते हमें सभी एक उच्च जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है तो मेरे शब्दों से यह निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि आप बचपन से हो गए हैं कि यह चर्चा केवल भविष्य की पीढ़ियों के लिए है कभी भी किसी भी आदमी ने इतनी दूर गलत रास्ते पर नहीं जाया है कि वह सही रास्ते पर लौट नहीं सकता किसी ने ऐसा दुर्मार्गी हो गया है कि वह सच्चे प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता है तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि इस यात्रा के लिए बहुत कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं है उन उपलब्धियों में और संतुष्टि में सकारात्मकता के स्वर्ग में प्रबोध के पहले दिखने में जो प्रयास आपने किए हैं उनसे बहुत बड़ा है उस प्रकाश की एक झलक उस आनंद उस सत्य की झलक से ही हमें यह एहसास होता है कि हमने इतना कुछ इतने छोटे प्रयास के साथ प्राप्त किया है यह हमें दिखाता है कि हमने बहुत ही तुच्छ प्रयासों के साथ अनमोल प्राप्त किया है कृपया मेरे शब्दों को गलत दृष्टिकोण में ना देखें। यह मेरी विनम्र अनुरोध है आप सभी से। सेक्स सुपर एटम एक कहानी है एक छोटे गांव के स्कूल में एक शिक्षक रामा की कहानी पढ़ा रहा था लगभग सभी बच्चे सो रहे थे इस प्रकार की घटना रामायण की पाठशाला में असामान्य नहीं थी इस समय बड़े भी ऐसा ही करते हैं कहानी को इतनी बार बताया गया है कि इसने अपनी महत्ता खो दी है नवीनता चली गई है शिक्षक मैकेनिकली पढ़ रहा था अपने सामने खुली किताब की ओर देखते भी नहीं और एक बाहरी व्यक्ति ने यह भी देख सकता था कि वह भी सो रहा था उसने इसे दिल से याद किया था और एक तोते की तरह किसी कहानी की घटनाएं बयान कर रहा था उसे यह पूरी तरह से एहसास नहीं था कि वह क्या कह रहा था जो कुछ कुछ किसी ने मुहावरे में याद किया है उसे कभी पता नहीं चलता कि वह क्या कह रहा है अचानक कक्षा में एक सनसन हुआ निरीक्षक आ गया था छात्र ध्यानवत्ता में आ गए और शिक्षक भी होशियार हो गए शिक्षक पाठ जारी रखते हैं निरीक्षक ने कहा मैं खुश हूं कि देख रहा हूं कि तुम रामायण सिखा रहे हो मैं बच्चों से रामा के बारे में कुछ पूछूंगा यह मानते हुए कि बच्चे ब्रेक हुए वस्तुओं या युद्धों की कहानियों को आसानी से याद रखते हैं उन्होंने एक साधारित प्रश्न पूछा बच्चों मुझसे बताओ कौन ने शंकर के धनुष को तोड़ा एक लड़का ने हाथ उठाया खड़ा होकर कहा क्षमा करें सर मैंने नहीं तोड़ा मैं पंद्रह दिन के लिए बाहर गया था और मुझे नहीं पता कि कौन ने तोड़ा मैं यह अब तक स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी स्कूल में कुछ होता है तो मुझे इसके लिए पहला इल्जाम किया जाता है यह निरीक्षक को एक अचानक झटका मारा उसने शिक्षक की ओर मुड़ा जो अपना छड़ी उठाने के लिए था और शिक्षक से सुना यह निश्चित रूप से अपराधी है यह सभी में सबसे बुरा है उसने लड़के को डांप दिया अगर तुमने यह नहीं किया तो तुमने फिर क्यों खड़ा होकर कहा कि तुमने नहीं किया उसने निरीक्षक से कहा इस लड़के की मिठी बातों से बहक नहीं जाना चाहिए निरीक्षक ने सोचा कि बेहतर होगा कि उसने कुछ नहीं कहा इसलिए उसने बस मुड़कर कक्षा छोड़ दी लेकिन उसका क्रोध था और उसने सीधे हेडमास्टर के कार्यालय गया और घटना को पूरी तरह से समविवेचना की उसने पूछा कि हेडमास्टर इसके बारे में क्या कद उठाने का इरादा कर रहे हैं हेडमास्टर ने निरीक्षक से कहा कि इस मुद्दे को और भी आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है उसने व्याख्या की कि आजकल छात्रों के साथ कुछ कहना खतरनाक हो गया है चाहे वह कोई भी हो जिसने भी धनुष तोड़ा हो उसने कहा मुद्दा छोड़ दो स्कूल में पिछले दो महीनों से शांति रही है उससे पहले छात्रों ने बहुत सारा फर्नीचर तोड़ा और जलाया चुप रहना बेहतर है इन दिनों उनसे कुछ कहना केवल गंभीर समस्या को आमंत्रित करेगा कभी भी हड़ताल धरना मौन उपवास हो सकता है निरीक्षक चौंक गए उन्होंने पूरी तरह से हैरान हो गए उन्होंने स्कूल समिति के अध्यक्ष के पास जाकर उसे बताया कि क्या हुआ था कि एक कक्षा में रामायण सिखाया जा रहा था कि एक लड़का ने कहा कि उसने शंकर के धनुष को नहीं तोड़ा है कि शिक्षक ने कहा कि लड़का अपराधी होना चाहिए कि हेडमास्टर ने याचिका की कि यह मामला छोड़ दिया जाए चाहे जिम्मेदार कौन भी हो कहते हैं कि इसे अनुसंधान करना अच्छा नहीं है कि इसकी निरंतर हड़ताल आदि की भयंकर आशंका है इत्यादि इत्यादि निरीक्षक ने चेयरमैन से अपने दृष्टिकोण के बारे में पूछा चेयरमैन ने कहा कि उन्हें लगता है कि हेडमास्टर ने अपनी नीति में बुद्धिमानी दिखाई है और इसके अलावा उन्होंने जोड़ा अपराधी के बारे में परेशान मत हो जाओ चाहे जो धनुष तोड़ा हो समिति उसे मरम्मत करवा लेगी कारण की खोज करने की बजाय उसे मरम्मत से पूरी तरह से बिजगस्ट हो गए थे ने अपने अनुभव को मुझसे साझा किया मैंने उससे कहा कि उसकी कहानी में मौलिक रूप से कुछ नया नहीं है इसमें कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हुए गर्वित होना एक सामान्य मानव कमजोरी है किसी को भी शंकर के धनुष तोड़ने के बारे में कुछ याद नहीं रहा क्या यह उन्हें पूछना बेहतर नहीं था कौन सा शंकर लेकिन कोई भी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कोई आदमी इतना साहसी नहीं है यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खाई रही है यह कमजोरी ने आत्महत्या कर ली है हम ऐसा कारण बनते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को गड़बड़ करते हैं हमारे सभी सभी समस्याओं के सभी उत्तर उस लड़के, उस लड़के, शिक्षक, हेडमास्टर और चेयरमैन के जैसे हैं। सवाल को समझे बिना जवाब देने का प्रयास एक व्यक्ति को मूर्ख बना देता है यह पूरी तरह से आत्मवशिष्टता है इसके अलावा इसमें उदासीनता की दृष्टिकोण भी है उदासीन आदमी पूछेगा सच में क्या हमें यह नहीं पता होने पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि, कि किसने शंकर का धनुष तोड़ा इस मूर्ख कहानी के समस्याओं के बिना जीवन में और भी गहरी रहस्यमय समस्याएं हैं और उनके उचित समाधान पर निर्भर करता है कि जीवन श्रेष्ठ हो सकता है या नहीं क्या जीवन सामंजस्यपूर्ण हो सकता है या नहीं क्या हमारी वर्तमान दिशा प्रगति के लिए सही है या नहीं इत्यादि हम सोचते हैं कि हम जवाब जानते हैं लेकिन परिणाम दिखाते हैं कि हमारी जीवन रुचिकर दृष्टिकोण वास्तव में कितना अशुद्ध है हमारा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यह दिखाता है कि हम जीवन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते अन्यथा इतनी निराशा इतना कष्ट इतनी चिंता कैसे हो सकती है मैं यही बात सेक्स के बारे में हमारे ज्ञान के संदर्भ में कहता हूँ हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं शायद आप सहमत न हो आप तर्क करेंगे शायद हम सोल या भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानते आप संभावित है कि आप उत्तर देंगे कि आपकी पत्नी है और आपके बच्चे हैं और फिर मैं आपको कहने का साहस करता हूँ कि आप सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हालांकि यह आपको मेरे बोलने से सहमत होना बहुत कठिन हो सकता है आपने सेक्सुअल अनुभव किए हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक जानवर की तरह सेक्स के बारे में कुछ नहीं है एक प्रक्रिया को मैकेनिकली अनुभव करना उसे जानने के लिए केवल काफी नहीं है एक आदमी ने एक हजार मील की यात्रा की हो सकती है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसे इंजन के बारे में कुछ भी पता हो वह मेरे कथन का मजाक कर सकता है कहते हुए कि उसने बस एक हजार मील चलाई है लेकिन मैं अभी भी आरोप लगाने का साहस करता हूँ कि उसे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है मैं दोहराता हूँ गाड़ी चलाना इंटरनल मैकेनिज्म को जानने से अलग है एक आदमी एक स्विच दबाता है और प्रकाश हो जाता है उसने इसे अंगिनत बार किया है वह कह सकता है कि वह बिजली के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वह इसे इच्छानुसार चालू या बंद कर सकता है और हम कहेंगे कि वह एक मूर्ख है कि एक बच्चा भी एक स्विच को चालू और बंद कर सकता है कि इसमें बिजली के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी विवाह करने की योग्यता है किसी को भी संताने पैदा करने की क्षमता है इसका सेक्स के ज्ञान से कुछ संबंध नहीं है जानवर संतान उत्पन्न करते हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सेक्स के बारे में है कुछ पता कि है। कि यौन वैज्ञानिकता की पूरी तरह से अध्ययन नहीं हुआ है यौन के विषय पर कोई दार्शनिक या विज्ञान की विकसिति नहीं हुई है क्योंकि सभी लोग मानते थे कि उन्हें यौन के बारे में सब कुछ पता है किसी ने यौन के लिए एक शास्त्र एक विज्ञान या पूरी तरह का यौन विचार को आवश्यकता नहीं महसूस की यह मानवता का एक बहुत गंभीर भूल है जिस दिन हम पूरी तरह से एक यौन शास्त्र एक विज्ञान या यौन पर पूर्ण विचार तंत्र विकसित करेंगे हम एक नए प्रकार के मानव जन्म को उत्पन्न करेंगे फिर इस पृथ्वी पर ऐसे कोई भी दुखद बेस्वाद लंगड़े और कमजोर मानव नहीं होंगे बीमार कमजोर कुआरे आदमी इस पृथ्वी पर और नहीं दिखाई देंगे वर्तमान पीढ़ी का निर्माण जारी रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है जो पाप और अपराध से उत्पन्न हुई है लेकिन हम इसकी जानकारी में नहीं है हम बिजली के बारे में सब कुछ जानते हैं और सोच लिया है कि हम बिजली के बारे में सब कुछ जानते हैं एक आदमी अपने जीवन के अंत तक यह नहीं समझ पाता कि यौन क्या है उसे केवल चालू और बंद का पता होता है और कुछ नहीं हम कभी भी यौन विषय पर गहराई से नहीं जाते कभी भी यौन के अभ्यास पर विचार नहीं करते कभी भी इसके की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम मानते हैं कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है जब पहले से ही सभी कुछ जानते हैं तो इस विषय पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और उसी सांस में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया और जीवन में यौन से अधिक गहरा रहस्य कोई और गहरा रहस्य कोई और विषय नहीं है और हम इसके बारे में पूरी तरह से अंधकार में हैं। हम कभी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते एक आदमी अपने जीवन में संबंध बनाए रखता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह क्या है पहले दिन जब मैं शून्य अहंकारहीनता और नोमाइन के बारे में बात कर रहा था बहुत से दोस्त नहीं माने बाद में एक दोस्त ने मुझसे कहा मैंने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया लेकिन जो तुम कह रहे हो वह हो गया है एक किसी महिला ने मुझसे कहा मेरे साथ तो यह कभी नहीं हुआ है जब तुमने इसके बारे में बात की तो मुझे याद आया कि मेरा मन शांत और संतुष्ट हो जाता है लेकिन मैंने कभी भी अहंकारहीनता या किसी और गहरे अनुभव को महसूस नहीं किया है शायद बहुत से लोगों ने पहले इस पर विचार नहीं किया हो इसलिए हम कुछ बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें पहली बात तो यह है कि मनुष्य यौन विज्ञान के पूर्व ज्ञान के साथ जन्म नहीं लेता है वे व्यक्तियां ही दुर्लभ है जो अपने कई पूर्व जन्मों के अनुभवों की छाया रखकर यौन कला यौन युद्ध की रणनीति या यौन की जटिलताओं को पूरी तरह समझ सकते हैं ये आत्माएं ही वे हैं जो वास्तविक ब्रह्मचर्य के स्थान तक पहुंच सकती है एक व्यक्ति के लिए जो यौन की पूर्ण वास्तविकता पूर्ण प्रभाव से परिचित है वहां यौन अर्थहीन हो जाता है उस व्यक्ति को यह बस तब ही अनुकरण करता है वह उससे पार कर जाता है लेकिन हमारे परंपरा में है कि हम उन लोगों के साथ यौन की चर्चा नहीं करते जिन्होंने पहले ही पारमार्थिकता को प्राप्त कर लिया है साथ ही जिन्होंने ब्रह्मचर्य की शुद्धता तक पहुंच गए हैं वे महान प्रयास के बाद ही अपने पूर्व जन्मों और जीवनों के बारे में कह सकते हैं केवल एक पूर्ण ब्रह्मचारी ही यौन और दिव्यता के बारे में पूर्ण सत्य को प्रकट कर सकता है इंद्रियवादी को सूक्ष्मताओं में से कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनकी अज्ञानता के कारण उनका जीवन अंत तक यौनता में डूबा रहता है पहले ही मैंने बताया है पशुओं के लिए यौन संबंध का एक कार्यक्रम होता है उनका एक सीजन होता है पशु मूड का भावना का इंतजार करते हैं लेकिन मनुष्य के लिए इसका कोई निश्चित समय नहीं होता इसका कारण क्या है यह इसलिए है क्योंकि पशु मनुष्य से गहरे स्तर पर यौन, में यौन का अध्ययन किया है जिन्होंने इस पर गहराई से जानकारी प्राप्त की है जिन्होंने जीवन के विभिन्न अनुभवों पर ध्यान दिया है उन्होंने यह निर्धारित किया है कि यदि संबंध केवल एक मिनट तक ही बने रहते हैं तो एक आदमी को अगले दिन फिर से इच्छा होगी लेकिन यदि इसे तीन मिनटों तक बढ़ाया जा सकता है तो वह एक हफ्ते तक यौन की चिंता नहीं करेगा इसके अलावा उन्होंने देखा है कि यदि संबंध सात मिनटों तक बढ़ाया जा सकता है तो एक आदमी यौन से इतना मुक्त हो जाएगा कि उसमें आंख की कोई भावना नहीं उत्पन्न होगी तीन महीने तक और यदि संबंध का समय तीन घंटे तक बढ़ाया जा सकता है तो एक आदमी यौन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा उसमें कभी भी इच्छा नहीं आएगी लेकिन मनुष्य का अनुभव सामान्यत एक पल के लिए होता है तीन घंटे की अवधि की तकनीक को यहाँ तक की विचार करना कठिन है हालांकि मैं पुनः उत्कृष्ट यौन समर्पण की ओर जाने के लिए तीन घंटे तक संबंध में रह सकता हूँ तो एक ही यौन संबंध उसे बाकी जीवन के लिए मुक्त करने के लिए पर्याप्त है यह एक ऐसा संबंध है जो संतोष की अनुभूति आनंद की अनुभूति छोड़ता है जो जीवन भर तक रहता है पूर्ण संबंध के बाद वास्तविक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिए कोई बाधा नहीं बचती है यहां तक कि एक पूरे जीवन के यौन अनुभव के बावजूद हम कभी भी उस उच्च स्तर के पास नहीं पहुंचते उस दिव्यता के पास नहीं पहुंचते एक आदमी एक पूरे बूढ़े आयु तक पहुंचता है अपने जीवन के अंत तक आता है लेकिन उसका यौन इच्छा उसका संबंध के प्रति उत्कृष्टता के बारे में कभी भी मुक्त नहीं होता है क्यों इसलिए कि उसने कभी यौन कला यौन विज्ञान के बारे में नहीं समझा है और उसे इसके बारे में कभी बताया नहीं गया है उसने इस पर विचार नहीं किया है उसने उसे उज्जवल चेता वालों के साथ कभी चर्चा नहीं की है आप यह सक्षम हो सकते हैं कि एक ऐसे अनुभव को जो सामान्य एक पल के लिए होता है उसे तीन घंटे तक बढ़ाया जा सकता है इस पर आप संदेह व्यक्त कर सकते हैं इसलिए मैं आपको कुछ संकेत दूंगा यदि आप इन पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मचर्य का सफर सरल हो जाएगा जितनी तेज श्वास होगी उतनी ही संबंध की अवधि कम होगी जितनी शांत और धीरे श्वास होगी उतनी ही यह बढ़ाया जा सकता है और जो अधिक समय तक संबंध बना रहता है उसमें यौन को समाधि का द्वार अतीन्द्रियता का संवाहक बनाने की अधिक संभावना है जैसा कि मैंने पहले कहा अहंकारहीनता अकालीनता की अनुभूति वह सभी मनुष्य को यौन समाधि में प्राप्त होती है श्वास बहुत धीरे होना चाहिए श्वास की मंदता अनुभूति की और भी गहरी और गहरी दृष्टि खोलेगी संबंध के क्रियान्वय में एक और बात यह है कि आपका ध्यान आपकी आग्निचक्र में आंखों के बीच केंद्रित होना चाहिए यदि ध्यान वहां केंद्रित है तो सीमांत की अवधि को बढ़ाया जा सकता है यहाँ तक कि तीन घंटों तक और ऐसा संबंध का क्रियान्वय एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की मिट्टी में मजबूती से पूर्णता प्राप्त कर सकता है न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आगामी जीवन के लिए भी एक महिला लिखती है कि विनोबा ब्रह्मचारी है और पूछती है कि क्या मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि उसके पास संबंध में कभी समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा उसने जारी रखा कि क्योंकि मैं भी एक ब्रह्मचारी और अविवाहित हूँ इसलिए मेरे पास भी समाधि का अनुभव नहीं हो सकता यदि वह यहाँ मौजूद है तो मैं उसे यह कहना चाहता हूँ कि न तो विनोबा न मैं और न ही कोई भी अन्य व्यक्ति यौन के अद्वितीय अनुभव के बिना ब्रह्मचर्य के स्तर और महत्व को नहीं समझ सकता है मैं उसे यह भी बताना चाहता हूँ कि अनुभव इस जीवन का हो सकता है या यह पिछले जन्म का हो सकता है जो इस जीवन में ब्रह्मचर्य प्राप्त करता है उसका कारण पिछले जीवन में एक गहरे संबंधी संबंध में होता है और किसी और चीज में नहीं यही केवल विवरण है यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में यौन के गहरे अनुभव की है तो उसे इस जीवन में यौन से मुक्त होकर जन्म होगा यौन उसे परेशान नहीं करेगा उसकी कल्पना में भी नहीं बल्कि वह आश्चर्यचकित होगा कि लोग यौन के बारे में ऐसा कैसे व्यवहार करते हैं उसे यह आश्चर्य होगा कि लोग यौन के लिए इतने पागल क्यों हैं। ऐसे व्यक्ति को यह भी कठिनाई होगी कि एक मर्द और एक महिला में भेद करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति यह कल्पना करता है कि वह बचपन से ही एक ब्रह्मचारी बन सकता है कि वह बिना किसी यौन अनुभव के एक ब्रह्मचारी बन सकता है तो वह एक तंत्रिका बन जाएगा जो हमेशा ब्रह्मचर्य पर हंस रहे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की चीख रहे हैं वे मानव की विकटन का कारण हो रहे हैं इससे इससे अधिक कुछ नहीं आ सकता है ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जा सकता ब्रह्मचर्य केवल आंतरिक अनुभव के मलाई के रूप में होता है ब्रह्मचर्य शांत और गहरे अनुभव का परिणाम है और वह अनुभव यौन का है यदि संबंध के दौरान किसी ने एक अभ्यंतर दर्शन हदबदाहट किया है भले ही एक बार ही क्यों न हो तो उसे यौन से मुक्त किया जाता है जीवनों के अनंत सफर के लिए अनुभव को प्राप्त करने के लिए दो कारकों पर चर्चा की है व्यक्ति की श्वास छोटा होना चाहिए इतना छोटा कि वह लगभग बिल्कुल न हो और व्यक्ति का ध्यान अग्निचक्र आंखों के बीच के केंद्र पर होना चाहिए जितना अधिक व्यक्ति का ध्यान इस केंद्र पर केंद्रित होगा उतना ही संबंध स्वतः ही गहरा होगा और संबंध की अवधि श्वास की मंदता के सीधे प्रतिशत के हिसाब से होगी और तब पहली बार आप यहाँ तक पहुँचेंगे कि आकर्षण वास्तव में संबंध के लिए नहीं है यह समाधि का है यदि आप उन ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं यदि आप उस प्रकाश को झलक सकते हैं तो यह आपके भविष्य का मार्ग प्रकाशित करेगा बहुत समय से एक आदमी एक गंदे मलिन कमरे में पड़ा हुआ है दीवारें टूटी हुई और दागदार है फिर वह उठता है और एक खिड़की खोलता है अब वह आसमान में चमकते हुए रौंगत देख सकता है अब वह पंख फैलाकर आसमान में मुक्तिपूर्ण उड़ान भरते हुए पक्षियों को देख सकता है अब एक आदमी जोने में अचानक से गहरे आसमान सूर्य और चंद्रमा उड़ने वाले पक्षियों हिलते हुए पेड़ों और सुगंधित फूलों के बारे में जान जाता है वह एक गंदे मलिन अंधेरे कमरे में एक मिनट भी और नहीं रुकेगा वह खुद को खुले आसमान के नीचे दौड़ाएगा जिन्होंने संबंध में समाधि की झलक पाई है हो सके बहुत अल्पकालिक हो वह तुरंत अंदर और बाहर आजादी और कैद में अंतर को जानेंगे लेकिन किसी तरह हम सभी टाइट सेलो में जन्मे हैं, दीवारों से घेरे गए हैं और वे अंधेरे और गंदे हैं। बाहिक जगह का अनुभव करना आवश्यक है यह ज्ञान आखिरकार हमें उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है लेकिन एक व्यक्ति जो खिड़की नहीं खोलता है और कोने में बैठकर कहता है कि उसे गंदे घर के बारे में पता नहीं करना है वह अपनी स्थिति को एक भी बिट बदल नहीं सकता है वह सदैव गंदे घर में ही रहेगा एक स्वयं घोषित ब्रह्मचारी भी सेक्स के कक्ष में उतनी ही बंदी है जितना कोई और उस और आप के बीच एकमात्र अंतर यह है कि उसका बंद हो गया है जबकि आपकी आंखें खुली है जो आप शारीरिक रूप से करते हैं वह मानसिक रूप से करता है और इसके अलावा शारीरिक क्रिया प्राकृतिक है लेकिन इसकी परायण अवस्था में इसका विकृतिकरण है इसलिए मैं आपसे सेक्स के खिलाफ नहीं बल्कि इसे सहानुभूति पूर्वक समझने का प्रयास करने की प्रेरित करता हूं अपने जीवन में सेक्स को एक पवित्र स्थान दें हमने पहले ही दो मार्गदर्शिका पर चर्चा की है तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए यह है कि आपके दृष्टिकोण का दृष्टिकोण समय के समय पर हम ईश्वर के करीब होते हैं ईश्वर उस सृष्टि के क्रियावली में मौजूद है जो एक नए जीवन को जन्म देती है और इसलिए व्यक्ति का दृष्टिकोण एक मंदिर या एक चर्च की तरह होना चाहिए समय के समय पर आत्मा के सबसे करीब होते हैं हम हम यंत्र बन जाते हैं एक नया जीवन अस्तित्व में पहुंचा जा रहा है हम एक बच्चा बना रहे हैं कैसे संबंध के समय हम सर्वोत्तम से सर्वोत्तम से सबसे करीब है रचनाकार खुद और उसकी छाया हमें भी रचनाकारों में बदल देती है यदि हम पवित्र मन और श्रद्धा भाव से सेक्स के पास आते हैं तो हम उसे देखने में आसानी से उनके परिमाण को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हैरानी है कि हम सेक्स के पास उदासी असहमति, दोष भावना के भावना के साथ पहुंचते हैं और हम निर्माणकर्ता की अस्तित्व की अनुभूति करने में असमर्थ होते हैं किसी भी समय यदि हम दुख, क्रोध या निराशा में हैं, तो हमें कभी भी सेक्स के पास नहीं जाना चाहिए एक प्रसन्न आदमी सेक्स के पीछे नहीं दौड़ता है लेकिन एक दो आदमी सेक्स में चला जाता है क्योंकि वह इसे अपनी दोहक से पूर्ण भाग्य से देखता है लेकिन ध्यान रखें, यदि आप दुख आक्रोश निंदा या उदासी के साथ सेक्स के पास जाते हैं तो आप कभी भी उस संतोष उस अनुभव को प्राप्त नहीं करेंगे जिसके लिए आपकी पूरी आत्मा प्यासी है मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके चिरपित होने पर ही केवल जब आप खुश हो केवल जब आप प्रेम भरे हो और आखिरकार केवल जब आप प्रार्थना पूर्वक हो तभी आपको संबंध बनाने का विचार करना चाहिए एक ऐसा आदमी जो इस प्रकार के तरीके से संबंध बनाता है वह उच्चीकरण प्राप्त कर सकता है और अंतिम अनुभव एक बार ही सही है उसे संबंध से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है एक ही अनुभव के साथ आप एक बार बारीकी तोड़ सकते हैं और समाधि के परिसर में प्रवेश कर सकते निकलता है वह बहुत असंतुलन में होता है यह उसी प्रकार है जैसे कोई पेड़ मिट्टी से उखाड़ा जाता है उसकी पूरी बड़ी चाह है कि वह पुनः पृथ्वी के साथ मिल जाए उसका पृथ्वी से संबंध उसका जीवन उसकी ऊर्जा उसका पोषण है इसे उखाड़ दिया गया है और अब यह पुनः जाने के लिए क्रोध करता है क्योंकि अब इसने जीवन रेखा से छुटकारा पा लिया है एक शिशु माता के गर्भ से बाहर आते ही अपनी दुनिया से काटा जाता है और अब इसकी आत्मा इसका पूरा होना माता स्रोत के साथ पुनर्मिलन करना चाहती है यह वाक्य से प्रेम की प्यास को ही हम क्या समझना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह प्रेम के देने और लेने में प्रवृत्त हो प्रत्येक को जीवन की धारा के साथ पुनः संबंधित होना है और वह एक मर्जी संबंध एक पुरुष और एक स्त्री के संबंध में आता है सेक्स मौलिक एकता की पुनः अनुभूति है एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा बहुत गहरा महत्व है इस दो मानव के एकीकरण में ईगो इस दो मानव के एकीकरण में ईगो भापता है एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में इस एकता इस प्रेम और एकता की तलाश की सारी सारी कर को समझता है वह इस संबंध के और एक प्रकार की एकता का अर्थ भी समझ सकता है एक योगी एकता करता है एक तपस्वी एकता करता है एक संत एकता करता है एक ध्यानी एकता करता है व्यक्ति संबंध में भी एक होता है उसकी पहचान उसके दूसरे व्यक्ति की पहचान के साथ मिलती है और वे एक हो जाते हैं समाधि में व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एक होता है और उसके साथ एक हो जाता है सेक्स में दो व्यक्तियों का मिलन होता है जबकि समाधि में व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है दो व्यक्तियों के बीच का मिलन अस्थाई है लेकिन व्यक्ति का ब्रह्मांड के साथ एक होना शाश्वत है कोई भी दो लोग सीमित व्यक्तियां हैं और इसलिए उनका संबंध अनंत नहीं हो सकता सदैव स्थायी नहीं हो सकता है और यहाँ बात यह है विवाह और भौतिक प्रेम की सीमा की है हम सदैव एक होने के लिए नहीं जुड़ सकते हैं हम एक सुकून के पल के लिए मिलते हैं लेकिन फिर हमें पुनः अलग होना होता है इस विचार में दुखदता है और इसलिए प्रेमी हमेशा निराशा की स्थिति में रहते हैं दूसरा व्यक्ति इस अवस्था के कारण इस अवस्था के भावना इस अकेलापन की भावना के कारण प्रतीत होता है और संबंध में क्रोध प्रकट होता है जानी लोग कहेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच दो बिल्कुल विभिन्न पहचाने हैं और कि वे अस्तित्व के रूप में स्थायी रूप से मिल सकते हैं पर संजीवनी रूप से नहीं रह सकते कि यह अदृढ़ प्रेम की वजह से प्रेमी के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है और एक दूसरे की तिरस्कृति होती है कि तनाव कला परायापन की भावना और कभी कभी नफरत की भावना आती है और यह इसलिए है कि एक अन्य व्यक्ति अस्वीकारी हो सकता है और इसलिए सम्मिलन पूरा नहीं होता है लेकिन इस अपूर्णता के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं जा सकता मानव अस्तित्व सीमित होते हैं और उनका सम्मिलन भी केवल सीमित हो सकता है उनका मिलन कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है शाश्वत मिलन केवल ईश्वर ब्रह्मा अस्तित्व के साथ ही हो सकता है जिन्होंने संभोग की उक्ति की सूक्ष्मता को समझा है वे कल्पना कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति के साथ एक क्षण का संयोजन इतनी आनंद दे सकता है तो शाश्वत से मिलने का परिणाम कैसा होगा लेकिन सामान्य आदमी उस उच्चतम आनंद की सीमा तक तकनीक तक पहुंच ही नहीं सकता है यह अत्यद्भुत आकाशीय शब्दों के परे हैं यह शाश्वत आनंद है मानो आप मोमबत्ती के सामने बैठे हैं जामिति की कोशिश कर रहे हैं कि मोमबत्ती के प्रकाश और सूरज के प्रकाश में अंतर को कैसे कल्पित करें तुलना का प्रयास निराशाजनक है एक मोमबत्ती इतनी छोटी चीज है और सूरज इतना बड़ा है लगभग हमारी पृथ्वी से साठ हजार गुना बड़ा है हालांकि यह तिरानवे मिलियन मील दूर है यह हमें गर्म करता है हमें जलाता है इसलिए हम कैसे संज्ञान में अंतर की माप कर सकते हैं मोमबत्ती के प्रकाश और सूरज के प्रकाश के बीच लेकिन आकाशीय संख्या चाहे जैसी हो इस अंतर की माप करना गणितात्मक रूप से संभव है क्योंकि दोनों मानव ज्ञान के दायरे के भीतर हैं, अंतर की जांच की जा सकती है लेकिन यौन संबंध के उत्कृष्टता और समाधि की शाश्वत आनंद के बीच अंतर को मूल्यांकन करना असंभव है दो कालिक अस्तित्वों का सैकड़ों संबंध आत्मभ्रंशी है विश्वजड़ के साथ एक समय में मिलने से कोई भी अपने आप को एक समुद्र के एक बूंद की भांति खो देता है इन्हें तुलना करने का कोई तरीका नहीं है इस संबंध की मात्रा को मापन करने के लिए कोई छूने के बाद भी यौन आकुलता का इच्छुक होगा क्या कोई इस क्षणिक सुख के बारे में सोचेगा ही नहीं जब उसने शाश्वत सागर को प्राप्त कर लिया है शाश्वत का एक झलक इंसान को यह सिखाती है कि इंद्रिय सुख बेहद अर्थहीन है कि इसके बराबर में यह पागलपन है तब व्यक्ति के वर्तमान के आकुलता शीघ्र ही अप्रिय हो जाती है तब वे एक ड्रेन की तरह ऊर्जा का अपशिष्ट कष्ट का कारण होने लगते हैं। जब इस निश्चितता का संस्कार एक व्यक्ति पर होता है तो वह अपने लक्षित लक्ष्य ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ता है यौन संबंध से समाधि की ओर बहुत लंबा सफर है समाधि ही अंतिम लक्ष्य है यौन संबंध केवल पहला कदम है और मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग पहले कदम को पहचानने से इनकार करते हैं जो पहले कदम की आलोचना करते हैं वे दूसरे कदम तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते उन्हें तो कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है पहले कदम को जागरूकता समझ और जागरूकता के साथ लेना अत्यंत आवश्यक है लेकिन सावधान रहें, यौन संबंध स्वयं में एक उद्देश्य नहीं है यौन संबंध प्रारंभ है प्रगति के लिए और भी और भी कदमों की आवश्यकता है लेकिन मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि इसने पहले कदम को लेने की तत्परता ही नहीं की है और फिर यह आशा करता है कि वह आखिरी तक पहुंचे एक आदमी पहले पायदान की तिरस्कृति करता है और फिर भी वाणी के शोभा का दावा करना चाहता है यह असंभव है हमें एक मोमबत्ती के हल्के प्रकाश को समझना सीखना होगा जो कुछ समय तक जीती है और एक में हवा द्वारा तुरंत बुझा दी जाती है ताकि हम सूरज के अर्थ को समझ सके आखिरी कदम के लिए उत्कृष्टता की इच्छा सूरज तक पहुंचने की उत्साहिता पहला कदम सही तरीके से आरंभ किया जाना चाहिए सही संगीत का उचित मूल्यांकन शाश्वत संगीत की ओर पथ प्रशस्त कर सकता है एक हल्की सी मोमबत्ती का अनुभव हमें अनंत प्रकाश की ओर ले जा सकता है एक बूंद को जानना समुद्र को जानने की पूर्वान है परमाणु के ज्ञान से सभी सामग्री शक्तियों के रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है पर्यावरण की शक्तियों की और फिर भी प्रकृति ने हमें यौन के एक छोटे से परमाणु से संपन्न किया है लेकिन हम उसे बिल्कुल पहचानते नहीं हैं। हम इसे पूरी तरह से स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए है कि हमारे पास न तो मानसिक स्पष्टता है और न रहस्य की भावना है उसे पहचानने समझने या अनुभव करने की और इसलिए हम सेक्स से समाधि तक पहुंचाने वाले उस प्रक्रिया को समझने से बहुत दूर है मानव जब इस अत्यंतता की प्रक्रिया को समझता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो वह एक नए और उच्च समाज का आरंभ करेगा आदमी और स्त्री दो विभिन्न ध्रुवाएं हैं, ऊर्जा की सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवाएं इन दोनों ध्रुवाओं का सही मिलन एक सर्किट को पूरा करता है और किसी प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है और इस बिजली की सीधी जानकारी संभव है अगर संबंध का समय जब आप एक दूसरे के प्रति गहरे और पूर्ण समर्पण में होते हैं और अगर यह समय और बढ़ाया जा सकता है यदि यह एक घंटे तक बढ़ा सकता है तो इससे स्वयं ही एक उच्च आवेग उत्पन्न होगा जिससे बिजली का एक हेलो उत्पन्न होगा यदि शरीर की धाराएं पूरी और समूची आलिंगन में है तो अंधकार में एक प्रकाश का क्षेत्र देखा जा सकता है इस ऊर्जा की बिजली का अनुभव करने वाले एक जोड़ी जीवन की सबसे अधिक पूरा कटारा पी रही है लेकिन हम इस प्रक्रिया के इस पुनर्वेगना के बारे में अनजान है हमें ऐसी चर्चा बहुत अजीब लगती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि हमने जो कुछ नहीं अनुभव किया है क्योंकि यह सामान्य अनुभव के क्षेत्र के बाहर है लेकिन मैं कहता हूँ यदि आपने इस अनुभव का सामना नहीं किया है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए और पुनः प्रयास करना चाहिए आपको अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए विशेषकर यौन के अध्याय की यौन को सिर्फ आनंद का यंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी होना चाहिए यौन एक तात्कालिक प्रक्रिया है मेरा ख्याल है कि ईसा की जन्म या महावीर या बुद्ध का जन्म यादृच्छिक नहीं था प्रत्येक जन्म दो लोगों के पूर्ण संबंध का फल था जितना गहरा मिलन उतना ही बेहतर अवस्था होता जो अधिक आदमी संबंध करता है वह उत्तम अवस्था होता है जो कम अवस्था में होता है वह खराब अवस्था होता है लेकिन आजकल मानवता का कैलिबर नीचे जा रहा है कुछ लोग इसे नैतिक मानकों की क्षीणता का दोष मानते हैं जबकि दूसरे किलियुग के पूर्व निर्धारित अवस्था के प्रभावों को मानते हैं लेकिन इन सभी कल्पनाओं गलत और निर की केवल एक कारण है हमारे यौन के प्रति हमारे दृष्टिकोण की सतीता सिद्धांत और अमल में यौन ने अपनी मूल पवित्रता खो दी है जो पूर्व में मानव ने यौन के लिए जो श्रद्धाभाव रखा था वह कलंकित हो गया है यौन को एक यांत्रिक बुराईत की दी गई है और यह यौन के प्रति यह दृष्टिकोण एक सूक्ष्म हिंसा का प्रमाण करता है शब्द के सख्त संदर्भ में यौन अब प्यार का एक अनुभव नहीं है यौन अब पवित्रता का एक यांत्रिक नहीं है यौन अब एक ध्यानो क्रिया नहीं है और इसके कारण मानवता धीरे धीरे एक अधस्थान में गिर रही है हमारे किसी भी कार्य के परिणाम पर विचार का निर्भर करता है जिस भावना के साथ हम उसे करते हैं यदि एक नशेबाज स्कल्प्टर मूर्ति बना रहा है तो क्या आप उससे सुंदर कला का, का काम करने की उम्मीद करेंगी यदि एक बैलेरिना नृत्य कर रही है तो क्या आप उससे उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे यदि वह होबाली हुई गुस्सा या है उसी तरह हमारा यौन के प्रति दृष्टिकोण गलत रहा है यौन हमारे जीवन में सबसे अनदेखा विषय है क्या यह एक विशाल भूल नहीं है कि जिस प्रक्रिया पर जीवन का नवनिर्माण निर्भर है जिस पर नए बच्चे निर्भर है जिस पर इस दुनिया में प्रवेश करने वाले नए आत्माएं निर्भर है वह सबसे अनदेखा विषय है आप शायद नहीं जानते कि संबंध के शिखर में एक आत्मा को अवतरित होने के लिए स्थिति बनाती है और इस प्रकार एक नई जीवन संज्ञान हो जाता है आप केवल परिस्थिति बनाते हैं जब एक विशेष आत्मा के लिए आवश्यक और उपयुक्त स्थिति पूर्ण होती है तब वह आत्मा जन्म लेती है आत्मा की गुणवत्ता का सीधा संबंध परिस्थितियों से है क्रोध अपराध या चिंता में धर्मित एक शिशु जन्म से प्रभावित होता है हमारी प्रजन की मानक को सुधारा जा सकता है लेकिन एक उच्च आत्मा को धारण करने के लिए परिस्थितियों को भी एक उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए तभी उत्कृष्ट आत्माएं पैदा हो सकती है तभी मानवता का मानक आखिरकार ऊंचा किया जा सकता है इसलिए मैं कहता हूं कि जब आदमी यौन विज्ञान यौन कला के साथ मिलता है जब वह इस ज्ञान को युवा और बूढ़ों को सिखा सकता है तो हम उन परिस्थितियों को प्रदान कर सकेंगे जो जो और नीचे ने उच्चतम प्रशंसा दी है इस प्रकार की पीढ़ी पैदा की जा सकती है ऐसी दुनिया बना ली जा सकती है लेकिन इससे पहले कोई प्रगति नहीं हो सकती इससे पहले दुनिया में शांति नहीं हो सकती इससे पहले युद्ध नहीं रोक सकते नफरत नहीं मिटा सकती अनैतिकता नहीं ठीक की जा सकती बुराई नहीं समाप्त हो सकती विशेषज्ञता नहीं नष्ट की जा सकती और वर्तमान अंधकार नहीं मिटा सकता है यहाँ तक कि हम सभी आधुनिक सुविधाओं और नवाचारों का इस्तेमाल करें यहाँ तक कि राजनेता समाजशास्त्री और धार्मिक नेता अपनी सबसे अच्छा प्रयास करें युद्ध नहीं रुकेंगे तनाव नहीं होगा और हिंसा और ईर्ष्या नहीं गायब होंगी पिछले दस हजार वर्षो से प्रवादिक मसीहा और नेताओं ने युद्ध हिंसा क्रोध आदि के खिलाफ प्रवचन दिए हैं लेकिन कोई नहीं सुना उपरांत हमने उस व्यक्ति को मार दिया जिन्होंने प्रेम की सूचना की थी जिन्होंने हमें हिंसा करने के बारे में सिखाने की कोशिश की थी जिन्होंने हमें एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था गांधी ने हमें अहिंसा का अभ्यास करने अपनी आत्माओं को शुद्ध करने साथी सहित सामंजस्य में रहने की सिख दी और हमने उसे गोलियों से सम्मानित किया यह है कैसे हमने उनकी उदार सेवाओं के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की मानवता के सभी प्रवादक इतिहास में और वर्तमान में असल रहे हैं उनका सिद्धांतों और मूल्यों का कोई भी फल उत्पन्न नहीं हुआ है उनमें से कोई भी उच्चतमतर सोने से भी सोना सभी असल रहे हैं वे आए हैं प्रवचन दिए हैं और वे चले गए हैं और मनव अब भी अंधेरे में ढूंढ रहा है धरती पर एक प्रकार की नरक में और गहरा डूब रहा है क्या यह, यह सिद्ध करता है कि उनकी शिक्षाओं में और उनके द्वारा प्रवचित में कुछ मौलिक गड़बड़ी थी है एक आदमी परेशान है क्योंकि उसे परेशानी में धारित है उसमें पहले से ही परेशानी की बूंद है उसकी आत्मा स्वयं बीमार है यह बीमारी दुख और शोक का कैंसर उसकी आत्मा के गहराइयों में निहित है उसकी पूरी कल्पना उसके गर्भाधान होते ही बनती है और इसलिए बुद्ध को असफल होना ही पड़ेगा महावीर को असफल होना ही पड़ेगा ईसा को असफल होना ही पड़ेगा कृष्ण को असफल होना ही पड़ेगा वे सभी पहले ही असफल हो चुके है नहीं कर सकते खुलकर शर्म या शिष्टाचार की भावना के बहाने लेकिन मानव दिन प्रतिदिन अधिक अमानवीय बन रहा है इतनी बातचीत के बावजूद गैरहिंसा प्रेम और सहिष्णुता के बारे में हमने केवल तेज छुरे से कोबाल्ट बॉम्ब तक पहुंचकर खुद को बेहतर बनाया है मुझे बताया जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान हमने लगभग 30 मिलियन लोगों को मार डाला और संघर्ष विराम के बाद हम शांति और प्रेम की बातें करते रहे दूसरे विश्व युद्ध में हमने 45 मिलियन लोगों को मार डाला और फिर हम एक बार फिर शांति और सहजवास के लिए बातचीत करने लगे बटट्रैंड रसेल से लेकर विनोबा तक सभी कहते हैं कि शांति को बनाए रखा जाना चाहिए और फिर भी हम तीसरे महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तुलना में इस युद्ध से पहले के वाले को बच्चों की तरह खेलने वाले होंगे किसी ने कभी इंस्टीन से पूछा था कि तीसरे विश्वयुद्ध में क्या हो सकता है इंस्टीन ने कहा कि वह तीसरे युद्ध के बारे में कुछ कह सकते नहीं थे लेकिन उन्होंने चौथे युद्ध के बारे में कुछ पूर्वानुमान कर सकते थे आश्चर्यचकित प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर इंस्टीन तीसरे विश्वयुद्ध के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं तो चौथे विश्वयुद्ध के बारे में वह कैसे कुछ कह सकते हैं इंस्टीन ने उत्तर दिया कि चौथे विश्वयुद्ध के बारे में एक निश्चित बात थी और वह यह था कि चौथे विश्वयुद्ध नहीं होगा क्योंकि तीसरे युद्ध के बाद किसी का जीवन नहीं रहेगा यह मानवता के नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का फल है लेकिन कारण कहीं और है और उसे तत्काल संशोधन की जरूरत है जब तक हम यौन क्रिया में सामंजस्य लाने यौन को एक आध्यात्मिक व्याकरण प्रदान करने यौन को समाधि के दरवाजे के रूप में श्रद्धांजलि देने में सफल होते हैं तब तक एक बेहतर मानवता उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक यह होगा यह निश्चित है कि आने वाली मानवता बुरी तरह से बुरी होगी क्योंकि आज के कमजोर बच्चे यौन से गुजरेंगे और अपने आप से बुरे बच्चे पैदा करेंगे प्रति नई पीढ़ी की गुणवत्ता बहुत तंत्र से बहुतंत्र बनेगी इसका कम से कम अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन हम पहले से ही इतने नीचे पहुंच चुके हैं कि आगे और नीचे जाने का संभावना है पूरी दुनिया अब पहले से ही एक विशाल मानव आश्रम बन गई है उन आंकड़ों के आधार पर जिन्होंने तैयार की है अमेरिकी मनोचिकित्सकों ने निर्णय किया है कि न्यूयॉर्क सिटी के आबाद का केवल 18 प्रतिशत मानसिक स्वस्थ कहा जा सकता है अगर केवल 18 प्रतिशत मानसिक स्वस्थ है तो शेष अस्तित्व आपके द्वारा बताए गए ओ टी टेन है और आप खुद ही हैरान होंगे कि आप में कितनी पागलपन छुपा हुआ है अगर आप एक कोने में शांत बैठकर एक क्षण के लिए अपने आत्मचिन्ह पर विचार करें कैसे आप अपने पागलपन को नियंत्रित और दमन करते हैं यह बिल्कुल दूसरी बात है हालांकि थोड़ी सी भावनात्मक हानि और किसी भी आदमी को पूरी तरह से मनियाक बना सकती है संभावना है कि सैकड़ों वर्षों के भीतर पूरी दुनिया एक विशाल मनोविकारालय बन जाएगी बेशक एक पक्ष से देखे तो कई लाभ होंगे हमें पागलपन के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होगी हमें न्यूरोटिक्स का इलाज करने के लिए मानसिक चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं होगी कोई महसूस नहीं करेगा कि वह पागल है क्योंकि पागल आदमी का पहला लक्षण यह होता है कि वह कभी भी नहीं मानता कि वह पागल है यह बीमारी हमेशा बढ़ती जा रही है यह बीमारी यह मानसिक कष्ट यह मानसिक अंधकार हमेशा बढ़ता है एक नई मानवता कभी नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक यौन को उच्च किया नहीं जाता जब तक यौन क्रिया को दिव्य नहीं बनाया जाता है मैंने तीन दिनों में कुछ विचारों पर जोर दिया है एक नया आदमी पैदा होना चाहिए मानव की आत्मा ऊंचाई को छूने आकाश तक पहुंचने चांद और तारों की तरह प्रकाशित होने एक फूल की तरह खिलने संगीत बनाने नृत्य करने के लिए बेताब है मानव की आत्मा चिंतित है उसकी आत्मा प्यासी है लेकिन मन अंधा है वह एक दुर्गम चक्र में चक्कर लगाता है वह इससे बाहर नहीं निकल सकता वह इससे ऊपर नहीं उठ सकता है क्या कारण है एक कारगर यौन क्रिया के बिना हमारी वंशानुक्रमण की वर्तमान प्रक्रिया मूर्खता से भरी है यह पागलपन से भरी है और यह इसलिए है क्योंकि हमने यौन को समाधि के दरवाजे को खोलने के लिए सफल नहीं सत्यों से दूर ले जाते हैं वे मानवता के शत्रु हैं, जो आपसे कभी सेक्स के बारे में सोचने का कहते हैं वे आपके शत्रु हैं, उन्होंने आपको यह सोचने का अधिकार नहीं दिया है इस पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया है अन्यथा यह कैसे संभव है कि हमने इस विषय के प्रति एक योग्य दृष्टिकोण अब तक विकसित नहीं किया है और इसके अलावा वे लोग जो कहते हैं कि सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं है वे पूरी तरह गलत है क्योंकि यह सेक्स की ऊर्जा एक परिवर्तित और उच्चीकृत रूप में धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करती है इस जीवन शक्ति की उच्चीकरण से मानव को वहां उठाया जाता है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं उसकी यौन ऊर्जा का परिवर्तन मनुष्य को एक दुनिया में उठा देता है जहां मृत्यु नहीं है कोई दुख नहीं है केवल आनंद है शुद्ध आनंद है और जो भी उस ऊर्जा उस जीवन शक्ति को प्राप्त करता है वह अपने आप को उस सत्य चेतना के क्षेत्र में उठा सकता है सच्चितानंद के क्षेत्र में लेकिन हमने इस ऊर्जा को बर्बाद किया है हम वो बर्तन है जिनमें नीचे की ओर छेद है और हम इन बर्तनों का उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए कर रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया में सारा पानी बह जाता है और हमें क्या मिलता है वह एक खाली बर्तन है हम वो नावे हैं जिनमें नीचे की ओर छेद है हम केवल डूबने के लिए होंगे ऐसी नाव कभी भी दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं सकती यह मध्यस्थल में डूबने के लिए निर्धारित है सभी यह श्राव के गलत डिवर्जन के कारण है जो लोग न्यूड फोटो दिखाते हैं अश्लील किताबें लिखते हैं और शैलीश फिल्में बनाते हैं वे इन ऊर्जा के लीकेज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस प्रकार के विकृतियों के लिए जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हमारे सेक्स के बारे में समझने में बाधा डाल दी है इन लोगों के कारण ही नाग चित्र मांगे जाते हैं यह अश्लील पुस्तकें बिकती हैं न्यूड फिल्में बनती हैं और हम रोजाना देखते हैं विकृत और विलक्षण परिणाम जिम्मेदार वह है जिन्हें हम साधु और तपस्वी कहते हैं लेकिन यदि आप इसे गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वे वास्तव में विश्वास की विज्ञापन एजेंट है एक छोटी सी कहानी और मैं आज की बात को समाप्त करूंगा किसी पादरी ने एक आसपास के गांव के चर्च में सेवा कार्य करने जा रहा था उसने समय पर पहुंचने के लिए वहां पहुंचने के लिए लगभग दौड़ लगाई थी अपने रास्ते में एक क्षेत्र को पार करते समय उसने एक निकट कुंडली में पड़ा हुआ एक घायल आदमी देखा एक चाकू आदमी की छाती से बाहर निकल रहा था और वह खून बहा रहा था पादरी ने सोचा कि उसे उठाकर और उसकी सेवा करना चाहिए लेकिन दूसरी सोच में उसको लगा कि इससे उसके चर्च पहुंचने में देरी हो सकती है उसने अपने प्रवचन के लिए प्रेम का विषय चुना था उसने निश्चित किया था कि वह ईसा के प्रसिद्ध उक्ति प्रेम ईश्वर है पर विस्तार से बातें करेगा वह अपने रास्ते में जल्दी में था और मानसिक रूप से अपने टिप्पणियां तैयार कर रहा था लेकिन घायल आदमी ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाया पिताजी मुझे पता है कि आप चर्च में प्रेम के विषय पर उपदेश देने जा रहे हैं मुझे भी चर्च जाना था लेकिन डाकू ने मुझे छुरा मारकर यहाँ फेंक दिया है सुनिए अगर मैं बच जाऊं तो मैं लोगों को कहूंगा कि एक आदमी मारे जा रहा था सड़क के किनारे और उसको बचाने की बजाय आपने प्रेम पर उपदेश देने के लिए भाग लिया मैं आपको चेतावनी देता हूँ मुझे नज़रअंदाज मत करें इससे पादरी को थोड़ा सा डर लगा उसने महसूस किया कि अगर यह आदमी बच जाए और घटना को संबंधित करे तो गांव के लोग उसके प्रवचनों को सब कुछ बकवास कहेंगे पादरी को मर जाने वाले आदमी की चिंता नहीं थी बल्कि जनमत की चिंता थी इसलिए उसने अनिच्छुक रूप से आदमी की ओर बढ़ा जब वह और नजदीक आया उसने आदमी का चेहरा और साफ देखा यह किसी के साथ मिलता जुलता लग रहा था उसने कहा मेरे बेटा ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा तुम्हें होना चाहिए मैं शैतान हूँ और मेरा पुजारियों और धार्मिक नेताओं के साथ बहुत पुराने संबंध है अगर मैं तुम्हें परिचित नहीं हूँ तो फिर और कौन होगा तब पादरी ने उसे स्पष्ट रूप से याद किया उसने चर्च में उसकी एक चित्र देखा था उसने पीछे हटा दिया उसने कहा मैं तुम्हें बचा नहीं सकता यह बेहतर है कि तुम मरो तुम शैतान हो हमें हमेशा से तुम्हारी मौत की कामना है और यह अच्छा है कि तुम मर रहे हो मैं तुम्हें बचाने का प्रयास क्यों करूं तुम्हें छूना भी पाप है मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ शैतान ने ऊँचे स्वर में हंसते हुए कहा सुनो जिस दिन मैं मरूंगा तुम्हारा व्यापार बंद हो जाएगा तुम मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते तुम वही हो जो तुम हो क्योंकि मैं जीवित हूँ मैं तुम्हारे व्यवसाय का आधार हूँ तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे बचाओ क्योंकि अगर मैं मर जाऊं तो सारे पादरी और मंत्रिया बेरोजगार हो जाएंगे वे समाप्त हो जाएंगे उनकी और कोई आवश्यकता नहीं होगी पादरी ने इसे एक सेकंड के लिए सोचा और इसमें सच्चाई को देखा तत्काल उसने मर जाने वाले आदमी को अपनी कंधों पर उठाया और कहा मेरे प्यारे शैतान चिंता मत करो मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ इलाज के लिए कृपया जल्दी ठीक हो जाओ मत मरना भगवान के लिए तुम सही हो अगर तुम मरोगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे शायद आप सोच नहीं सकते कि शैतान पादरी की जड़ में है और पादरी शैतान के काम के पीछे है लेकिन शैतान सेक्स के शोषण और सेक्स के शोषण में सब कुछ की जड़ है धुंध के माध्यम से हम नहीं देख सकते कि पादरी सभी इस उत्साह के पीछे हैं, कि पादरी द्वारा सेक्स की गिरावट के कारण यह और भी आकर्षक हो गया है कि पादरी द्वारा सेक्स की निरंतर बदनामी के कारण मनुष्य और भी लुभावन बन गया है जितना अधिक पादरी सोच को विनाश करने का प्रयास करते हैं उतना ही यह रहस्यमय हो जाता है उतना ही उत्कृष्ट होता है मन असहाय है मन सेक्स का गुलाम है और यह असहायता नींदनीय है हम ज्ञान चाहते हैं अज्ञान नहीं ज्ञान स्वयं में शक्ति है और सेक्स का ज्ञान और भी बड़ी शक्ति है सेक्स के बारे में अज्ञान में जीना खतरनाक है संभावना है कि हम चांद तक न पहुंचे चांद तक पहुँचने की वास्तविक आवश्यकता नहीं है यदि हम चांद तक पहुँचे भी तो मानव बहुत अधिक लाभान्वित नहीं होंगे और यदि हम प्रशांत महासागर में पांच मील की गहराई तक नहीं पहुंच पाए जहां सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी इन चीजों को प्राप्त करने से मानवता को बहुत लाभ नहीं होने वाला है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है कि हम परमाणु को विभाजित करें या नहीं लेकिन एक नए इंसान को उत्पन्न करने में सफल होने के लिए यह एक परम चिंता और एक जीवंत आवश्यकता का सवाल है कि हम सेक्स को स्वीकार करें हम सेक्स को पूरी तरह से जानें। उसे समझे और उससे परे हो जाए मैंने पिछले तीन दिनों में आपको कुछ बातें समझाई हैं और कल मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों को ईमानदारी से पूछा जाना चाहिए जिस दृष्टिकोण से आपने आत्मा और भगवान के बारे में पूछा है वह ठीक नहीं है यह जीवन का जीवन का सवाल है और केवल यदि आपके प्रश्न सीधे और ईमानदार हैं हम इस विषय में गहराई से बातचीत कर सकते हैं सत्य हमेशा खोजने के लिए तैयार है हमें एक सच्ची ईमानदार और जिम्मेदार जिज्ञासा की आवश्यकता है उसे जानने के लिए लेकिन दुर्भाग्य से वह हमें कमी है काम से भगवान की ओर दोस्तों ने कई सवाल पूछे हैं। एक दोस्त ने पूछा है कि मैंने अपनी व्याख्यानों का विषय क्यों सेक्स चुना है एक बड़े बॉम्बे बाजार में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी और एक पंडित कबीर और उसके दर्शनिकता पर बोल रहा था उसने उस दोपंती को रटा कबीरा खड़ा बाजार में लुक हाथ जो घर बड़ाई आप ना चले हमारे साथ उसने कहा कबीर बाजार के बीच में खड़ा है उसने अपनी लाठी हिलाई और लोगों को बुलाते हुए कहा वही लोग मेरे पीछे चलने का साहस रखते हैं जो अपने घर को जलाने का साहस कर सकते हैं मुझे यह दिखा कि लोग इस आह्वान से खुश थे और मैंने यह समझा कि वे लोग जो कबीर के इतने गहरे और उत्तेजनापूर्ण संदेश को सुनकर आराम महसूस कर रहे थे वास्तव में अपने घर को जलाने और सत्य की खोज में निकलने का साहस रखते होंगे ऐसे लोगों के साथ मैंने सोचा कि मैं सच्चाई से सीधे और खुलकर बात कर सकता हूँ अपने दिल की गहराई से लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी अपना घर छोड़ने या जलाने के लिए तैयार नहीं था बिंदु यह है कि यदि कबीर वहां होते तो उन्हें यह परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हम सभी यहाँ कबीर ने क्या कहा है वह सुनने में आनंद लेते हैं लेकिन कबीर ने वह कहा था जब वह 300 वर्ष पहले वहाँ मौजूद थे उनमें से कोई भी खुश नहीं था मैं उसी भ्रांति के अधीन था जो कबीर यीशु थे मनुष्य एक इस प्रकार का आश्चर्यजनक पशु है वह उनके बारे में बात सुनकर आनंद लेता है जो मर चुके हैं और उन्हें मारने की धमकी देता है जो जीवित है मुझे सत्य के बारे में कुछ कहना था लेकिन सत्य के बारे में बात करने के लिए यह आवश्यक है कि वह असत्यों को उखाड़ा जाए जो मनुष्य ने सत्य मान लिए हैं बहुत से सिद्धांत हम सत्य मानते हैं वास्तव में असत्य है जब तक इन असत्यों को प्रकट नहीं किया जाता है सत्य की दिशा में पहला कदम नहीं उठाया जा सकता मुझे कहा गया था कि प्रेम पर बोलना है लेकिन मुझे यह अनुभास हुआ कि जब तक हम कुछ गलत समझाएं सेक्स और काम के बारे में हमारे रास्ते में होंगी हम कभी भी प्रेम को समझ या मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होंगे जब तक ऐसी गुमराही भरी धारणाएं हैं हम जो कुछ भी प्रेम के बारे में कहते हैं वह अधूरा होगा बेकार होगा असत्य होगा इसलिए इस पर मुख्यता देने के लिए मैंने उस विशेष सभा में काम और सेक्स के बारे में बात की मैंने कहा कि सेक्स ऊर्जा खुद को प्रेम में परिणामित कर सकता है यदि कोई व्यक्ति कीड़ा जो अपने आप में गंदा और बदबूदार होता है खरीदता है और उसे अपने घर के सामने की सड़क पर संग्रहित कर लेता है तो यह किसी भी गुजरने वाले के लिए कठिनता पैदा करेगा लेकिन अगर वह कीड़ा अपने बगीचे पर फैला देता है तो उसके बीज बढ़ेंगे बीज पौधों में बदल जाएंगे और पौधे फूलों को देंगे और उनकी सुगंध सभी को आमंत्रित करेगी गुजरने वाले आकर्षित हो जाएंगे आपने शायद इसके बारे में कभी सोचा नहीं है लेकिन एक फूल की सुगंध कुछ नहीं है बल्कि कीड़े की बदबू बीज से पौधे के माध्यम से ऊपर उठती हुई कीड़े की बदबू फूल की सुगंध में बदल जाती है एक खराब बदबू मिठी इत्र में परिणामित हो सकती है उसी तरह सेक्स प्रेम में बदल सकता है लेकिन जो सेक्स से घृणा करता है वह कैसे प्रेम से भरा हो सकता है जो सेक्स का शत्रु है उसे सेक्स कैसे परिणामित कर सकता है इसलिए मैंने ललकार दी से कि काम को समझने सेक्स को जानने की आवश्यकता को बल दिया कल मैंने बताया था कि सेक्स को परिणामित किया जाना चाहिए मुझे लगा कि वे लोग जो अपने घरों को जलाने के सवाल पर विचार कर पा रहे थे वे कुछ सीधी बातें सुनने के लिए खुश होंगे लेकिन मैं दुखी था कि मेरी इस बहास के समापन पर मैंने देखा कि वह सभी अधिकारी जो मंच पर थे उन मित्रों ने जो सभा का आयोजन कर रहे थे वे भूतपूर्व हो गए थे जब मैं नीचे की ओर चलते हुए इसे छोड़ने के लिए मार्ग पर चला गया तो मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा मैंने सोचा कि शायद उन्होंने अपने घर जलने की स्थिति में भागे होंगे लेकिन अधिक संभावना से वे अपनी खुद की आग बुझाने के लिए घर की ओर दौड़ गए थे मैंने स्वीकार करने के लिए यहां तक किया कि आपको देखने के लिए कोई मुख्य आयोजक उपस्थित नहीं था जो सफेद टोपिया थी जो कादी पहने हुए लोग थे जिनके साथ कोई नहीं था उन्होंने मंच पर नहीं थे वे बातचीत के पूर्व में ही बहुत दूर भाग गए थे नेताएं वास्तव में बहुत कमजोर प्रजाति हैं और तेज भी वे अपने अनुयायियों से पहले भाग जाते लोग मेरे हैं। पास आए कुछ उत्साही पुरुष और महिलाएं कुछ बड़े कुछ छोटे उन सभी ने कहा कि मैंने उन्हें वह बातें बताई थी जो किसी ने पहले कभी नहीं कही थी उन्होंने कहा कि उनकी आंखों को खोल दिया गया था कि उन्हें अंदर से काफी हल्का महसूस हो रहा था उनकी आंखों में उनकी आनंद की आंसुओं में कृतज्ञता की भावना थी उन्होंने मुझसे यह कहने के लिए कहा कि क्रम की पूर्ति करूं। वे ईमानदार लोग जीवन को समझने के लिए तैयार थे उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस विषय पर विस्तार से विवरण करूंगा और यह मेरे बॉम्बे लौटने के कारण का एक कारण था बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे जब मैं भवन से बाहर निकला और लोग मुझे उसके लिए बधाई दी फिर हालांकि नेताएं भाग गई थी मुझे लगा कि जनता मेरे साथ है और वही मैंने तय किया कि मैं इस विषय पर पूर्ण विवरण करूंगा इसी कारण मैंने यह विषय चुना एक और कारण यह था कि वे जो मन से भाग गए थे वह लोग सभी जगह बता रहे थे कि मैंने ऐसी सहनशील बातें कही थी जिससे धर्म नष्ट हो जाएगा कि मैंने ऐसी बातें कही थी जो लोगों को धार्मिक बना देगी और इसलिए उनके जवाब में मुझे अपने दृष्टिकोण की विस्तार से बताने का आभास हुआ मैंने महसूस किया कि उन्हें यह जागृत करना चाहिए कि लोग सेक्स के बारे में बातें सुनकर अधार्मिक नहीं होंगे बल्कि उल्टे लोग अधार्मिक हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सेक्स को समझा नहीं अज्ञान आपको अधार्मिक बना सकता है ज्ञान कभी भी आपको अधार्मिक नहीं बना सकता है और मैं कहता हूं यदि ज्ञान धार्मिकता का कारण बना सकता है तो मुझे फिर भी ज्ञान पसंद है लेकिन बेशक ऐसा नहीं है ज्ञान धर्म है और अज्ञान अधर्म है और इसके अलावा एक ऐसा धर्म जो ज्ञान की कमी पर चलता है वास्तव में धर्म नहीं है यह अधर्म है और जितना जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएं, उतना ही अच्छा है जो आलोक की कमी कर रहा है वह आलोक नहीं है यह आलोक के रूप में अंधकार है नहीं प्रकाश हमेशा प्रकाश को बुलाता है ज्ञान हमेशा ज्ञान का स्वागत करता है और याद रखें धर्म कुछ और नहीं है बल्कि उच्च ज्ञान की खोज के लिए उस पूर्ण प्रकाश की साक्षात्कार के लिए अज्ञान अंधकार हमेशा हानिकारक होता है यदि मानवता और भी गिरती है यदि कोई पूर्ण विकृति होती है यदि मानवता सेक्स के अज्ञान के कारण पूरी तरह से न्यूरोटिक हो जाती है तो दोष उन लोगों पर नहीं होगा जो सेक्स के विषय पर विचार करते हैं बल्कि उन तकनीकी धरोहरों के सामने जिन्होंने नैतिकता और धर्म के प्रवक्ताओं के नाम पर मानव को जान की बंधन में डालने का प्रयास किया है लेकिन इन अत्याचारपूर्ण नेताओं के बिना मानवता बहुत पहले ही सेक्स से मुक्त हो जाती सेक्स सामान्य है लेकिन सेक्स के आविष्कार को इन गुरुओं तक पहुंचाया जा सकता है इस हानिकारक स्थिति को इसलिए कभी भी नहीं दूर किया जा सकता है क्योंकि सेक्स के बारे में अज्ञान है मैं जीवन के किसी भी स्तर पर अज्ञान के पक्ष में नहीं हूं। मैं सदैव सच्चाई का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, किसी भी खतरे में मुझे यह अनुभव हुआ कि यदि एक भटकी हुई सत्य की किरण भी लोगों में इतना उत्तेजना पैदा कर सकती है तो उच्च गुणस्तर की चर्चा करना उचित है ताकि यह सवाल स्पष्ट हो सके कि सेक्स के ज्ञान से मनुष्य को धार्मिक या अधार्मिक बनाता है यह पृष्ठभूमि है यही कारण है कि मैंने इस विषय को चयन किया है इसके बिना मुझे इस विषय को चुनने का विचार नहीं होता इसके बिना मैं इस विषय पर बात नहीं करता और इसलिए जिन्होंने इस अवसर को बनाया और मुझे अप्रत्यक्ष रूप से इन व्याख्यानों के लिए इस विषय को चुनने का मौका दिया है उन्हें कुछ आभार मिलना चाहिए इसलिए यदि आप मुझे इस विषय को चुनने के लिए धन्यवाद देने का इरादा रखते हैं तो कृपया ऐसा न करें बल्कि उन्हें बधाई दे जो मेरे बारे में भ्रांतिपूर्ण बातें फैला रहे हैं उन्होंने मुझे इस विषय को चुनने के लिए किया है। एक दोस्त ने पूछा है यदि सेक्स का रूपांतरण प्रेम में होता है तो क्या आप तब यह मतलब है कि माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है क्योंकि सेक्स के कारण है दूसरों ने भी समर्थन करने वाले प्रश्न पूछे हैं। इसे समझने में सहायक होगा यदि आप ध्यान से सुने हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स के अनुभव में एक गहराई है जिस गहराई तक एक व्यक्ति सामान्यत नहीं पहुंचता है इसमें तीन स्तर हैं, और मैं अब इनके बारे में बोलना चाहता हूं सेक्स का पहला स्तर उपभोक्ता स्तर है उदाहरण के लिए किसी आदमी को वेशा के पास जाता है वहां उसका अनुभव केवल भौतिक हो सकता है एक वेशा अपने शरीर को बेच सकती है लेकिन अपने दिल को नहीं बेच सकती और बेशक आत्मा को बेचने का कोई तरीका नहीं है इस स्तर पर शरीर मिलते हैं जैसे कि बलात्कार में बलात्कार में दिल या आत्मा का मिलना नहीं होता है बलात्कार केवल भौतिक स्तर पर होता है आत्मा को बलात्कार करने का कोई तरीका नहीं है बलात्कार का अनुभव केवल भौतिक होता है सेक्स का प्राथमिक अनुभव भौतिक स्तर पर है लेकिन जो लोग यहाँ ठहरते हैं वे कभी भी सेक्स के पूर्णतम अनुभव तक पहुँच नहीं सकते उन्हें कभी वह गहराइयां नहीं मिल सकती जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों अधिकांश लोग भौतिक स्तर पर रुक गए हैं इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन देशों में जहाँ प्रेम के बिना विवाह होता है सेक्स भौतिक स्तर पर स्थित रहता है यह कभी भी इस स्तर से परे नहीं बढ़ सकता ये विवाह दो शरीरों के हो सकते हैं लेकिन कभी भी दो आत्माओं के नहीं हो सकते प्रेम केवल दो आत्माओं के बीच हो सकता है विवाह का एक गहरा मतलब हो सकता है अगर यह प्रेम के लिए होता है लेकिन जो विचारणकर्ताओं और ज्योतिषियों की गणना के कारण या जाति वर्ग या धन के मामले में होते हैं वे कभी भी भौतिक स्तर से परे नहीं जा सकते हैं इस प्रणाली का एक लाभ है उस संदर्भ में कि शरीर मन से अधिक स्थिर है और इसलिए एक समाज में जहाँ विवाह का आधार शरीर है वहां विवाह स्थिर हो गए वे दीर्घकालिक रहेंगे क्योंकि शरीर अस्थिर नहीं है क्योंकि शरीर एक लगभग स्थिर कारक है और इसमें परिवर्तन बहुत धीरे लगभग अनुभूति रूप से होता है शरीर स्थिरता की स्थिति में है और उन समाजों ने जो विवाह संस्था को स्थिर करने की आवश्यकता महसूस की मोनोगेमी के साथ रहने की परिवर्तन के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ने की को प्रेम से हटाना पड़ा उन्हें प्रेम को उखाड़ना पड़ा क्योंकि हृदय प्रेम की आसन है और हृदय अस्थिर है विवाह के उन समाजों में तलाक अवित्तीय है जहां विवाह प्रेम पर आधारित है उन समाजों में कभी भी स्थिर विवाह नहीं हो सकते क्योंकि प्रेम द्रव्य है हृदय कपूरी है शरीर स्थिर स्थिर है यदि आपके यार्ड में एक पत्थर है तो शाम को यह सुबह की तरही वही जगह होगा लेकिन एक फूल सुबह में खिलता है और शाम तक झुक जाता है जमीन पर गिर जाता है पत्थर एक अजीब वस्तु है जो कुछ भी यह सुबह था वही शाम में भी होगा शारीरिक स्तर पर बनाए गए विवाह स्थिरता लेकर आएगा लेकिन यह एक पत्थर की तरह होगा बस इसी तरह इस प्रकार के विवाह समाज के हित में है लेकिन व्यक्ति के लिए हानिकारक है इस तरह के विवाहों में पति और पत्नी के बीच यौन संबंध गहरे क्षेत्रों को छूने में नहीं आता है यह केवल एक यांत्रिक नियमिता बन जाता है क्रिया बस सर्वदा दोहराई जाती है और यह उबाला हुआ हो जाता है कुछ और नहीं होता और प्रतिभागी लगातार कुछ भी होते जा रहे हैं एक वेशा के पास जाने और प्रेम के बिना विवाह में कोई बड़ा अंतर नहीं है आप एक रात के लिए एक वेशा को खरीदते हैं जबकि आप अपने पूरे जीवन के लिए एक पत्नी को खरीदते हैं यही एकमात्र अंतर है जब प्रेम नहीं होता है तो एक खरीदारी हो रही है चाहे आप एक रात के लिए एक महिला को किराए पर ले रहे हों या जीवन भर के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हों। बेशक दिन प्रतिदिन के संबंध के कारण किसी प्रकार का एक प्रतिष्ठान आता है और हम उसे प्रेम कहते हैं यह प्रेम नहीं है प्रेम कुछ और है ये विवाह केवल शारीरिक होते हैं और इसलिए यह संबंध शारीरिक से कभी भी गहरा नहीं जा सकता है प्रेम के बारे में किसी भी मैनुअल और शास्त्र का विवेचन वात्स्यायन से कोका पुंडित तक शारीरिक स्तर से अधिक, अधिक नहीं जाता मन है। का, हृदय का है उन जो प्रेम में पढ़कर फिर विवाह करते हैं उनके विवाह शारीरिक स्तर से थोड़ा आगे थोड़ा गहरा जाते हैं वे हृदय तक पहुँचते हैं वे मानसिक गहराई तक पहुंचते हैं लेकिन मोनोत्साही के कारण वे हर दिन शारीरिक स्तर पर पलट जाते हैं पश्चिम में पिछले 200 वर्षों में विकसित हुई विवाह संस्था इसी स्तर पर है और इसके कारण उनके समाज वितरकित और लुटेरे हैं इसका कारण यह है कि आप मन पर निर्भर नहीं कर सकते आज मन कोई एक चीज चाहता है कल यह कुछ और मांगेगा यह सुबह कुछ और चाहता है और शाम को कुछ और वह जो अब महसूस कर रहा है वह कुछ ही क्षण पहले के महसूस से पूरी तरह अलग होगा शायद आपने सुना हो कि लॉर्ड बायन जब वह अंत में विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने कम से कम साठ से सत्तर महिलाओं के साथ सांगितिक रूप से संबंध बनाए थे लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई दुल्हन के साथ गिरजा से बाहर निकला उन्होंने एक सुंदर महिला को गुजरते हुए देखा उनकी सुंदरता से उनका ध्यान बटोरा गया और कुछ ही क्षण के लिए उन्होंने अपनी नई पत्नी अपने हाल के विवाह को भूल दिया लेकिन उन्होंने बहुत ही ईमानदार आदमी होने की बात की क्योंकि जैसे ही वह अपनी नई पत्नी के साथ कैरिज में बैठे उन्होंने उससे कहा क्या तुमने ध्यान दिया एक अजीब बात हुई अभी कल जब हम विवाहित नहीं थे मैं चिंतित था कि क्या मुझे वास्तव में तुम्हें पकड़ पाऊंगा या नहीं तुम मेरे मन में एकमात्र महिला थी लेकिन अब जब मैं वास्तव में तुम्हारे साथ विवाहित हूँ तो मैंने गिरजा की सीढ़ियों से नीचे आते समय सड़क की किनारे एक सुंदर महिला को देखा और मैंने एक पल के लिए तुम्हें भूल गया मेरा मन उस महिला के पीछे दौड़ने लगा मेरे मन में आया मुझे शायद उस महिला को पा सकता हूँ क्या मन बहुत ही अस्थाई होता है और इसलिए ऐसे समाज ने जो परिवार जीवन को स्थिर करना चाहते थे उन्होंने विवाह को मानसिक स्तर तक पहुंचने नहीं दिया उन्होंने प्रयास किया कि विवाह को शारीरिक स्तर पर ही रोका जाए उन्होंने कहा विवाह करो लेकिन प्रेम से नहीं अगर विवाह के बाद प्रेम में बदल जाते हो तो ठीक है अन्यथा जैसा होना चाहिए वैसा होने दो स्थिरता शारीरिक स्तर पर संभव है लेकिन मानसिक स्तर पर यह बहुत कठिन है मानसिक स्तर पर यौन अनुभव मानसिक स्तर पर गहरा और सूक्ष्म है और इसलिए पश्चिम में अनुभव पूर्ण होता है पूर्व की तुलना में पश्चिम के मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड से जंग तक इस दूसरे स्तर के यौन के बारे में लिखते हैं मानसिक स्तर के बारे में लेकिन जो यौन मैं बात कर रहा हूं वह तीसरे स्तर का है जिसे अब तक पूर्व में भी नहीं और पश्चिम में भी नहीं समझा गया है वह यौन का तीसरा स्तर आध्यात्मिक स्तर है क्योंकि शरीर निर्जीव है इसलिए शारीरिक स्तर पर एक प्रकार की स्थिरता है आध्यात्मिक स्तर पर भी एक प्रकार की स्थिरता है क्योंकि उस स्तर पर भी कोई परिवर्तन नहीं है वहां सब शांत है वहां यह शाश्वत है इन दो स्तरों के बीच मानसिक स्तर मौजूद है यह अस्थिर है जैसे कि याद पश्चिम का अनुभव इस स्तर पर है और इसलिए विवाह टूटते हैं और परिवार विघटित होते हैं जो मानसिक स्तर की मिलान से उत्पन्न होता है वह स्थायी परिवार स्थिति नहीं उत्पन्न कर सकता और अब पश्चिम में यह प्रवृत्ति तलाक की दिशा में है तलाक अब प्रति दो साल में होते हैं लेकिन यह हर दो घंटों में भी हो सकता है किसी का मन एक घंटे में भी बदल सकता है पश्चिम का समाज वितर्कित है तुलना में पूर्वी समाज स्थायी रहा है लेकिन पूर्व ने भी यौन के सूक्ष्म और उदात गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं हो सका है वह एक आदमी और एक महिला जो आध्यात्मिक स्तर पर मिल सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से एकता स्थापित कर सकते हैं भले ही एक बार वह महसूस करते हैं कि उन्होंने आने वाली अनगिनत जीवनों के लिए एकता स्थापित की है वहाँ एक गहरी तलता है अकाल और शुद्ध आनंद विवाह की दहेज है जो यौन मैं बात कर रहा हूँ वह आध्यात्मिक यौन है दैहिक अनुभव है मुझे यौन की आध्यात्मिक दिशा की इच्छा है एक पुरुष और एक महिला केवल एक समय के लिए मिलते हैं उनकी आत्माएं भी मिलती हैं। लेकिन केवल एक क्षण के लिए जबकि बच्चा माता के गर्भ में नौ महीने तक रहता है इस अवधि के दौरान इसका अस्तित्व माता के साथ एक होता है पति भी पत्नी से इस स्तर पर मिलता है जहाँ केवल अस्तित्व है जहाँ केवल होनेस है लेकिन यह केवल एक क्षण के लिए होता है और फिर वे अलग हो जाते हैं पति और पत्नी केवल एक क्षण के लिए मिलते हैं और फिर दूर हट जाते हैं इसलिए जो माँ अपने बच्चे के साथ रखती है वह उसी प्रकार उसके पति के साथ संभव नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता है गर्भ में बच्चा माँ की सांस लेता है उसका हृदय माँ के हृदय के माध्यम से धड़कता है बच्चा माँ के रक्त और जीवन के साथ एक है उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है अब तक वह अभी तक माँ का हिस्सा है कोई पुरुष किसी स्त्री की उपभोग को एक बेटा कितना पूरा कर सकता है कोई पति कभी अपनी पत्नी को उस गहरी आत्मीयता का आभास नहीं करा सकता है जो एक बेटा उसे दे सकता है साथ ही एक स्त्री की पूर्ण विकास अधूरा है जब तक वह मां नहीं बनती जब तक वह मातृत्व को प्राप्त नहीं करती एक स्त्री के व्यक्तित्व की पूर्ण किरण उसकी सुंदरता की अधिकतम किरण नहीं हो सकती है एक स्त्री कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक वह माँ नहीं बनती है जब तक उसने माँ और बच्चे के बीच मौजूद गहरे आध्यात्मिक संबंध को नहीं जाना है इसके साथ कृपया ध्यान दे कि जैसे ही एक स्त्री माँ बनती है उसकी सेक्स की ओर स्वच्छंदता आत्मत्राणित रूप से कम होती है उसने मातृत्व का गहरा स्वाद चखा है नौ महीने तक उसने धड़कते नए जीवन के साथ सहज किया है और अब उसे सेक्स के प्रति कम आकर्षण है कभी कभी पति को उसकी उदासी से हैरानी होती है क्योंकि उसका पिता बनना उसके सेक्स के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं लाता उसके पास जन्म के प्रक्रिया के साथ कोई गहरा संबंध नहीं है जिस नए जीवन का जन्म हुआ है उसके पिता को आध्यात्मिक एकता का एहसास नहीं होता है मां बनने से एक स्त्री में एक मौलिक परिवर्तन आता है लेकिन पितृत्व बस एक सामाजिक संस्था है एक बच्चा पिता के बिना बड़ा हो सकता है लेकिन उसका माता के साथ एक गहरा संबंध है एक नए प्रकार के आध्यात्मिक भलाइयों से एक स्त्री को भरपूरता होती है जब उसके बच्चे का जन्म होता है यदि आप एक माँ और एक जो माँ नहीं बनी है इनके व्यक्तित्व में उनके प्रस्तुत करने के तरीके में अंतर को महसूस करेंगे उनकी आसानी की भावना में एक मां में आपको एक चमक एक शांति मिलेगी वह शांति जो आप प्रदर्शित करते हुए एक मैदान में पहुंच गई नदी में देखते हैं लेकिन जो अब तक माँ नहीं बनी है उसमें आपको पहाड़ों के माध्यम से बह रहे एक नदी की तरह की एक प्रकार की फुहारपन महसूस होगी गड़गड़ाती गड़गड़ाती अपने किनारों से बहकर मैदान की ओर धावा करती हुई एक स्त्री माँ बनने के बाद आंतरिक रूप से शांत शांत और सुरमा हो जाती है इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वे स्त्रियां जो जैसा कि आज पश्चिम में सामान्य है जिन्हें सेक्स के प्रति एक आक्रामक इच्छा है वे वे स्त्रियां हैं जो माँ नहीं बनना चाहती है मातृत्व के बाद एक स्त्री की सेक्स के प्रति आकर्षण अचानक कम हो जाता है और पश्चिमी स्त्री जो मां बनने से इनकार करती है वह इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वह माँ बनती है उसका सेक्स में रुचि खत्म हो जाएगा वह अपनी सेक्स में प्रवृत्ति को माँ न बनकर समर्थन कर रही है कई पश्चिमी देशों की सरकारें इसके बारे में चिंतित हैं। यदि यह जारी रहता है तो उनकी जनसंख्या के साथ क्या होगा पूर्व चिंतित है बढ़ोतरी के बारे में लेकिन पश्चिमी देशों में कुछ देश घटने के बारे में भी चिंतित हैं। कुछ भी किया नहीं जा सकता अगर स्त्री निर्धारित करती है कि वह मां नहीं बनेगी क्योंकि उन्हें पता है कि वह सेक्स में रुचि खो देगी कानून द्वारा एक परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है लेकिन कोई कानून स्त्री को मां बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है पश्चिमी देशों की इस समस्या ने हमारी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से ज्यादा जटिल है हम वृद्धि को बल द्वारा या कानूनी रूप से रोक सकते हैं लेकिन पश्चिमी देश सांवैधानिक रूप से अपनी संख्या बढ़ा नहीं सकते आने वाले 200 वर्षों में इस समस्या का पश्चिम में विशाल मामूला रूप से बढ़ने का संभावना है और पूरे समय के साथ पश्चिमी मानव शक्ति कम होगी उन्हें महसूस कराने के लिए वे स्त्रियों से मां बनने के लिए सहमत करना होगा उनके कुछ मनोवैज्ञानिक लोग बाल विवाह के पक्ष में आने लगे हैं एक स्त्री यौवन में प्रवेश करती है वह मां बनने में रुचि नहीं रखेगी उसकी अधिक रुचि सेक्सुअल आनंद में होगी इसलिए उनके मनोवैज्ञानिक लोग लोगों को युवा होने पर विवाह करने की सलाह दे रहे हैं फिर उन मामलों में महिलाएं मां बनने से पहले उन्हें कोई और विचार नहीं आएगा इसी वजह से पूर्व में बाल विवाहों के पीछे एक और कारण था उन्होंने जानते थे कि एक लड़की जब यौवन में प्रवेश करती है तब वह विवाह और मां बनने की इच्छा नहीं करेगी जब वह यौवन की अवस्था में जब उसे सेक्स की सच्चाई का आदर्श हुआ जब उसने इसका स्वाद बढ़ा लिया यह मानसिकता यह यौन आकर्षण की अत्यधिक आकर्षण महिलाओं में इस समय तक है जब तक उन्हें नहीं पता होता कि वे मां बनकर क्या प्राप्त करेंगी लेकिन इसे वे केवल मां बनने के बाद ही महसूस कर सकती हैं। इससे पहले इसका कोई अंदाज नहीं लगाने के सकता बाद है। इतना संतुष्ट क्यों होती है यह इसलिए है क्योंकि उसने अपने बच्चे के साथ एक दिव्य अविरल अनुभव किया है आध्यात्मिक सेक्स का और इसी कारण है कि माँ और बच्चे के बीच इतनी गहरी आत्मीयता है एक स्त्री अपने बच्चे के लिए अपनी जान देगी लेकिन अपने बच्चे की जान लेने का विचार तक नहीं कर सकती है एक पत्नी अपने पति को मार सकती है यह अक्सर होता है और यदि वह यह वास्तविक रूप से नहीं करती है तो वह उसी बात का परिस्थिति बना सकती है जिससे यह समान हो लेकिन उसके बच्चे के साथ वह कभी भी इस तरह की चीज का सोच नहीं सकती है इसलिए है कि उसके बच्चे के साथ रिश्ता इतना गहरा है इतना आत्मीय है लेकिन इसी साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब एक स्त्री अपने पति के साथ एक गहरा संबंध बनाती है तो पति भी उसके लिए एक बच्चा बन जाता है तब वह उसका पति नहीं रहता है यहाँ इस सभा में कई पुरुष और स्त्री बैठी हैं। मैं यहाँ मौजूद पुरुषों से यह पूछना चाहता हूँ कि जब वे अपनी पत्नियों के प्रति पूर्ण प्रेम के भाव में होते हैं, तो क्या वे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नहीं व्यवहार करते हैं क्या आप जानते हैं कि एक पुरुष का हाथ स्वच्छंदता में एक स्त्री की स्तन की ओर स्वतंत्र रूप से खींच जाता है यह एक माँ की दुध की ओर बढ़ते एक छोटे बच्चे का हाथ है जैसे ही एक पुरुष को किसी स्त्री के प्रति प्रेम होता है वह स्वतंत्र रूप से उसके स्तन की ओर हाथ बढ़ाता है क्यों प्रेम का स्तन के साथ क्या संबंध है या सेक्स के साथ सेक्स का स्तन के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है लेकिन एक बच्चे का मां के स्तन के साथ गहरा संबंध है से सामग्री में उसने जागरूकता में डूबा है कि उसका संपर्क स्तन जीवन रेखा के साथ है जब एक पुरुष गहरे प्रेम में ओवरफ्लो होता है तो वह एक बेटा बन जाता है और स्त्री का हाथ कहा जाता है उसका हाथ पुरुष के सिर की ओर पहुंचता है उसके अंगुलियां उसके बालों को सहला रही है यह उसके बेटे के बालों को सहलाने की याद है वह अपने बेटे के बालों को सहला रही है इसलिए अगर पूर्णता से आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम खिलता है तो पति बेटा बन जाता है इसलिए पति को एक बेटा बनना चाहिए तब हमें पता चलता है कि हमने सेक्स के तीसरे परत में पहुंच लिया है आध्यात्मिक स्तर पर लेकिन हम इस रिश्ते के पूरी तरह से अज्ञान है पति और पत्नी के बीच का संबंध एक यात्रा का आरंभ है और समाप्ति नहीं और ध्यान रखें क्योंकि यह एक यात्रा है पति और पत्नी हमेशा तनाव की स्थिति में होते हैं यात्रा हमेशा थका देने वाली होती है शांति केवल गंतव्य पर ही पाई जाती है पति और पत्नी कभी भी शांत नहीं होते क्योंकि वे हमेशा चलते रहते हैं हमेशा सड़क पर होते हैं और अधिकांश लोग रास्ते पर मर जाते हैं गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचते इसके कारण पति और पत्नी के बीच हमेशा टकराहट है यहाँ सारे समय की है, और इसे हम प्रेम कहते हैं दुर्भाग्यवश न तो पति समझता है और न ही पत्नी टकराहट, झगड़ा की असली वजह को वे हर एक को लगता है कि उन्होंने गलत चुनाव किया है पति को लगता है कि अगर उसने किसी और स्त्री से शादी की होती तो सब कुछ बेहतर हो जाता और पत्नी को लगता है कि अगर उसने किसी और पुरुष से शादी की होती तो सब कुछ शायद ठीक हो जाता मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दुनिया के सभी जोड़ों का यह अनुभव है यदि आपको अपने संगी को बदलने का अवसर मिला स्थिति एक इंच भी बदलने की जरूरत नहीं होगी यह एक कब्र को कब्रगाह से लेकर कंबल के साथ कंबल बदलने के समान होगा आप थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करेंगे लेकिन फिर आप देखेंगे कि वजन फिर से वैसा ही हो गया है पश्चिम में जहाँ तलाक प्रचलित है इस अनुभव का यह है कि नई पत्नी बहुत जल्दी पुरानी की तरह होती है और एक दिवस के भीतर नया पति भी वैसा ही साबित होता है कारण सतह पर नहीं मिलता है बल्कि गहराई में है कारण व्यक्ति पुरुष या स्त्री के साथ कुछ नहीं है कारण यह है कि विवाह एक यात्रा है एक प्रक्रिया है विवाह न तो लक्ष्य है और न ही उद्देश्य उद्देश्य तब तक पहुंचा जाएगा जब स्त्री माँ बनेगी तो और पुरुष सवाल के संबंध में कुछ पूछा है उसने कहा है कि वह मुझे यौन विषय में प्राधिकृत नहीं मानता है उसने कहा है कि उससे भगवान के बारे में पूछा जा सकता है लेकिन यौन विषय पर नहीं उसने कहा है कि वह और कुछ दोस्त यहाँ भगवान के बारे में सुनने आए हैं, और इसलिए मैं केवल भगवान के बारे में ही बात करूं। शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि किसी से जो वे यौन विषय में भी प्राधिकृत नहीं मानते उससे भगवान के बारे में पूछा जाना निरर्थक है क्या आप पहले बेस्कैम के बारे में किसी से सोने के चोटी के बारे में पूछेंगे जो पहले कदम के बारे में कुछ नहीं जानता है अगर यह जो कुछ मैं यौन विषय में कहता हूँ वह आपके लिए स्वीकृत नहीं है तो आपको भगवान के बारे में मेरे पास पूछना भी नहीं चाहिए अगर मुझे पहले कदम के बारे में बात करने के लिए उचित नहीं माना जाता है तो मुझसे आखिरी कदम के बारे में बात करने का कैसे योग्यता है इस सवाल के पीछे मनोविज्ञान है कि काम और राम कामुकता और परमात्मा अब तक एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे अब तक यह स्वीकृत हो गया था कि वे लोग जो धर्म की खोज में हैं, उनका यौनता से कोई संबंध नहीं हो सकता और वे लोग जो यौनता में खोजते हैं उनका आध्यात्मिकता के साथ कुछ साझा नहीं हो सकता है ये दोनों ही भ्रांतियां हैं काम की ओर की यात्रा भी राम की ओर की यात्रा है वासना की यात्रा भी प्रकाश की ओर की यात्रा है सेक्स के लिए भयानक आकर्षण भी उदात्तता की खोज है क्योंकि मन पूरी तरह से सेक्स में लिपटा हुआ है उसे कभी भी अपनी यात्रा पूर्ण महसूस नहीं होती जब तक राम प्राप्त नहीं होता जब तक उन्नति नहीं होती उसकी खोज कभी भी समाप्त नहीं होगी और वे लोग जो काम को दोषी ठहराते हैं और राम की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं उनकी बौद्धिकता में भगवान की वास्तविक खोज नहीं है यह केवल काम के नाम पर भाग्य भगाना है वे काम से बचने के लिए राम के नाम के पीछे छुप जाते हैं यह इसलिए है क्योंकि उन्हें सेक्स से मौत का खौफ है क्योंकि उनका जीवन सेक्स के बारे में लगातार उत्कंठा की स्थिति में है वे राम के नाम को बार बार उच्चारण करके आत्मा को छुपा लेते हैं राम 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 ताकि वे काम, सेक्स को भूल सके। जब भी आप किसी आदमी को राम का नाम जपते हुए देखते हैं तो उसे ध्यान से देखें, राम के पुनरावृत्ति के पीछे काम की गुंज होगी वहां यौनता की जागरूकता होती है यदि किसी महिला को देखा जाता है तो वे माला का पटना शुरू कर देंगे राम 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 अपनी माला को गति से घुमाकर और राम के नाम को जोर से बोलते हुए उनके भीतर से काम उन पर धकेलता है और ये भाग्यशाली लोग इसे नजरअंदाज करने डूबाने और दबाने की कोशिश करते हैं राम के नाम का जब करके यदि ऐसा कोई साधारित तरीका होता जो किसी की जीवन को बदल सकता तो दुनिया बहुत देर से बेहतर हो चुकी होती धर्म प्राप्त करना इतना सरल नहीं है अगर आप राम तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप उदात्त की खोज करना चाहते हैं, तो काम को जानना आवश्यक है क्यों उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति का उदाहरण ले जो बॉम्बे से कलकत्ता जाना चाहता है पहले उसने कलकत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की है या कहा है इसकी दिशा क्या है लेकिन अगर उसको यह भी नहीं पता है कि बॉम्बे कहा है कलकत्ता के साथ इसके संबंध में तो उसका मिशन कैसे सफल हो सकता है बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचने के लिए बॉम्बे का ज्ञान होना अनिवार्य है अगर मुझे यह पता नहीं है कि बॉम्बे कहाँ है तो मेरी कलकत्ता पहुंचने के बारे में सारी जानकारी निरर्थक है बच्चा हमेशा पहले आता है गंतव्य हमेशा बाद में आता है आप आप कहा खड़े हैं आप कहते हैं कि आप राम की यात्रा करना चाहते हैं अच्छा आप कहते हैं कि आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत अच्छा लेकिन अब आप कहा है अब आप काम में फंसे हैं, अब आप यौनता में फंसे हैं, और इसी स्थान से जहाँ आप अब है आपको पहला कदम बढ़ाना होगा आवश्यक है कि आप यह स्थान जाने कि आप अब कहा है इस साधारणता को स्वीकृति करके इस सुथिर वास्तविकता को समझकर आप भविष्य के लिए भी संभावना देख सकते हैं जो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं उसे जानने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आज के, के लिए पहला कदम उठाना आवश्यक है क्योंकि पहला कदम दूसरे के लिए रास्ता बनाएगा और अंत में यात्रा के आखिरी कदम के लिए अगर आपका पहला कदम गलत दिशा में उठाया जाता है तो आप कभी भी अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते आप बजुर्गी में पहुंच सकते हैं और ऐसा करने के लिए अगर आप अंत में पहुंचना चाहते हैं तो काम को समझना राम को समझने से अधिक महत्वपूर्ण है आप सेक्स को समझे बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकते मुझे पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि फ्रॉयड के विचार सेक्स पर समर्थनीय और स्वीकृतियों के योग्य हो सकते हैं लेकिन पूछा गया है कि मेरे विचार कैसे सत्य और ईमानदार माने जा सकते हैं आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि मैं ईमानदार और सत्य हूं या नहीं इस संबंध में जो कुछ भी मैं कहूं यह निर्णायक नहीं होगा क्योंकि मैं खुद चर्चा के विषय हूं यदि मैं कहूं कि मैं ईमानदार हूं तो यह बेहद अर्थहीन है यह भी बेहद अर्थहीन है यदि मैं कहूं कि मैं ईमानदार नहीं हूं क्योंकि उसी व्यक्ति के बारे में विवाद है जो ये कथन कर रहा है कि क्या यह व्यक्ति ईमानदार है या नहीं तो जो भी मैं इस संदर्भ में कहूंगा वह बेहद अर्थहीन होगा यह व्यर्थ होगा मैं कहता हूँ स्वयं सेक्स के साथ प्रयोग करे और यह खुद ही देखे कि क्या मैं ईमानदार हूँ या नहीं जब आप खुद अनुभव प्राप्त करेंगे तभी आप मेरे कथनों की सच्चाई को जानेंगे इसके लिए कोई अन्य तरीका नहीं है उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे किसी तटस्थता तकनीक के बारे में बात करूं, तो आपको संदेह हो सकता है कि क्या मेरी विधि संभावनाओं है या नहीं मेरा उत्तर उस पर संदेह होने पर होगा कि आप उस जगह पर आए जहां आप नदी में चले जा सकते हैं यदि मेरी सलाह आपको नदी को पार करने में मदद करने में उपयोगी होती है तो आप जानते होंगे कि मेरा कहना ना तो बेहद ही निरर्थक है और न ही ईमानदारी की बात कर रहा हूँ जब बात फ्रॉड की होती है तो मैं इस विशेष दोस्त को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत संभावना है कि फ्रॉड को वह सब कुछ नहीं पता था जो मैं यहाँ बता रहा हूँ फ्रॉड उन कुछ कवियों में से एक थे जो मानव जाति को यौन मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे लेकिन उन्हें किसी भी ज्ञान का कोई भी ज्ञान नहीं था कि आध्यात्मिक यौनता मौजूद है वह ज्ञान जो फ्रॉड ने व्यवस्थित किया वह रोगी यौनता का था उनका अनुसंधान विकृतियों के साथ था फ्रॉड एक प्रकार के डॉक्टर थे और उनके खोजे बीमार लोगों को सिरमेर करने के रूप में उपयोग किए जा रहे थे फ्रॉड ने सामान्य स्वस्थ यौनता का अध्ययन नहीं किया था वह एक ऐसे शोधकर्ता थे जो बीमारी विकृति में लगे रहते थे और उनका मन प्रमुखता इलाज उपचार पर था इसलिए अगर आप मेरे कहने की सत्यता को सिद्ध करने का इरादा कर रहे हैं तो आपको तंत्र दर्शन की दिशा में मुड़ना होगा तंत्र ने सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की प्रारंभिक कोशिशें की और हालांकि हमने हजारों वर्ष पहले तंत्र के बारे में सोचना बंद कर दिया था खजुराहो के स्मारक और पुरी और कोणारक के मंदिर जीवन साक्षात्कार है क्या आपने कभी खजुराहो जाने का कल्पना किया है क्या आपने वहां की प्रतिमाओं को देखा है तो आपको दो अद्वितीय घटनाएं अनुभव होना चाहिए पहला जो भी नग्न जोड़ों की प्रतिमाएं देखते हैं उन्हें किसी भी भुगतान की भावना नहीं होगी आप उन प्रतिमाओं में कुछ भी अश्लील या बुरा नहीं देखेंगे और दूसरी बात यह है कि आप एक शांति की भावना अनुभव करेंगे एक पवित्रता की भावना आपको घेरेगी आपकी प्रतिक्रिया आपको चौंका देगी उन प्रतिमाओं की सृष्टि करने वाले दृष्टिग्राही लोग वे थे जिन्होंने आध्यात्मिक सेक्स को गहराई से देखा और जाना था यदि आप किसी को सेक्स के प्रभाव में देखते हैं उसके चेहरे और उसकी आंखों में तो वह भूदारित भयानक पशुपंक्ति दिखाई देगा वहाँ एक चिंताजन और क्रूर वासना दिखेगी जब एक महिला एक पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखती है और वह यौन आकर्षण से भरा हुआ है तो यदि वह उसके लिए प्रिय है तो भी उसमें उसे एक शत्रु देखेगी और मित्र नहीं उसके लिए वह मनुष्य दिखाई नहीं देगा वह नरक से एक संदेशवाहक की तरह होगा लेकिन उन प्रतिमाओं के चेहरों पर आपको बुद्ध की महिमा का छाया महावीर की उदार प्रतिबिंबन मिलेगा अगर आप प्रतिमाओं के है चेहरों पर की शिल्पकला की, की नंगा स्वरूप से आपका बुद्धि परिचालित हो जाएगा तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तत्काल और, और किसी विलम्ब के बिना ही खजुराहो की ओर बढ़े खजुराहो इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय स्मारक है फिर भी मौर्यवादी जैसे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके सहयोगी इस राय पर थे कि खजुराहो की दीवारों को मिट्टी की एक परत से ढकना चाहिए क्योंकि उनका मानना था कि इन छवियों से लोग यौन संबंध में प्रवृत्त हो जाते हैं जब मैंने यह सुना तो मैं हैरान हो गया खजुराहो के निर्माताओं का उद्देश्य था और वह यह था कि यदि लोग मूर्तियों के सामने बैठकर ध्यान करें तो उन्हें कामुकता से मुक्ति मिलेगी हजारों वर्षों से इन छवियों को ध्यान के विषय के रूप में देखा गया है यह हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण स्थापित करता है कि अधिक संभोगित लोगों से कहा गया था कि वे खजुराहो के मंदिरों में जाएं, मूर्तियों पर ध्यान करें उनमें खो जाएं। हालांकि हमने सामान्य मानव अनुभव में इसी सत्य को अक्सर देखा है हम वास्तव में इसे देख नहीं पा रहे हैं उदाहरण के रूप में अगर आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और दो लोगों को टकराते हुए देखते हैं तो आप उनकी लड़ाई देखने के लिए रुकने का आभास करते हैं क्यों क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप दूसरों की लड़ाई देखकर आप क्या प्राप्त करते हैं काम के सौंदर्य छोड़कर आप लोग आधी घंटे के लिए लोगों की लड़ाई देखने के लिए रुक जाएंगे आप मुकाबले भी देखने जाते हैं क्यों शायद आपको यह मालूम नहीं है कि इसका चिकित्सात्मक प्रभाव होता है दो आदमी लड़ते हुए देखकर जो आप में मौद्रिक लड़ाई की गहरी इच्छा है वह पूरी हो जाती है यह उबाल जाता है यह बाहर किया जाता है और आप बहुत शांत हो जाते हैं अगर कोई शांत मन के साथ व्यक्ति बराबरी करता है तो उस आंतरिक पागल मनुष्य के पागल यौनता को उपशांत करने का एक साधन है एक आदमी ने एक मनोचिकित्सक के पास एक समस्या के साथ जाने के लिए जाना उसे उसके बॉस के साथ बहुत चिढ़ रहा था अगर उसके बॉस ने उससे कुछ भी कहा तो वह तत्काल क्रोधित हो जाता था और उसके बॉस को अपना जूता उतारकर मारने का ख्याल आता था लेकिन अपने बॉस को मारने की कैसे सोच सकते हैं क्या ऐसा को आदमी है जो किसी समय अपने बॉस को मारने का इच्छुक नहीं होता ऐसा कर्मचारी दुर्लभ है जिससे भी हो उस आदमी ने अपनी बॉस को मारने का इच्छा को दबा रखा लेकिन उसने इसके बारे में एक कॉम्प्लेक्स विकसित किया और डर है कि शायद एक दिन वह वास्तव में अपने बॉस को मार सकता है इसलिए उसने अपने जूते घर पर ही छोड़ दिए लेकिन उसने जूतों को भूला नहीं सकता था जब भी उसने अपने बॉस को देखा उसके हाथ स्वच्छंद रूप से उसके पैर की ओर बढ़ते थे लेकिन भाग्यशाली रूप से जूते घर पर ही छोड़ दिए गए थे और उसने थोड़ा सा आराम महसूस किया क्योंकि उसने जाना था कि एक दिन उत्साह में उसने शायद एक जूता उतारकर अपने बॉस की तरफ फेंक दिया हो सकता था लेकिन उसने जूते को सिर्फ घर पर छोड़कर ही उनसे मुक्त नहीं किया वे उसकी अंतरात्मा पर बड़े हुए रहते थे अगर वह किसी कलम के साथ खेल रहा था तो उसने कागज पर जूते बनाए आवश्यकता अनुसार उसने जूते के आकार का रेखांकित किया जूते उसके विचारों को भर गए और उसको बहुत डर था कि कभी न कभी वह अपने बॉस पर हमला कर सकता था घर पर उसने अपने परिवार को बताया कि शायद अगर वह कार्यालय जाए तो यह बेहतर है नहीं है अब उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार थी कि उसको अपने जूतों की जरूरत नहीं थी वह अपने बॉस को मारने के लिए किसी के भी जूतों को पकड़ सकता था उसके हाथों ने उसके सहयोगियों के पैरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था इस समय उसके परिवार ने निर्णय लिया कि उसे एक मानव चिकित्सक के पास ले जाया जाए और ऐसा हुआ मानव चिकित्सक ने कहा कि उसकी बीमारी कुछ खास चिंता की बात नहीं है यह ठीक हो सकता है उन्होंने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने घर पर अपने बॉस की तस्वीर लगानी चाहिए और हर सुबह उसे एक जूते से पांच बार मारना चाहिए तस्वीर को पूजनीयता से मारना था जब वह कार्यालय जाने से पहले और इसके अलावा उस उसे किसी प्रतिक्रिया थी क्या बकवास है हालांकि उसने इस विचार पर आश्चर्य अनुभव किया उसे यह बहुत खुशी हो रही थी तस्वीर तस्वीर लटक गई और उसी के अनुसार उसने उसने रीति आरंभ की। पहले ही दिन, जब उसने तस्वीर को पांच बार मारा और फिर कार्यालय गया उसने एक अजीब सा एहसास किया उसे अपने बॉस पर इतना क्रोधित महसूस नहीं हुआ था जैसा उसको होता था और दो हफ्ते के भीतर उसने अपने नियोक्ता के प्रति बहुत शिष्ट बन गया था उसका बॉस भी ने उसमें परिवर्तन को देखा लेकिन बेशक उसे यह पता नहीं था कि क्या हो रहा था उसने भी अपने कर्मचारी से कहा कि उसने बहुत विनम्र बहुत आदर्श और बहुत अच्छा हो गया है हाल ही में और जानना चाहता है कि क्या हुआ है कर्मचारी ने जवाब दिया कृपया मुझसे इसके बारे में मत पूछिए या सब कुछ फिर से उलट जाएगा मुझसे बस नहीं होता इस कहानी के पीछे सच्चाई क्या है क्या वाकई किसी फोटो को मारकर कुछ हासिल किया जा सकता है हाँ फोटो को मार को मारकर उस आदमी का उत्साह अपने बॉस जूते से मारने का सिर्फ विघटन हो गया मिट गया खजुराहो कोणारक और पुरी जैसे मंदिरों का इस देश के हर कोने में होना चाहिए अन्य मंदिरों में कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिलता उनमें कोई वैज्ञानिकता योजना अर्थ नहीं है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन खजुराहो और उनकी तरह अन्य मंदिरों की अस्तित्व पूर्ण रहती है व्यक्ति जिसका मन यौनता के प्रति बहुत चिंतित है वह वहां जाकर ध्यान करना चाहिए जब वह वापस आएगा तो उसका हृदय हल्का हो जाएगा वह शांत होगा तांत्रिकों ने को आध्यात्मिकता में बदलने का प्रयास किया लेकिन हमारे देश के नैतिक प्रवक्ता उन्हें सामान्य जनता तक पहुंचने नहीं देने का कारण बने रहे हैं ये ही वे लोग हैं जो मेरे वारंवार से बातें रोकना चाहते थे जबलपुर लौटकर बॉम्बे में भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में मेरे भाषण के तीन दिनों बाद मुझे एक दोस्त की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर मैं इन बातचीतों को जारी रखता हूँ तो मुझे गोली मार दी जाएगी मैं उसे जवाब देना चाहता था लेकिन यह त्रिगुणी आदमी डरपोक लगता है उसने न तो अपना पत्र हस्ताक्षरित किया था और न ही अपना पता दिया था शायद उसे यह डर था कि मैं पुलिस को मामला रिपोर्ट कर दूं। फिर भी अगर वह यहाँ मौजूद है तो वह अब मेरा जवाब स्वीकार करना चाहिए यदि वह यहाँ है तो मुझे लगता है कि वह या तो दीवार के पीछे है या किसी पेड़ के पीछे अगर वह कहीं है तो मैं उसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं धमकी की रिपोर्ट नहीं करने वाला हूँ लेकिन उसे अपना नाम और पता देना चाहिए ताकि मैं उसे कम से कम एक जवाब भेज सकू लेकिन अगर उसे इतना भी साहस नहीं है तो मैं उसे यहाँ पर मेरा जवाब दूंगा वह ध्यान से सुनना चाहिए शायद उसको इस बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन पहले वह मुझे गोली मारने में इतना जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि गोली की गूंथन के साथ मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शाश्वत सत्य बन जाएगा अगर यीशु को क्रूज पर नहीं चढ़ाया गया होता तो दुनिया ने उसे बहुत पहले ही भूल जाता एक प्रकार से पीड़ा यीशु के लिए लाभकारी रही थी लेखक जॉर्ज गुजेट कहते हैं कि यीशु ने अपनी खुद की क्रूसिफिकेशन की योजना बनाई थी यीशु खुद को क्रूसीफाई करना चाहते थे क्योंकि तब जो कुछ भी उन्होंने प्रचारित किया था वह सदियों तक जीवित सत्य बन जाता और करोड़ों लोगों के लाभकारी होता यह संभावना है युदा जिसने तीस सिक्के के लिए यीशु को बेचा था वह उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे यह यकीनी नहीं है कि जो ने इतने वर्षों यीशु के साथ बिताए हो वह उसे इतनी कम मात्रा में बेचेगा यदि यीशु ने सुझाव नहीं किया होता कि वह इसे करे यदि यीशु ने खुद इसे सुझाव दिया, दिया हो कि वह जैन बले नहीं बले और... बल्कि 300 मिलियन जैन हो सकते थे अगर महावीर को क्रूज पर चढ़ाया जाता लेकिन महावीर ने शांति से अंत किया उसने शायद कभी इस बारे में सोचा नहीं कि वह क्रूज पर मरना चाहते हैं। किसी ने उस पर प्रयास नहीं किया और न ही उसने खुद इसे व्यवस्थित करने की कोशिश की यह न तो बुद्ध हुए थे न मोहम्मद न राम न कृष्ण न महावीर बल्कि यीशु थे जो क्रूज पर चढ़ाए गए थे और आज दुनिया का आधा हिस्सा ईसाई है और पूरी दुनिया कभी न कभी ईसाई बन सकती है यह क्रूसिफिकेशन का एक उज्जवल पहलू है इसलिए मेरा कहना है कि मेरे दोस्त को मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं होना चाहिए अन्यथा वह अपने शेष जीवन के लिए अपने कर्म का पछतावा करेगा दूसरी बात यह है कि उसे इस बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास बिस्तर में मरने का कोई इरादा नहीं है जब उचित समय आएगा तो मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोई भी प्रयास करूंगा कि कोई भी मुझ पर गोली मारे वह जल्दी नहीं होना चाहिए मैं खुद इसे व्यवस्थित करूंगा जीवन उपयोगी है लेकिन जब कोई हत्या होती है तो मौत भी उपयोगी हो जाती है एक गोली से भरी मौत अक्सर वह कर सकती है जो जीवन नहीं कर सकता लोग हमेशा इसी गलती को दोहराई है जिन्होंने सुकरात को जहर दिया जिन्होंने मंसूर को मारा जिन्होंने यीशु को क्रूज पर चढ़ाया ये सभी बच्चों के कृत्य थे सभी अपने आप गर्भपात हो जाने वाले थे और हाल ही में भी जिन्होंने गांधी पर गोलियां चलाई उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि गांधी के अनुयायियों में से कोई भी उनकी याद को इतनी सफलता से बढ़ावा नहीं कर सकता था जितनी उसने अपने हत्यारे के क्रिया के द्वारा किया जब गोलियों से गोली मारी जाती है तो कभी कभी मौत वह कार्य कर सकती है जो जीवन नहीं कर सकता है सुक्रात के लिए जहर तैयार हो रहा था तब कुछ उसके दोस्तों ने पूछा कि उसके शरीर का उपचार बाद में कैसे किया जाएगा क्या यह दहन किया जाएगा या दफन किया जाएगा या कुछ और उन्होंने पूछा सुकरात मुस्कुराए और कहा मूर्ख लोग तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम मुझे कभी भी दफन नहीं कर पाओगे मैं जितना कि तुम सभी को नहीं मरूंगा यह जादू यह है कि मैंने मौत का चयन किया है केवल हमेशा के लिए जीने के लिए तो मेरे दोस्त अगर वह यहाँ है तो बेवकूफी से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे जल्दी ही अपने आप को हारने वाला पाएगा मुझे कोई नुकसान नहीं होगा मैं उन लोगों में से एक नहीं हूँ जिन्हें गोलियां नष्ट कर सकती हैं मैं उन लोगों में से एक हूं जो गोलियों के बावजूद जिंदा रहेंगे वह मुझे जल्दी से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उसे चिढ़ाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिस्तर में नहीं मरता उस प्रकार की मौत अनुपयुक्त है वह प्रकार की मौत निरर्थक मौत है और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है पता देने में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर मुझे यह यकीन है कि कोई साहसी और तैयार आदमी है जो मुझ पर गोली मार सकता है तो मैं किसी को सूचित किए बिना ही मुलाकात रखूँगा ताकि बाद में उसे संलग्न नहीं किया जा सके लेकिन इस आदमी के बारे में कुछ बहुत अजीब नहीं है उसने यह लिखा कि उसको धर्म की सुरक्षा करने का एहसास था उसने लिखा क्योंकि उसको लगा कि मैं धर्म को नष्ट करना चाहता हूं और उसे धर्म को पुनर्स्थापित करना है उसके इरादे कभी भी दुराचार नहीं थे उसकी भावनाएं बहुत सांत्वना भरी और धार्मिक लोग विश्व की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके इरादे बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनकी समझ बहुत ही कमजोर है युगों से इस प्रकार के आत्मसमर्पित लोग और उनके समर्थन में जैसे ही सत्य का पूरा विकास घेरा जाता है और इसी तरह से ज्ञान को दबाया गया है अज्ञान व्यापक है हम अंधकार में खोज रहे हैं हम अज्ञान की अंधेरी रात में खो गए हैं और हमारी अंधकार में इन नैतिक प्रवक्ताओं ने ऊंचे मंच बनाए हैं जिनसे वे हमें उपदेश देते हैं लेकिन यह भी सत्य है कि जब हमारे जीवन में सत्य की किरण चमकना शुरू होता है तो इन ताकियाकार धार्मिक लोगों को बेरोजगार हो जाएगा जब हम भगवान के साथ जीवन संबंध बना सकते हैं जब हमें समाधि का ज्ञान होता है जब हमारा सांसारिक सामान्य जीवन दिव्य जीवन में परिणाम होने लगता है तब इन नैतिकवादियों और प्रवक्ताओं के लिए कोई काम बचता नहीं है प्रवक्ता को फायदा तब है जब लोग अंधकार में खोने लगते हैं एक डॉक्टर तब की आवश्यकता होती है जब लोग बीमार होते हैं लेकिन डॉक्टर अनावश्यक होते हैं अगर लोग बीमार होना बंद कर देते हैं नैतिक वाक्यबद्धता की तरह चिकित्सा व्यापार भी आंतरिक संघर्ष पर आधारित है क्योंकि डॉक्टर की आजीविका लोगों के बीमार होने पर निर्भर है एक डॉक्टर रोगियों का उपचार बाहिक रूप से करता है लेकिन अंतर्निहित रूप से उम्मीद है कि वे बीमार पड़े और जब एक महामारी होती है तो वह ईश्वर का धन्यवाद करता है कि उसे व्यापार मिला मैंने एक कहानी सुनी है एक रात एक समूह के दोस्त एक बड़े पार्टी में थे पीने खाने वे सुबह के उज्जवल समयों तक आनंद करते रहे जब वे अपने रास्ते करने लगे होटल के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे भगवान धन्यवाद देना चाहिए जिसने उन्हें इतने अच्छे ग्राहक भेजे हैं। अगर ऐसी भगदड़ जारी रही तो वे धनी हो जाएंगे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा मालक जब वह बिल भर रहा था ने उद्यमपति से अपने व्यापार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि वे फिर से आ सकें। मालिक ने पूछा वैसे आपका व्यापार क्या है साहब मैं एक अंगूठा चाप का काम करने वाला हूं, उसने कहा मेरा व्यापार सबसे ज्यादा तब समृद्धि होता है जब लोग मरते हैं उसी प्रकार एक डॉक्टर का व्यापार लोगों को ठीक करना हो सकता है लेकिन ज्यादा लोग बीमार होते हैं तो उसकी कमाई भी ज्यादा होती है अंदरूनी रूप से उम्मीद होती है कि उसका रोगी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता और ऐसा होता है कि रोगियों को ठीक होने में समय लगता है विशेषकर धनी लोग गरीब रोगी तेजी से ठीक हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को गरीब लोगों की लंबे समय तक बीमार रहने से अधिक कमाई नहीं होती लाभ धनी ग्राहकों से होता है और इसलिए वह धनी लोगों को ठीक करते समय धीरे धीरे बढ़ता है वैसे भी धनी लोग हमेशा अच्छा नहीं रहते वे डॉक्टर की प्रार्थनाओं का उत्तर है प्रवक्ता भी उसी श्रेणी में है ज्यादा लोग अनैतिक होते हैं अधिसमाजिक तत्व होते हैं अनारकी फैलती है उसका मंच उतना ही ऊंचा होता है क्योंकि तब उसकी और भी आवश्यकता होती है वह लोगों को अहिंसा का पालन करने सत्य का पालन करने ईमानदारी से व्यवहार करने इस नियम का पालन करने उस नियम का पालन करने और इसी तरह के नियमों का पालन करने की आदत डालें। यदि लोग धार्मिक संयमित अनुशासित शांत ईमानदार और पवित्र होते तो प्रवक्ता का व्यापार समाप्त हो जाता और भारत में इससे भी अधिक कहा दुनिया के किसी भी स्थान से इतने सारे प्रवक्ता और ताकिया धार्मिक नेता है करना नहीं चाहिए कि हम एक गहरे धार्मिक जनता है क्योंकि हमारे पास इतने सारे संत और गुरु हैं। यह एक तथ्य है कि हम आज दुनिया के सबसे अधर्मिक और अनैतिक देशों में से एक है इसी कारण हमारे देश में इतने सारे प्रवक्ता स्वर्ण अवसर पा रहे हैं प्रवचन हमारी राष्ट्रीय छवि बन गया है मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अमेरिकी पत्रिका से एक लेख भेजा उसने मुझसे उसमें उसने देखा गया कि उसमें एक कमी है के बारे में अपने राय पूछी यह एक हास्यपूर्ण लेख था जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश की राष्ट्रीय चरित्र को उस देश के एक आदमी को नशे में देखकर जाना जा सकता है अगर कोई डचमैन नशे में चढ़ता है तो लेखन में कहा गया था कि वह खाने पर चढ़ जाएगा और भोजन स्थान से बाहर नहीं निकलेगा उसे पीने के ही तुरंत दो तीन घंटे तक खाते हैं अगर कोई फ्रेंचमैन पीता है तो वह बेचैन हो जाता है उसे गाना और नृत्य करना होता है अगर कोई इंग्लिशमैन बहुत नशे में चला जाए तो वह एक कोने में बैठ जाएगा और अपने आप में ही रहेगा एक इंग्लिशमैन सामान्यत चुपचाप रहता है और जब वह नशे में चला जाता है तो वह और भी शांत हो जाता है ऐसे हैं विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों के विशिष्ट प्रतिक्रियाएं लेख के अनुसार लेकिन भूल से या अज्ञान से उसमें भारतीय का कोई उल्लेख नहीं था मेरे दोस्त ने पूछा कि उस भारतीय व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है उसने मुझसे पूछा कि एक भारतीय अत्यधिक पीने पर क्या होगा मैंने उसे लिखा कि जवाब पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है जब एक भारतीय नशे में चढ़ता है तो उसे तुरंत प्रवचन देना शुरू हो जाता है यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र है इन प्रवक्ताओं संत साधुओं और गुरुओं की इस अविनाशी पंक्ति ने एक व्यापक बीमारी की निशानी है यह एक महान अनैतिकता का संकेत है और सबसे अजीब बात यह है कि उनके हृदय के हृदय में इनमें से कोई भी इच्छा नहीं करता कि अनैतिकता समाप्त हो इस बीमारी को समाप्त किया जाए क्योंकि यदि और जब यह ठीक होता है तो प्रवक्ता को अब और जेला नहीं जाएगा उनकी आंतरिक तृष्णा है कि बीमारी जारी रहे रोग बढ़ता रहे इस बीमारी को अविरल रूप से जारी रखने का सबसे सरल तरीका जीवन के बारे में एक सर्वव्यापी ज्ञान की विकास को नियंत्रित करना है और लोगों को जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की इच्छा करने से डरने के लिए डराना और इसके बिना ही इन गहराइयों प्रकाशमय पहलुओं को न समझने की अज्ञानता है जो स्वच्छंद रूप से अनैतिकता विशेषत व्यभिचार और भ्रष्टाचार का कारण है यदि लोग इन गहराइयों को पहचानने और जानने का प्रयास कर सकते हैं तो धार्मिकता और इसके पश्चात दोषों का समाधान एक एक करके होना शुरू हो जाएगा मैं आपकी ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यौन संबंध जीवन का वह पहलू है जो अनैतिकता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यह हमेशा ही मनुष्य में विकृति विशेषता और उबाऊपन के लिए सबसे मौलिक और प्रभावशाली कारण रहा है और इसलिए धार्मिक नेताएं कभी इस पर चर्चा करना नहीं चाहते मेरे एक और दोस्त ने एक संदेश भेजा है कि कोई भी संत या गुरु कभी भी यौन संबंधों पर बात नहीं करता है उसने लिखा है कि मेरे पर उनका उच्च सम्मान यौन पर मेरे विचारों के कारण कम हो गया है मैं उसे कहना चाहता हूं कि मुझ पर आपको किसी समय के लिए भी सम्मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और अगर रखा भी था तो यह आपकी गलती थी मेरे से सम्मान क्यों चाहिए था आपका इरादा क्या था मैंने कभी आपसे सम्मान के लिए कहा था अगर आप मुझे सम्मान दे रहे थे तो यह आपकी गलती थी अगर आप अब भी उस प्रवृत्ति में नहीं हैं, तो यह आपका विशेषाधिकार है मैं कोई महात्मा नहीं हूं और मुझे महात्मा बनने की इच्छा भी नहीं है अगर मेरी किसी प्रकार की इच्छा होती कि मैं महात्मा या गुरु बनूं, तो मैंने कभी पहले ही इस विषय को चयन नहीं किया होता एक आदमी कभी भी महात्मा नहीं बन सकता अगर उसने अपनी वार्ता के लिए विषयों का बुद्धिमत्ता से चयन नहीं किया है मैंने कभी महात्मा नहीं बना मैं महात्मा नहीं हूं और मुझे निश्चित रूप से महात्मा बनने का इरादा भी नहीं है वह इच्छा खुद एक सूक्ष्म शुद्ध अहंकार का परिचायक है मैं एक आदमी हूँ और इससे मेरे लिए बहुत अच्छा है क्या इसमें कुछ भी कमी नहीं है बस एक आदमी होना ही तो काफी है क्या एक आदमी बिना दूसरों की कंधों पर सवार होकर दूसरों पर अपनी आत्मा थोप कर बिना किसी प्रकार के शक्ति हासिल की, महानता की आकांक्षा है मैं एक अधिक महान व्यक्ति को देखना चाहता हूँ क्या मनुष्यता के पूर्ण माप में पहुंचना महानता नहीं है हर व्यक्ति महान बन सकता है हर व्यक्ति महानता में समर्थ है महात्माओं और गुरुओं के दिन गए हैं उनकी आवश्यकता और नहीं है एक महान मानवता अत्यंत आवश्यक है घड़ी की आवश्यकता है एक महान मानवता की कई महान व्यक्तियां हुई है लेकिन हमने उनसे क्या प्राप्त किया है आवश्यकता है महान व्यक्तियों की नहीं बल्कि महान मानवता की एक और अधिक मानवता की कम से कम एक व्यक्ति आशंकित है कम से कम एक व्यक्ति को यह मालूम है कि मैं एक महान व्यक्ति नहीं हूँ इस आदमी की आशंका में एक बड़ी राहत है उसने मुझे महात्मादों के लिए प्रलोभित करने के लिए लिखा है उसका कहना है कि अगर मैं ऐसे विषयों पर चर्चा करना बंद कर दूं तो मैं एक महान गुरु बन सकता हूं। अब तक महात्माओं और गुरुओं ने इस प्रकार के पैसे आने वाले उपायों से फुसला जाता था और इसके परिणाम स्वरूप वे महात्माओं और उनकी महात्मदोम के लिए हानिकारक साबित होने वाले विषयों पर चर्चा नहीं करते थे अपनी सिंहासनों को बचाने की चिंता में उन्हें कभी भी नहीं चिंता थी कि वे कितने लोगों को हानिकारक प्रभावित कर रहे थे मेरी उच्चता को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं मेरा इसके बारे में सपना नहीं है मेरे पास इसके लिए कोई योजना नहीं है उल्टा मुझे चिंता है कि कभी कभी कोई मुझे किसी दिन महात्मा बना देना चाहता हो इन दिनों गुरुओं और महात्माओं की कमी नहीं है और उनके रूप में माना जाने के लिए सही पोज अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है यह हमेशा से ऐसा ही रहा है लेकिन मुद्दा का मुद्दा यह है कि महत्वपूर्ण नहीं है महात्माओं की उपलब्धता बल्कि एक सत्यपूर्ण व्यक्ति कैसे विकसित हो सकता है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं हम उस कार्य को कैसे लागू कर सकते हैं मैं भरोसा और यकीन रखता हूँ कि हमने जो चर्चा की है वह आपका मार्गदर्शन करेगी जिस पद पर चलने के लिए जो उन बाधाओं को तोड़ने में आपको मदद कर सकता है जो एक सत्यपूर्ण व्यक्ति के विकास के रास्ते में है एक पद दिखाई देता है आपके कामुकता का चरणानुरूप रूप में संभावना है आपका सेक्स आपका समाधि बन सकता है अब जैसे कि तुम आज हो तुम अपनी कामुकता हो तुम अपनी आत्माएं नहीं हो तुम आत्माएं बन सकते हो लेकिन केवल अपनी कामुकता के चरणानुरूप रूप में प्रतिस्थापन से तभी ही तुम्हारा ईश्वर की ओर यात्रा शुरू हो सकती है मुझसे कई ऐसे समान प्रश्नों ने भेजे गए हैं इसलिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनः समीक्षा करने का अनुमति दो मैंने कहा है कि तुम्हें समाधि के झलक की एक सतत जागरूकता के लिए प्रयासशील रहना चाहिए यौन संबंध में एक कोशिश करनी चाहिए कि वह बिंदु वह समाधि की झलक को ग्रहण करे जो यौन संबंध के बीच विद्युत प्रभाव की तरह चमकती है जो एक सेकंड के लिए विलोदविस्त की भांति चमकती है और फिर गायब हो जाती है तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि उसे जानो उससे मिलो उसे पकड़ो यदि तुम एक बार भी उस समय पूर्ण रूप से संपर्क बना सकते हो तो उस समय तुम यह जान लोगे कि तुम एक शरीर नहीं हो तुम शरीर रहित हो उस छोटे समय के लिए तुम शरीर नहीं हो उस समय तुम कुछ और में परिणाम होते हो शरीर पीछे छोड़ दिया जाता है और तुम आत्मा अपने असली स्वरूप में बदल जाते हो अगर तुम्हें उस महिमा की झलक होती है तो तुम उसे अनुसरण कर सकते हो ध्यान के माध्यम से ध्यान के माध्यम से उससे गहरा और स्थायी संबंध स्थापित करने के लिए तब समाधि का मार्ग तुम्हारा हो जाएगा और जब यह तुम्हारे ज्ञान और जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो कामुकता के लिए और कोई जगह नहीं रहेगी एक और दोस्त को इस बारे में चिंता है कि यदि हम इस प्रकार से सेक्स को छोड़ दें तो हमारी नस्ल हमारी सारी जाति को क्या होगा कहना संभव है यदि जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं वे ऐसे होंगे ही नहीं वर्तमान निर्जनन की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है जब बात बिल्कुल कुत्ते बिल्कुल बिल्कुल और अन्य जानवरों की प्रजन की हो लेकिन यह मानव के लिए अच्छा नहीं है यह प्रजन की कैसी दृष्टिकोण है यह कैसी बिना सोचे समझे बच्चों की उत्पत्ति है यह प्रकार का समूह अकस्मात प्रजन उदासीन है यह बेकार है और हमारी भीड़ कितनी विशाल हो गई है हमारी जनसंख्या इतनी अविश्वसनीय रूप से बढ़ रही है कि अगर इसे समय पर नहीं रोका जाता है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सौ वर्षों में तो आपके पैरों को हिलाने के लिए भी जगह नहीं होगी सौ वर्षों में आप हमेशा किसी प्रकार की मेला में महसूस करेंगे जहां भी देखें आपको लगेगा कि कहीं एक सभा चल रही है सभा बुलाना अनावश्यक होगा इस विशेष मित्र का सवाल बहुत उपयुक्त है उससे पूछा जा सकता है कि यदि ब्रह्मचर्य सामान्य हो जाए तो बच्चे कैसे पैदा होंगे मैं उसे एक और समझाने वाला हूँ और आपको भी ध्यान देना चाहिए बच्चे ब्रह्मचर्य से पैदा हो सकते हैं लेकिन पूरे उद्देश्य और बच्चों की उत्पत्ति का अर्थ एक नया परिमाण होगा काम को प्रजन के लिए वाहन नहीं है ब्रह्मचर्य ही एकमात्र माध्यम है जो विवेकपूर्ण है जैसा कि अब है एक बच्चे का जन्म यात्रा है आप किसी अन्य मोटिव के साथ यौन संबंध में जाते हैं बच्चे बस होते हैं बच्चे अनाकस्मिक मेहमान होते हैं और आप उन बच्चों के लिए उतना ही प्रेम कर सकते हैं जितना आप अनपेक्षित आगंतुकों के लिए करते हैं और अनाकस्मिक आगंतुकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है आप उनकी सुखद चीजों के लिए बिस्तर तैयार करते हैं और उन्हें खाना परोसते हैं आप उन्हें शिष्टाचार से सलामी देते हैं और आप उन्हें आत्मसमर्पण से पूछते हैं लेकिन सब कुछ शिष्टाचार के लिए किया जाता है आंतर में कोई प्रेम भावना नहीं है आपका स्थिति सोच यही है, ये बोर कब चलेंगे? तुम अंचाहे बच्चों को उसी तरह से व्यवहार करते हो बस इस कारण कि तुमने उन्हें सच्चे में पहले ही चाहा नहीं था तुम कुछ और की तलाश में थे वे केवल उपोत्पाद थे आज के बच्चे उत्पाद नहीं हैं, वे उपोत्पाद हैं। वे निर्मित नहीं होते वे जैसे कि मक्का के साथ छिलके के रूप में सेक्स के साथ आते हैं और इसलिए पूरी दुनिया ने इन घटनाओं से सेक्स को बचाने की कोशिश की है इस दृष्टिकोण से जन्म नियंत्रण विकसित हुआ अस्वाभाविक सहायताएं बनी ताकि हम सेक्स का आनंद ले सकें और उसी समय बच्चों से सुरक्षित रह सकें इस सोखी बुराई से मनवाद को उबारने के लिए यात्रा की गई है प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इस विषय पर चिकित्सा उपायों का उल्लेख है आज के आत्मशुद्ध वैज्ञानिक भी उसी चीज से चिंतित है जो 3000 वर्ष पहले आयुर्वेदिक विद्वानों को चिंतित करती थी क्यों मनुष्य इस अनुसंधान पर क्यों केंद्रित है बच्चे तूफान उत्पन्न करते हैं बच्चे चीजों के बीच में आ जाते हैं बच्चे जिम्मेदारी का बोझ लाते हैं और जन्मदात्री की दिशा में भी खतरा होता है पुरुष भी बच्चे नहीं चाहते एक पुरुष चाहे तो बच्चे हो सकते हैं लेकिन यह उसके बच्चों से प्यार करने के लिए नहीं है बल्कि यह उसके धन से प्यार करने के लिए है जब एक पुरुष को एक बच्चा चाहिए तो यह मत धोखाधड़ी में रहने के लिए नहीं है कि उसकी आत्मा एक पुत्र के लिए बेताब हो एक नए और निर्दोष मानव जीवन के लिए उसने अपने मेहनत से अपनी संपत्ति को बढ़ाया है कौन जानता है कि उसकी मौत के बाद यह किसके हाथ में गिर सकता है उसकी संपत्ति को बचाने के लिए अपने खून से जन्मे हुए एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है ताकि वह अपनी संपत्ति को बचा सके अपने खजाने का आनंद ले सके किसी को भी बच्चा बच्चे के लिए नहीं चाहिए हम खुद को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे बस खुद ही आते हैं ये उत्पाद सेक्स के द्वारा होने वाली स्पष्ट है वे बीमार है वे कमजोर है वे दुर्बल है उनमें चिंता भरी है बच्चे ब्रह्मचारियों द्वारा भी जन्म ले सकते हैं लेकिन वे सेक्स के आकस्मिक उत्पाद नहीं होंगे जब यह होगा तो सेक्स बच्चों को उत्पन्न करने के लिए साधन होगा लेकिन यह खुद में एक उद्देश्य अद्वितीय चेतना की स्थिति तक पहुँचते हो जब तुमने ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया है दिव्य से संयोजन की स्थिति को प्राप्त किया है तब तुम्हारा बच्चा एक सच्चा उत्पाद होगा वह वास्तव में एक सृष्टि होगा लेकिन अब तक मानव की उत्कृष्ट मानसिकता ने उसे बच्चों से बचाने और फिर भी सेक्स का पूरा आनंद लेने की कोशिश करने में समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है प्रयास उल्टी दिशा में किए जाने चाहिए लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचने के बाद भी अपनी स्थिति में रहें क्या तुम मेरा मत समझ रहे हो यदि ब्रह्मचर्य फैल जाए तो हमारी उत्पन्नता आध्यात्मिक दिशा में लगा सकती है वर्तमान में धक्के की दिशा में है बच्चों की बच्ची से नफरत करो और सेक्स का आनंद सेक्स के लिए ही करो मैं इस व्यक्ति से यह भी पूछना चाहता हूँ कि वह दुनिया को ब्रह्मचर्य से बचाने की इतनी चिंता क्यों कर रहा है उसे इतनी चिंता है कि लोग ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे तो बच्चों का जन्म रोक देंगे और दुनिया को खत्म कर देंगे मेरे दोस्त जैसा कि अब हालत है लोग ब्रह्मचर्य में आने का संभावना नहीं है और जब तक यह क्रूर चेतन और विचित्र सेक्स के प्रति उपेक्षा बनी रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा नहीं मेरे दोस्त उस ओर से दुनिया को